तो आई थिंक अभी हम लाइव है परफेक्टली और हम स्टार्ट कर दें तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करेंगे पहले इंडेस 19 डिस्कस करेंगे फिर इंडस 33 डिस्कस करेंगे इंडस 21 डिस्कस करेंगे इंडेस 12 डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंडेस 36 सिक्स इंडेस वन ये भी इंपॉर्टेंट है ये सारे इंडेस भी हम डिस्कस करेंगे फिर लास्ट में इंडस 7 हो गया इंडेस 101 हो गया ये सभी हम इंडेस डिस्कस कर लेंगे बाकी सारे इंडेक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए जैसे मैराथन था मैराथन के अंदर हमने ऑलरेडी बाकी सारे जो बड़े बड़े इंडेक्स थे वो हमने डिस्कस किया था ट्वेंटी सिक्स को उससे पहले स्मॉल इंडेक्स भी सारे हमने डिस्कस कर लिए तो जितने भी रिमेनिंग इंडेक्स बचते हैं वो रिमेनिंग इंडेक्स आज हमारा आज के सेशन में हमारा हो जाएगा तो ओवरऑल हम सारी चैप्टर इस बार रिवाइज कर ले रहे अच्छे से तो चलिए अभी हम फटाफट से क्या करेंगे इंडेक्स नाइनटीन डिस्कस करेंगे जहाँ पर मैं आपको क्विकली ओवरव्यू दूंगा सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट का सारे कंसेप्ट का क्विकली ओवरव्यू करके हम जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम कवर कर लेंगे तो चलिए आई थिंक अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं चलिए, तो इंडेस 19 अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड है बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड है एक बार रुकिए पेन चल नहीं रहे ये yes, ठीक है अभी परफेक्ट है चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इंडेस नाइनटीन तो so, इंडेस नाइनटीन का मैंने छोटा सा क्रग्स बनाया हुआ ये मैं बाद में आपको पेडीएफ शेयर कर दूंगा आप फिलहाल अभी ऐसा हो क्या कीजिए स्क्रीन देखिए और स्क्रीन, स्क्रीन चल रहा है ना यस yes, ठीक है तो चलिए आप स्क्रीन देखिए और उसके थ्रू हम फटाफट से रिवाइस कर लेंगे तो इंडेस नाइनटीन बेसिकली क्या कहते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करते हैं जो भी एम्प्लॉय को हम बेनिफिट्स देते हैं वो सारे इंडेस नाइनटीन में कवर होते हैं एम्प्लॉय को क्या क्या प्रकार के हम बेनिफिट्स देते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स देते हैं उनको है ना इसके अलावा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिया जाता है इसके अलावा लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स दिया जाता है इसके अलावा एक और क्या दिया जाता है टर्मिनेशन बेनिफिट्स दिया जाता है तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स याद रहेगा क्या क्या कवर होते हैं जो आपके पेमेंट जो सेटलमेंट हो जाते हैं तो ड्यू हो जाते विद इन ट्वेल्व मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड यानी रिपोर्टिंग पीरियड एंड से आपको देखना है जो ट्वेल्व मंथ्स के अंदर सेटल हो जाते हैं वो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आते हैं और वो इसका डिस्काउंटिंग नहीं होता है ध्यान रखना यहाँ पर ये यह कभी भी हम डिस्काउंटिंग नहीं करते क्योंकि ये ट्वेल्व मंथ्स के अंदर सेटल हो जाता है तो इसे हम डिस्काउंटिंग नहीं करते सैलरी वेजेस बोनस वगैरह ये सब इसमें कवर हो जाता है फिर इसके अंदर एक और चीज़ है शॉर्ट टर्म कम्पनसेटेड एबसेंसेस तो जो एबसेंट्स का पेड लीव वगैरह ये सब जो मिलते हैं

बट कितनी बार हम क्या करते हैं नॉन इन्वेस्टिंग कंडीशन अगर हो तो वहां पर हम क्या करते हैं पैसा नहीं देते छुट्टी के बदली छुट्टी दी जाती है लीव के बदली लीव दिया जाता है तो वहां पर बेसिकली प्रोविजन बनाना होता है मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस पीरियड में इस करेंट ईयर में अगर आपने छुट्टी लगाई है सॉरी अगर इस करेंट पीरियड में आपने एक्स्ट्रा काम किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा अगले साल आप उसका लीव अवेल कर सकते हो सो इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाता हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड आएगा क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट से अब इस को. एसर का 350 टोटल है। और इनका एवरेज स्टाफ एट्रीशन रेट सिक्स परसेंट है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि छह परसेंट एम्प्लॉय हर साल छोड़ के जाते और नए आ जाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हमने देखा थ्री फिफ्टी एम्प्लॉयज में से थ्री ट्वेंटी नाइन आगे भी रहेंगे और 6 जो है, वो 6 आपके टर्नओवर के turnover की से, और नए कितने होंगे 21 रहेंगे। फिर आगे क्वेश्चन है क्या बोला पेड वैकेशन टेन डेज पर ईयर रिगार्डलेस ऑफ द डेट ऑफ हायरिंग मतलब उनको टेन डेज का वो छुट्टी लगा सकते हैं और वो लीव कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो भी आप वैकेशन आप अनयूज करोगे जो आप यूज नहीं करोगे उसे एक साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड वन तक हर एम्प्लॉय का अनयूज लीव कितना पड़ा हुआ है थ्री डेज का अनयूज लीव पड़ा हुआ है यानी उन्होंने एक्स्ट्रा थ्री डेज काम किया ये ध्यान में रखना तो एक बात सुनो मेरे यहाँ पर यहां पर हम क्या करेंगे थ्री ट्वेंटी का हिसाब अलग करेंगे ट्वेंटी का हिसाब अलग करेंगे जो थ्री ट्वेंटी नाइन एम्प्लॉय रहेंगे ना इनका जो तीन दिन का छुट्टी है आपका है ना वो अनयूटिलाइज पड़ा हुआ रहेगा पर ये जो ट्वेंटी वन एम्प्लॉयज इनका कुछ भी नहीं पड़ा हुआ रहेगा क्योंकि ये नए एम्प्लॉयज होंगे तो इनका कोई हिसाब नहीं रहेगा ये पूरा का पूरा नए एम्प्लॉयज हो जाएंगे यहाँ पर फिर आगे हम देखते हैं आगे क्वेश्चन है क्या बोला कि एवरेज सैलरी फिफ्टीन थाउजेंड पर डे है एम्प्लॉई की फिफ्टीन थाउजेंड पर डे और पुराना टू थाउजेंड टू थाउजेंड वन प्रीवियस का प्रोविजन इतने का बना हुआ है फिर 2012 में ने नाइन डेज का वैकेशन लिया था जबकि इनके पास टेन डेज का अलाउड है इन्होंने नाइन डेज का वैकेशन लिया था और सैलरी टेन परसेंट से इंक्रीज हुई है टू थाउजेंड वन टू में तो एग्जाम के हिसाब से आप समझ लो भी ज्यादा हम डेप्थ नहीं जाएंगे सारे हम एग्जाम ओरिएंटेड फटाफट जो भी कराना है मैं आपको करवाऊंगा तो यहां पर आप मेरी बात सुनो अगर मैं नया ट्वेंटी वन एम्प्लॉयज की बात बोलूँ तो इनका पुराना कोई हिस्ट्री था नहीं टेन डेज की छुट्टी अलाउड थी इनको इन्होंने नाइन डेज की छुट्टी ले ली क्योंकि नाइन डेज एवरेज एम्प्लॉय ने छुट्टी लगाई है तो इनका वन डे का लीव कैरी फॉरवर्ड होगा अगर हम पुरानी थ्री ट्वेंटी नाइन एम्प्लॉय की बात करें तो इनके पास टेन डेज का लीव अलाउड था इन्होंने भी नाइन डेज की छुट्टी ली तो आप बोलोगे इनका भी वन डे का कैरी फॉरवर्ड होगा लेकिन इनका पुराना थ्री डेज का भी पड़ा हुआ है तो पुराना थ्री डेज और अभी का वन डे मिला के फोर डेज का इनका लीव कैरी समझ ले, समझ ले अब छुट्टी अब करंट तो अवेल करते हो फिर पिछले साल का एडजस्टमेंट होता है बट इस क्वेश्चन में फीफो बेसिस है। है ना? आपका अगर मान लो पुराना तीन दिन का आपका लीव पड़ा तो अगर आप अभी छुट्टी लगाओगे तो आप पहले पुराना वाला यूज कर सकते हो जैसे आपने टेन डेज में से पुराना थ्री डेज का लीव आपने अवेल कर लिया आपके पास सेवन डेज का था बचा हुआ और उसमें से आपने क्या किया और आपने 6 दिन का कर लिया मतलब जैसे डेज था जिसमें से पुराना थ्री डेज तो आपका पुराना से एडजस्ट हो गया अभी टेन में से सिर्फ आपने छह डेज ही अपने अवेल किया है मतलब फोर डेज का आपका कैरी फॉरवर्ड रहेगा आप सिंपल इतना समझो थ्री डेज पुराना और अभी का टेन कितना हुआ थर्टीन डेज आपके पास है उसमें से नाइन डेज आपने छुट्टी लगाई है मतलब फोर डेज आपके पास कैरी फॉरवर्ड करने का बचता है तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं थ्री ट्वेंटी नाइन एम्प्लॉय का फोर डेज का कैरी फॉरवर्ड होगा यानी डेज होगा और वही ट्वेंटी वन एम्प्लॉय का वन डे का कैरी फॉरवर्ड होगा यानी ट्वेंटी वन डेज होगा यानी यहाँ पर डेज वाइज अगर हम जाए तो थ्री ट्वेंटी नाइन एम्प्लॉय का तो इतना डेज हो जाता है मल्टीप्लाई बाई फोर करके और ट्वेंटी वन एम्प्लॉयज का इतना डेज हो जाता है तो टोटल तो डेज कितना होता है मेन डेज होता है तो ये डेज आपको निकालना है ये निकालने के बाद फिर आप क्या करोगे यहां पर आपको प्रोविजन बनाना है पिछले साल अगले साल का प्रोविजन बनाना है तो यहां पर आप क्या बोलोगेड की सैलरी के हिसाब से तो प्रोविजन हमें बनाना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1, 3, 3, 7, क्या करेंगे? करके हम बनाएंगे। मैंने जैसे क्लास में बताया था यहां पर गलती है क्योंकि हम प्रोविजन फर्दर फ्यूचर का बना रहे और फ्यूचर में भी तो क्या पता कोई एक्सपेक्टेड सैलरी इंक्रीज होता तो वो भी लेते बट खैर अभी ये सब चीजों में हम बात नहीं करेंगे अभी पूरा बुक का क्वेश्चन जो आईसी का सॉल्यूशन है उसी हिसाब से हम करेंगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे टेन परसेंट का इंक्रीमेंट लगाओगे तो सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो आपका आएगा इसका आप प्रोविजन बनाओगे आप तो इतने कामया प्रोविजन बनाना है तो प्रोविजन की एंट्री एग्जाम में दो एंट्री आप पास करोगे

वो पुराना प्रोविजन के साथ एडजस्ट करके पेमेंट कर रहे इस हिसाब से बेसिस में इन्होंने लिया है तो आप यहां पर क्या करोगे नया प्रोविजन तो बना दिया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू प्रोविजन और पुराना के लिए आपने क्या करना रिवर्स करोगे विथ कॉरस्पोंडिंग एडजस्टमेंट टू बैंक तो बैंक के साथ एडजस्टमेंट करके आप करोगे ये तो बताओ ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे अब ये वाला तो शॉर्ट टर्म कम्पनसेटेड एब्सेंस में और कुछ खास क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा अच्छा लगा और मैं बाकी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में मैंने आपको बता दिया कि वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग में कैसे क्या करना है फिर अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है क्वेश्चन इसी का ही आने का चांस रहेगा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का सो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं जैसे कि जो एम्प्लॉई हमारे पास जो आज काम कर रहे जब वो कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे उसके बाद हमें उन्हें जो पैसा देना होता है जो बेनिफिट्स देना होता है वो कहलाता है पोस्ट एम्प्लॉय

जैसे मान लीजिए हमने प्रोविडेंट फंड में हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या इंश्योरेंस कंपनी को हमारा कंट्रीब्यूशन करने की जिम्मेदारी है या गवर्नमेंट के किसी अदर फंड में कंट्रीब्यूशन करने की हमारी जिम्मेदारी है हमें फ्यूचर में सेटलमेंट नहीं करना हम क्या करेंगे एम्प्लॉय इस साल काम करेगा हम कंट्रीब्यूशन कर देंगे जैसे प्रोविडेंट पीपीएफ वगैरह में हम जैसे कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वहां पर बेसिकली एम्प्लॉयर यानी एंटिटी का कोई भी रिस्क नहीं रहता वहां पर एंटिटी का कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं रहता है कोई भी आपका एक्चुअरियल या इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं रहता है और कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहता फ्यूचर का बस ऑब्लिगेशन किस बात का रहता है आज कंट्रीब्यूशन करने का आज हम पेमेंट कंट्रीब्यूट कर देंगे हमारी जिम्मेदारी खत्म कल को फ्यूचर में कम पैसा मिलेगा ज्यादा पैसा मिलेगा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट के बाद उसकी जिम्मेदारी एम्प्लॉ और अदर थर्ड पार्टी की हमारी नहीं है तो यहां पर मुझसे क्या कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान कहते हैं और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एकदम सिंपल है आप देख लो आपका कितना अमाउंट पेबल रहेगा कंट्रीब्यूट कितना करना पड़ेगा आपको उतना ही इस पीरियड में आप उतने का आप क्या करो पेबल दिखा दो प्रोविजन भी नहीं बना आपको पता रहेगा कि हमें प्रोविडेंट फंड में मान लो ट्वेंटी थाउजेंड कंट्रीब्यूट करना है बेनिफिट एक्सपेंस टू पेबल दिखा देंगे और कंट्रीब्यूट कर दिया तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू बैंक दिखा देंगे बात खत्म यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन डिफाइन बेनिफिट प्लान ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसके हम जो भी क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से कर लेंगे टेंशन की कोई बात नहीं एकदम ईजी लगेगा आपको एकदम आराम से कर लेंगे डिफाइन बेनिफिट प्लान में क्या होता है जैसे हमने एम्प्लॉय को कहा है कि आप हमारी कंपनी में टेन ईयर्स तक काम कीजिए हम आपको ग्रेचुटी देंगे पेंशन देंगे जो भी देंगे और वो आपको क्या देंगे आपकी जो लास्ट ड्रोन सैलरी होगी जो आपकी फाइनल सैलरी होगी उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको पैसा दिया जाएगा अब आज की डेट में बहुत सारे मतलब हमें पता नहीं बहुत सारी अनसर्टिनिटी है कि फ्यूचर में हमें कितना पैसा देना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा कब देना पड़ेगा है ना कितने एम्प्लॉयज उसके लिए एलिजिबल होंगे कितने नहीं होंगे वो सारा कैलकुलेशन करना होता है उसके लिए हम एक्चुअरी वगैरह को भी अपॉइंट करते हैं एक्चुअली ये सारा कैलकुलेशन करते हैं और फ्यूचर में पैसा उसको कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है यहाँ पर यानी यहाँ पर हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे यहाँ पर हमें ही फ्यूचर में सेटलमेंट करना है जो भी इन्वेस्टमेंट या एक्चुअल का रिस्क होगा वो हमारा ही होगा हमें ही ऑब्लिगेशन को सेटल करना पड़ेगा फ्यूचर में फ्यूचर में कम पैसा भी लग सकता है ज्यादा भी लग सकता है तो ये आता है डिफाइन डिफाइन बेनिफिट बेनिफिट प्लान प्लान के अंदर और में बेसिकली हमें अकाउंटिंग थोड़ा सा अलग वे में करना होता है जहां पर हम प्रोविजन बनाते हैं क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता नहीं रहता है और इसी वजह से हम क्या करते हैं प्रोविजन बनाते हैं तो प्रोविजन हम कैसे बनाते हैं देखो डिफाइन बेनिफिट प्लान में हम कैसे प्रोविजन बनाते हैं इसके अंदर कुछ कुछ चीजें पहले वो बता बताते थे कुछ कुछ टर्म्स है जो हम यूज करेंगे जैसे करंट सर्विस कॉस्ट बस इतना दिमाग में रखो करंट सर्विस कॉस्ट एक मिलेगा आपको इंटरेस्ट कॉस्ट आपको मिलेगा फिर हम उतने का ऑब्लिगेशन का प्रोविजन भी बनाती है पीवीडीबी और कुछ नहीं है प्रोविजन है प्रोविजन फॉर डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन फिर प्लान एसेट्स हो गया हम जो ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं उसको हम कहीं इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो उससे रिलेटेड एक प्लान एसेट्स हो गया कुछ अगर आप मान लीजिए आपने अर्लियर जो स्कीम थी प्लान थी उसको अगर आपने मोडिफाई कर दिया या कटील वगैरह कर दिया तो पांच सर्विस कॉस्ट भी कुछ आता है और यहां पर जबकि एक्चुअली जो होता है वो सारी चीजें एस्टीमेट करते हैं तो एक्चुअली के एस्टीमेशन में भी जो चेंज आता है उससे एक्चुअल गेन या लॉस भी निकल के आता है और अभी इससे रिलेटेड आपको तभी समझ में आएगा जब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा यहां पर तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जो कि एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन 15 और ये एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर देख एक एम्प्लॉई है जिसको हमने कहा कि हम आपको लम सम बेनिफिट देंगे अब जब आप टर्मिनेट करोगे तब आपको लम सम बेनिफिट दिया जाएगा आपके फाइनल सैलरी का वन आपको दिया जाएगा फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस आप एक साल काम करोगे तो आपके फाइनल सैलरी का वन परसेंट आपको दिया जाएगा कंसीडर द सैलरी इन ईयर वन आपका कितना है टेन थाउजेंड है और ये सेवन परसेंट से बढ़ेगा ईच ईयर और क्वेश्चन ने बोल एम्प्लॉ है कि एक्सपेक्टेड वो फाइव साल फाइव ईयर एंड में वो छोड़ देगा तो हमें सबसे पहले तो ये एस्टिमेट करना है कि जब वो पांच साल के बाद छोड़ेगा तो हमें उसे कितना पैसा देना पड़ेगा भाई मेरा तो कोई बर्थडे नहीं आज मुझे हैप्पी बर्थडे क्यों बोल रहे हो मेरा कोई बर्थडे नहीं आज कोई जन्मदिन नहीं है मेरा किसी और का होगा शायद है ना मेरा नहीं है तो मुझे क्यों मिस कर रहे हो सबके सब चलो हाँ ध्यान दो एकदम अच्छे से डिस्टर्बेंस किस चीज का आ रहा है भोल का एक सेकंड रुको हमारे यहाँ दुर्गा पूजा स्टार्ट होने के बाद ही ना नवरात्रि से

चार बार ही लगाना आपको तो चार बार आप इंक्रीमेंट करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेड लास्ट रोन सैलरी कितनी आएगी वन थ्री जीरो फिफ्थ ईयर के एंड में ये वन थ्री वन जीरो सेवन आपकी एक्सपेक्टेड लास्ट रोन सैलरी आएगी अब हम उसे लमसम पेमेंट क्या करेंगे वो पांच साल काम करें हमने बोला उसे कि तेरी जो फाइनल सैलरी होगी हम तुझे उसका वन देंगे फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस तो उसकी फाइनल सैलरी एक्सपेक्टेड ये है उसका वन परसेंट हम उसे देंगे और इंटू फाइव करेंगे क्योंकि एक साल का वन परसेंट देंगे तो पांच साल का पांच परसेंट हुआ ना तो उस हिसाब से लमसम पेमेंट हमें पता चल गया सिक्स फिफ्टी फाइव हम उसे कब देंगे आज नहीं पांच साल के बाद देंगे अब तो नहीं आ रहा है ना बीटो ड्रम जो है अब तो नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से अब मैं नहीं रोक सकता जो चीज है उपाय नहीं है मैं नहीं रोक सकता उसे मेरे कंट्रोल में नहीं है वो चीज तो यहां पर आप बताओ ये सिक्स फिफ्टी फाइव रुपीज हम आज देंगे, कि पांच साल के देंगे पांच साल के बाद देंगे और उसके बदले में मुझे का सर्विस भी मिलेगा तो ये में आज खर्चा नहीं दिखाऊंगा नहीं पांच साल के बाद दिखाऊंगा मैं इसे में तोड़ तोड़ के दिखाऊंगा यानी होगा ईच ईयर में कितना सिक्स फिफ्टी फाइव डिवाइडेड बाई फाइव यानी 131 एवरी ईयर आपका बेनिफिट्स एट्रीब्यूट होगा एवरी ईयर 131 का बेनिफिट्स एट्रीब्यूट होगा आपका बट हमें पैसा तो आज देना ही नहीं है अब आज वन थर्टी वन बेनिफिट एक्ट्रीब्यूट हो रहा है फर्स्ट ईयर में पर मुझे आज पैसा नहीं देना मुझे तो पांच साल के बाद पैसा देना है पर मैं प्रोविजन तो वन थर्टी वन आज बनाना चाहता हूं पर ये पेमेंट जाएगा कब मैं फर्स्ट ईयर में वन थर्टी वन का प्रोविजन बनाना चाहता हूँ ये पेमेंट जाएगा फिफ्थ ईयर के एंड में तो चार साल के बाद पेमेंट जाएगा मैं तो फर्स्ट ईयर के एंड में बनाना चाहता हूँ तो मैं वन थर्टी वन नहीं दिखाऊंगा इसका प्रेजेंट वैल्यू दिखाऊंगा

सेकेंड ईयर में भी आप बोलोगे वन थर्टी वन दिखाएंगे बट बोलेंगे पेमेंट तो फिफ्थ ईयर के एंड में होगा तो इसे थ्री ईयर बैक हम दिखाएंगे यानी हम 98 का ही करंट सर्विस कॉस्ट का प्रोविजन बनाएंगे थर्ड ईयर में वैसे ही दो साल बैक पुल करेंगे फोर्थ ईयर में वन ईयर बैक पुल करेंगे प्रेजेंट वैल्यू में फिफ्थ ईयर में तो वन थर्टी वन ही दिखाना है तो ऐसे करके हम हर साल प्रोविजन बनाएंगे जिसको हम करंट सर्विस कॉस्ट बोल रहे हैं अब देखो यहाँ पर करंट सर्विस कॉस्ट हम प्रेजेंट वैल्यू में दिखा रहे तो अब डिस्काउंटिंग किया हमने तो एवरी ईयर इंटरेस्ट रेट भी तो चढ़ेगा तो फर्स्ट ईयर का आपका एटी नाइन है करंट सर्विस कॉस्ट ये देखो तो सेकंड ईयर में आपका इस एटी नाइन पे इंटरेस्ट भी चढ़ेगा एटी नाइन का टेन परसेंट कितना होता है एट पॉइंट नाइन नाइन का इंटरेस्ट भी चढ़ जाएगा आपका यानी सेकंड ईयर में आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी आ गया कितने का नाइन का फिर थर्ड ईयर में अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर में हमारा जो करेंट सर्विस कॉस्ट है वो तो हो गई साथ ही साथ इंटरेस्ट भी आएगा कौन सा पुराने जितने आपके ऑब्लिगेशन है लाइबिलिटी उस पर आपका इंटरेस्ट चढ़ेगा तो पुराना हमारा पीवीडी भी डी लाइबिलिटी ये दिखेगा आपका ये दोनों इसका टोटल कर लो वन नाइनटी सिक्स आएगा आई थिंक वन नाइनटी सिक्स का टेन परसेंट आपका ट्वेंटी आ गया फिर आपका नेक्स्ट ईयर भी आप क्या करोगे पुराने जितने लाइबिलिटी उस पर आप इंटरेस्ट चढ़ाओगे ऐसे करते करते आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी हर साल का आपने निकाल लिया तो यहाँ पर बेसिकली आपको पता चल गया करंट सर्विस कॉस्ट पांच सालों में इतना दिखाया जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट पांच सालों में इतना दिखाया जाएगा टोटल सिक्स दिखाना था वो सिक्स आपका यहाँ पर आ जा रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर आप टेबल एक बना लोगे सिंपल सी बात है मैंने बैलेंस शीट फॉर्म से भी बनाया था देखो एक बार बस बता देता हूँ पर एग्जाम में बैलेंस शीट फॉर्म में मत बनाना इस टेबल में बना देना

क्या होगा करेंट सर्विस कॉस्ट टू लाइबिलिटी और यहां पर आपका नेक्स्ट ईयर पहले करेंट सर्विस कॉस्ट जो है आपकी उस पे आप इंटरेस्ट चढ़ाओगे और फिर करेंट सर्विस कॉस्ट भी उस पे का दिखा दोगे तो 196 आया अगले साल फिर उस पर इंटरेस्ट चढ़ाओगे और उस साल की करेंट सर्विस कॉस्ट का खर्चा दिखाओगे इस प्रकार आप जो मैंने ऐसे बना आप ऐसे भी बना सकते हो और या फिर ऐसे बनाओ करेंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट का कंप्यूटेशन आपको यहां पर दिखाना है तो आप एक काम करना ये टेबल बना के फिर ये ऑब्लिगेशन बना लेना ये कुछ नहीं है ये आपका जो बनाया ना ये मैंने यहाँ पर बैलेंसिड फॉर्म में बनाया इन्होंने टेबुलर फॉर्म में बनाया ओपनिंग लाइब्रेटी उस पर इंटरेस्ट चढ़ाना करंट सर्विस कॉस्ट चढ़ाना क्लोजिंग लाइब्रेटी फिर उस पर इंटरेस्ट चढ़ाना करंट सर्विस कॉस्ट चढ़ाना क्लोजिंग लाइब्रेटी ऐसे करते जाना बस बात खत्म अब एक और पॉइंट यहाँ पर पूछा गया इन्होंने कि बेनिफिट्स बताओ कितना एट्रीब्यूट हो रहा है हर साल तो ऑब्वियस ये बात है हर साल हमें पता ही बेनिफिट्स कितना एट्रीब्यूट हो रहा है वन वन हो रहा है हर साल तो बेनिफिट एट्रीब्यूट आपका ग्रॉस वैल्यू में वन थर्टी वन हो रहा है आपका और यहाँ पर हम क्या करें क्यूमुलेटिव भी बता दे रहे हम ये बता दे रहे प्रायर ईयर का कितना है जैसे फर्स्ट ईयर में तो प्रायर ईयर का कुछ है नहीं सेकेंड ईयर में प्रायर ईयर का कितना है वन थर्ड ईयर में प्रायर ईयर का कितना हो गया दो साल का टू सिक्सटी टू फोर्थ ईयर में प्रायर ईयर का कितना हो गया तीन साल का थ्री नाइन्टी थ्री ऐसे प्रायर ईयर प्रीवियस ईयर का बता दिया करंट ईयर का तो वन थर्टी वन वन थर्टी वन रहेगा और प्रायर ईयर का क्यूमुलेट करके बता दिया कितना है आपका

ओपनिंग ऑप्लिकेशन में हम क्या चढ़ाएंगे पहले तो इंटरेस्ट कॉस्ट चढ़ाना आप हमेशा ओपनिंग ऑप्लीकेशन प्रेजेंट वैल्यू में होगा हमारा तो उस पर हम इंटरेस्ट चढ़ाएंगे और करंट सर्विस कॉस्ट भी हम चढ़ाएंगे उस पीरियड का करंट सर्विस कॉस्ट क्या वो हम चढ़ाएंगे और अगर कुछ पास्ट सर्विस कॉस्ट है तो पास्ट सर्विस कॉस्ट भी इसमें क्या होगा ऐड हो जाएगा आपका अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लो अगर हम बेनिफिट्स कुछ पे करेंगे अगर हम ऑब्लिगेशन में कुछ बेनिफिट्स पे करेंगे तो वो बेनिफिट माइनस भी तो हो जाएगा मान लो कोई एम्प्लॉय रिटायर हो गया उसको हमने पैसे दे दिए तो उसकी लाइबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी तो ऐसा करने पर हमारा बेसिकली क्या आएगा क्लोजिंग ऑब्लिगेशन आएगा और ये कैरिंग अमाउंट का आएगा हमारा कैरिंग अमाउंट पे हमारा क्लोजिंग ऑब्लिगेशन आएगा बट जब एक्चुअली फिर से रीएस्टिमेट करेगा एक्चुअली पूरा कैलकुलेशन करेगा तो उसे क्या पता वहां पर डिफरेंसेस मिल सकते हैं वो बोलेगा कि क्लोजिंग ऑब्लिगेशन का कैरिंग अमाउंट तो ये है बट क्लोजिंग ऑब्लिगेशन का फेयर वैल्यू अगर हम देखें तो कुछ और है तो वहां पर कुछ डिफरेंस आ सकता है तो जो डिफरेंस आता है ना उसी को हम क्या कहते हैं पता है एक्चुअरियल गेन और लॉस ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है रीमेजरमेंट गेन या लॉस बोलो या फिर एक्चुअरियल गेन या लॉस बोलो और ये पता है कहाँ जाता है ये जाता है आपका ओसीआई के अंदर इन केस ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ये आपका ओ में जाते हैं और मैं आगे आपको समझाऊंगा अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट उसमें यह पी में जाते हैं ये याद रखना पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में जो भी एक्चुअल गेन या लॉस होगा वो कहाँ जाएगा ओ में जाएगा और अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में जो भी होगा वो कहाँ जाएगा पीएनएल में जाएगा एक तो ये हो गया अब मेरी बात ध्यान से सुनो हम जो हर साल खर्चा बुक करके जो ऑब्लिगेशन ऑब्लिकेशन डिटरमाइन करते हैं हम इस पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट भी करते हैं जिसे हम प्लान एसेट्स कहते हैं अब हर साल हम खर्चा तो बुक करें पर पेमेंट तो हमें फ्यूचर में करना है तो वो पैसा पड़ा रहेगा आप उस पैसे को कहीं लगाओ प्लान एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्लान एसेट्स का भी क्या होगा ओपनिंग प्लान एसेट्स होगा अब ऑब्वियसली बात है हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो आपको रिटर्न देगा इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह जो भी देगा तो हम इसमें क्या करते है? प्लस हैं प्लस इंटरेस्ट इनकम उसमें जोड़ दें तो ये आप ध्यान रख लेना यहां पर आपका इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहा है ऑब्लिगेशन में प्लान एसेट्स पे आपका इंटरेस्ट इनकम होगा आपका और प्लान एसेट्स में आप करंट ईयर में भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करोगे जितना करंट ईयर में ऑब्लीगेशन बनाया उस हिसाब से कुछ करंट ईयर में कंट्रीब्यूशन भी करोगे यानी फर्दर इन्वेस्टमेंट करोगे कंट्रीब्यूशन टू प्लान एसेट्स कंट्रीब्यूशन टू प्लान एसेट्स और जब एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया जाता ध्यान रहे वो ऑब्लिगेशन को भी कम करता है और वो बेनिफिट्स हम कहा से निकाल के देंगे प्लान एसेट से ही निकाल के देंगे तो प्लान एसेट्स यहां पर भी कम होता है यानी जब भी ध्यान रहे बेनिफिट सॉरी प्लान एसेट्स लिख दिया बेनिफिट्स ध्यान रहे आपका दोनों जगह से माइनस होता है जो आपका प्लान एसेट्स को भी कम करेगा, आपका को भी कम करेगा ये ध्यान में रखना इसके बाद हमारा अब आएगा क्या? एसेट्स। एसेट्स आएगा और इसमें भी हम लास्ट में एक्चुअली क्या करेगा इसकी फेयर डिटरमाइन करेगा प्लान एसेट्स। की प्लान की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेगा तो इसका एक्चुअरियल गेन या लॉस आएगा एक्चुअल गेन या लॉस कहाँ जाएगा ओ में जाएगा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में और वो उसमें लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में कहा जाएगा पी में जाएगा आपका ये ध्यान रखना और ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है तो बताओ ये चीज आपको समझ में और एक बात बता दो इंटरेस्ट कॉस्ट कहाँ चार्ज होता है पी में चार्ज होगा आपका पी को डेबिट करेगा ये करंट सर्विस कॉस्ट भी पीएनएल को डेबिट करेगा पांच सर्विस कॉस्ट भी पीएनएल को डेबिट करेगा बेनिफिट्स पे करेंगे तो ये बैंक से कम हो जाएगा प्लान एसेट से कम हो जाएगा और बेनिफिट्स आपका बेनिफिट्स आपका प्लान एसेट्स को कम करेगा और आपका ऑब्लिगेशन को कम करेगा एक्चुअल गेन और लॉस तो कहाँ जाएगा मैंने बताया दिया ये इंटरेस्ट इनकम पीएनएल को क्रेडिट करेगा कंट्रीब्यूशन आपका बैंक क्रेडिट करेगा करेगा बैंक बैंक को को कम 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 जब आप कंट्रीब्यूट करोगे तो 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 से पैसे कम होंगे बेनिफिट्स किया तो मैंने तो दिया ये आपका ऑब्लिगेशन और प्लान एसेट्स करते चीज़ है जो दोनों जगह पे जिसका रिलेटेड तो तो अब देखो, इससे हम क्वेश्चन कर पाएंगे कितना सिंपल लगेगा आपको भी? देखो ये क्वेश्चन सेवन एक है जो मैं आपको दिखाता हूं एकदम अच्छे से देखिए ऐसे प्राइवेट लिमिटेड अब बिजनेस में देखिएट्स है पर प्लान एसेट्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ पीवीड्यू डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन का डेटा दिया हुआ तो देखिए ओपनिंग ऑब्लिगेशन इन्होंने क्या बोला ट्वेल्थ थाउजेंड है ओपनिंग ऑब्लिगेशन ट्वेल्व थाउजेंड एक बार वर्किंग मैं वर्किंग रफ में आपको दिखा देता हूं एग्जाम में तो दिमाग खुला हुआ है आपका सबसे पहले क्या करेंगे ओपनिंग ऑब्लिगेशन हो या प्लान एसेट्स हो इंटरेस्ट चढ़ाएंगे टेन परसेंट डिस्काउंट रेट दिया हुआ है प्लान एसेट्स भी मैं साथ साथ लिखते जाता हूँ यहाँ पर टेन थाउजेंड है तो ये टेन परसेंट इंटरेस्ट यहाँ पर भी ट्वेल्व हंड्रेड प्लस होगा ये आपका ऑब्लिगेशन में ट्वेल्व हंड्रेड ये इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया आपका और प्लान एसेट्स में टेन परसेंट यानी थाउजेंड ये इंटरेस्ट इनकम हो गया मुझे चैट बॉक्स में बताइए नेट इंटरेस्ट कॉस्ट है कि नेट इंटरेस्ट इनकम है एक तरफ इंटरेस्ट कॉस्ट इतना आ रहा है और प्लेन एसेट्स में इंटरेस्ट इनकम इतना आ रहा है तो नेट कितना होगा ये मुझे फटाफट से बताओ अगर आपको पता है तो ये मुझे बताओ इसके अलावा आप देखो यहां पर इन्होंने फेयर वैल्यू बता दिया लास्ट का थर्टी मार्च का प्रेजेंट वैल्यू बता दिया इसके बारे में बाद में सोचेंगे करंट सर्विस कॉस्ट आपका कितना है और आपका इंटरेस्ट कॉस्ट तो हमने ले लिया करंट सर्विस कॉस्ट लेंगे उसी दिमाग को वैसे रखो इंटरेस्ट कॉस्ट पहले फिर करेंट सर्विस कॉस्ट आएगा हमारा ट्वेंटी का पांच पांच सर्विस सर्विस कॉस्ट कॉस्ट कुछ होता तो आता पर कोई का जिक्र नहीं है इसके अलावा बेनिफिट देखो पे किया थ्री हंड्रेड तो मैंने बताया ना बेनिफिट पे करोगे तो यहां से भी माइनस होगा और ध्यान रहे यहां से भी माइनस होगा लिखावर रहे या ना लिखावर रहे बेनिफिट पेड लाइबिलिटी को भी कम करेगा प्लान एसेट्स को भी कम करेगा हमारा दोनों को कम करेगा हमारा फिर अब यहां पर हमारा हम देखते हैं ये इसका तो हो गया हमारा इसका प्रेजेंट वैल्यू बताया आज के डेट का इतना है वो बाद में देखेंगे और कुछ दिया हुआ नहीं प्लान एसेट्स में देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ कंट्रीब्यूशन किया थ्री थाउजेंड जब कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपका प्लान एसेट्स बढ़ता है पैसा और डाला हमने और इन्वेस्टमेंट किया तो अब मुझे आप बताइए आपकी क्लोजिंग प्लान एसेट्स कितना आ रहा है थर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड आ रहा है और इधर आपका कितना आ रहा है थर्टीन थाउजेंड 15 ,700, 15 ,400 आ क्या? ये ये देखो देखो तो आप देखो पर ,400 आ रहे है। पर ये बोले कि 31 को ंड्रेड होना चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा वन हंड्रेड से लाइबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा और ये जो हंड्रेड से लाइबिलिटी को बढ़ा है, ये ही एक्चुअरियल लॉस है ताकि ये फिफ्टी हंड्रेड फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो जाए तो मेरा एक्चुअरियल लॉस मुझे पता चल गया कितना है ंड्रेड का मेरा एक्चुअरी लॉस ये कहां जाएगा ये ओसीआई में जाएगा अदर कंप्रसिव इनकम में इधर भी अगर मैं देखू मेरा इधर देखो आपका फेयर वेरवेलो प्लान सेवन हंड्रेड बता दिया तो ये आपका ये भी थाउजेंड से बढ़ रहा है एसेट थाउजेंड से बढ़ना फायदा होता है एसेट थाउजेंड से बढ़ना फायदा हो रहा है यानी ये एक्चुअरियल गेन है तो मुझे आप अब बताइए नेट पे अगर मैं आपको बोलूं तो मेरा एक्चुअल गेन हुआ है कि लॉस हुआ है नेट पे देखा जाए तो मेरा एक्चुअल गेन हुआ इधर का गेन है इधर हंड्रेड का, का, का डिटेल बता दिया बस बात खत्म है ना बस बात खत्म आपका और यहां पर आपको क्या करना है क्वेश्चन ने आपको कुछ कुछ पूछा है कि हम यहां पर नेट इंटरेस्ट कितना बताएंगे क्वेश्चन ने क्या पूछा वो देख लेते क्वेश्चन की डिमांड क्या

या तो नेट डिफाइन बेनिफिट एसेट दिखाओगे या नेट डिफाइन बेनिफिट लाइबिलिटी दिखाओगे मान लीजिए लाइबिलिटी आपका आ रहा का, तो दिखा देंगे फाइव हंड्रेड का टू थाउजेंड माइनस फिफ्टी हंड्रेड मान लीजिए आपकी लाइबिलिटी टू थाउजेंड है प्लान एसेट थ्री थाउजेंड तो प्लान एसेट्स बड़ा है ना तो नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट दिखा देंगे थाउजेंड का सब्जेक्ट टू आगे में एक एसेट सेलिंग की बात करूंगा लास्ट में बट अभी उसको इग्नोर करो आप तो नेट डिफाइन बेनिफिट एसेट आप दिखा दोगे तो यहां पर आप बताइए हमें क्या करना है हमें इन्होंने बोला कि नेट इंटरेस्ट कितना आएगा आपका तो नेट इंटरेस्ट हम बता देंगे इंटरेस्ट कॉस्ट 1200 है इंटरेस्ट इनकम 1000 है आपका तो 200 का नेट इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ हमारा और अगर आपसे कोई पूछे कि नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी या नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट बताओ बता पाओगे जी हाँ बता पाओगे ये देखो ये आपका प्लान एसेट्स हो गया आज का ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन हो गया इन दोनों को नेट करे तो ऑब्लिगेशन बड़ा है तो मतलब कितना बड़ा है एट हंड्रेड बड़ा है तो नेट डिफाइन बेनिफिट लाइबिलिटी आप बता सकते हो कितने का एट हंड्रेड का एट हंड्रेड का हमारा नेट डिफाइन बेनिफिट लाइबिलिटी है ये भी हमने बता दिया यहां पर ये देखो नेट डिफाइन बेनिफिट लाइबिलिटी अगर बैलेंस शीट का एक्सट्राक्ट दिखाओगे बैलेंस शीट के एक्सट्राक्ट में नेट डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी एट हंड्रेड का दिखा दोगे Statement of का दिखाना तो current service cost service cost तो देखो दिखाओगे, पांच है नहीं पर में जाता है मैंने बताया था, Interest cost भी net करके हमने बोल दिया कि में जाते है। ये हमने दिखा दिया यहाँ पर और फिर ओसीआई में जो रीमेजरमेंट गेन या लॉस है जो एक्चुअल गेन या लॉस है वो अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में नेट नाइन चला गया आपका तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का एक्स्ट्राक्ट और बैलेंस शीट का एक्स्ट्रा हालांकि क्वेश्चन यहां पर पूछा नहीं तो आपको बताना नहीं है अगर पूछे कभी कि पीएनएल का एक्स्ट्राक्ट बताओ या बैलेंस शीट का एक्स्ट्राक्ट बताओ तो आप आराम से बता दोगे तो बताओ इस प्रकार के क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे क्या बोलो इस प्रकार के क्वेश्चन अब मुझे लगता है आप आराम से कर लोगे एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा इसी प्रकार का तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी आप मेरे ख्याल से आप आराम से संभालोगे क्वेश्चन एट है जो मुझे आपको करवा देना चाहिए बाकी अब ये सारे क्वेश्चन तो आपके आराम से होंगे मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूं सिंपल बात है तो एक बात वापस से रिपीट कर देते सर पीवीडीबीओ वीडीपीओ में ऑब्लीगेशन में क्या क्या था इंटरेस्ट सबसे पहले इंटरेस्ट कॉस्ट चढ़ेगा फिर करंट सर्विस कॉस्ट होगा फिर पांच सर्विस कॉस्ट हुआ तो वो भी चढ़ेगा और ऑब्लीगेशन में बेनिफिट्स पे करते तो ऑब्लीगेशन भी कम होता है प्लान एसेट्स भी कम होता है बेनिफिट्स पे करेंगे तो ऑब्लिगेशन हमारा कम हो जाएगा और कंट्रीब्यूशन अगर कुछ करेंगे तो ऑब्लिकेशन से कोई मतलब नहीं कंट्रीब्यूशन करते तो बैंक का पैसा कम होता है और प्लान एसेट्स में आपका एड हो जाता है आपका

थाउजेंड एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस एक्चुअल एक्स्ट्रा से गेन मिल गया हमें थाउजेंड तो एक्चुअल रिटर्न हमारा क्या हो गया टू थाउजेंड हो गया हमारा तो ये ध्यान रखना कि एक्चुअल रिटर्न रिटर्न क्या होता है एक्सपेक्टेड प्लस रीमेजरमेंट गेन या लॉस ऑन प्लान तो आपका एक्चुअल रिटर्न पर कितने का आ गया टू थाउजेंड का आ गया आई थिंक ये वाली बात भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया एक्चुअल रिटर्न एक्चुअल गेन या एक्चुअल लॉस आता है एक्चुअल बोल रहा हूँ एक्चुअरियल नहीं बोल रहा हूँ मैं एक्चुअरियल गेन या लॉस तो अगर है तो वो कितना है थाउजेंड ही आपका प्लान एसेट्स का और आपका

आप ऐसे देख लो टेन थाउजेंड आपका पहले ओपनिंग था थाउजेंड कंट्रीब्यूशन किया थ्री हंड्रेड पेमेंट किया ट्वेल्व थाउजेंड सेवन हंड्रेड था और वो फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड हो गया भी निकल जाता है एक्चुअल तो चलिए तो अब बताइए क्या क्लियर हुआ एकदम अच्छे से क्वेश्चन नंबर एटीन मुझे कराना है आप लोग एक बार रुक जो मैं क्वेश्चन खोल लेता हूँ क्वेश्चन नंबर एट टी वाई के का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा नहीं करोगे तो फिर नहीं कर पाओगे बाद में मुझे मत कहना ये सर हम नहीं कर पाए आज ये क्वेश्चन में फटाफट आपको करवाता हूं दिमाग लगाना बस अपना रफ में इधर करते जाएंगे दिमाग लगाना अपना देखो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अगर अच्छे से नहीं समझा तो नहीं कर पाओगे एलिमिटेड प्रिपेर स्टेटमेंट टू थर्ट फर्स्ट मार्च ईच ऑपरेट्स रिटायरमेंट प्लान ऑन बिहाफ करेंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉई कुछ काम का डेटा नहीं दियाऑन अप्रेल टू थाउंडक् एडवाइज एड प्रेजेंट वैल्यूब्लीशन वास रुपीज सिक्स हंड्रेड लैक् तो ओपनिंग आपका ऑब्लिकेशन दिया हुआ है मैं ओपनिंग पी वी डीब्यू यहां पर लिखता हूँ कितना है सिक्स हंड्रेड लैक्स है ना और प्लान एसेट्स में नीचे लिख देता हूँ

एसेट्स भी 42 लाख से कम हो जाएगा हमारा और 42 लाख 42 लाख आपका अल्टीमेटली क्या होगा दोनों जगह ही कम हो रहा है तो इधर आपका इंपैक्ट जीरो आएगा क्योंकि 42 लाख आप बोलोगे माइनस फोर्टी टू लाख फिर माइनस माइनस फोर्टी टू लाख ये अल्टीमेटली जीरो आएगा मतलब यहां पर इसका इंपैक्ट कुछ भी नहीं आएगा तो वही मैं बोलना चाहता हूँ नेट डिफाइन बेनिफिट लाइबिलिटी में बेनिफिट पेमेंट करने का कुछ भी इंपैक्ट नहीं आता हमारा फिर आगे देखते हैं आगे एक्चुअली ने एडवाइस किया कि करंट सर्विस कॉस्ट जो है वो सिक्सटी टू लाख की है तो सिक्सटी टू लैख यहां पर बढ़ेगा प्लान एसेट्स में कुछ इंपैक्ट आता नहीं है तो अल्टीमेटली यहां पर भी सिक्सटी टू लाख करंट सर्विस कॉस्ट का बढ़ेगा हमारा आगे देखते हैं फिर बोला कि रूल्स ऑफ द प्लान को एमेंड किया और एमेंड करने की वजह से पांच सर्विस कॉस्ट आ रहा है फिफ्टीन लाख का तो फिफ्टीन लाख का पांच सर्विस कॉस्ट आपका लाइबिलिटी को बढ़ाएगा

टेल करने की वजह से इन्होंने बोला कि इनका रिड्यूस हो गया ऑब्लिगेशन एटी लाख से 80 लाख से ऑब्लिगेशन रिड्यूस हुआ है बट इसके बदले इन्होंने 75 लाख का पेमेंट भी किया तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो 80 लाख का आपका ऑब्लिगेशन रिड्यूस हुआ है ठीक है आपने प्लान एसेट से भी पेमेंट किया है सेवेंटी फाइव लाख का तो नेट यहां पर कितना इंपैक्ट आएगा माइनस एटी लाख माइनस -80 लाख माइनस माइनस -75 लाख यानी माइनस -80 लाख प्लस 75 लाख होगा तो आपका नेट में क्या 5 लाख का इंपैक्ट नहीं आएगा ऑब्वियसली क्योंकि 80 लाख से आपका लाइबिलिटी कम हो रहा है तो क्या हुआ 75 लाख तो पेमेंट भी कर रहे हो यानी अल्टीमेटली 5 लाख नेट पे कम होगा हमारा तो 5 लाख का मैंने इंपैक्ट दिखा दिया या फिर आप ऐसे बोलो -80 लाख माइनस सेवेंटी फाइव लाख यानी माइनस एट्टी लाख प्लस सेवेंटी फाइव लाख माइनस फाइव लाख का इंपैक्ट आएगा ये भी हमने देख लिया तो अब मुझे कोई बता सकता है कि यहां पर नेट डिफाइन बेनिफिट लाइबिलिटी कितने का दिख रहा है ये दोनों भी चाहो तो बता सकते हो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं हमें इससे ही आंसर मिल जाएगा क्योंकि आईसीए ने ऐसे ही प्रेजेंट किया है देखो 80 लाख 4 लाख 84 लाख 70 लाख 80 लाख 4 लाख 84 लाख 70 लाख 14 लाख और 76 लाख 76 86 लाख रहा है क्या बताओ एटी सिक्स लाख आ रहा है क्या और इन्होंने हमें क्या बोल दिया कि आपका सिक्स एट्टी लाख का क्लोजिंग एक्चुअली ने बोला क्लोजिंग लाइबिलिटी सिक्स एट्टी लाख का है और क्लोजिंग प्लान एसेट फाइव तो क्लोजिंग नेट डिफाइन बेनिफिट लाइबिलिटी कितने का हुआ वन ट्वेंटी लाख का हुआ तो हमें क्या लाइबिलिटी को बढ़ाना जी हमें एट्टी सिक्स लाख से कितना बढ़ाना है लाइबिलिटी को वन ट्वेंटी लाख पहुंच जाए यानी थर्टी फोर लैख बढ़ाना है थर्टी फोर लैख हमारा लाइब्रेटी नेट पे बढ़ रहा है यानी लॉस नेट वाला दोनों का मिला के नेट वाला थर्टी फोर लैख है अब आप देख लीजिए आपका ये देखो थर्टी फोर लाख है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन्होंने हर चीज को नेट किया और अगर आप सीधा करते तो आपको समझ में नहीं आता अब आप क्या करना है इन्होंने कुछ कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट आप खुद ही कर लोगे आराम से आपको समझ में आएगा देखो क्लोजिंग लाइब्रेटी का नेट बता दिया पास सर्विस कॉस्ट बता दिया कितना रिपोर्ट होगा इन रिपोर्ट क्या क्या होगा उसका फिगर दे रहे हर जगह पे इंटरेस्ट कॉस्ट कितना नेट पे रिपोर्ट होगा आपका गेन ऑन एक्चुअल गेन वगैरह क्या है वो सारी चीजों का रिपोर्ट दिया हुआ देखो रीमेजरमेंट लॉस इतने का आएगा बट बत बताओ क्या ऐसे करने से समझ में आया मतलब हम पी भी अलग से नहीं दिखा रहे प्लान एसेट्स अलग से नहीं दिखा रहे उसके सी, अलावा सीधा नेट डिफाइन बेनिफिट लाइब्रिलिटी हम अलग से निकाल रहे और एटी सिक्स प्लेट थर्टी फोर ये वन ट्वेंटी लाख हमारा हो जाएगा बताओ इतना ईजिएस्ट वे में और क्या ही कर रहा हूँ आपको मैं तो यहां पर आप एग्जाम में आईसी के वे में बस ऐसे प्रेजेंट करोगे आप यहां पर प्रेजेंट करते समय आप क्या सोचना बता हर एक एंगल में जैसे आप नेट लाइबिलिटी लिखोगे तो आप लिखना पीवीडीबीओ माइनस प्लान एसेट्स नेट करके लिखना करंट सर्विस कॉस्ट तो पता ही प्लान एसेट्स होता नहीं है तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा पी माइनस प्लान एसेट्स नेट बता दूंगा प्लान एसेट्स होता नहीं पीवीडीबीओ आ जाएगा इसमें भी सेम यही होगा हमारा नेट फाइनेंस कॉस्ट में भी हम पीवीडीबीओ का फाइनेंस कॉस्ट माइनस प्लान एसेट्स का कॉस्ट कर देंगे तो ऐसे करते करते अगर आप करोगे जैसे मैंने ये करवाया आपको आपका आराम से आंसर आएगा बोलो समझ में आया या नहीं आया मजा आया कि नहीं आई क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था उसको इजी किया कि नहीं किया बोलो इजी लगा हा या ना बोलो बताओ तो इजी लगा या नहीं लगा आई थिंक इससे इजिएस्ट वे में आपने पढ़ानी होगा तो इतना ईजी कर दिया मैंने ये क्वेश्चन और अब ये सब क्वेश्चन तो पानी क्वेश्चन है ये तो आप आराम से कर लोगे ये सब क्वेश्चन नंबर नाइन ये सब पानी क्वेश्चन है ये तो हाँ क्वेश्चन नंबर नाइन अब आराम से कर लोगे प्लान एसेट्स में पता ही है पीवीडी पे में पता ही है आराम से कर लोगे आप बोलोगे तो चलो ठीक है और दो मिनट लगेगा ये क्वेश्चन भी एक बार करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर नाइन देख लो फटाफट करा दूंगा आप देखिए यहां पर ऑप्लिकेशन ट्वेंटी लाख फोर्टी थाउजेंड का है नहीं सॉरी प्लान एसेट्स इतने का है और ऑब्लिगेशन इतने का है तो देखिए प्लान एसेट्स लिख दिया और ऑब्लिगेशन लिख दिया हम सबसे पहले दिमाग में डालना हम इंटरेस्ट चढ़ाएंगे फाइव परसेंट इंटरेस्ट चढ़ाएंगे तो इंटरेस्ट फाइव परसेंट चढ़ा दिया इसका इसका भी फाइव परसेंट इंटरेस्ट चढ़ा दिया इंटरेस्ट पहले चढ़ा दो फिर अब दूसरी चीजें चढ़ाओ फिर यहां पर देखो सीरियली जाना कंट्रीब्यूशन किया फोर लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लान एसेट्स में डाल दिया बेनिफिट दिया टू फिफ्टी फाइव बेनिफिट दोनों जगह माइनस होगा भूलना मत

एक्चुअल गेन आया और इसमें actual loss आया तो नेट पे कितना आया? नेट पे actual loss दोनों का देख देख लो लो आपका actual loss है ये देख लो. 165, 75, तो यहां पर इन्होंने मेरे ख्याल से पूछा था एस्ट्राउट बताओ देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या होगा ओसीआई में क्या होगा बैलेंस में क्या होगा बताओ अरे आराम से बता देंगे हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में एक तो नेट इंटरेस्ट दिखाएंगे दोनों का नेट दोनों का नेट इंटरेस्ट फोर टू फाइव जीरो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाएगा इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस इंटरेस्ट इनकम फिर ये करेंट आपका करंट सर्विस कॉस्ट आपका पीएनएल में जाएगा ठीक है कंट्रीब्यूशन जाएगा नहीं बेनिफिट्स पेड जाएगा नहीं आपका है ना और इसके अलावा यानी दो ही चीज आ रहा है इंटरेस्ट कॉस्ट और करंट सर्विस कॉस्ट आपका पीएनएल में जाएगा एक्चुअल लॉस जो आया ये आपका ओसीए में जाएगा देख लो पीएनएल में दो फिगर गया एक्चुअल लॉस आपका ये आ गया और बैलेंस शीट में हम क्या दिखाएंगे नेट डिफाइन बेनिफिट लाइबिलिटी या नेट डिफाइन बेनिफिट एसेट यहाँ पर नेट डिफाइन बेनिफिट लाइबिलिटी हो रहा है कितना आ रहा है दोनों का डिफरेंस थ्री थाउजेंड आ रहा है तो तो आपने तो बोलो क्या स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल का एक्स्ट्राक्ट और बैलेंस शीट क्या आप नहीं बना सकते अब आप आराम से बना लोगे ये चीज अब मुझे टेंशन नहीं यहाँ पर बोलो आप आराम से कर लोगे तो मुझे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे आपको करवाना है जो मेरे ख्याल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है वो मुझे कराना है डेट इज इलेन ट्वेंटी और इलेक्स्टेशन ट्वेंटी वन छह मार्क का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है उसके बाद हमारा इंडेस नाइनटीन खत्म इंडेस नाइनटीन में कुछ था ही नहीं और टर्मिनेशन बेनिफिट का एक छोटी सी बात है वो बता दूंगा और कुछ नहीं है तो आई थिंक हम बहुत सही जा रहे हैं एकदम आराम से हम जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है यस yes, हम अंकित जी वैसे कर सकते कोई दिक्कत नहीं है बाकी आप आईसी का मैंने बता दिया जो एग्जाम में पूछे वो आपको बताना है आंसर आपका वैल्यूज आनी चाहिए आपका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो सकता है पर वैल्यूज आने चाहिए बस उतनी सी बात है लोग आराम से चलो तो इलेटेशन ट्वेंटी और इलेक्ट्रेन ट्वेंटी यहां पर मैं कोई लॉजिक देने वाला नहीं हूं मैं फटाफट सबको बताने वाला एग्जाम में क्या करना है आप देखो यहां पर क्वेश्चन ट्वेंटी क्या कह रहा है कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान रिमबर्स करेगा फोर्टी मेडिकल का खर्चा फोर्टी मेडिकल का खर्चा रिम्बर्स करेगा अगर एम्प्लॉ कम से कम टेन ईयर्स काम करके जाते हैं टेन ईयर्स कम से कम काम करना पड़ेगा तो फोर्टी परसेंट मेडिकल कॉस्ट रिम्बर्स होगा लेकिन अगर वो ट्वेंटी परसेंट अगर वो ट्वेंटी ईयर से ज्यादा काम करेगा तो उसे फिफ्टी परसेंट रिम्बर्स किया जाएगा कैसे तो यहाँ पर तीन प्रकार के लोग होंगे एक ऐसे लोग जो आपके टेन ईयर्स भी कंप्लीट नहीं करेंगे ट्वेंटी ईयर्स तो दूर की बात है मतलब तीन कैटेगरी के एम्प्लॉय हमारे हमें लगता है जो एम्प्लॉय टेन ईयर्स की भी सर्विस कंप्लीट नहीं करेंगे उनका तो वेस्ट ही नहीं होगा क्योंकि मिनिमम टेन ईयर की सर्विस कंप्लीट करने पर फोर्टी परसेंट बेनिफिट आपको मिलेगा तो हम उनका तो कोई खर्चा बुक करेंगे नहीं बोलेंगे तू हट साइड से तेरा कोई काम नहीं है अब जो एम्प्लॉय उस कैटेगरी में आते हैं जो हमें लगता है कि टेन ईयर से ज़्यादा सर्विस तो देंगे बट ट्वेंटी ईयर से ज़्यादा नहीं देंगे ट्वेंटी ईयर्स के बिलो रहेगा तो वो एलिजिबल होंगे फोर्टी मेडिकल कॉस्ट के लिए तो उनका वेस्टिंग पीरियड कब कंप्लीट हो जाएगा जब टेन इयर्स खत्म हो जाएगा तो हम पहले दस साल में ही फोर्टी परसेंट का जो भी हमारा प्रोविजन है वो बना लेंगे बेनिफिट्स एट्रीब्यूटेबल एवरी ईयर कितना होगा फोर परसेंट ऑफ मेडिकल कॉस्ट एक्सपेक्टेड मेडिकल कॉस्ट वो एक्चुअली सारा एस्टिमेट करेगा तो एवरी ईयर फर्स्ट टेन ईयर्स में हम क्या करेंगे फोर परसेंट फोर परसेंट खर्चा बुक कर देंगे अब तीसरे कैटेगरी वाले एम्प्लॉय आगे वो एम्प्लॉय जो हमें लगता है कि पूरा ट्वेंटी ईयर्स कंप्लीट करेंगे जो हमें लगता है पूरा का पूरा ट्वेंटी ईयर से भी ज्यादा काम करेंगे ऐसा लगता है तो जो हमें लगता है ट्वेंटी ईयर से ज्यादा काम करेंगे उनका हम कैसे खर्चा बुक करें तो उनका दो तरीका खर्चा बुक करने एक तो आप ये बोलोगे कि सर ट्वेंटी ईयर्स में काम ट्वेंटी ईयर्स काम देंगे फिफ्टी परसेंट मेडिकल कॉस्ट होगा तो आप बोलोगे एवरी ईयर टू पॉइंट फाइव परसेंट बुक कर दो फिफ्टी ईयर्स फिफ्टी परसेंट डिवाइड बाई ट्वेंटी ईयर्स टू पॉइंट फाइव परसेंट आप खर्चा बुक कर दो एक ये उपाय है ये उपाय यहाँ पर अलाउड नहीं है क्यों अलाउड नहीं है क्योंकि जब उनका दस साल खत्म होगा खत्म खत्म होगा तो आप 25 ही तो ही खर्चा हालांकि होते वो क्योंकि दस साल के बाद एलिजिबल हो जाएंगे और आप straight line तो आपका ट्वेंटी आपका खर्चा बुक हुआ रहेगा आप ऐसा मत करो आप फर्स्ट टेन ईयर्स में फोर परसेंट करके फर्स्ट टेन ईयर खर्चा बुक करो फोर्टी परसेंट पहला दस साल में हो जाएगा आप ये समझो कि अनादर टेन परसेंट एक्स्ट्रा दे रहे नेक्स्ट टेन ईयर्स में हम क्या करेंगे 1%, 1 खर्चा बुक करेंगे। समझ में आया तो जो हमें लगता है ट्वेंटी ईयर से ज्यादा सर्विस देंगे उनका हम क्या करेंगे पहले दस साल फोर परसेंट फोर परसेंट करके खर्चा बुक करेंगे नेक्स्ट टेन ईयर्स वन परसेंट वन परसेंट करके खर्चा बुक करेंगे ये यह यहाँ पर यानी स्ट्रेट लाइन अलाउड नहीं है लेकिन अगर मैं इलस्ट्रेशन ट्वेंटी वन में देखू तो यहाँ पर पता है क्या बोला क्वेश्चन है ने बोला कि जो एम्प्लॉय दस साल से ज्यादा काम करेगा और ट्वेंटी ईयर से कम उनको टेन परसेंट मेडिकल किया जाएगा और जो एम्प्लॉय ट्वेंटी ईयर से ज्यादा सर्विस देगा उनको फिफ्टी परसेंट मेडिकल तो अब यहां पर आप बोलोगे सर जो टेन ईयर से कम काम करेंगे उनको तो हम कुछ खर्चा बुक करेंगे नहीं जो टेन ईयर से ज्यादा ट्वेंटी परसेंट जो टेन ईयर से ज्यादा ट्वेंटी ईयर से कम काम करेंगे उनको तो टेन परसेंट ही दिया जाएगा एवरी ईयर वन परसेंट वन परसेंट खर्चा बुक कर दो लेकिन जो एम्प्लॉय ट्वेंटी ईयर से ज्यादा काम करेंगे उनका क्या तो उनके लिए आप क्या बोलोगे आप उनके लिए ये बोलोगे कि पहले दस साल तो 1%, 1 करके खर्चा कर देते जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था 10 हो जाएगा फिर अगला अगला दस साल आप क्या करो 40 अगला, तो अगला इस इस प्रोहिबिट करता है स्टैंडर्ड बोलता है कि जो एम्प्लॉय ट्वेंटी सर्विस देंगे उसमें आप पहले साल कम खर्चा और लेटर में ज्यादा खर्चा बुक नहीं करता तो यहां पर आप पहले दस साल में वन परसेंट दिखाना चाहते हो नेक्स्ट दस साल में आप फोर परसेंट दिखाना चाहते हो ये अलाउड नहीं है आपको पहले दस साल में ज्यादा दिखाना पड़ेगा या तो ज्यादा दिखाओ ज्यादा पॉसिबल नहीं तो आप स्ट्रेट लाइन करो तो यहां पर हम क्या करेंगे सीधा स्ट्रेट लाइन टू करेंगे पूरा ट्वेंटी तो ज्यादा डीप नहीं जा रहा बस मैं आपको इतना बता रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड कि अगर इनिशियली ज्यादा बेनिफिट एट्रीब्यूट हो रहा है तो आप ज्यादा करके खर्चा दिखाइए जैसे यहाँ पर फर्स्ट टेन इयर्स में फोर्टी परसेंट बेनिफिट एट्रीब्यूट हो रहा था तो आप फोर परसेंट फोर परसेंट करके दिखाइए अगर आपका इनिशियली कम बेनिफिट एट्रीब्यूट हो रहा है तो ऐसा सिचुएशन में आप स्ट्रेट लाइन करो आप कम नहीं दिखा सकते आप ज्यादा खर्चा दिखाओ चलेगा इनिशियली पर आप इनिशियली कम खर्चा नहीं दिखा सकते आपको क्या करना पड़ेगा स्ट्रीट लाइन लगाना पड़ेगा तो यहां पर हम क्या करेंगे स्ट्रीट लाइन लगाएंगे बताओ ये चीज समझ में आया या नहीं आया बोलो एकदम अच्छे से समझ में आ गया आपका अब एक ओर ट्वेंटी टू में क्वेश्चन ही पढ़ाऊंगा बस मैं ऊपर ऊपर से गो थ्रू कराऊंगा मैं एक एक्साम्पल के साथ आपको गो थ्रू कराऊंगा आपका क्लियर हो जाएगा जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई स्कीम दिया पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट वो स्कीम के तहत मुझे लगता है आप टेन इयर्स तक काम करोगे और टेन इयर्स का आपका फिफ्टीन लाख ,00 ,00 रुपीस खर्चा बनता है फिफ्टीन लाख ,00 रुपीस मुझे पेमेंट करना पड़ेगा तो अब फिफ्टीन लाख रुपीस अगर मुझे पेमेंट करना पड़ेगा तो मेरा एवरी ईयर का बेनिफिट एट्रीब्यूट मैंने निकाला वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो मैंने पता किया कि वन लाख फिफ्टी थाउजेंड आप बेनिफिट्स मुझे हर साल का दोगे बेनिफिट्स एट्रीब्यूटेड वन लाख फिफ्टी थाउजेंड एवरी ईयर का एवरी ईयर करके टेन ईयर्स तक लेकिन अब पता है क्या वो मैंने कैपिंग लगा दिया मैंने बोला कि टेन लाख के ऊपर तो मैं दूंगा ही नहीं पैसा तू तो मर मैं तुझे नहीं दूंगा भले तू फिफ्टीन लाख रुपीज के लिए एलिजिबल है बट मैं तुझे टेन लाख रुपीज से ज्यादा दूंगा ही नहीं तेरा बेनिफिट्स हर लाख थाउजेंड हो रहा है ऐसे करके तू दस साल काम करके देगा मैं तुझे फिफ्टीन लाख देना चाहिए पर मैंने कैपिंग लगा दिया दस लाख रुपए का तो यहाँ पर हम दस लाख डिवाइड बाई टन नहीं करेंगे हम बोलेंगे तो हर लाख हो ही तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड कर करके हम खर्चा बुक करेंगे जब टेन लाख का कैपिंग तक खर्चा बुक हो जाएगा तब रुक जाएंगे तो छह साल तक तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड खर्चा बुक होगा सेवंथ ईयर में आप वन लाख खर्चा बुक करना टेन लाख हो गया बात आग खत्म आगे आपको खर्चा बुक ही नहीं करना यानी जितना हर साल बेनिफिट सेंट्रीब्यूट हो रहा है उतना तो आपको खर्चा बुक करना ही चाहिए हाँ अगर कैपिंग की वजह से आपका वो लिमिट पहले रीच हो जाएगा तो जब रीच होगा तब स्टॉप हो जाना तो वही चीज इस क्वेश्चन में दिया गया है आप ये चीज देख ले जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट पेएबल जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए टेन लाख रुपए और मान लो वो जितना मुझे लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी उसके हिसाब से जो परसेंटेज मैं उसको दूंगा उस हिसाब से बेनिफिट एट्रीब्यूट हर साल का वन लाख फिफ्टी थाउजेंड होगा और मुझे लग रहा है वो दस साल काम करेगा तो फिर भी मैं दस साल तक खर्चा बुक नहीं करूंगा मैं जब तक टेन लाख अचीव नहीं हो जाता तब तक ही मैं खर्चा बुक करूंगा फिर मैं स्टॉप हो जाऊंगा बोलिए अगर ये वाला चीज भी एकदम अच्छे से क्लियर हुआ तो अब बस मुझे आपको एक बात छोटी सी एक बात मुझे आपको बताना डेट इज एसेट सीलिंग के बारे में मुझे आपको एक छोटी सी बात बताना क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान से सुनो हमने क्या बोला नेट एट डिफाइन बेनिफिट लाइबिलिटी हम कितना है पीवीडीबीओ माइनस प्लान एसेट आपका नेट डिफाइन बेनिफिट लाइबिलिटी होता है आप बोलोगे नेट डिफाइन बेनिफिट एसेट क्या होता है आप बोलोगे ही बात है सर प्लान एसेट माइनस पीवीडीबीओ आपका नेट एट डिफाइन बेनिफिट एसेट होना चाहिए तो आप देख लो यहाँ पर आपका प्लान एसेट दिया हुआ टू और आपका ऑब्लिगेशन दिया हुआ टू सेवन फाइव जीरो प्लान एसेट ज्यादा बड़ा है कितना ज्यादा है प्लान एसेट्स आपका 225 ज्यादा है तो आपका 225 आप बोलोगे सर नेट डिफाइन बेनिफिट एसेट दिखाना चाहिए क्योंकि इतने का सरप्लस है इतने का सरप्लस है नेट बेनिफिट इतना एसेट दिखाना चाहिए बट रुको स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको एसेट सेलिंग भी चेक करना है ये फ्यूचर में जो रिफंड मिलेगा आपका फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन कम करना होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू होता है उसमें डीप मत जाइए अभी आप, आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि एसेट सेलिंग कितना है एसेट सेलिंग दिया हुआ रहेगा ये लिखा हुआ रहेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कंट्रीब्यूशन का प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर रिडक्शन इन कंट्रीब्यूशन या फ्यूचर बेनिफिट का प्रेजेंट वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा है ना तो ये वन सेवेंटी फाइव आपका एसेट सेलिंग है तो हम पता नेट डिफाइन बेनिफिट एसेट क्या दिखाते जो सरप्लस आया प्लान एसेट्स और पीवीडीबीओ से और जो एसेट सेलिंग है दोनों का लोअर तो आपको मन तो करेगा टू ट्वेंटी फाइव नेट डिफाइन बेनिफिट एसेट दिखाने का बट जबकि एसेट सिलिंग उससे कम है तो वाला दिखाओगे वन सेवेंटी फाइव भी आप नेट डिफाइन बेनिफिट एसेट दिखाओगे तो यहां पर आप देखिए सरप्लस यहां पर नेट डिफाइन बेनिफिट एसेट का आ रहा है जबकि एसेट सिलिंग उससे कम है तो लिस्ट ऑफ दिन वन सेवेंटी फाइव भी हम क्या करेंगे नेट डिफाइन बेनिफिट एसेट दिखाएंगे नेट डिफाइन बेनिफिट लाइबिलिटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है नेट डिफाइन बेनिफिट एसेट में ही आपको बस ये ध्यान में रखना है तो मैंने ये वाला पार्ट भी आपको समझा दिया और इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कुछ आपको इंपॉर्टेंट कुछ है जो आपको मुझे बताना चाहिए तो क्या अब इस चैप्टर में हम टाटा बाईब कर सकते हैं क्रक्स में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो क्रक्स में मुझे और आपको कुछ बताने लायक है क्या मैं देख लेता हूं अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में बस ये ध्यान रखना मैंने पहले बता दिया था कि रीमेजरमेंट गेन या लॉस डेट इज एक्चुअल गेन और लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के मामले में हम पी में दिखाते ओसीआई में नहीं दिखाते एग्जाम में अगर क्वेश्चन कुछ भी ना बोले आप एज्यूम करना वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है अगर एग्जाम में कुछ भी ना बोले तो अदरवाइज अगर क्वेश्चन एग्जाम में बोले लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का केस है तो री मेजरमेंट गेन या लॉस हम क्या करेंगे ओसीए में दिखाएंगे री मेजरमेंट गेन या लॉस हम पीएनएल में दिखाएंगे इससे रिलेटेड हालांकि कोई क्वेश्चन है नहीं। बाकी अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का जो कंसेप्ट है जो अकाउंटिंग वो सेम एज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है बस एक ही डिफरेंस है रीमेजरमेंट गेन या लॉस आप पीएनएल में दिखाओगे वॉट अबाउट फिफ्टी रूपीज फिफ्टी रुपीज का कुछ ही नहीं अब नेट डिफाइन बेनिफिट एसेट ही आप दिखाओगे वन सेवेंटी फाइव का वो आपका वन और उतने का फिफ्टी रुपीज का रिडक्शन करके अब सीधा वन सेवन का ही अब नेट अब नेट डिफाइन बेनिफिट एसेट दिखाओगे डिस्काउंट रेट की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट रेट कौन सा इस्तेमाल करना है ये बस एग्जाम के लिए ध्यान रखो जो आपका गवर्नमेंट बॉन्ड का मार्केट रेट होता है ना वही आपको डिस्काउंट रेट लेना है इंडिया में लेकिन मान लो आपकी कोई सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर इंडिया से बाहर है तो ऐसा सिचुएशन में इंडिया से बाहर का जो हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसका मार्केट रेट लेना है

लाख मिलेगा अगर तू कंपनी छोड़ के जाएगा तो।, तो और कोई तेरे से सर्विस कंडीशन नहीं ले रहे कोई भी तेरे से रुपीस दे देंगे तो ये टर्मिनेशन बेनिफिट हुआ टर्मिनेशन बेनिफिट में बस ये भी ये ध्यान रखना अगर कोई भी फ्यूचर सर्विस की कंडीशन अटैच है तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे टर्मिनेशन बेनिफिट नहीं मानने वाले तो अब बताओ ये सारी चीजें क्लियर एकदम अच्छे से अगर ये क्लियर एकदम अच्छे से तो टर्मिनेशन बेनिफिट के कुछ खास क्वेश्चन एक एग्जाम्पल है वो भी सिंपल से मुझे नहीं लगता वो आप खुद ही गो थ्रू कर लोगे तो हो जाएगा यस yes, ये नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा तो आप मुझे मुझे बताइए क्या नेक्स्ट हम इंडेक्स पे जा सकते हैं एक घंटा हमने दे दिया ऑलरेडी अच्छे से करवाया मैंने एक घंटा दे दिया हमने ऑलरेडी तो नेक्स्ट अभी हम इंडेक्स थर्टी थ्री पे जाते हैं फिर इंडेस ट्वेल्व पे आएंगे यस yes. यस yes, नेक्स्ट अभी हम इंडेक्स थर्टी थ्री पे आएंगे आ जाए बोलो सब कुछ परफेक्ट जा रहा है ना अभी और समझ में आया तो जरूर से लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर समझ में आ रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए को, 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 कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है ठीक है यस गो अहेड चलो तो ईपीएस अभी हम स्टार्ट करते हैं एक मिनट रुक जाओ फिर हम स्टार्ट करते हैं ईपीएस अर्निंग पर सर अमोल जी केरे एकदम अच्छे से करवाया सर ऐसे ही करवाइए जुरिटियन व्यू चलो बहुत बढ़िया बट सुबह सुबह पता है आप कुछ एक दो चार बच्चों ने सीरियसली मूड खराब कर देते हैं मतलब पता नहीं पढ़ाई करते ना क्या करते हैं मतलब अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि कल जैसे क्लास हमारा सेशन था शाम को तो इंटरनेट में प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं लूंगा ना मैं तो अपने मन से ले रहा हूं मुझे थोड़े ना कोई ऑब्लिगेशन है लेने की आप खुद सोचो अब ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते गोलीबाज वगैरह मतलब क्या बोलो अब तुम्हें इग्नोर करने लगे मैं समझ गया कि उपाय नहीं इनका कोई इलाज नहीं कर सकते हम बट आप खुद सोचो कि मुझे अगर झूठ बोलना ही होगा तो मैं मैं लूंगा ही नहीं ना मैं आपको बताऊंगा ही नहीं मैं लूंगा मतलब मेरे पे कोई रेस्पॉसिबिलिटी तो है नहीं कोई क्लासेस तो चल नहीं रही कि मेरे पे ऑब्लिगेशन है मुझे लेना है मैं चाहता तो मना कर देता क्योंकि ये सभी इंडेस्ट नाइनटीन थर्टी थ्री सब रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं मैंने सबके इंडिविजुअली रिविजन वीडियो इतने अच्छे से डाले हुए यूट्यूब में ऑलरेडी ये कंटेंट है वहाँ पर तो मैं अगर मुझे आप एक बार सोचो मतलब आप मेरे पे क्या कोई ऑब्लिगेशन है कराने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं मैं आपको बोलता ही नहीं कि मैं आपको करवाऊंगा क्या जरूरत है मुझे बोलने की मुझे मैं बोला क्योंकि मुझे लगा कि लाइव में बच्चे कर लेंगे साथ साथ में रिकॉर्डेड में क्या होता है बच्चे नहीं करते लाइव में बैठे बैठे साथ साथ मस्ती मस्ती में कर लेंगे इसी परपज से मैंने करा अब कुछ कुछ अब हम जिस जगह पर रहते हैं वहां पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है ही मेरी एरिया में मेरे क्लास के बच्चे भी जानते हैं इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं मैंने तो दो दो कनेक्शन लिया हुआ है फिर भी प्रॉब्लम रहती है हम क्या करें तो वहां पर अब सुबह अब साढ़े दस बजने वाले तो सुबह में मैंने राउटर जाके मैं ख़रीद के लेके किया बोले राउटर में प्रॉब्लम है इसलिए बार बार आपका डिस्टर्ब कर रहा है तो जब तक मेरा ठीक नहीं होगा मैं आपको कैसे बोलूँ कोई टाइम नहीं बोल सकता ना कैसे बोलूँ आपको मैं टाइम एक बार ठीक होगा तभी तो आपको टाइम बताऊंगा कि हाँ ठीक हो गया तो अब मैं ले सकता हूँ मतलब वो चीज़ करके मैंने बोला मतलब और बाकी अब सिंपल सी बात आप समझ लो मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी मैं सुबह आपको कल बोलता ही नहीं सेशन के बारे में बात ही खत्म हो जाते बट एटलीस्ट आप सोचो मतलब ये चीज़ मतलब ऐसा ऐसे करके मुझे डिमोटिवेट कर दो ये तो फिर तो क्या बोलू मैं है ना तो वो चीज सुबह सुबह मूड खराब हो गया मेरा मैंने देखा कि ऐसे ऐसे बोल रहे चलो ठीक है छोड़ो बट अब मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ पहले मैं ज्यादा दिल पे ले लेता था अब तो इतना दिल पे नहीं लेता मैं सीख रहा हूँ कि ठीक है हमें इग्नोर करना चाहिए बोलेंगे उपाय नहीं कुछ लोग सारे बच्चे अच्छे दो चार लोग ऐसे निकलेंगे दो चार लोग जो है वो वैसे ही रहेंगे हम उनको इग्नोर करते हुए चलते हैं बाकी इतने सारे आप लोग बच्चे प्यार दे तो आप लोग के बारे में सोचे ना उनके बारे में हम क्यों सोचें तो वही मैंने सोचा उनको इग्नोर करते हैं चलो तो अभी हम बस मैंने क्लियर क्लैरिफिकेशन इसलिए दिया क्योंकि आपको तो बस ये समझना चाहिए कि मतलब ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर कि मैं जानबूझ के करूंगा मतलब मतलब मैं कुछ जरूरत ही नहीं है मैं नहीं करूँगा इससे जानबूझ के कि क्या बात है साफ मना कर दूंगा ऑब्लिगेशन तो ही नहीं है बट पता नहीं आजकल है आजकल प्रॉब्लम क्या है कि सबको मसाला चाहिए रोस्ट चाहिए

और ये सब मैं कुछ कुछ हाथ कुछ कुछ टीचर्स का भी है जो मतलब ये सब गलत शिक्षा देते हैं मतलब चलो तो यहां पर अभी हम अर्निंग पर्सर के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखो अर्निंग पर्सर में दो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा दैट इज वन इज व्हाट बेसिक अर्निंग पर्सर और दूसरा है डाइल्यूटेड अर्निंग पर्सर ये दो चीजें हम सीखेंगे यहां पर अब एक बात ध्यान में रख लो

लेकिन अगर प्रेफरेंस क्लासीफाई हुआ इक्विटी तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे वो भी तब जब आपका वो क्यूमिटिव नेचर हो अगर क्यूमलेटिव नेचर हो तो डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ डजेंट मैटर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा पेट में से और अगर मान लीजिए आपका नॉन क्यूमुलेटिव है तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ डिक्लेयर होने पर ही हम क्या करेंगे माइनस करेंगे यानी क्यूमुलेटिव नेचर है तब तो हम क्या करेंगे डिक्लेयर हो या ना हो माइनस कर देंगे नॉन क्यूमिलेटिव है तो डिक्लेयर होने पर ही माइनस करेंगे क्योंकि डिक्लेयर नहीं हो तो आगे देने की जिम्मेदारी भी नहीं है तो ये ध्यान में रखना आप और ये याद रखना प्रेफरेंस प्रेफरेंस और होने पर डिविडेंड से माइनस नहीं होगा आपका तो प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हमने निकाला डिवाइडेड बाई हम क्या करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ सेट लेते हैं तो वेटेज में हम यहां पर ही मुद्दा यहां पर ही बच्चे फंसते है ये चीज मैं अभी आपको क्लियर करा देता हूं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ सेट में हम कैसे करें

हम बट का तो पूरा 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 अगर राइट इशू हो तो राइट ऑफ शेयर में पता है क्या होता है राइट इशू ऑफ शेयर में वहां पर दो चीजें रहती है वहां पर बोनस पार्ट भी रहता है पेड पार्ट भी रहता है क्योंकि यहाँ पर हम डिस्काउंटेड प्राइस में हम शेयर इशू करते हैं तो कुछ शेयर के पैसे आ रहे होते कुछ शेयर के पैसे नहीं आ रहे होते कितने सेट्स के पैसे नहीं आए वो बोनस पार्ट माना जा रहा उसमें टाइम वेट नहीं लगेगा जितने के पैसे आए वो तो पेड़ पार्ट है तो तो उसमें हम टाइम वेट लगाएंगे तो वही चीज अब आपको आराम से क्वेश्चन बनेगा आपका टाइम वेट का और डाइल्यूटेड भी एकदम ईजी लगेगा आपको जिस प्रकार में करूँगा डायलूटेड भी ईजी लगेगा इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है जो एग्जाम में बच्चे फंसते हैं कौन सा क्वेश्चन था यस ये वाला इलास्टेशन फाइव

तो एग्जाम में देखो अभी एग्जाम ओरियंटेड बता रहा हूँ एग्जाम में आप क्या करना तीन के बदले के ना तो ये वेटेड वाले का वन ले, ले लेना क्योंकि जब आपने इसको टूला पकड़ा ही नहीं है वन ट्रिपल सिक्स सेवन पकड़ा है तो इसी का वन थर्ड लोगे आप तो आप इन दोनों का वन थर्ड लोगों कितना डबल वन डिवाइड बाय थ्री थ्री आएगा आपका डबल था ना यस और इसका वन थर्ड कितना आएगा थ्री डबल एट एट डबल नाइन ये वन थर्ड आ गया इसका ये आ गया हमारा बात खत्म बोनस देखो कितना इजी लगा कितना इजीली आएगा आपका एग्जाम में फिर आपका देखिए थर्टी नवंबर टू लाख लाखी थाउजेंडू किया कब थर्टीबर को नवंबर थर्टी सिर्फ एक दिसंबर का महीना टू लाख फिफ्टी थाउजेंड इन वन बाई ट्वेल्थ टू जीरो देख लो कितना आ रहा है आप देखोगे अगर तो ये वन फाइव सिक्स वन फाइव सेवन सिक्स थ्री एट आ जाएगा बस खत्म कहानी बात खत्म अब एक और क्वेश्चन है राइट इशू वाला वो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ये क्वेश्चन तो एकदम आसान तरीके से करा दूंगा ये देखो एकदम आसान लगेगा इलेस्ट्रेशन सिक्स कितना सिंपल है ये राइट इशू वाला क्वेश्चन है चलो तो समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाना थर्टी दिसंबर टू कैपिटल आपका कितने का मिलियन का है फुल्ली पेड़ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू को यहाँ पर भी दिसंबर पीरियड एंड है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू को कंपनी ने राइट इशू किया वन इज टू फोर एट रुपीज थर्टी में चार के बदले एक शेयर दिया जाएगा थर्टी रुपीज करके

डिस्काउंट में सेट दोगे तो प्राइस तो पिटेगा ना तो प्राइस गिर जाता है तो यहाँ पर हम निकालेंगे एवरेज प्राइस क्या होगा बाद में हम कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे फिलहाल 18 लाख ,00 सेट से फिलहाल 18 लाख ,00 सेट है जिसकी मार्केट वैल्यू है सिक्सटी रुपीज करके यानी थाउजेंड एटी लाख फिलहाल इसकी नेट एसेट वैल्यू है ये देखो थाउजेंड लाख फिलहाल नेट एसेट वैल्यू है अब अगर हम चार शेयर के बदले एक शेयर देंगे तो एटीन लाख का टू 4 कितना हो 4 अगर हम जितना फंड पहले इतना था अब फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड शेयर हमने और इशू करके इतना पैसा ले लिया थर्टी रुपीज करके तो हमारे पास नेट एसेट इतना होगा आगे तो आगे जाके हमारे पास आफ्टर राइट इशू इतना पैसा होगा टोटल नेट एसेट होगा इतना इतना नेट एसेट होगा और नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे हमारे एटीन लाख ,00 पहले से था फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड और ,00 आउटस्टैंडिंग तो एक्स राइट प्राइस यानी आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ राइट हमारा प्राइस होगा तो -फोर हमारा एवरेज मार्केट प्राइस है अब हम यहां पर बोल देंगे एवरेज मार्केट प्राइस कितना होगा हमारा 54 होगा ये हमने पता कर लिया एवरेज मार्केट प्राइस इस वॉट 54 हमारा होगा अब इसमें से हम देखेंगे कि कितना पेड पार्ट है कितना प्री पार्ट है। एकदम सिंपल तरीका निकालने का आप ये बोलो फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड शेयर आप इशू कर लो फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड शेयर आप इशू कर लो आपको पैसे कितने मिलने चाहिए एवरेज प्राइस फिफ्टी फोर आप सिक्सटी मत बोलना सिक्सटी मिलने चाहिए नहीं एवरेज प्राइस 54 हमने निकाल लिया हम बोलेंगे हमें 54 फोर करके मिलना चाहिए नियम से क्योंकि फ्यूचर में 54 होगा बट हमें मिल कितना आ रहा है थर्टी रुपीज मिल रहा है तो 30 बाई फिफ्टी हमें मिल रहा है 24 फोर बाई फिफ्टी हमें नहीं मिल रहा है तो जो नहीं मिल रहा है वो बोनस पार्ट हो गया आप देखिए ट्वेंटी फोर बायर नहीं मिल रहा है थर्टी बाय फिफ्टी फोर हमें मिल रहा है तो बोनस पार्ट ये हो गया और पेड पार्ट ये हो गया आपका तो इस प्रकार हमने क्या किया हमने निकाल लिया

तो ये मेरा वेटेड एवरेज में जाएगा तो आप बताइए समझ में आया आप चाहते थे एक और तरीका से भी कर सकते थे यहां पर टोटल फंड देख लेते आपको कितना मिल रहा है वन थर्टी फाइव लाखी फोर रुपीज के भाव के हिसाब से टू लाख फिफ्टी थाउजेंड शेयर था आप इशू कर सकते हो ये टू लाख फिफ्टी थाउजेंड शेयर स्पीड पार्ट है बाकी का बचा हुआ फ्री पार्ट है बट मैं सजेस्ट करूंगा इस तरीके से करो ज्यादा अच्छा इस तरीके से करो ज्यादा अच्छा और फिर बोनस पे वेट मत लगाना

राइट आप कर लोगे आराम से क्वेश्चन अगर अब ये कर लोगे तो अब मेरे ख्याल से मैं डायलूटेड में जा सकता हूं डायलूटेड ईपीएस में जा सकता हूं डायलूटेड ईपीएस में भी सीधा क्वेश्चन ही कराऊंगा अभी थोड़ा सा कंसेप्ट एक बार बता दूंगा उसके बाद सीधा क्वेश्चन ही कराऊंगा यस बोनस पार्ट विदाउट टाइम फैक्टर पेड पार्ट में टाइम वेट लगाएंगे अब बोनस पार्ट में टाइम वेट नहीं लगाएंगे एक सेकंड रुकना बस एक सेकेंड चलिए तो ना सब कुछ रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है चलिए तो अभी हम डायलूटेड ईपीएस में जाते हैं मेरी बात सुनो डायलूटेड ईपीएस में कहा आप गलती करोगे एक दो छोटी छोटी जगह जहां पर आप गलती करोगे डायल्यूटेड ईपीएस डायलूटेड ईपीएस में सबसे बड़ी हमारी टेंशन क्या आती है सर हमें वहां पर टाइम वेट लेना है कि नहीं लेना ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो डायलूटेड ईपीएस में आप ये देखोगे कि जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी सेट्स हम इशू कर रहे हैं वो हम कब कर रहे हैं जैसे मान लीजिए डेल्यूटेड ई पी एस होता क्या जहां पर मैंने आपको कन्वर्टेबल शेयर इशू कर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर दिया मैंने मैंने कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू कर दिया और वो कन्वर्ट होंगे फ्यूचर में इंटू शेयर्स या मैंने आपको ऑप्शन दे दिया जो कि फ्यूचर में कन्वर्ट होंगे इंटू शेयर्स अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया है बिगिनिंग में फर्स्ट ऑफ अप्रैल को मैंने कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किया कब की अब बिगिनिंग में मैंने आपको कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू

या फिर मैंने आपको ऑप्शंस दिया है वो ऑप्शंस मैंने पता कब दिया जुलाई में दिया मैंने आपको तो ऐसे सिचुएशन में वहां वहां टाइम वेट भी लगेगा 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 ईपीएस ईपीएस में में भी टाइम टाइम वेट वेट आपका तो में लगेगा या नहीं लगेगा टाइम वेट का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे आप ये देखोगे कि वो पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन से डेट में इशू उस हिसाब से हम ईपीएस और ईपीएस हम कैसे निकालते हैं हम यहां पर ये देखते हैं कि जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर अगर मैंने आपको आज इशू कर दिया अब फ्यूचर में तो वो शेयर में कन्वर्ट होगा तो हम ये करेंगे डायलूटेड ईपीएस निकालते समय हम देखेंगे कि फ्यूचर में कितना शेयर बढ़ेगा उसके वजह से उतना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा साथ साथ हम ये देखेंगे कि उसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट सेविंग भी तो होगा जो आज हमारा इंटरेस्ट का खर्चा माइनस हो रहा है वो फ्यूचर में इंटरेस्ट का खर्चा लगेगा नहीं तो इंटरेस्ट सेविंग जो होगा वो नेट ऑफ टैक्स लेना है तो ध्यान रहे इन केस ऑफ डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह में आप इंटरेस्ट सेविंग ऐड करोगे नेट ऑफ टैक्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर को भी बढ़ाओगे

तो वहां पर ही उससे रिलेटेड हम देखेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन और हम क्वेश्चन के साथ आराम से सारी चीजें हम कवर कर लेंगे तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले कराना चाहता हूं एक सिंपल क्वेश्चन यस ये क्वेश्चन मैं आपको भी करवाना चाहता हूं ये क्वेश्चन बच्चों को लगता है हैवी पर हम इसको सीधा इसी को हम उठा लेते हैं इसी को उठाएंगे सीधा बेहतर रहेगा यस yes, इसी को उठाता हूं मैं ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये इजी लगेगा देखो पर ध्यान देना मुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा देखो

ये मार्च को तो उजेंड ना में, में तो तो का नाइन मंथ्स अगर आप देखोगे तो ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमारा शेयर बेसिक ईपीएस में आएगा तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ शेयर टेन लाख है ही टेन लाख में ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड शेयर्स आपका बेसिक ईपीएस में आ जाएगा हमारा अब इन्होंने बोला प्रॉफिट जो है टू लाख है अब ऑब्वियसली बात है इसमें से तो इंटरेस्ट वगैरह माइनस हुआ वही है क्योंकि बेसिक ईपीएस क्या आ जाएगा ये देखो टू लाख रुपीस डिवाइड बाई टेन लाख ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपका बेसिक ईपीएस आ गया बेसिक ईपीएस में कोई टेंशन वाली बात है टाइल ईपीएस में टेंशन वाली बात है टाइलूटेड ईपीएस में पहले तो मुझे अब ये बताओ डायलूटेडीएस में नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे देखो दस लाख तो हो गई इसके अलावा ये पूरा वन लैख ट्वेंटी में आएगा ये समझ लो पूरा का पूरा का क्यों क्योंकि बिगिनिंग में एक तारीख को ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी इशू हो गया हाँ आप बोलोगे इस वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड में से हमने थर्टी थाउजेंड शेयर तो इशू कर दिया जिसमें से ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड हम बेसिक का हिस्सा मान रहे थे तो बचा हुआ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपका डायलूटेड में तो आएगा ये है और रिमेनिंग रिमेनिंग्जाम तो में, तो में ये समझना है कि सर, एक को ये था, तो बेसिक में हो या डायलूटेड में हो ये पूरा डायलूटेड में तो पूरा आएगा टेन लाख प्लस वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड सीधा बोल सकते हो इलेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड आपका डायलूटेडीस में लेकिन अब आपका प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ाना पड़ेगा क्यों? क्योंकि आप बोलोगे जो इंटरेस्ट का खर्चा हमारा अभी लगा वो फ्यूचर में तो नहीं लगेगा तो उसमें तो हमने इंटरेस्ट का खर्चा पूरा माइनस किया होगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का बॉन्ड ये तो कन्वर्ट हुआ ही नहीं है में। इस पर हमने इंटरेस्ट का खर्चा कितना फाइव परसेंट करके पूरा बारह महीने का पूरा ट्वेल्व मंथ्स का हमने इंटरेस्ट का खर्चा जोड़ा हुआ होगा कितना आएगा 5%, 3, 7, 5, ये तो पूरा का पूरा ही आएगा दूसरा ट्वेंटी रुपीज को तो तीन महीने के बाद कन्वर्ट कर दिया तो इसमें इंटरेस्ट का खर्चा तो हमारा करेंट ईयर में तीन महीने का ही लगा होगा जो हमारा माइनस हुआ है पीबीआईटी में से तीन महीने का माइनस हुआ होगा ट्वेंटी

टू एट फोर थ्री पॉइंट सेवन फाइव हम ऐड कर देंगे और निकाल देंगे डेलूटेडीज बस बात खत्म तो मैंने फटाफट कराया बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ फटाफट मैंने कराया मैराथन है मेरा तो इतना फटाफट तो होगा ही हमारा बोलो अगर ये समझ में आया तो एक कौनसो वाला क्वेश्चन अभी कराता हूँ कौनसो वाले क्वेश्चन कराता हूँ बताओ समझ में आया या ना जल्दी से बताओ मुझे

चलो तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हम अच्छे से करेंगे चलो क्वेश्चन नंबर अभी हम करते हैं सब्सिडरी का और ग्रुप का दोनों का बेसिक ईपीएस और डेल्यूटेड पूछे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप देखिए यहां पर पेरेंट का और सब्सिडरी का दोनों का हमें पूछा है कि आप बेसिक और डेल्यूटेड ईपीएस बताओ पहले हम पेरेंट का बताते हैं सब्सिडरी का चलो ठीक है दोनों का ही बता देंगे एक साथ कोई दिक्कत नहीं ये देखिए हम पेरेंट का प्रॉफिट कितना है ट्वेल्थ थाउजेंड का एक्सक्लूडिंग एनी अर्निंग और डिवरेंट पेड बाय सब्सिडरी अब सब्सिडरी में इसने इन्वेस्टमेंट किया तो वहां से भी तो उसको इंटरेस्ट इनकम या इनकम जो भी मिलेगा उससे भी तो मिलेगा इसको इनकम जो भी है, है ना इसकी खुद की कमाई है नंबर ऑफ सैड टेन थाउजेंड है इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सब्सिडरी ओन बाय द पेरेंट पेरेंट ने कुछ कुछ सब्सिडरी के इंस्ट्रूमेंट ओन किया हुआ है सब्सिडरी के टोटल जो यहाँ पर आप देखो थाउजेंड शेयर उसमें से पेरेंट के पास एट हंड्रेड शेयर है मतलब पेरेंट एट्टी परसेंट इंटरेस्ट होल्ड करता है सब्सिडरी का फिर वारंट इसने इशू कर रखा हुआ है यानी पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर सब्सिडरी वन फिफ्टी होल्ड कर दिया हुआ है जिसमें से थर्टी वारंट किसके पास है पेरेंट के पास है तो इसके पास ट्वेंटी परसेंट वारंट भी है सब्सिडरी ने जितना वारंट इशू किया हुआ है उसका ट्वेंटी परसेंट वारंट भी इसके पास है मैं परसेंट वाइज जा रहा हूं आप भी एग्जाम में परसेंट वाइज करना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए अब देखो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है इसने 400 हंड्रेड इशू कर रखा हुआ है जिसमें से पेरेंट होल्ड करता है 300 हंड्रेड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है यानी 75 फाइव परसेंट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है भी होल्ड करते है ना ये होल्ड करते हैं तो ये चीजें हमने देखी यहां पर अब एक बात बताओ मुझे एक सवाल है मेरा क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं अब बताओ, ने क्या कहीं पर भी, भी पोटेंशियल ने कन्वर्टेबल नहीं पेरेंट तो सिर्फ होल्ड कर रहा है पेरेंट ने कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं किया है तो पेरेंट का बेसिक हो या डायलूटेडीएस काउजेंड तो पेरेंट का आप देखो पेरेंट का आपका बेसिक ईपीएस में भी नंबर ऑफ शेयर टेन थाउजेंड है और पेरेंट का डायलूटेड ईपीएस में भी ये ये रहा रहा पेरेंट का बेसिक और ईपीएस दोनों में टेन थाउजेंड है बच्चे कंफ्यूज होते बच्चे बोलते हैं सर डायलूटेड ईपीएस में और ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है सर टेन थाउजेंड ही क्यों लिया गया क्योंकि पेरेंट ने कोई इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं किया है पेरेंट सिर्फ होल्ड कर रहे सब्सिड्री में हाँ सबसिडी ने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इशू किया तो उसके वहां पर एडजस्टमेंट होगा तो सब्सिड्री का बात सुनो मेरी आप सब्सिडी का पहले हम हिसाब कर लेते हैं बेसिक और डायलूटेड सब्सिड्री का प्रॉफिट है फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड हम इसे पैट समझते हैं ये पैट हम समझते हैं अब सब्सिडरी ने यहां पर क्या-क्या दिया हुआ वारंट दिया हुआ इसमें तो कोई आपका खर्चा है नहीं वारंट का कुछ एक्सरसाइज प्राइस एवरेज मार्केट प्राइस दिया हुआ कन्वर्टिबल प्रेफरेंस है सब्सिडरी ने दिया हुआ 400 और इस पे डिविडेंड दिया हुआ देखो वन ₹1 का डिविडेंड देगा ये तो 400 कन्वर्टिबल शेयर्स पे कितना डिविडेंड देगा ₹1 करके ₹400 तो ₹400 जो डिविडेंड है वो इसमें से माइनस हो जाएगा

अब इसमें एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम बोलेंगे कि देखो फ्यूचर में ये फोर हंड्रेड है ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो फ्यूचर में फोर हंड्रेड इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे फ्यूचर में फोर हंड्रेड शेयर बढ़ जाएगा फोर हंड्रेड शेयर फ्यूचर में बढ़ेगा और फ्यूचर में हमारा डिविडेंड का खर्चा जो फोन हंड्रेड होता था वो नहीं होगा और नेट ऑफ टैक्स तो डिविडेंड में करते ही नहीं हम तो फोनड्रेड आपका बढ़ गया इसके अलावा हमने कुछ वारंट इशू कर रखा हुआ है जो फ्यूचर में शेयर में कन्वर्ट होंगे 150 कर रखा हुआ है जिसमें तो 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 मतलब तो तो हमें वो डायल्यूट होगा टेन बाइ ट्वेंटी तो मिलेगा जो टेन बाई ट्वेंटी नहीं मिलेगा वो डायलूशन में जाएगा यानी फिफ्टी परसेंट डायलिटेशन में जाएगा वारंट का फिफ्टी परसेंट आपका सेवेंटी फाइव ही डायलूशन में जाएगा और इसका तो कोई इनकम सेविंग है नहीं तो ये जीरो रहेगा आपका तो आप ये देख लो फ्यूचर में शेयर इतने से बढ़ जाएंगे और फ्यूचर में वारंट वन फिफ्टी से बढ़ेगा लेकिन सेवनटी फाइव का तो पैसा आएगा ही तो सेवेंटी फाइव डायलूट नहीं करेगा जो सेवनटी फाइव का पैसा नहीं आएगा वो हमारा डायलूट करेगा तो इस प्रकार हमने डायलूटेड ईपीएस सब्सिडरी का निकाल लिया खत्म अब पेरेंट का बेसिक ईपीएस हो या डायलूटेड ईपीएस हो ध्यान रहे नीचे तो टेन थाउजेंड ही होगा नीचे टेन थाउजेंड होगा अब अगर हम बेसिक ईपीएस की बात कर रहे हैं पेरेंट का तो पेरेंट का अपना कमाया हुआ ट्वेल्व थाउजेंड है और पेरेंट को देखो बेसिक को चेक करो पेरेंट को क्या मिलेगा देखो पेरेंट को प्रेफरेंस डिट जो ये फोर हंड्रेड बांट रहा है उसमें से थ्री हंड्रेड पेरेंट को मिल रहा है क्योंकि ये क्योंकि थ्री हंड्रेड प्रेफरेंस है पेरेंट ने होल्ड किया है सेवेंटी फाइव परसेंट इसका किसको मिलेगा पेरेंट को मिलेगा तो थ्री हंड्रेड इसकी कमाई डिफरेंट इनकम से आएगी

तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ फोर थाउजेंड रुपीज यहाँ पर ये भी जुड़ेगा पर नीचे टेन थाउजेंड ही रहेगा और इस प्रकार तो तो कमाई है उसका फोर थाउजेंड मिलेगा अब बेस में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर में तो डिविडेंड बांटा ही नहीं जाएगा तो पेरेंट को कहां से फ्यूचर में आप देखो हमें फ्यूचर में कोई प्रेफरेंस सर नहीं रहेंगे फ्यूचर में कोई वारंट नहीं रहेगा फ्यूचर में इतने शेयर्स आउटस्टैंडिंग होंगे जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा हो ये देखो फ्यूचर में हमने ऑलरेडी निकाल रखा हुआ है ना कि सब्सिडी के थाउजेंड शेयर्स होंगे जिसका एट्टी परसेंट पेरेंट के पास होगा यानी एट हंड्रेड पेरेंट के पास होगा फ्यूचर में फोर हंड्रेड शेयर्स और रहेंगे इसका भी आपका एट्टी परसेंट जो है इसका एट्टी परसेंट जो फ्यूचर में फोर हंड्रेड शेयर्स पढ़ेंगे उसमें सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर्स किसको मिल जाएगा पेरेंट को मिल जाएगा सेवेंटी फाइव परसेंट होल्ड कर रहे हैं ये थ्री हंड्रेड प्रेफरेंस सर होल्ड करेगा तो पेरेंट को थ्री हंड्रेड सर इसमें से भी मिलेगा और वारंट इसको कितना मिलेगा वारंट इसको भले थर्टी मिले पर हम तो आधा पकड़ रहे सेवेंटी 75, फाइव तो 75 का आधा फिफ्टीन हम मानेंगे कि पेरेंट के पास थाउजेंड सर्स में से एट हंड्रेड पेरेंट के पास रहेंगे 400 में से 300 पेरेंट के पास रहेगा 75 में से 15 पेरेंट के पास रहेगा अब इसको परसेंटेज से भी कर सकते हो जो मैंने परसेंटेज दिया हुआ है एट्टी सेवेंटी फाइव ट्वेंटी इसका 80 परसेंट इसका 75 परसेंट इसका 20 परसेंट तो हमें पता चला कि पेरेंट के पास टोटल कितना रहेगा फ्यूचर में एलेवन हंड्रेड फिफ्टीन सैर पेरेंट के पास फ्यूचर में रहेगा सब्सिड्री का और सब्सिड्री का एक शेयर पे फ्यूचर में थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स की कमाई होगी तो पेरेंट को कितनी कमाई मिलेगी थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू ट्रिपल वन फाइव तो ये की कमाई होगी और नंबर तो नहीं आया मतलब आपको करते समय हमें कोई प्रेफरेंस हम, नहीं हम ये देखेंगे फ्यूचर में हमारे पास कितने होंगे फ्यूचर में हमारे पास इतने होंगे, उस पर इतनी हमारी कमाई होगी तो वो कमाई को अपनी कमाई से जोड़ दिया और ध्यान रहे पेरेंट का तो टेंड का टेन तो आपको यहाँ पर पेरेंट का बेसिक ईपीएस निकालते समय सब्सिड्री का बेसिक को का तो देखो था यह फोर हंड्रेड में से थ्री हंड्रेड पेरेंट को मिलेगा तो वही मैंने किया थ्री हंड्रेड लिया और ये एट हंड्रेड इंटू फाइव हो गया खत्म और इधर डायलूटेड में मैंने क्या बोला अब डेल्यूटेड में तो सब ऐड ही कर दिया हमने फाइव थाउजेंड फोर रहेगा हम बोलेंगे सिर्फ सैड्स ही रहेंगे तो सैड्स ये लिया और खुद की कमाई आ गया तो बोलो क्या ये कौनसो कर लोगे हाँ या ना बोलो हाँ या ना सबसे जवाब चाहिए मुझे नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा सबसे मुझे जवाब चाहिए कर लोगे कि नहीं कर लोगे अगर कर लोगे तो एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपको पहले कराने की इच्छा रखता हूँ एक और अच्छा क्वेश्चन है कंटिंजली वाला तो कराऊंगा उससे पहले एक और अच्छा क्वेश्चन है ये मैं आपको करवाना चाहता था ये भी है और एक अच्छा क्वेश्चन यस क्वेश्चन नंबर सिक्स सीएबी लिमिटेड वाला सीएबी लिमिटेड वाला हम करेंगे चलो तो यहाँ पर सी ए बी लिमिटेड में देखो क्या दिया हुआ यहाँ पर एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ फिर रिपीट हो सकता है बच्चों ने गलती भी की थी मेरी बात सुनो जब हम ई पी एस निकालते हैं तो प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर लेते हैं आप ओ सी आई कभी भी नहीं लेते आपको एग्जाम में गुमराह किया जा सकता है ये ओ सी आई कभी भी नहीं लिया जाता फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर्सन इसका कोई काम नहीं है एन सी आई को भी नहीं लेंगे हम कभी ऐसा हो सकता है आपको टोटल इनकम बताते जिसमें इंक्लूसिव एनसीए तो एनसीए हटाना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा कितना एट्रीब्यूटेड है पेरेंट कंपनी का वही तो होगा एनसीए थोड़े ना पेरेंट का है। तो थर्टी नाइन थाउजेंड प्रोफिट फॉर द ईयर क्वेश्चन ने दिया हुआ है एक तो ध्यान में रखना यही हमारे लिए काम की चीज है बाकी एनसीए भी काम का नहीं ओसीए भी काम का नहीं है लॉन्ग टर्म फाइनेंस में क्या बोला ट्वेंटी करोड़ आपके शेयर्स आउटस्टैंडिंग ये तो रह गई और कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर फर्स्ट जुलाई को फाइव करोड़ शेयर इशू किए है थर्टी फर्स्ट मार्च एंड हो रहा है तो जुलाई से लेके मार्च तक कितना महीना हुआ नाइन मंथ्स तो हम इतना शेयर्स लेंगे और एक बात सुन लो मेरी यहाँ पर कोई कन्वर्टेबल नहीं है ये नॉर्मल शेयर्स है तो नॉर्मल पहले से शेयर्स इतना था और इसका हमने प्रोपोर्शन लगा दिया टाइम पीट लगा दिया तो ये दोनों आएगा आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में बेसिक में भी आएगा डायलूटेड में भी आएगा ठीक है ये दोनों आएगा हमारा इसके बाद आगे

हम देखेंगे डिक्लेयर हुआ है कि नहीं हुआ इन्होंने लिखा हुआ है देखो ऑर्डिनरी डिवरेंट पॉइंट टेन दिया है और आपका ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में डिवरेंट पॉइंट जीरो फाइव का दिया जा रहा है जबकि ये प्रेफरेंस प्रेफरेंसर इक्विटी क्लासिफाई हुआ है तो हमारे पैट में से डिविडेंड माइनस होगा पॉइंट जीरो फाइव करके दिया जा रहा है एट करोड़ इंटू पॉइंट जीरो कितना होगा फोर्टी लाख रुपीज होगा एट करोड़ एट करोड़ इंटू पॉइंट जीरो फाइव कर लो ट करोड़ इंटू पॉइंट होगा तो फोर्टी लाख रुपीज़ हमारा से से तो तो से में क्या करेंगे। हमारा प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ये वाला आएगा ये वाला आ गया हमारा तो आई थिंक अब आपको ये चीज एकदम समझ में आ गई एकदम अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये होल ऑफ द ईयर के लिए इशू था जो ई रिडीमेबल शेयर था ये होल ऑफ द ईयर के लिए इशू था आपका है ना पूरा पूरा होल ऑफ देयर और यहाँ पर कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इसमें आप कुछ भी पोटेंशियल मत बोलना कोई डायलूटेड का, का काम नहीं है इसमें ये कन्वर्टेबल नहीं है अब यहाँ पर कन्वर्टेबल डिबेंचर का जिक्र किया हुआ है और ऑब्वियसली बात है मानेंगे प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट तो माइनस हुआ हुआ है मैं बेसिक के पर निकाल के देता हूँ बेसिक की पेस क्या होगा मुझे बताऊँ बेसिक की पेस तो यही होगा प्रॉफिट इतना लेंगे थ्री फिफ्टी लैख है ना प्रॉफिट थ्री फिफ्टी लैख लेंगे नंबर ऑफ शेयर क्या लेंगे

इशू किया गया करोड़ का और ये रिपेमेंट कब होगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फाइव को फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन को इशू हुआ है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फाइव को रीपेमेंट होगा मतलब चार साल इसका पीरियड है इंटरेस्ट एनुअली पेमेंट होगा एसन ऑल्टरनेटिव टू रीपेमेंट होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है इन कन्वर्सन ऑप्शन है यहां पर इसलिए तो ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है मतलब ये डाइल्यूशन का हिस्सा होगा लेकिन ऑप्शन किसके पास है होल्डर के पास ऑप्शन है तो प्रिंसिपल अमाउंट भी आएगा हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा हुआ है मार्केट रेट दिया हुआ एट परसेंट और उसका पीवी फैक्टर भी दिया हुआ लास्ट फोर्थ ईयर का ये है और पूरे चार साल का एनुटी फैक्टर भी हमें दे दिया है तो हम प्रेजेंट वैल्यू जब निकालेंगे एग्जाम में तो कैलकुलेटर से मत निकालना डेटा दिया हुआ है तो उसका इस्तेमाल करना तो हम यहाँ

आप बताओ हमें और हमें हमें कब का का का। चाहिए? चाहिए चाहिए तो आज चाहिए, सर क्यों? क्योंकि आपको करते, क्योंकि ये में, में convert हो तो पहली बात तो अब ये सोचो हम कब का कर रहे हिसाब थर्टी मार्च टू को कर रहे तो टू थाउजेंड टू थ्री में क्या ये पूरा का पूरा डिवेंचर कन्वर्टेबल आउटस्टैंडिंग चाहिए

ये तो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन का है तो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन का अगर ये लाइबिलिटी है तो टू थाउजेंड वन टू का इंटरेस्ट ये चढ़ेगा और टू थाउजेंड वन टू में जो पेमेंट हुआ वो माइनस करेंगे जैसे FI में हम पढ़ते थे ये माइनस करेंगे क्लोजिंग लाइबिलिटी हमारा ये आएगा फिर नेक्स्ट टू थाउजेंड टू थ्री में हमारे ये इंटरेस्ट आ रहा है ये इंटरेस्ट हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि टू थाउजेंड टू थ्री का इंटरेस्ट पता करना जो कि ये है फिर पेमेंट करेंगे तो क्लोजिंग आएगा ये इंटरेस्ट मुझे पता करना है अब यही इंटरेस्ट में मानूंगा कि मेरे प्रॉफिट में माइनस हुआ हुआ है जिसे मैं बैक करूंगा नेट ऑफ टैक्स का मतलब उससे कितने शेयर्स होंगे वो हमने ऐड कर दिया और उसका इंटरेस्ट जो खर्चा है वो हम बैक कर देंगे नेट ऑफ टैक्स मैंने पॉइंट सेवन फाइव लिख दिया क्योंकि ट्वेंटी फाइव परसेंट का टैक्स है हम नेट ऑफ टैक्स ऐड कर देंगे तो हमारा डायलूटेडीएस आ जाएगा तो यही इंटरेस्ट का खर्चा हमने कैसे निकाला पहले तो हमने पता किया कितना लाइबिलिटी कॉम्पोनेंट का का हमने इसलिए निकाला क्योंकि इसी लाइबिलिटी में इंटरेस्ट चढ़ाओगे ये तो का इंटरेस्ट है हमारा काम का नहीं है टू थाउजेंड टू थ्री का इंटरेस्ट ही हम मानेंगे प्रॉफिट से माइनस हुआ हुआ है तो ये हमने कैलकुलेशन किया अब यही हम एडबैक करेंगे क्योंकि इन्होंने सीधा हमें पैट दिया था इन्होंने बताया नहीं कि इंटरेस्ट कितना था है ना और इंटरेस्ट हम एफ में सीखते हैं इंटरेस्ट रेट से निकालना तो बोलो अब क्या ये क्वेश्चन कर लोगे आप आराम से हो जाएगा ना आराम से क्वेश्चन समझा दिया मैंने पूरा मैराथन में तो भी तो भी इतना ही समझाऊंगा समझाऊंगा इससे ज्यादा कैसे चलेगा इस क्वेश्चन में मैं आपको बता क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन में आईसीए ने सोल्यूशन को बदल दिया पहले आईसीए ने गलत कर रखा हुआ था अब सोल्यूशन करेक्ट हो चुका यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एंटिटी के पास ऑप्शन है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट को कन्वर्ट भी कर सकता है या कैश में दे सकता है होल्डर के पास ऑप्शन नहीं है और मैंने एफ में पढ़ाया था में कि अगर मैंडेटरी कन्वर्सन या फिर एंटिटी के पास कन्वर्सन ऑप्शन हो तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो फिक्स नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट होगा और बता भी दिया फिक्स नंबर ऑफ में कन्वर्ट होगा तो हम उसे इक्विटी मानते और प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं लेते तो यहां पर बेसिकली हम क्या करेंगे पता है ये जो आपका बॉन्ड है ट्वेंटी लाख का इसका हम इंटरेस्ट अमाउंट सिक्स परसेंट करके हम पता करेंगे बाकी का बचा हुआ इक्विटी अब उसी लाइबिलिटी के मदद से हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमें चाहिए था वो कैलकुलेशन कर लेंगे क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है आपका ये नेट ऑफ टैक्स आपका ईपीएस निकालते समय ये आपका नेट ऑफ टैक्स ये माइनस ये एडबैक हो जाएगा जब कि पर टैक्स 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 रेट इग्नोर इग्नोर बोला था क्वेश्चन इनकम है तो को कर रहे हैं हम उतना कितना बताया टू थाउजेंड बॉन्ड्स में रुक जाओ कितना था यहाँ पर टू थाउजेंड बॉन्ड्स था और एज बॉन्ड आपका कन्वर्ट होगा टू फिफ्टी में टू थाउजेंड कितना होते हैं कितना लाख तो फाइव लाख आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए और इंटरेस्ट सेविंग नेट ऑफ टैक्स करना नहीं क्योंकि टैक्सेस इग्नोर तो इंटरेस्ट सेविंग भी हम इतना के हम क्या करेंगे बैक कर देंगे ये हमने ऐड कर दिया बस बात खत्म तो ये क्वेश्चन में एग्जाम के लिए ध्यान रखना अब आप क्या करोगे पहले गलती था कुछ टाइम पहले ठीक किया इन्होंने ये वो भी नए स्कीम के मटेरियल में ठीक किया इन्होंने है ना अब आप क्या करोगे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल को नहीं लोगे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को लोगे है ना इंटरेस्ट वाले को उसको प्रेजेंट वैल्यू में खींचोगे मार्केट रेट नाइन दिया हुआ है उससे आप खींचोगे ये रहा

आपका क्राइटेरिया क्राइटेरिया अचीव हो जाएगा आपका तब आप उसको फर्स्ट डे में, में नहीं जब अचीव होगा लेकिन टाइमवेट लगाते पता है हम देखेंगे वो कंटिजेंटली वो ग्रांड कब किया गया था अगर ग्रांड बिगिनिंग में किया गया था और कंटिजेंसी का अचीवमेंट हो चुका है मतलब अचीवमेंट अब लगता हो जाएगा आराम से

फर्स्ट मे को रिटेल साइड ओपन हुआ और फर्स्ट सितंबर को रिटेल साइड ओपन हुआ तो मे मई में और सितंबर में ओपन हुआ अब क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्या बताओ क्वेश्चन में ये नहीं बोला हमें कि आप क्वार्टरली ई बताइए बट सोल्यूशन जो किया गया जहां पर क्वार्टरली ई निकाला गया सोल्यूशन में तो हम एग्जाम के हिसाब से हम इसे एजम्सन लेंगे कि हमें क्वार्टरली ही करना है हालांकि क्वेश्चन ने कहीं बोला नहीं बोलना चाहिए था बेसिक और डायलोटेडेड ई पी एस अब क्वार्टरली बताओ हम इससे हिंट लेंगे क्योंकि क्वार्टर डेटा दिया हुआ हम इससे हिंट ले रहे हैं कि क्वार्टरली हमें रिपोर्ट करना है तो देखिए यहां पर ईयर टू डेट प्रॉफिट आपका इलेवन लेक है थर्टी फर्स्ट मार्च तक तो फर्स्ट क्वार्टर में आप मुझे बताइए ट्वेंटी लाख से ज्यादा प्रॉफिट हुआ मतलब कॉन्सोलीटेडलेटेड प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर में ट्वेंटी लाख क्रॉस किया नहीं किया आपका यानी ये contingency अभी तक अचीव नहीं हुई है, है ना और आपका जनवरी फरवरी मार्च में कोई भी रिटेल साइड खुला है नहीं खुला है.

थर्टी जून एंड में ट्वेंटी थ्री लाख आपका कॉन्सोडेटेड ईयर टू डेट प्रॉफिट आप देखो लाइन समझो अब यहाँ पर ईयर टू डेट बोला यानी स्टार्टिंग से लेकर डेट तक का प्रॉफिट है तो आपका कौन, आपका सेकेंड क्वार्टर का प्रॉफिट तो ट्वेल्व लाख ही हुआ है ना इंडिपेंडेंटली सेकेंड क्वार्टर का प्रॉफिट आपका ट्वेल्व लाख हुआ तो ट्वेल्व लाख हमारा प्रॉफिट है हमें पता चला है ना ट्वेल्व लाख का हमारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो हम ट्वेल्व लाख ही ले लेंगे ट्वेल्व लाख का हमारा प्रॉफिट है ये ट्वेल्व लाख का प्रॉफिट आ जाएगा अब हम देखेंगे सेकेंड क्वार्टर में क्या रिटेल सेट खुल गया यस अप्रैल मई जून में रिटेल सेट खुल गया कब खुला फर्स्ट मे को खुला तो शेयर्स भी मानेंगे फर्स्ट मे को इशू कर दिया तो बेसिक ईपीएस में आएगा यस yes, आएगा लेकिन मे और जून दो महीने का आएगा हम जबकि थ्री मंथ्स का रिपोर्टिंग कर रहे हैं अभी हम तो ये एक साल का रिपोर्टिंग नहीं थ्री मंथ्स का रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस थ्री मंथ्स में से टू मंथर्स आउटस्टैंडिंग था तो आप टू बाई नहीं कर सकते यहां पर आप थ्री टू बाई थ्री करोगे आप बोलोगे क्वार्टरली रिपोर्टिंग हो रहा है मतलब तीन महीने का रिपोर्टिंग हो रहा है तो फुल पीरियड थ्री मंथ्स है जिसमें से दो महीने तक आउटस्टैंडिंग रहेंगे और जून तो आपका मे और जून दो महीने का कितना हुआ आपका पहले से तो शेयर टेन लाख थाउजेंड इंटू टू बाई थ्री लेंगे हमारा ये आ जाएगा अब मेरी बात सुनो जब आप ईपीएस निकालोगे तब क्या फाइव थाउजेंड पूरा लेंगे कि लेंगे उसके लिए हम ये देखेंगे कि ऑप्शन कब दिया गया था एग्रीमेंट कब किया किया गया था हमने कि एग्रीमेंट बिगिनिंग में किया गया था तो डायलूटेड में तो पूरा बारह महीना हम ये मान रहे कि मैंने कहा ना कि जब आप ऑप्शन कब दे रहे हो ग्रांड कब कर रहे हो या फिर आप कंफर्टेबल डिवेंचर दे रहे हो तो कब हो यहां पर आप, आप आपने ऑप्शन दिया है ना आपने यहां पर स्कीम दी है ये स्कीम हम बिगिनिंग में दे दिया तो डायलूटेड में पूरा पूरा का पूरा फुल पीरियड आएगा आपका तीन महीना का करें तो पूरा तीन महीना आएगा तो आप देखिए में मैंने पूरा पूरा लिया लेंगे हम इसके अलावा इसके अलावा अब देखो ट्वेंटी थ्री लाख आपका टिल डेट प्रॉफिट हो चुका है मतलब ट्वेंटी लाख के ऊपर प्रॉफिट गया थ्री लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट गया है तो थ्री लाख एक्स्ट्रा में थ्री लाख पर मिले थोड़े ना ये तो हम ये बोलेंगे कि आपका थर्टी दिसंबर को चेक किया जाएगा

बाद में क्या पता लॉस हो गया तो तो अभी थ्री लाख तो आएगा ये डायलूटेड में पूरा क्यों आ रहा है क्योंकि हम में हमने ऑप्शन दिया है तो डायलूटेड में टाइम वेट पूरा का पूरा आएगा तो ऐसे करके हमने ये निकाल लिया है ना डायलूटेडीएस निकाल लिया अब थर्ड क्वार्टर की बात करें तो थर्ड क्वार्टर में आप देखो ट्वेंटी थ्री लाख से नाइनटीन लाख हो गया मतलब फोर लाख का नुकसान हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन तो हम यहाँ पर एज्यूम करें कि जो बेसिक ईपीएस और डायलूटेड निकाल रहे हैं फ्रॉम बोथ कंटिन्यूइंग एंड डिसकंटिन्यूइंग निकाल रहे हैं हालांकि ऐसे हम जब हम रिपोर्ट बनाते हैं तो हम कंटिन्यूइंग अलग दिखाते हैं डिसकंटिन्यूड अलग दिखाते हैं फिर फ्रॉम बोथ दोनों दिखाते हैं बट यहाँ पर हम एक ही बता रहे हैं फ्रॉम बोथ कंटिन्यूइंग एंड तो सब मिला के हमारा नाइनटीन लाख का आज का डेट का कॉन्सोटेटेड प्रॉफिट है मतलब फोर लाख का हमारा नुकसान है तो हमारा थर्ड क्वार्टर में माइनस फोर लाख होगा यहाँ पर भी देखो माइनस फोर लाख होगा अब क्या थर्ड क्वार्टर में ये पुराने फाइव थाउजेंड शेयर जो मे में, में इशू हुए थे

ऐसे करके मैंने निकाल लिया डायल्यूटेड ई में मैं क्या करूंगा मे वाला पुराना तो फुल लेना ही है ये वाला भी फुल लेंगे आप पूरे डिटेल सेट दोनों ले लिया और आप बोलोगे सर ये थ्री लाख का क्या आपका ट्वेंटी लाख से नीचे आ गया देखो नाइनटीन लाख हो गया मतलब कंटीजेंसी मीट नहीं हुआ अभी तक है ना प्रोबेबिलिटी भी नहीं क्योंकि नाइनटीन लाख नुकसान हो गया आप ट्वेंटी लाख से नीचे आ गया आप यहाँ पर तो आपका ये वाला थ्री लाख नहीं आएगा इस बार इस बार आप बोलो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ मैं थ्री लाख लिख के फिर काट दे रहा हूँ

तो इसका नंबर ऑफ डेज आउटस्टैंडिंग जीरो रहेगा इसलिए बेसिक में ये नाइन लाख नहीं आएगा आपका तो ये फोर्थ क्वार्टर का का अब जब टोटल का करेंगे पूरा बारह महीने का तो क्या करेंगे ये भी आपको एग्जाम में करना है पूरा महीने की बात करेंगे तो क्या करेंगे तो देखिए पूरी बारह महीना में हमने तो टोटल ट्वेंटी तो प्रॉफिट में तो देखो ट्वेंटी कोई डाउट नहीं नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग टेन लाख आ जाएगा अब बारह महीने की बात करें तो ये वन मे को इशू हुआ है मे से लेकर दिसंबर तक कितना होता है एट मंथ होता है तो ये फाइव थाउजेंड शेयर पे

कई तो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो दस नंबर का कम से कम आएगा टेन टू ट्वेल्व मार्क्स का आएगा एग्जाम में और पूछा जा सकता है कोई भरोसा नहीं आए इसी का चलिए इलेन थर्टीन बस मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा यहाँ यस रियल मी जी पूरा मार्क्स मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है आप फॉर्मूला के बिना भी आप कर सकते राइट हो राइट इशो वाला यस ट्वेंटी थ्री कराएंगे ना बोलो अभी तक सब कुछ सही जा रहा है

तो यहां पर आप देखिए मैं आपको एक पहला वाला पार्ट करवाता हूं पहले वाले पार्ट में आप देखिए कंटिन्यूंग ऑपरेशन में थर्टी लाख का प्रॉफिट हुआ है थर्टी लाख डिवाइड बाई टेन लाख आउटस्टैंडिंग टेन लाख है हमने थ्री का डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में थर्टी सिक्स लाख का नुकसान हुआ है टेन यानी का हमने का नुकसान दिखा दिया नेट पे सिक्स लाख का नुकसान है डिवाइड बाई टेन लाख हमने ये निकाल लिया तो तो ये तो एकदम सिंपल है तीनों का हमने अलग अलग निकाला है कंटिन्यूइंग का अलग डिस्कटिन्यूड का अलग और बोथ का भी निकाल लिया हमने ये रहा अब डायलूटेड एपीएस जब हम निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे डायलुटेड एपीएस में आप देखो इंक्रीमेंटल कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग है स्टॉक ऑप्शन की वजह से इतना शेयर आपका फ्यूचर में बढ़ेगा स्टॉक ऑप्शन और हमें पता है ऑप्शन आपका प्रॉफिट को तो नहीं बढ़ाता आपका ये तो टू लाख शेयर आपके क्या होंगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो टू लाख शेयर हमारे बढ़ेंगे अब थर्टी लाख आपका टोटल प्रॉफिट हमें ये तो पता ही है अब टेन लाख जगह आप 12 लाख लोग यहां पर यहां पर भी माइनस थर्टी में टेन लाख की जगह पर भी माइनस की जगह ट्वेल्ल लाख लोग हमारा क्या आया टू पॉइंट फाइव आयालूटेडीएस आपका थ्री से कम हुआ डायलूटेड हुआ है। चलो ठीक है अच्छी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आपका देखो माइनस थ्री पॉइंट सिक्स से माइनस थ्री हुआ है। तो आप मुझे बताओ माइनस थ्री पॉइंट सिक्स ज्यादा खराब है कि माइनस थ्री ज्यादा खराब है ऑब्वियसली माइनस पे फिगर है ये ज्यादा खराब है तो आप बोलोगे माइनस थ्री एंटी डायलूटिव है पर आप इसे इग्नोर करोगे क्यों पता है अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन डायल्यूट हुआ है तो अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन डायलूट हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में भले ही डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और बोथ कंटिन्यूइंग डिस ऑपरेशन आपको एंटी डायलूटिव दिखा रहा है उसके बावजूद भी आप डायल्यूट ही मानते हुए वैल्यू दिखा मतलब कहने का मतलब अगर मैं और कंटिन्यूंग्यू ऑपरेशन की बात करूं तो यहां पर अब देखिए माइनस पॉइंट और diluted आया तो तो आप बोलोगे ये आपका है, ये ज्यादा तो आपका आपका खराब है एंटी ड्यूटिव हो गया और नियम से आप क्या बोलोगे कि हम ये नहीं दिखाएंगे हम माइनस पॉइंट सिक्स ही डायलूटेड ईपीएस दिखाना चाहेंगे क्योंकि तो ये एंटी डायलूटिव का मामला हो गया बट स्टैंडर्ड बोलता है नहीं जबकि आपने कंटिन्यूंग ऑपरेशन में डायल्यूट हुआ है आपका

और टेन माइनस टेन लाख बाई ट्वेल्व लाख ले लिया यहाँ पर टू लाख का ऑप्शन भी ले लिया तो यहाँ पर ही एंटी आया तो कंटिन्यूंग ऑपरेशन एंटी डेल्यूटिव था तो मैंने डायलूटेड ईपीएस भी बेसिक वाले को मान लिया माइनस वन को ही मैंने इसका मान लिया ऐसे सिचुएशन में हम देखेंगे कंटिन्यूंग डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से हमारा क्या प्रॉफिट आ रहा है माइनस टेन लाख लॉस डिसकंटिन्यूट से थर्टी सिक्स लाख का प्रॉफिट यानी ट्वेंटी सिक्स लाख का प्रॉफिट आ रहा है तो बेसिक ईपीएस पी टू पॉइंट सिक्स आया और डायलूटेड ईपीएस पता कितना है डायलूटेड ईपीएस कुछ भी आओ हम डायल्यूट करेंगे नहीं हमने अगर कंटिन्यूंग ऑपरेशन में डायलूट नहीं किया जो बेसिक है उसको डी ए माना है तो यहां पर भी जो बेसिक है उसी को डी मतलब कहने का मतलब ये जो है ना ये दोनों ये कंटिन्यूइंग के हिसाब से चलेंगे कंटिन्यूइंग ने अगर डाइल्यूट किया तो ये भी डाइल्यूट करेंगे कंटिन्यूइंग ने डाइल्यूट नहीं किया तो ये भी डाइल्यूट नहीं करेंगे बस इतना ही मुझे बताना था आई थिंक इससे आपका काम बन गया है और इससे ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा अब मैंने एपीएस के अंदर कुछ छोड़ा है क्या मैं देख लेता हूं बाकी सारे क्वेश्चन तो हो गए हमारे यस ये क्वेश्चन एक है ये क्वेश्चन तो सिंपल आप कर लोगे इसमें बस आप एक चीज ध्यान में रखना कि यहां पर आपका जो है ना ये ऑप्शंस कुछ इन्होंने इशू किया हुए, option. Option हुआ इक्विटी कन्वर्सन ऑप्शन उस ऑप्शन का फेयर वैल्यू दिया बोले इसमें कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंस नहीं है और क्वेश्चन ने नीचे बोला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बिफोर फेयर वैल्यू मूवमेंट और बिफोर टैक्स का आपको दिया हुआ ये डेटा। तो हम क्या करेंगे इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे इंटरेस्ट में तो टैक्स सेविंग मिलेगा लेकिन हम लॉस जो है ऑप्शन का वो हम बिना टैक्स के माइनस करेंगे क्योंकि टैक्स नहीं है तो आप देखिए मैंने क्या किया ये पीबीआईटी था इसमें से इंटरेस्ट माइनस करके नेट ऑफ टैक्स कर दिया मैंने फिर मैंने ऑप्शन का खर्चा को माइनस किया क्योंकि इसमें टैक्स सेविंग नहीं मिलने वाला तो इसको लास्ट में हमने माइनस कर दिया ये अब जब बाद में डायलूटेड ईपीएस के लिए तो हम क्या करेंगे डायलूटेड ईपीएस जब हम निकालेंगे तो बोलेंगे फ्यूचर में तो कोई कन्वर्सन ऑप्शन रहेगा नहीं तो फ्यूचर में नुकसान भी नहीं होगा तो इसको जब एडबेक करेंगे तो भी ग्रॉस में पूरा एडबेक कर देंगे लेकिन जब इंटरेस्ट को एडबेक करेंगे तो नेट ऑफ टैक्स करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट पे पहले हमने नेट ऑफ टैक्स ही माइनस किया था अब एडब भी नेट ऑफ टैक्स होगा लेकिन ऑप्शन पूरा का पूरा ग्रॉस में ही प्लस होगा बस इतना याद रखना आपको और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में जान ही नहीं है और एक और चीज यहाँ पर किया है कि आपको अलग अलग नंबर ऑफ सेट्स अलग अलग डेट में कन्वर्सन होगा बोला हुआ है तो आप सबसे हायर वाला लोगे आप तो क्योंकि हम पोटेंशियल नुकसान निकाल निकालते कितना मैक्सिमम नुकसान हो सकता है तो हायर वाला लोगे आप बस तो इस क्वेश्चन में और कुछ जान नहीं है दो बातें ध्यान में रखना वो ऑप्शन में आपका टैक्स का इंपैक्ट नहीं आएगा बस एक और क्वेश्चन है बस ये वाला करवाना है एक और वैरायटी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बाद हमारा इंडे थर्टी थ्री भी खत्म हो जाएगा और अभी तक सबको समझ में आ रहा है तो जरूर से लाइक कीजिए इलेट्रेशन टू करवाना है ठीक है करवा दूंगा इलास्ट्रेशन टू भी इलास्ट्रेशन टू भी कर लेंगे

कि ये नीचे प्रेफरेंस का भी डिस्ट्रीब्यूशन इसे से कर रहे तो इसे आप पैटी समझोगे फॉर योर एग्जाम आगे देखिए एनुअल डिविडेंड दिया जाएगा इसमें बिफोर एनी इज पेड ऑन यानी ऑर्डिनरी सेट्स को कुछ भी देने से पहले हम इनको प्रेफरेंस को फाइव पॉइंट फाइव का डिविडेंड देंगे

थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज इनको दिया जाएगा थर्टी थ्री थाउजेंड रुपीजी थ्री थाउजेंड दिया जाएगा ये हमने इनको दे दिया अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इन्होंने ने हमें बोला था कि इक्विटी वाले को आगे कितना दिया जाएगा टू पॉइंट वन जीरो इक्विटी वाले को टू पॉइंट वन जीरो दिया जाएगा तो यहां पर छह हजार जो शेयर होल्डर है प्रेफरेंस वाले इनको फाइव पॉइंट फाइव करके तो थर्टी थ्री दिया हमने अब रिमेनिंग जो टेन थाउजेंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है उनको भी टू पॉइंट वन जीरो करके हमने दे दिया ट्वेंटी वन थाउजेंड इनको दे दिया तो आप देखिए फाइव पॉइंट फाइव और टू पॉइंट वन करके हमने कितना पैसा खत्म कर दिया थर्टी थ्री थाउजेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनको ट्वेंटी वन थाउजेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चे का कितना हमारा फिफ्टी फोर थाउजेंड खर्च हो गया फोर्टी सिक्स थाउजेंड बच्चेगा ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा क्वेश्चन ने बोल भी दिया कि जितना बचेगा वो ट्वेंटी इज टू एट्टी के रेशियो में दिया जाए और ये ट्वेंटी हम बोल रहे पर शेयर है ऐसा नहीं कि फोर्टी सिक्स थाउजेंड का आप ट्वेंटी परसेंट प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी ऐसा नहीं क्योंकि पर शेयर ही सारा डेटा दे रहे हैं हमें तो यहाँ पर फोर्टी सिक्स थाउजेंड प्रेफरेंस है और इक्विटी सर में किस रेशियो में बटेगा ट्वेंटी मेरी बात ध्यान से सुनो एकदम सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ मैं पॉइंट टू जीरो किसक मिलेगा प्रेफरेंस को मिलेगा बचा हुआ पैसा में और पॉइंट एट जीरो किसको मिलेगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलेगा बचा हुआ ये पर शेयर की बात बोल रहे हैं पर शेयर आपका लेकिन पर शेयर यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है आप देखिए ऑर्डिनरी शेयर टेन थाउजेंड है और प्रेफरेंस सर सिक्स थाउजेंड तो आप यहां पर समझो अगर ऑर्डिनरी शेयर हंड्रेड परसेंट है तो प्रेफरेंस तो उसका 60% ही है क्योंकि वन शेयर है तो पॉइंट आपके शेयर है ही प्रेफरेंस है तो मैं पता है हिसाब क्या मैं बोलूंगा, प्रेफरेंस को इतना दिया जाएगा ट्वेंटी परसेंट और इक्विटी को दिया जाएगा ऑर्डिनरी वाले को एट्टी परसेंट लेकिन प्रेफरेंस तो 60 100 है, into 60 कर दूंगा पॉइंट वन टू ही इनका आ रहा हिसाब

फोर्टी थाउजेंड मिलेगा ऑर्डिनरी वाले को नंबर सेट इनके है, इनको एक है मिलेगा इनके है, इनको इनको हमें पता चल गया कि फर्दर जो इनको पैसे मिलेंगे रुपया को को ऑर्डिनरी आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो टोटल आपका डिस्ट्रीब्यूशन है इस प्रकार आपने x की वैल्यू निकाल ली फाइव और फाइव पॉइंट फाइव और टू पॉइंट वन हुआ ही था हमारा और अभी अनडिस्ट्रीब्यूशन वाले में हम बोल रहे पर सर एक रुपया और चार रुपया देंगे तो ये सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स वन आ गया हमारा मैं शॉर्टकट में फटाफट से मैंने करा दिया तो बोलो समझ में आ गया ये इससे 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 ज्यादा स्लो तो मैं नहीं कराऊंगा अभी तो अब आपकी एक क्वेश्चन की और डिमांड थी वो क्वेश्चन भी करवा देता हूँ कहाँ देख लेता हूँ क्वेश्चन बैंक से करा देगा चलो ठीक क्वेश्चन बैंक में आ जाओ yes. सेशन टू बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये देखो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ वन आपको ईपीएस कैलकुलेशन करने के लिए आपको एडजस्टमेंट करने को। आपको अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर ही निकालने को बोला प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर निकालने को बोला इन्होंने कुछ सोल्यूशन में बदलाव हुआ था मैंने जाओ देखो जो भी खर्चा होता है वो, वो पेट से ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ रहता है तो इसका कोई भी एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा पेट दिया हुआ तो इसमें हम कोई भी एडजस्टमेंट हम करेंगे नहीं खतम

हम फ्यूचर में डिफरेंट नहीं देंगे इसलिए आपको आंसर डिस्काउंट में हम इशू कर रहे हैं तो वहां पर हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड से मैं डीप नहीं जाऊंगा मैंने तो क्लास में पूरा एग्जाम्पल के साथ डिटेल में कराया था अगर आपने क्लास का वीडियो देखा है या फिर डिटेल रिविजन देखा है तो आपको पता होगा वहां पर तो वहां पर हम क्या करते थे एफेक्टिव रेट मैथड से हर साल का डीम डिविडेंड निकाल देते एग्जाम के लिए तो देखो सिंपल सी बात है क्वेश्चन बता दिया जा रहा है कि ये देखो एटीन थाउजेंड का डीम डिविडेंड मान लो यहाँ पर क्वेश्चन ने दिया हुआ ही है कि डिस्काउंट का अप्रूवल आपका इंटरेस्ट एफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से इन्होंने एटीन थाउजेंड निकाली और ये क्लासिफाई हुआ इस इक्विटी अगर ये लाइबिलिटी ये क्लासीफाई होता तब तो माइनस ही नहीं करते पैट से पर जबकि इक्विटी क्लासीफाई हुआ तो ये एटीन थाउजेंडों को क्या मानेंगे हम डीम्ड डिविडेंड मानेंगे क्योंकि हमने डिस्काउंट में डिविडेंड इशू किया हमने सस्ते दाम में आपको डिविडेंड दिया क्योंकि फ्यूचर में डिविडेंड नहीं देंगे तो कहने का मतलब हम आज ही डिविडेंड जो फ्यूचर में देंगे आपको पैसा आपसे कम ले रहे हैं

बट एट थर्टी जून इट रीपरचेज फिफ्टी थाउजेंड ऑफ यानी आपने के डिस्काउंट में आपने रिडीम किया है रिपर्चेज किया है तो आपने लालच के आपने सस्ते दाम में रिडीम किया हम मानेंगे डिस्काउंट आपने कुछ दिया ही नहीं हम मानेंगे आपने क्या क्या बताया आपने डिविडेंट दिया मतलब कहने का मतलब दो उपाय मैं एक ऐसा करूं आपको हजार रुपये का डिविडेंट दे दूं है ना और आपसे फिर बाद में क्या करूं रिपर्चेज कर लूं मतलब पूरा का पूरा पचास हजार रुपए में मैंने बोला कि डिस्काउंट में आपसे रीपर्चेज कर ले रहा हूँ आपको डिफरेंट दूंगा ही नहीं है ना तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे इसको हम डिस्काउंट जो दे रहे हैं रुक यहाँ पर मैंने आपको क्या किया थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट दिया तो थाउजेंड रुपीज का डिस्काउंट दिया तो मेरा डिस्काउंट दिया नहीं लिया सॉरी गलती हो गई गलती हो गई माफ करना मैंने रीपर्चेज किया डिस्काउंट में मतलब मुझे बेनिफिट मिला है मुझे थाउजेंड रुपीज का बेनिफिट मिला है यहाँ पर थाउजेंड रुपीज का जो भी बेनिफिट मिला वो एडबैक हो जाएगा हमारा जो भी बेनिफिट मिला वो एड भी हो जाएगा हम मानेंगे हमें बेनिफिट इसलिए मिला हो क्योंकि फ्यूचर में हमने कोई डिवरेंट के सारे आपको ज़्यादा पैसा दे दिया था इसलिए आज हमें बेनिफिट मिल रहा है तो जो भी बेनिफिट मिलेगा वो हम ऐड कर देंगे तो थाउजेंड रुपीज़ हमारा देखिए ऐड हो जाएगा ये वन लैख थर्टी थ्री थाउजेंड आ जाएगा फिर मतलब यहाँ पर बेनिफिट मिल रहे हम मैंने गलती से इशू सोच लिया है रीपर्चेज रीपर्चेज करें सस्ते दाम में खरीद रहे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ देना चाहिए हमने फोर्टी नाइन थाउजेंड ही दिया मतलब थाउजेंड रुपीज़ हम सस्ते में खरीद रहे तो बेनिफिट आए थाउजेंड रुपीज़ प्लस हो जाएगा

अगर हमें लगे अगर हम ये बोले कि टोटल की थ्री हंड्रेड है तो थ्री हंड्रेड का जो हमने लालच दिया वो माइनस होगा तो इसके लिए काम करता हूं मैं एक बार आईसीए का नया मटेरियल का देखता हूं उसमें कुछ क्लैरिटी दी है क्या हम आईसीए के हिसाब से करेंगे फिर इंडेक्स थर्टी थ्री अच्छा इन्होंने थर्टी था, थर्टी थाउजेंड पूरा लिया आपको पता है पहले गड़बड़ था पहले थ्री हंड्रेड बोला हुआ था मतलब पर शेर आपका थ्री हंड्रेड माना जाएगा देखो पर शेर माना जाएगा ये बहुत गड़बड़ी करते हैं क्लैरिटी भी नहीं दिया मतलब पहले मैंने भी ये सोचा था पर से थ्री हंड्रेड होगा फिर इन्होंने कुछ एक सोल्यूशन रखा था उसमें इन्होंने टोटल थ्री हंड्रेड पकड़ लिया ये गड़बड़ मचाते ही है और फिर अब इन्होंने थर्टी थाउजेंड ले लिया तो हम ये मानेंगे कि थ्री हंड्रेड रुपीज से एक शेर का वैल्यू है हम हंड्रेड सेट्स आपको एक्स्ट्रा दे रहे लालच हंड्रेड सेट इंटू थ्री हंड्रेड यानी थर्टी थाउजेंड रुपीज एक्स्ट्रा लालच दे रहे हैं ये थर्टी थाउजेंड हमारा माइनस हो जाएगा और वन लैख थ्री थाउजेंड फिर हमारा प्रॉफिट माना जाएगा यानी एग्जाम में आपको इतना डीप में नहीं जा रहा इसके लिए बहुत कंसेप्ट सिखाना होता है बहुत कुछ कंसेप्ट सिखा के मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था बट अभी उतना समय नहीं तो अब ये समझो लाइबिलिटी वाला आएगा नहीं ये एटीन थाउजेंड आपका डीम डिविडेंट माइनस हो जाएगा ये वन थाउजेंड का प्रॉफिट मिल रहा है ये प्लस हो जाएगा और हम लालच दे रहे हैं उनको हंड्रेड एक, एक्स्ट्रा सेट्स दे रहे हैं हंड्रेड इंटू थ्री हंड्रेड हम बोलेंगे थर्टी थाउजेंड एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं हमारा नुकसान थर्टी थाउजेंड प्रॉफिट से माइनस होगा हमारा वन लाख थ्री थाउजेंड आ जाएगा ये वन लाख थ्री थाउजेंड को ठीक कर लीजिए अभी नया मेटेरियल में इन्होंने ठीक किया वन तो लाख थ्री थाउजेंड आएगा बताओ समझ में आया कर लोगे लोगे एकदम अच्छे से बोलो बोलो कर अब बच्चे कुछ कुछ बोल रहे सर ये क्वेश्चन क्वेश्चन वो अरे ऐसे करूंगा तो फिर कैसे होगा इतने सारे चैप्टर कैसे होंगे फिर इतने सारे चैप्टर कर रहे हैं हमने इस चैप्टर को ऑलरेडी एक घंटे से ज्यादा दिया एक घंटा पंद्रह मिनट तो मैंने प्राय क्वेश्चन करा दिया ऑलरेडी आपको और अभी रिसेंट आरटीपी का क्वेश्चन है वो देखता हूं मैं अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कल डिस्कस कर लूंगा पर अभी कमिटमेंट नहीं दूंगा फिर आप लोग है ना फिर उल्टा सीधा बोलते हो फिर कुछ कुछ बच्चे आप लोग सारे नहीं कुछ कुछ दो चार बच्चे ना अब से मैंने सोच लिया खुद से पहले से कुछ बोलूंगा ही नहीं पहले से कुछ बोलने से फिर आप क्लेम डाल देते हो फिर मतलब मतलब वही कुछ कुछ बच्चे जो है मतलब मैं मुझे ऐसा ही लगा कि अब से मैं बोलूंगा ही नहीं मतलब पहले पहले बोलने से फिर गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल होते हैं ये वाला क्वेश्चन अब आप आराम से कर पाओगे इसमें आपको रैंकिंग करना है बस और डायलूट करना है ये आप सेल्फ जरूर कर लीजिएगा मैं अभी नहीं करूंगा सेल्फ कर, कर लीजिएगा यहाँ पर कुछ नहीं है जो सबसे ज्यादा डायलूट ऑप्शन सबसे पहले डायलूट होते हैं इसमें इंक्रीमेंटल शेयर निकालना होता है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकालना होता है ये आप कर लोगे है ना मेरे ख्याल से इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकाल के रैंकिंग करना होते हैं आप चलो विंडोज थर्टी थ्री में अच्छा स्क्रीन ही नहीं था क्या कोई बात नहीं आ गया अभी क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर सिक्स डबल एट में ये वाला क्वेश्चन सेल्फ कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री सेल्फ कर लीजिएगा ठीक है अभी लंच ब्रेक कोई नहीं मिलेगा लंच नहीं किया क्या कि आप लोगों ने लंच बैठे बैठे कर लो ये स्क्रीन ठीक हो गई अभी तो अभी तक इंडिया थ्री भी अगर अच्छे से समझ में आए तो जरूर से लाइक कर देना सर वो बच्चे पॉइंट जीरो 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 बहुत रेस्पेक्ट करते और मैंने भी वही जो पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट उनको ही बोल रहा हूँ मैं बाकीय को नहीं बोल रहा हूँ से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ बाकी मुझे सपोर्ट भी करते वो दिखता भी है जब कुछ कोई लिखते तो कितने सारे बच्चे मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती वो बच्चे डिफेंड कर देते वो बच्चे बोल देते आप लोग मुझे पता है आप लोग का बहुत सारे बच्चे आप लोग सपोर्ट भी करते हो बट वही वो, वो दो चार क्या बोलूं मतलब क्या बोलूँ मतलब उन लोग मैं बोलते हैं ना कि एक छोटी सी चीज काफी होती है आपका मूड खराब करने के लिए और वो वैसे बच्चे हो जाते हैं मतलब

ये पुराना राउटर हटा के हमने नया लगाया रा। पुराना राउटर भी साइड में पड़ा आप देख सकते और हमने आज ये नया राउटर फिर लगाया रा। मतलब फिर देख रहा होगा अगर आपको ये नया राउटर हमने फिर लगाया ये देखो मतलब साइड में पड़ा हुआ है जो पुराना राउटर आज खराब हुआ बट बिलीव मतलब क्या बोलूँ मतलब ये होता है ना मुझे क्यों और मुझे क्यों झूठ बोलना है किसी को जरत है कोई रेस्पॉसिबिलिटी थोड़ी ना थी अभी कि कुछ झूठ बोल है सीधा ही बोल देता नहीं लूंगा बात खत्म पड़ा हुआ है झूठ मुझे किसी को भी चलिए तो अभी इंडेस्ट ट्वेल्व करते हैं ना थर्टी थ्री हो गया हमारा नहीं मैं ब्लॉक नहीं करता नहीं ये तो बात है ना मैं नहीं करता मतलब मुझे मैंने एक साल पहले ये चीज सोचा था कि कोई कुछ भी बोले मैं ब्लॉक ब्लॉक नहीं करूंगा मैं वो मुझे गलत लगता है इसलिए मैं एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हो तो अलग बात है अदरवाइज मैं जल्दी से ब्लॉक नहीं करता मैं आपने देखा भी होगा मतलब मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता मैं मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ पावर है तो मैं उसका मिसयूज थोड़े ना करूँ वो चीज मेरे अंदर आती है तो मैं ब्लॉक नहीं करता इंडेस ट्वेल्व में मैं आपको एक बात बता देता तो हूँ यहाँ पर कंसेप्ट मैं आपको कुछ भी अभी नहीं बोलने वाला कोई जरूरत ही नहीं कंसेप्ट की मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको रेलेवेंट कंसेप्ट समझाऊंगा वही अच्छा है क्योंकि इसके अंदर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर कंसेप्ट सभी बोल के कोई मतलब ही नहीं कोई थ्योरिटिकल बात ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर यहाँ पर इन टी ए डी टी बनाना होता है तो यहाँ पर हम सीधा क्वेश्चन में जम्प करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम वही पढ़े ऐसा नहीं पढ़ाऊं कि जिससे मुझे आप खुश मुझसे आप मलिक होते हैं ना ऐसा पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में काम है सिंपल सी बात है मतलब जो आपके एग्ज़ाम में काम है और एग्जाम में अगर आएगा अगर इंडस्ट्रियल से क्वेश्चन तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा अदरवाइज नहीं आएगा इसे पूछेंगे नहीं अगर वो पूछेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछेंगे ये बस आप दिमाग में डाल लीजिए तो हम सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहाँ पर करने लग जाएंगे अभी क्योंकि कंसेप्ट में टाइम बर्बाद करने का समय ना आपके पास है ना हमारे पास और जरूरत भी नहीं है उसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते करते कंसेप्ट अपने आप हो जाएंगे साथ के साथ हो जाएंगे बस यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात मेरी सुन लो आप यहाँ पर हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं देखो एक तो हम करंट टैक्स लाइबिलिटी या करंट टैक्स एसेट तो हम बनाते ही है ना इसके अलावा क्या होता है कुछ कुछ जगह में टेम्पररी डिफरेंसेस आते हैं जैसे अगर मान लीजिए हम डेप्रीशिएशन हम चार्ज करते हैं वो एज पर इंडेस चार्ज करते और हमें सरकार गवर्नमेंट जो हमें डेप्रीशिएशन का क्लेम देती है वो एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट वो हमें क्लेम देती तो वहाँ पर टेम्पररी डिफरेंस होता है हमारा कितने बार वो हायर डेप्रीशिएशन पहले दे देती है बाद में लोअर डेप्रीशिएशन देती है और हम कुछ अलग तरीके से डेप्रिशिएशन कर रहे होते हैं इंटरेस्ट वगैरह के खर्चे में भी हमने देखा था कि इंटरेस्ट का हम इनकम या एक्सपेंस एक बेसिस में हम बुक करते हैं हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बट गवर्नमेंट कैश बेसिस में हमें उसका डिडक्शन देती है तो वहां पर भी हमारे क्या होता है टेम्पररी डिफरेंसेस अलाउ होते हैं एराइज होता है हमारा फिर हम कितने बार एसेट्स का रिवॉल्युएशन करते हैं जिसकी वजह से हमारे एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है या घट जाता है

अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट है तो आप क्या करोगे डी बनाओगे लाइबिलिटी में उल्टा होता है कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ग्रेटरिटी होगा तो आपका डी बनेगा मतलब कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर हुआ टैक्स बेस ऑफ एसेट से तो डी बनेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ग्रेटर हुआ टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी से तो आप क्या बनाओगे डी बनाओगे और बाकी उसका रिवर्स उल्टा इतना आपको ये दिमाग में रखना है इसके अलावा हमने जब बिजनेस कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ा था तो वहां पर भी हमने इनकम टैक्स का रोल देखा था वहां पर इनिशियली हम जब रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं इनिशियली बिजनेस कॉम्बिनेशन में और वही हमारा कैरिंग अमाउंट होता है बट टैक्स बेस कौन सा मानेंगे जो एक्वायरी का कैरिंग अमाउंट है हम उसको टैक्स बेस मानते हैं उसके चलते जो डिफरेंस आता है उसका भी डिटेल बनता है और मैं अभी वही एक क्वेश्चन करूंगा बिजनेस कॉम्बिनेशन का यहाँ पर अच्छा सा एक क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा चलिए तो अभी मैं एक इलें रही आपके साथ इसी के साथ शुरुआत करता हूँ डिस्कस करता हूँ आपके साथ चलो

कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेस ट्वेंटी थ्री करोड़ है ये तो एक्वायरी के बुक्स में ट्वेंटी थ्री करोड़ है जो कि कैरिंग अमाउंट है लेकिन फेयर वैल्यू जब एक्सरसाइज किया तो कंपनी ने पता किया कि कुछ कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होना है जैसे बोले एक प्रॉपर्टी है जिसकी कैरिंग अमाउंट फिफ्टीन करोड़ है लेकिन आपका फेयर वैल्यू उसका एटीन करोड़ है तो हमारा कैरिंग अमाउंट कितना आप देखो टैक्स बेस तो ये ट्वेंटी थ्री करोड़ ही रहेगा आप समझ लो जो तो एक्वायरी का कैरिंग अमाउंट होता है वही टैक्स बेस होता है तो आप ये समझ लो टैक्स बेस तो ट्वेंटी थ्री करोड़ ही होगा अब मुझे आपको कैरिंग अमाउंट निकालना है तो कैरिंग अमाउंट को भी चलो मैं ट्वेंटी थ्री पकड़ लेता हूँ ट्वेंटी थ्री मेरा कैरिंग अमाउंट पकड़ लेता हूँ एक बार लेकिन इसमें मैं एडजस्टमेंट करूंगा फेयर वैल्यू का तो फेयर वैल्यू देखो फिफ्टीन का एटीन हो रहा है तो मेरा कैरिंग अमाउंट थ्री करोड़ से बढ़ेगा क्योंकि तो मैं आपका अपना कैरिंग अमाउंट में कौन सा लेता हूँ फेयर वैल्यू लेता हूँ ये थ्री करोड़ बढ़ेगा फिर आपका ये वन नहीं है गलती से प्रिंटिंग एरर हुआ था ये इलेवन मैंने ठीक करवा दिया था क्लास में ये वन इलेवन करोड़ होगा तो इलेवन करोड़ का कैरिंग अमाउंट है और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है थर्टीन करोड़

बिजनेस कॉम्बिनेशन में पढ़ाया था कि डीटीएल इसे कितना आएगा? आपका देखा जाए तो रियल मायने में एनसीआई हमने निकाल रखा हुआ कितना सिक्स करोड़ का तो आप बताइए ट्वेंटी फोर करोड़ का नेट एसेट्स मिला है एक्वायर को और उसके लिए उसने पैसे कितने दिए फाइव ट्वेंटी फाइव करोड़ पैसा दिया है

और आपने फिर अल्टीमेटली फाइनली गुडविल में निकाल लिया तो ये मैंने प्रेजेंटेशन पूरा रख रखा हुआ पर अभी प्रेजेंटेशन तो आप कर ही लोगे कैसे करो ना बस आपका वैल्यूज आने चाहिए आपको बस आंसर आना चाहिए कि डेफेटेक्स इंपैक्ट आपका कितना है वन पॉइंट वन और गुडविल हमारा कितना आया थ्री पॉइंट सिक्स आ गया हमारा गुडविल तो बोलो ये चीज परफेक्ट है ये क्वेश्चन कर लोगे आराम से बोलो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में दम इस क्वेश्चन में कुछ खास दम था नहीं तो मेरे ख्याल से आप आराम से ये क्वेश्चन कर पाओगे अभी है ना पहले आइडेंटिफाइबल नेट सेट निकाल लिया उसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किया डिटेल माइनस के तो आप एग्जाम में क्या याद रखोगे कैरिंग अमाउंट लिखा फेयर वैल्यू सारे एडजस्टमेंट किए डिटेल माइनस करके आइडेंटिफाइबल का फेयर वैल्यू नाला एनसीए निकाला और पी सी एनसीए और फेयर वैल्यू आइडेंटिफाइबल आपका गुडविल आ जाता है बस ये कैलकुलेशन वर्किंग करोगे बस बात खत्म इलस्ट्रेशन थ्री हमारा हो चुका है अब कोई अच्छा क्वेश्चन हम देखते हैं अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है टी वाई के का क्वेश्चन नंबर नाइन ये अच्छा क्वेश्चन है पर इससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक और अच्छा क्वेश्चन है वो आपको पहले करवाता बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से करवाता हूं यस एक क्वेश्चन आप देखिए में आ जाते हम यस yes, का पार्ट पार्ट आप आप इसका 2 करूंगा मैं आपको आप देखो सबसे पहले टैक्स रेट दिया हुआ ट्वेंटी परसेंट पार्ट वन भी करूंगा पर पहले पार्ट टू कर पार्ट अच्छा है पार्ट टू जो है यहां पर देखिए एलिमिटेड ने मेजर किया अपना हेड ऑफिस बिल्डिंग को रिवॉल्यूशन मॉडल में बिल्डिंग रिवॉल्यूड हुआ एवरी ईयर अमाउंट कितना है

तो यहां पर भी डीटीएल कितना बनना चाहिए कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन टैक्स बेस है तो डीटीएल कितना बनेगा आपका का कितने का डिटेल तो आप देखो थ्री पॉइंट सिक्स का पहले से डिटीएल था अभी थ्री पॉइंट फोर फाइव का डिटेल होना चाहिए तो आपको तो डिटेल को रिवर्स करना पड़ेगा तो डिटेल को रिवर्स कैसे करोगे प्रॉफिट एंड लॉस टू डी

इसको फोर्टी फाइव बना रहे हो और आपका टैक्स बेस तो वही का वही रहेगा ट्वेंटी रहेगा तो इस वजह से आपका डीटीएल कितना बनना चाहिए डी आपका कितना बनना चाहिए यहां पर सेवन ट्वेंटी फोर पॉइंट टू फाइव का ट्वेंटी परसेंट फोर पॉइंट एट फाइव आपका बनना चाहिए।

एंट्री पता है क्या हो क्योंकि रिवॉल्यूशन गेन आपका ओ में जाता है उससे रिलेटेड डिटेल जो बढ़ेगा वो भी ओ में जाएगा यानी ओ सी आई टू डी टी एल आपका कितना होगा वन पॉइंट फोर होगा ये दो एंट्री आपकी होगी ओ सी आई टू डी यानी पहले एक बार आप यस पहले एक बार आप पी एन एल टू डी टी एल करोगे पॉइंट वन फाइव का जो आपका डिटेल आपका गलत लिख दिया मैंने माफ करना गलत लिख दिया डीएल टू पी एन एल होगा रिवर्स कर रहे ना? हो ना फायदा हो रहा है माफ कर देना किसी ने बताया भी था क्या किसी ने नहीं, नहीं बताया किसी ने नहीं, नहीं पकड़ा है गलती को अरे यस एक जन ने बोला जनरल एंट्री रॉन्ग है यस रॉन्ग एंट्री गलती हो गई माफ करना गलती हो जाती कभी ध्यान नहीं दिया मैंने चलो दो तीन जनों ने बताया था चलो बहुत बढ़िया तो यहाँ पर ये गलती से बोल दिया था मैंने और ये तो सही है डिटेल ये रिवर्स होगा तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पर मैंने लिखने में गलती कर दिया था तो आप बताइए यहाँ पर ये परफेक्ट है तो पॉइंट नंबर बी में आप देखिए पॉइंट नंबर बी में यहां पर इन्होंने वही बोला सारा चीज इन्होंने बताया हमें हमने पॉइंट नंबर बी तो पहले किया था तो आप बताइए यहां पर पॉइंट नंबर बी का ए और बी का आंसर क्या होगा हमारा डेफर एक्स आपका थर्टी फर्स्ट मार्च टू को कितना रहेगा फोर रहेगा आया ना तो किया फोर पॉइंट एट फाइव रहेगा फोर पॉइंट एट फाइव रहेगा हमारा और उधर अगर हम बात करें चार्ज या क्रेडिट टू तो पीएनएल में पीएनएल में क्रेडिट तो होगा हमारा पॉइंट वन फाइव का ओ में डेबिट होगा वन पॉइंट फोर पॉइंट वन फाइव का देख लीजिए और 1.4 का आपका इंक्रीज होगा जो कि ओ में अदर कंप्रेंस के पी में एकदम सही किया हमने तो पार्ट नंबर टू मैंने एकदम अच्छे से आपको करवा दिया आपको बस हल्के से इसी तरह तरह से आप अच्छे से प्रे, मतलब प्रेजेंट कर दीजिएगा हो जाएगा तो ये वाला पार्ट हमने कर लिया पूरा अब ये वाला पार्ट भी चलो करा ही देता हूँ एकदम सिंपल सही पार्ट तो एकदम सिंपल है देखो ए लिमिटेड ने फोर्टी परसेंट से होल्डिंग किया मतलब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का मामला लग रहा है ए लिमिटेड ने परचेज किया ये होल्डिंग को फोर्टी करोड़ में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दिया एसोसिएट का मामला मैंने बताया था आपको ऑलरेडी कंट्रोल नहीं है और ए लिमिटेड ने इक्विटी मेथड में इसको अकाउंटिंग कर रहे हैं इक्विटी मेथड कैरिंग वैल्यू कितना है सेवेंटी करोड़ का बट आपको बता दो देखो आप कैरिंग अमाउंट ले रहे हो सेवेंटी करोड़ बट टैक्स बेस हो सरकार की नज़र में फोर्टी फाइव ही रहेगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड वन को तो आपका डी टी एल बनेगा कितने का फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव सेवेंटी ट्वेंटी फाइव का ट्वेंटी परसेंट

एन एल टू डिटीएल वन का इंक्रीज हो रहा है तो आपका क्लोजिंग लाइबिलिटी देख लो यहां पर ये रहा क्लोजिंग परिटी सिक्स का रहेगा आपका और आपका वन करोड़ का इंक्रीज होगा पीएनल का इफेक्ट के साथ ये देखो इंक्रीज इन डिटेल सिंपल था आपका पीएनए टू डिटेल में एंट्री बनाई इन्होंने टैक्स एक्सपेंस लिखा है आप भी पीएनएल की जगह टैक्स एक्सपेंस लिखे फिर पीएनएल बोला पीएनएल में तो जाता है नाम कुछ लिखना होता है ना टैक्स एक्सपेंस लिख दिया टू डिटी लिख दिया वन करोड़ का ये क्वेश्चन अब आपको आई थिंक टफ नहीं लगेगा मेरे ख्याल से ये अच्छा क्वेश्चन था एक जो हमने किया अब ये टफ नहीं लगे अब ये वाला क्वेश्चन भी इलेस्टेशन नाइन भी इंपॉर्टेंट है ये भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं तो चलो सही है ना एकदम अच्छे से बोलो पी एन एल टू डिटेल एग्जाम में लिख देना टैक्स एक्सपेंस ब्रैकेट में पीएनएल लिख देना फिर टू डिटेल लिख देना ठीक है और इलेस्टेशन नाइन करते हैं के लिमिटेड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू थर्टी फर्स्ट मार्च ईच ईयर

लिमिटेड का कोई इंटेंशन नहीं इसको बेचने का इन द तो अब यहां पर मेरी बात सुनो से। यहां पर हमें क्या करना होगा? कि आपका लेकिन आपने यहां पर फेयर वैल्यू आपका कितने का हो गया टू लाख फोर्टी थाउजेंड तो आप क्या करोगे इसको तो टू लाख फोर्टी थाउजेंड में पहुंचाओगे ना रिवॉल्यूशन दिखाओगे और वो ओसीआई में दिखा हो रिवॉल्यूशन को

तो सॉरी, तो आप खुद बताइए क्या रेवेन्यू हमारा से रिवर्स होगा याद है हमारा से रिवर्स होगा. हमारा से रिवर्स होगा. और आपका जो अनरियलाइज गेन है यहाँ पर आप कोई बोलेगा यहाँ पर अनरियलाइज गेंदीन थाउजेंड है ऐसे अगर गेन निकालोगे सीधा एट्टी थाउजेंड और सिक्सटी फोर था अनरियलाइज गेन नहीं है इसका सिक्सटी परसेंट ही अनरियलाइज है

मतलब आप ये समझ लो आप प्रॉफिट को कम कर रहे हो अनरियलाइज प्रॉफिट बोल के आप कम कर रहे हो आप टैक्स सेविंग मांग रहे हो सरकार दे नहीं रहे सरकार बोल रहे हमने हमारे हिसाब से तो आपका कमाई हो गया तो हम इसका बेसिकली बनाएंगे और प्रेजेंट करना तो आपको ये समझना होगा कौनसो बनाते समय हम इन्वेंट्री को गिरा रहे हैं तो इन्वेंट्री जो आपका 60 परसेंट सब्सिडी के पास जो 48,000 बुक था उसको कौनसो बनाते समय नाइन्टी से गिरा के 38,400 दिखाना पड़ेगा लेकिन वही सरकार के नजर में तो टैक्स बेस इतने का इतना ही रहेगा है है उसमें से हम अनरियलाइज प्रॉफिट को निकाल रहे तो आपका ट्वेंटी फोर हंड्रेड आ जाएगा बोलो ये कर लोगे एकदम आराम से हुआ है ना तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड आपका क्या होगा यहाँ पर ट्वेंटी फोर हंड्रेड का हम एंट्री क्या दिखाएंगे एकदम सिंपल था मतलब कौनसो पढ़ा हुआ ये तो तो ये सिंपल लग नहीं आपको आज पॉइंट नंबर सी में देखते हैं 2001 को ने रिसीव किया लाख लाख से और पता है इसने का रेवेन्यू दिखा भी दिया एकदम सिंपल सी बात है हम जब टू लाख रुपीज रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी पता है अब बाद में अगर हमने वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का रेवेन्यू दिखा दिया तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी टू रेवेन्यू दिखा देंगे लाख का तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का रहेगा हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी रहेगा एट्टी थाउजेंड का मतलब टू लाख रूपी पैसे मिले उसमें से हमने क्या किया वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रेवेन्यू दिखा दिया कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी हमारा एट्टी थाउजेंड का बट पता है सरकार क्या बोल रही है सरकार बोल रही है जैसे आपने पैसा लिया आपका टैक्स पूरा ले लेंगे तो सरकार पूरा का पूरा टू लाख को रेवेन्यू मान रही है और सरकार की नजर में टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी कुछ ही नहीं क्योंकि तो मैंने एंट्री किया क्या पता है? मैंने एंट्री किया बैंक अकाउंट टू लाख टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी टू रेवेन्यू रेवन्यून लाख ट्वेंटी सरकार क्या एंट्री करी है? पता है? सरकार पूरा रेवेन्यू है हम पूरा इसको कमाई मान रहे हैं बैंक टू रेवेन्यू तो सरकार की नजर में टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी कितना है पता है जीरो है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ग्रेटर देन टैक्स लाइबिलिटी एटी थाउजेंड का ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी ट्वेंटी थाउजेंड का हम क्या करेंगे टू तो सही है है बोलो, थोड़ा स्पीड ना, मतलब सरकार का एंट्री होगा बैंक टू रेवेन्यू हमारा एंट्री हो रहा है तो हमारा तो हमारा सरकार का कुछ भी नहीं है ट्वेंटी थाउजेंड का ट्वेंटी थाउजेंड बोलिए वाला क्वेश्चन इसमें अच्छा, था करा दिया। एट इसमें अच्छा था करवा दिया अब इलास्टेशन फोर इलास्टेशन फोर भी करवा देता हूँ चलो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इलास्टेशन फोर भी फटाफट फड़ करा देता हूँ totally... चलो ये साथ जी इतना मुझे पता है समझ में आएगा यार इजी है सब पहले भी क्यों पढ़ते नहीं हो पहले भी पढ़ के जाना चाहिए ना ईजी है ये सब सारा चीज़ कुछ भी टफ नहीं है मैं तो कहता हूँ कुछ भी टफ नहीं है एफआर में बस जरूरत है तो आपकी शिद्दत और आपकी मेहनत करोगे तो कुछ भी टफ नहीं है फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन को पी लिमिटेड दो साल का इनकम डेट में बेसिस में वो एक्सरसाइज डेट में देगा आपको आज नहीं देगा इंट्रेंसिक वैल्यू ऑप्शन आपका थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू एक अप्रैल टू थाउजेंड वन को दिया गया है एक साल के बाद थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू को इसकी वैल्यू है

हम फर्स्ट ईयर में क्या बोलेंगे पता है फर्स्ट ईयर में हमारे टोटल खर्चा का हमें फेयर वैल्यू कितना नजर आ रहा है करोड़ हमें नजर आ रहा है है ना करोड़ हमें नजर आ रहा है यहां पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे मेरी बात ध्यान से सुनो एक बात रुको एक चीज मुझे बस यस आप ध्यान से सुनो मेरी फर्स्ट ईयर में हम एंट्री मारेंगे एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस तो आपका क्या होगा एस बी पी आर होगा ठीक है कितने का मारेंगे करोड़ हमारा टोटल खर्च है हमारा इंटरेंसिक वैल्यू ऑप्शन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू को कितना है? का हमारा टोटल खर्च है इंट्रेंसिक वैल्यू ऑप्शन का ई बी टू एस बी पी आर हमने कितना दिखा दिया वन पॉइंट सिक्स करोड़ डिवाइड बाई टू दिखा देंगे यानी पॉइंट एट करोड़ का हमने दिखा दिया करोड़ का हमने दिखा दिया ये हमने दिखा दिया यहां पर अब ये दिखाने के बाद हम खर्चा तो इतने का दिखा रहे पर सरकार बोल रही है। वो तो आज हमें डिडक्शन देगी नहीं वो तो आज हमें डिडक्शन देगी नहीं लेकिन फ्यूचर में तो देगी जब एक्सरसाइज होगा तो फ्यूचर में जब एक्सरसाइज होगा तो वो हमें कितना डिडक्शन देगी टैक्स रेट कितना थर्टी परसेंट है तो अगर लॉजिकली भी आपका क्लियर हो रहा है कि देखो खर्चा हम आज रिकोगनाइज कर रहे पॉइंट एट जीरो को रोक हमें आज डिडक्शन नहीं मिल रहा हमें फ्यूचर में डिडक्शन मिलेगा तो फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा तो आज हम डी क्रिएट करेंगे हम बोलेंगे पॉइंट एट जीरो का थर्टी परसेंट डी टी ए क्रिएट करेंगे पॉइंट टू फोर का डी टी टू पी एन एल पर मैं आपको ऐसे नहीं समझाऊंगा मैं आपको समझाऊंगा ये बताओ ये एस बी पी आर इक्विटी है कि लाइबिलिटी ये इक्विटी है, है मेरी तो हम यहां पर बोलेंगे पहली बात तो यहाँ पर कोई लाइबिलिटी ही नहीं तो हम ये बोलेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी जीरो है टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी जीरो देखा जाए तो कुछ है नहीं और ये इक्विटी है तो आप इक्विटी की बात नहीं करते हमने ये पढ़ा था कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट होता है तो हम डीटीएल बनाते कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑफ ग्रेटर देन टैक्स टैक्स बेस ऑफ बनाते होता है तो हम डी टी ए बनाते हैं ये सारा चीज हमें पता इक्विटी के बारे में कहा बात किया ये इक्विटी है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तो हमारी एंट्री पता है सरकार की एंट्री पास करेगा सरकार भी एंट्री पास करेगा सरकार बोलेगा कि ये प्री पेमेंट है प्रीपेड आपका हाँ एक्सपेंस सरकार ये मानते हुए और सरकार बोलेगा टू एस बी पी आर सरकार बोलेगा अभी तो हम आपको देंगे नहीं तो पॉइंट एट जीरो खर्चा आप अभी दिखा रहे हम इसको पॉइंट एट जीरो करोड़ खर्चा मानेंगे नहीं तो सरकार इसको प्री पेमेंट मान रहा है है ना अगर कुछ पेमेंट भी है तो सरकार इसको प्रीपेड एक्सपेंस मान रहा है पॉइंट एट जीरो करोड़ डेफर कर रहा है मतलब हम खर्चा आज दिखा दे रहे वन बाई टू लेकिन सरकार इस खर्चा को डेफर कर रहा है वो तो बोल रहा है आज खर्चा नहीं क्योंकि जब एक्सरसाइज होगा तभी आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा तो सरकार की नजर में ये प्री पेमेंट है तो आप ये समझो हमारा कोई कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट है क्या नहीं हमारा तो कैरिंग अमाउंट हमने तो इक्विटी दिखाया एसेट दिखाया नहीं और खर्चा दिखाया हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट जीरो है। सरकार का टैक्स बेस ऑफ एसेट आप देख लो लोइंट एट जीरो ने दिखाया .80. तो इससे क्या है कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट होने से डी टी ए बनता है DTA कितना पॉइंट एट जीरो का थर्टी परसेंट पॉइंट टू फोर करोड़ का डी टी ए बनता है एंट्री क्या होगी डी टी ए टू पी एन एल

ना वो करंट टैक्स में चला जाएगा करंट एडजस्टमेंट में चला जाएगा तो नेक्स्ट किया डीटीए विल नो लॉन्गर भी रिक्वायर्ड और आप इसको रिवर्स कर दो डी टीए टू टैक्सेंस कीजिएगा आप दिखा दोगे क्योंकि ऑप्शन एक्साइज हो जाएगा और टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाएगा तो बात खत्म अब डीटीए डिटेल का काम ही नहीं है और जब हमें बेनिफिट मिल जाता है हम बेनिफिट नहीं मिला आज फ्यूचर में मिलेगा इसलिए तो डीटीए दिखाया जब बेनिफिट मिल जाएगा तो हम डीटीए को रिवर्स कर देंगे तो आज हमने डीटीए को दिखाया पॉइंट टू फोर करोड़ का और फ्यूचर में हम इसको रिवर्स कर देंगे अब मैं आपको बता दू मैंने कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट से मैंने किया सर का यहाँ पर आईसीए ने कैसे लिखा है इन्होंने लिखा देखो कैरिंग अमाउंट ऑफ सैरबे पेमेंट ये सैरबेस पेमेंट को हम एसेट मान रहे हैं टैक्स बेस ऑफ सैरबे पेमेंट और फिर इन्होंने टेम्परिरी डिफरेंस निकाला आईसी के सोल्यूशन में क्लैरिटी थोड़ी कम है मैंने थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी दी है एज कम्पेयर टू आईसी सोल्यूशन मैंने ज्यादा क्लैरिटी दी बताओ समझ में आया आया ना मुझे बता दो समझ में आया मतलब इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान में रखना है हमारी नजर में कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट कुछ नहीं है सरकार उसे प्रीपेड एक्सपेंस मान रही है क्योंकि वो आज डेफर कर रही है वो तो आज खर्चे का डिडक्शन दे नहीं रही है सरकार की नज़र में टैक्स बेस ऑफ एसेट है पॉइंट एट जीरो करोड़ का और इसका थर्टी परसेंट पॉइंट टू फोर करोड़ का आपका डीटीए बनेगा डीटीए टू पीएनएल और बाद में पीएनएल टू डीटीए हो जाए अब ये जन बोल है सर ये नोट्स कहां से मिलेंगे अब हो गया मेरे साथ ही कर लिया ये ये तो मैं क्वेश्चन बैंक में लिख रहा हूं ये क्वेश्चन बैंक कैसे दूंगा आपको ये तो बड़ा सारा क्वेश्चन बैंक है है ना हो गया यहाँ पर ही क्या इसमें और देखना है नोट्स वगैरह का अभी एग्जाम है दो दिन बाद दो तीन दिन बाद दो दिन, दिन बाद ही तो एग्जाम है हो गया हमारे साथ कर लिया खत्म अब और थोड़े ना देखने का समय अब ये सब हर क्वेश्चन अब और मत देखना अभी साथ साथ ये प्रैक्टिस करके खत्म करो चलिए तो इलेस्ट्रेशन फाइव आप सेल्फ कर लेना खुद से इजी क्वेश्चन है मैं नहीं कराऊंगा ठीक है जो नहीं करा रहा हूँ मार्क करवा दे रहा हूँ साथ साथ आपको भाई आप खुद से सेल्व कर लीजिएगा हो जाएगा छोड़ते हो भी तो कोई बड़ी बात नहीं है इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हल्का फुल्का नाइन करवा दिया ये टेन इलेवन ट्वेल्थ तो अभी जरूरत नहीं ये तो न्यू स्कीम में है आप लोग की स्कीम में जरूरत नहीं है टेन इलेवन टवेल्थ ये क्वेश्चन एकदम सिंपल आप आराम से कर लोगे

बोला टैक्सेबल टेम्परे डिफरेंस आपका नाइन थाउजेंड रुपीज का जो कि रिवर्स होगा तीन सालों में डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस फोर थाउजेंड का जो कि रिवर्स होगा चार सालों में और आगे जाके पांच साल तक तो नुकसान ही होने वाला टैक्स थर्टी परसेंट तो मेरी बात सुनो आपका फर्स्ट ईयर में आप नाइन थाउजेंड में से थ्री थाउजेंड रिवर्स कर पाओगे तो वन थाउजेंड आपका डी टी ई भी एडजस्टमेंट हो जाएगा उसमें क्योंकि आप रिवर्स करने का मतलब क्या ये लाइबिलिटी है 3000 का होगा आपका में उसमें से आपका वन थाउजेंड का जो डिडक्शन है वो आप क्लेम कर पाओगे आपको टू थाउजेंड में टैक्स देने से हो जाएगा सेकेंड ईयर में भी थ्री थाउजेंड टैक्सेबल इनकम होगा जिसमें से थाउजेंड आप एडजस्ट करके टू थाउजेंड में टैक्स दे पाओगे थर्ड ईयर में भी थ्री थाउजेंड का टैक्सेबल इनकम होगा जिसमें से थाउजेंड एडजस्ट करके टू थाउजेंड का टैक्स दोगे लेकिन फोर्थ ईयर में कोई टैक्सेबल इनकम नहीं होगा और आप इसका फिर डीटीए को आप रिवर्स नहीं कर पाओगे इसलिए इसका डीटीए नहीं बनेगा हम क्वेश्चन में बोलेंगे भले ही आपका डिडक्टिबल टेम्परे डिफरेंस फोर का है बट जबकि फ्यूचर में थ्री थाउजेंड ही हम क्लेम ले पाएंगे थ्री थाउजेंड का थर्टी परसेंट यानी नाइन हंड्रेड का हम क्या करेंगे डीटीए बनाएंगे डी टी एल में तो पूरा ही बनता है नाइन थाउजेंड का थर्टी परसेंट कितना ट्वेंटी सेवन हंड्रेड का डीटीएल बनेगा और नाइन हंड्रेड का ही डीटीए बनेगा हमारा ये देखो नाइन हंड्रेड का डीटीए बनेगा ट्वेंटी सेवन हंड्रेड का डी बनेगा स्पीड में करा है क्वेश्चन सेवन नहीं जरूरत लगता मुझे खास नहीं लगता एट इतना कुछ खास नहीं है सेल्फ अगर समय है तो नाइन इंपॉर्टेंट है मैं करवाऊंगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता 9 10 है नाइन और टेन दोनों इंपॉर्टेंट इलेवन में भी एक मैट का सिंपल सा एक लाइन पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा वो चलो जी क्वेश्चन नंबर नाइन अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन अभी हम करते हैं यस इंडस ट्वेंटी वन करेंगे ना नेक्स्ट इसके बाद इंडस ट्वेंटी वन करेंगे नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं अरे क्वेश्चन नंबर नाइन बताओ पुजार्टी यस टेन इलेवन ट्वेल्व नहीं कर रहा हूँ वो न्यू स्कीम के मटेरियल में आया आप लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं है और वैसा क्वेश्चन पूछेगा पूछा भी नहीं जाएगा तनिष जी थोड़ा ब्लर है ब्लर क्या ब्लर है ब्लर नहीं मेरे ख्याल से सब कुछ सही है इं, इंटरनेट तो अभी ठीक ही दिख रहा है इंटरनेट में प्रॉब्लम हुई है क्या कुछ बता दो मुझे तो ठीक ही लग रहा है क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना पूरे चांसेस रहेंगे वहीं से आने के ऐसे पागल थोड़े ना आपको अच्छे क्वेश्चन देगा वो देगा तो ऐसे क्वेश्चन टारगेट करेगा जो लगेगा कि मतलब एक होता है ना तब वही सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मुझे लगता है ऐसे टारगेट करेगा ये क्वेश्चन साइड और बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ देते हैं आ जाओ क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं इज कर अपना फाइनेंशियर स्टेटमेंट फॉर दर थर्टी फर्स्ट मार्च टू टू और इन गवर्नमेंट ने क्या किया टू थर्टीथ मार्च को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो और आपको पता चला कि आगे जाके फोर्टी परसेंट से फोर्टी फाइव परसेंट टैक्स रेट हो तो जो हम डी टी एड बनाते हैं वो तो फ्यूचर में क्लेम होगा फ्यूचर में टैक्स लगेगा फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा और फ्यूचर में तो हमारा टैक्स रेट फोर्टी फाइव परसेंट हो जाएगा तो हम डी टी एल फोर्टी परसेंट के हिसाब से कैसे बना सकते हैं अब वही हुआ यहां पर यहां पर देखिए इन्होंने बोला कि डी टी एटी थाउजेंड बनाया है इनकम टैक्स कैलकुलेशन डी टी एटी थाउजेंड बनाया है और ये सिक्सटी थाउजेंड बनाया ये किसके हिसाब से बनाया बताया फोर्टी परसेंट के हिसाब से बनाया फोर्टी परसेंट के हिसाब से बनाया और बोला कि डी टी ए के अंदर तो आपका डीटी आपको दिख रहा है ना एटी थाउजेंड का इसमें से ट्वेंटी एट थाउजेंड तो आपका रिलेटेड टू टेम्परेट डेफर टैक्स एसेट है प्रीवियसली इन मतलब बोला ये थाउजेंड का जो डीटी दिख रहा है इसमें से ट्वेंटी एट थाउजेंड तो ओसीआई है और आपका रिमेनिंग कितना बचा फिड पीएनएल तो ये देखो मैंने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया ऐसे प्रेजेंटेशन में जाते ये देखो मैंने यहाँ पर क्या ब्रेक किया मैंने बोला जो डी टी ए टोटल का है, ये 40 से ओसीआई में, में दिखाया गया ट्वेंटी ने बोला ये ट्वेंटी बाकी मतलब पी एन एल के थ्रू है, है ना, ये 40 के से बनाया। लेकिन बनना कितना चाहिए फोर्टी फाइव परसेंट के हिसाब से बनना चाहिए

तो मेरा रिवाइज आ गया तो मुझे पता चल गया कि मुझे बढ़ाना है, है ना? और फिफ्टी टू थाउजेंड को मुझे मतलब मुझे 65 से बढ़ाना है। अब एक बात सुनो, दोनों को बढ़ाना है हमें तो अगर डी बढ़ेगा तो पीएनएल जाएगा डी टी एन एल होगा लेकिन अगर ओसीए से रिलेटेड है तो डीटी टू दिखाएंगे तो ये जो थर्टी फाइव हंड्रेड बढ़ा ये डी टी एसी होगा और ये जो 65 मिनट बढ़ा है ये डीटीए टू पीएनएल होगा बोलो ये दोनों एंट्री समझ में आया हाँ या ना एकदम सिंपल है और अगर दूसरे की बात करूं मैं दूसरा देखो डिटेल 60000 इसमें कोई ओसीए वगैरह की बात नहीं बोल रहे ये पूरा का पूरा डिटेल 60000 पीएनएल है तो 60000 अगर 48% है 60000 अगर 40%, है, 60 अगर 40 है तो 45% कितना होगा

डीटीएल में तो आपका पीएनएल टू डीटीएल है क्योंकि ओसीआई का कुछ फिगर ही नहीं है कितना 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 सिंपल था बताओ क्वेश्चन कितना सिंपल था वो ये अगर एक बार नहीं करके जाते तो एग्जाम में आपको इसी को कॉम्प्लिकेटेड बना देते और आप फिर बोलते कि सर पेपर टफ आया था पेपर टफ आया था टफ नहीं आया था पेपर आपने कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जो छोड़ के चले गया इसलिए आपको लगा पेपर टफ है पर पेपर टफ था नहीं चलो जी तो क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा हो चुका है और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके पास थोड़ा भी समय हो आप एक काम करना पिछले तीन साल का आरटीपी जरूर करना आरटीपी 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 मई मई 2023 नवंबर 22 22 टीपीड में जस्ट मारोगे प्रतीक जगाती आरटीपी मई 22 आरटीपी नवंबर 22 या फिर आरटीपी मई 23 वो आप जरूर करना मुझे याद है इंडस ट्वेंटी का एक क्वेश्चन है आ, हरीस कंस्ट्रक्शन वाला वो आठ सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कराया लास्ट तीन सीजन का मैं आज टेलीग्राम में में भी लिंक शेयर कर दूंगा वो तीन आपको करने आई थिंक दो ढाई घंटे लगेंगे वो तीनों एक बार जरूर से गो कर और अभी रिसेंट वाला आरटीपी का तो एक बड़ा क्वेश्चन था कॉन्सोलिटेशन वाला वो तो मैंने यूट्यूब में डाल ही दिया था बाकी हम देखते हम कोशिश करेंगे सेशन एक ले लेने का आरटीपी का डिस्कशन करना तो ये वाला क्वेश्चन तो कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है अच्छा से ये तो कर लोगे नहीं करवाऊ क्या न करवा दू क्वेश्चन नंबर टेन बताओ करवाना है क्या करवाना है तो करवा देता हूँ इच्छा है करने की करवा ही देते हैं चलो सारा इंपॉर्टेंट कराया तो एक भी क्यों छोड़े फिर ये देखो एग्जाम सॉल्यूशन इसी प्रकार रखेंगे डिफरेंस आके बताएंगे गुडविल बताएंगे चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन करते हैं कोई नहीं अच्छी बात है बहुत बहुत शुक्रिया चलो क्वेश्चन नंबर टेन करते हैं ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी एच एक्वाय हंड्रेड परसेंट शायर कैपिटल हंड्रेड परसेंट एक्वायर किया आपने फिफ्टीन लाख रुपीज़ दे वो वैल्यू और फेर विद द टैक्स ऐसे भी आपको रखना पे हम गुडविल पे कभी डी टी डिटेल सारे एसेट्स पर डीटी डिटेल बनता है गुडविल पे नहीं बनता है टैक्स रेट एन टी टी एच और एन टी टी एस का देखो अलग अलग दिया हुआ है थर्टी परसेंट एन टी टी एच का है और एन टी टी एस का जूरिजिशन में फोर्टी परसेंट टैक्स रेट अब यहाँ पर आप देखिए कैलकुलेट करना है ऑन एक्विजिशन ऑफ तो यहां पर आप देखो हमें वैल्यू लेना है ना ये फेयर वैल्यू हमारा कैरिंग अमाउंट होगा और ये टैक्स बेस है तो हम नीचे क्या करेंगे देखो सीधा हमने लिखा लैंड बिल्डिंग पीपी इन्वेंट्री लैंड बिल्डिंग पीपी इन्वेंट्री हमने लिखा सारा अकाउंट्स रिसेबल कैश अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी सारा आ जाएगा है ना इस पर हम क्या करेंगे पहले कैरिंग अमाउंट सारा ये फेयर वैल्यू तो कैरिंग अमाउंट है ये सारा डाल देंगे सेवन हंड्रेड टू सेवेंटी एट्टी वन फिफ्टी वन थर्टी वन सिक्सटी हंड्रेड ये सारा हमने डाला है यहाँ पर तो हमारा नेट आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स आ गया कैरिंग अमाउंट हमारा जो फेयर वैल्यू वो हमारा कैरिंग अमाउंट होता है टैक्स बेस ये रहा ये वाला लेंगे इससे उन्होंने क्या बुक वैल्यू रखा हमें उसे क्या लेना देना हमें हाँ मतलब है अगर ये टैक्स बेस दिया हुआ नहीं रहता तो उनके बुक वैल्यू को हम टैक्स बेस मान लेते पर अभी तो दिया हुआ है ना तो वही लेंगे फाइव हंड्रेड टू हंड्रेड हंड्रेड ये सारा हमने लिया तो यहां पर इससे हमें पता चल गया देखो साफ ही पता चल रहा है कि थाउजेंड सेवेंटी का कैरिंग अमाउंट है नाइन ट्वेंटी का टैक्स बेस है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ नेट डी तो टी एल बनेगा कितने का वन फिफ्टी का कितना परसेंट है हमारा हमारा कितना परसेंट है आप देखो हमारा यहाँ पर कितना परसेंट है एच का है थर्टी परसेंट एस का फोर्टी परसेंट है तो अब आपका सवाल आएगा सर आप यहां पर पेरेंट का लोन है थर्टी परसेंट पर मैं आपको बता दूं यहां पर हमने शेयर खरीदे हैं हमने कंपनी को कंपनी को हम नहीं चलाएंगे कंपनी एस का अस्तित्व रहेगा वैसा का वैसा कंपनी एस के शेयर्स हमारे हमारे पास है तो आगे जाके भी जो कंपनी जिस जुडिजेक्शन में वो उसी ज्यूरक्शन में रहेगी और उसी का ही टैक्स बेनिफिट लगेगा आपका कंपनी का आगे जाके भी फोर्टी परसेंट ही लगने वाला कंपनी एस को खरीद लिया मीन डी एच वाला टैक्स लगेगा क्योंकि कंपनी एस को खरीदा नहीं कंपनी एस के को खरीदे कंपनी एस जहां पर है वहीं पर है और उसका रेट है फोर्टी परसेंट उसी फोर्टी परसेंट से हम बनाएंगे डी तो आप देखिए वन फिफ्टी का फोर्टी परसेंट यानी सिक्सटी का हम क्या करेंगे डी बनाएंगे तो अगर डी टी सिक्सटी का हुआ तो हमारा आइडेंटिफाइबल कितना हो जाएगा थाउजेंड सेट नेट हमारा थाउजेंड टेन का होगा हमने हंड्रेड परसेंट खरीदा है तो एनसीआई तो कुछ होगा नहीं उसके लिए हमने दिया कितना है फिफ्टीन हंड्रेड यानी फिफ्टीन लाख यानी फिफ्टीन हंड्रेड यानी कितना का आएगा फोर नाइनटी का आपका ये देख लो सिंपल तो इसमें गलती कहां करेंगे बच्चे गलती एक ही होगा इसका कोई काम नहीं है और दूसरा गलती ये कर सकते हो आप टैक्स रेट लेने में ध्यान रखना सब्सिड्री का ही लेना है भले ही ने उठा लिया पर टैक्स सब्सिड्री का ही लगेगा समझ में आया ये चीज बोलो आया ना ब्रेक क्यों मांग रहे हो तू जी ऐसा ना करो ब्रेक मत मांगो अभी सब कुछ मांग लो अब जान मांग लो पर ब्रेक मत मांगो काफी पास है ना तो ब्रेक नहीं मांग सकते ब्रांड मिलेंगे पर ब्रेक नहीं मिलेगा याद रखना तो चलिए जी तो आई थिंक इंडेस 12 में और मुझे नहीं लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है ऐसे तो टॉपिक्स है आपका मतलब फोर्सिबल फ्यूचर तक अगर आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ है पर वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है मैं वो सब चीज में अभी नहीं जाना चाहता हमने इम्पोर्टेंट जितना चीज है सब करवा दिया मैंने है ना इसमें बस एक चीज देख लो आप इसमें मेट का पॉइंट नंबर टू तो हमने कर ही लिया ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन में इसमें एक बात बता देता हूँ बोला कि मेट क्रेडिट मिलेगा मेट का क्रेडिट आपको मिलेगा और ये मेट क्रेडिट आपका टू में 8.5 करोड़ का था और टू थाउजेंड में नाइन पॉइंट सेवन फाइव करोड़ का तो आज के डेट का हमें जितना मेट क्रेडिट मिलेगा आज का डेट का डी टी ए नाइन पॉइंट सेवन फाइव का रहेगा और सिक्सटीन सेवनटीन की अगर मैं बात करूँ तो सिक्सटीन सेवनटीन की एंट्री क्या होगी तो हो तो जितना मेट क्रेडिट आप देख लो डी इन द करेंट ईयर आपका होगा और ओवरऑल आपका डीटीएल डी टी ए सॉरी डी टी एल नहीं होगा और पॉइंट नंबर टू नहीं करना है मैंने करवा दिया ऑलरेडी ऊपर आपको ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था तो ये मेट पेड ध्यान रखना मेट पेड का अगर क्वेश्चन बोले कि इसका हमें डिडक्शन मिलेगा तो ऐसा सिचुएशन हम डीटीए बना सकते अगर बेनिफिट मिलेगा तो डीटीए बनेगा बेनिफिट नहीं मिलेगा तो डीटीए नहीं बनेगा क्वेश्चन ने बोल दिया है कि इसका बेनिफिट मिलेगा आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो दस साल तक और दस साल तक आप इसका अवेल कर यूटिलाइज कर सकते हो आप बस कुछ नहीं था और ये वाला मैंने कहा ना आर टी पी नंबर ट्वेंटी टू वाला में मैंने करवाया ये नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी आज ऑलरेडी पूछ लिया है तो आप छोड़ सकते हो मेरे ख्याल से अब ये रिपीट नहीं होगा नहीं पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा जाएगा नहीं ऑलरेडी पूछ लिया उन्होंने जो बाकी मुझे लगा बाकी क्वेश्चन मैंने करवा दिए मेरे ख्याल एक दो क्वेश्चन बस आपको सॉल्व करने को दिया बाकी करवा दीजिए बोलो दे। संतुष्ट हो इंडस्ट से हैप्पी सेटिस्फाइड हो या नहीं बता दो बस ज़्यादा चांसेस कौन सा पता क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर फोर अच्छा क्वेश्चन है थ्री भी अच्छा क्वेश्चन था मैंने करवाया एट भी अच्छा क्वेश्चन था आने का चांस वाला नाइन भी अच्छा क्वेश्चन है आने का चांस सब अच्छे क्वेश्चन करवा दिए सर वाई के का भी क्वेश्चन नंबर नाइन जो हमने देखा था वाई तो सिंपल था, था, था।, था, था। नाइन और टेन पूछा जा सकता था तो इंडस ट्वेल्व फाइनली डन और अगर अभी तक समझ में आया तो जरूर से लाइक कीजिए ठीक है समझ में आया सब कुछ सही जा रहा है तो फाइनली हमने क्या क्या कर लिया अभी तक हमने कर लिया इंडस नाइनटीन इंडस थर्टी थ्री इंडस ट्वेल्व ये तीनों हमने स्टैंडर्ड कर लिया अब हम बात करेंगे किसके बारे में इंडस ट्वेंटी वन हम करेंगे ब्रेक की ना करो बात अभी अभी ब्रेक का समय नहीं है अभी ब्रेक का कोई जगह नहीं है अभी हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है उसके बाद ब्रेक के बारे में बात करना पाँच मिनट ये बैठा रहना चाह दो चिल मारना चाह दो मार लो कोई दिक्कत नहीं है पाँच मिनट चिल मार के कर लेंगे पर ब्रेक नहीं लेंगे मैं नहीं उठूंगा अभी आलसी आ जाएगा एक बार ब्रेक लेंगे ना आलसी आ जाएगा मत कहो अभी कुछ नहीं लंच मत लंच करो लंच करोगे पढ़ोगे कि नहीं मैं लिख के दे रहा हूँ आपको लंच कर लो फिर पढ़ाई नहीं करोगे अब आलसी आ जाएगा मैंने भी तो नहीं किया लंच मैं तो ब्रेकफास्ट भी ढंग से नहीं किया सच बताऊं तो मैं देखो आपके सामने पानी पी ले रहा हूँ कोकोनट वाटर पी ले रहा हूँ आप भी ऐसे कुछ करके कुछ पी लो कुछ कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लो नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स खा लो फ्रूट्स खा लो सब तो रखते होंगे आप लोग अभी एग्जाम टाइम में ये सब चीज़ें खा लो अभी अभी खाना पीना नहीं कोई दस मिनट ब्रेक नहीं दो चार मिनट की ब्रेक है वो भी बैठे बैठे ये यही निपटाएंगे ब्रेक को आप मेरे से बात कर सकते हो कुछ पूछ सकते हो मेरे लाइब्रेरी से बाहर जाके आते हैं हाँ जितेंद्र जी जाइए लेकिन दो तीन मिनट में आ जाएगा अरे मैच स्टार्ट हो गया मैच की बात ना करो प्रशांत जी अभी हमारा डिस्ट्रैक्शन फिर उधर चला जाएगा मैच की बात नहीं करते ठीक है यस फ्रूट्स वगैरह ये सब खा लो आपने तो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया अभी मैं एक बार स्कोर देख लेता हूँ आप लोगों को नहीं देखना है आप लोग भूल जाओ अभी क्या री ट्वेंटी नाइन फोर टू तो आज मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का टेस्ट होगा चलो बोलते हैं मैच को ऐसे भी देखना तो होता नहीं और अपना अपना भाई विराट कोहली तो आउट हो गया है ठीक है मतलब एक अंदर सेटिस्फेक्शन कि लगेगा मिस तो नहीं किया कुछ बाद तो में लगता है विराट कोहली अच्छा मार देते यार इतनी अच्छी बैटिंग मिस कर दी अफसोस होता बस खुद को हुआ पड़ा हुआ है यूट्यूब में टेलीग्राम में भी डाला हुआ है स्पिरिचुअल ब्लिस आप पूछ रहे हो ऐसा रमन जी बोले सर बताइए तो क्या चल रहा है मैं बता देता तो, हूँ इंडिया के दो विकेट गिर गए रोहित शर्मा श्रेयस सैर खेल रहे और दोनों जन खेल रहे थे खूबसू आ गया अच्छा खेल हाँ। अगली बार भी इंग्लैंड से इंडिया हारा था इस बार पता नहीं यस अब अब भूल जाओ अब क्रिकेट की बात ना करें अब एग्ज़ाम की बात करेंगे एग्ज़ाम के लिए मोटिवेटेड रहेंगे एग्जाम को उखाड़ेंगे अच्छे से 70 है ना सेवेंटी प्लस चाहिए मुझे आप लोगों से काफी सारे बच्चों से मुझे सेवेंटी फाइव सेवेंटी प्लस चाहिए बताओ लेके आओगे ना कौन कौन है यहाँ पर जो सेवेंटी प्लस लेके आएगा बताओ मुझे कौन कौन है बंदा जो सेवेंटी प्लस लेके आने वाला है 21 में ट्वेंटी एक बार मैंने क्रक्स बनाया था तो उसे मैं फटाफट ओवरव्यू दूंगा और फिर आप लोग को सीधा में क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को फिर मैं कराऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप कराते हो तो कितना जल्दी हो जाता है थैंक यू सो मच उर्मी जी अच्छी बात है ना साथ साथ करके ख़त्म करें तो छोटी बात कर दी सत्तर बोल के वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी से कैसे लाओगे बता मैं मतलब वो भी बात नहीं करते ना जो एक होता है ना टोटली ये रेलिवेंट हो सेवेंटी प्लस बोला है मतलब एट्टी ले आओ एटी फाइव ले आओ सेवेंटी प्लस चाहिए मिनिमम अक्षय जी सिक्सटी कम सोच रहे हो आप ज़्यादा सोचो थोड़ा सिक्सटी बहुत कम होता है सेवेंटी प्लस सेवेंटी भी नहीं सेवेंटी प्लस चाहिए सर आप क्वेश्चन कराते हो तो वो बिल्कुल भी टफ नहीं लगता यस हम तरीके से करते हैं ना समझ के तो समझ के करोगे तो टफ नहीं लगेगा सब कुछ इंपॉर्टेंट लगने लग जाता है कुछ नहीं यस, 80 प्लस लाना अंकुश जी बहुत ही खुशी की निराली जी एफ जो है ना मेरा एक अगर आपको एफ में कुछ नहीं आता है साढ़े आठ घंटे का जो मैंने वीडियो डाला था मोर देन वन लैक व्यूज़ हो गए वन वा, मंथ में बहुत ही अच्छा वीडियो उसमें मैंने कंसेप्ट क्वेश्चन सब कुछ कवर किया अगर आप छः घंटा आपके पास समय उसको दोगे तो आपके लिए फ्रूटफुल हो रहेगा अदर इस मैराथन में भी मैंने कराई है मैराथन में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया कन्सेप्ट कराया दो ढाई घंटे में क्विकली रिवाइज करा तो आप चूज कर लो आपको कौन सा करना है सर आपका मूड ठीक कर लो अब ठीक है मूड अंकित जी वे उस टाइम थोड़ा मूड खराब हुआ था अभी ठीक है अभी बोल दिया ना अभी ठीक है ठीक अच्छा है।, तो है थोड़े बहुत तो होते ही हटाओ से अब कोई दुख नहीं है पहला मैराथन होने के बाद जो रिविजन सर किया बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आया तो ये तो बहुत अच्छी बात है यस वो धीरे धीरे सीख रहा हूँ राजदीप जी धीरे धीरे वो सब चीज सीख रहा हूँ मैं चलो बहुत बढ़िया आ जाओ अब हम लेट नहीं करते अब हम इंडेस ट्वेंटी वन में आते हैं एक बार इंडेस ट्वेंटी वन का क्रक्स खोल लेता हूं मैं कहा गया बेटा आ गया देखो इंडेस ट्वेंटी वन में बेसिकली क्या होने वाला है ये सुन लो ये बहुत जल्दी हो जाएगा स्टैंडर्ड हमारा बहुत सिंपल स्टैंडर्ड ये एकदम जल्दी हो जाएगा इसको तो ऐसे मिड साइज में रख रहे छोटा सा इंडेस है बहुत जल्दी हो जाएगा अब देखिए यहां पर इंडेस 21 में क्या हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज अगर हमारा होता है जैसे मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो गया हम इंडिया में हैं हमारी फंक्शनल करेंसी रुपी है और हम मान लीजिए यूएस से कोई मशीनरी खरीद रहे हैं यू से कोई गुड्स खरीद रहे और खरीद भी रहे यूएस से या फिर इंडिया में किसी से खरीद रहे पर इन जो पेमेंट्स है डिनोमिनेट हो रहा है वो अदर देन रूपी हो रहा है अदर देन फंक्शनल करेंसी हो रहा है तो मान लीजिए मैंने कोई मशीनरी खरीदा है फोर्टी थाउजेंड डॉलर में और मेरी फंक्शनल करेंसी रुपी है तो मैं थोड़े ना डॉलर में दिखाऊंगा अपने बुक्स में मैं अपने बुक्स में रुपी में दिखाऊंगा तो रुपी में कैसे दिखाऊं मैं मैं क्या करूंगा जिस डेट पे खरीदूंगा वो मशीनरी या गुड्स एंड सर्विसेस उस डेट का दिखूंगा क्या एक्सचेंज रेट है और उस एक्सचेंज रेट से मैं अपने फंक्शनल करेंसी में ट्रांसलेट करके अपने बुक्स में दिखाऊंगा तो मान लीजिए टेन थाउजेंड रुपीज का मैंने मशीनरी खरीदा है और उसका आज का डेट का एक्सचेंज रेट टेन थाउजेंड डॉलर का मैंने मशीनरी खरीदा है एक्सचेंज रेट फिफ्टी रुपीज पर डॉलर है तो मैं क्या करूंगा टेन थाउजेंड इंटू फिफ्टी यानी फाइव लाख रुपीज में मैं मशीनरी अकाउंट दिखाऊंगा फाइव लाख टू तो अगर मैंने उधारी में खरीदा है तो टू तो पेबल दिखाऊंगा फाइव लाख मतलब फंक्शनल करेंसी में हम अपना ट्रांसलेट कर देंगे यहां पर तो वही कहा गया कि देखो इनिशियल रिकॉग्निशन आपका क्या होगा जिस दिन आप ट्रांजेक्शन करोगे उस दिन का एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करोगे अब बहुत सारे जगह पे ऐसे होता है कि हर दिन का एक्सचेंज रेट का करना पॉसिबल नहीं होता है और मान लीजिए ज्यादा एक्सट्रीम मूवमेंट नहीं है तो आप एवरेज रेट भी ले सकते हो वीकली रेट 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 या मंथली रेट, एवरेज रेट भी ले सकते हो पूरे मंथ का जो है उसको एक एवरेज एक्सचेंज रेट आपने लगा के भी आप कर सकते हो अदरवाइज एक्सचेंज रेट ऑन द दे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होगा सबसेक्वेंड रिकॉग्निशन में हम क्या करते हैं आपको बता दो सबसेक्वेंडली रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें तो वहां पर हम क्या करते हैं जो मॉनेटरी आइटम होता है ना उसी में ही सबसेकंड रीमेजरमेंट होता है सबसेकंड रिकॉग्निशन होता है जहां हो हो पर आपका फिक्स डिटरमिनेबल अमाउंट ऑफ मनी आपको देना होता है लेकिन जो नॉन मॉनेटरी आइटम होता है उसको आपको सबसेकंडली रीमेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है सबसेकंडली आपका कोई अकाउंटिंग नहीं होगा जैसे मशीनरी वगैरह अब मैंने मशीनरी खरीदा मैंने फाइव लाख रुपीस में ट्रांसलेट कर दिया वो पड़ा रहेगा वैसा का वैसा अनलेस मैं उसकी फेयर वैल्यू अनलेस मैं रिवॉल्यूशन मॉडल में मेजर करूं तो अलग बात है अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल में मेजर कर रहा हूं तो मुझे सबसेकेंडली उसको कुछ रिकॉग्निशन नहीं करना नो रिकॉग्निशन ये ध्यान रखना यानी कॉस्ट मॉडल में नॉन मोनिट्री आइटम में कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है लेकिन रिवॉल्यूशन मॉडल अगर होगा तो आप जिस दिन फेयर वैल्यू डिटरमाइन करोगे तो वो ऑब्वियसली अगर डॉलर में फेयर वैल्यू डिटरमाइन हो रही है तो उस दिन जिस दिन आपने फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया उस दिन का एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करके आप क्या

थर्टी जनवरी को ए लिमिटेड ने मशीनरी खरीदा डॉलर में और उस डॉलर था हमने उधारी में खरीदा यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ है अनलेस इसका फेयरविलोप डिटरमाइन नहीं करोगे ये आपका रीमेजर नहीं होगा लेकिन पेबल जो आपका है ये पेबल आपका मोनिटरी आइटम है और ये रीमेजर होगा क्योंकि लाइबिलिटी आपकी आपको इसे रीमेजर करते रहना पड़ेगा एवरी रिपोर्टिंग पीरियड एंड में क्वेश्चन ने नीचे लिखा हुआ भी रिवॉल्यूशन मॉडल आप एडोप्ट कर रहे हो तो आप इसकी फेयर वैल्यू आप डिटरमाइन करो थर्टी फर्स्ट मार्च को तो फेयर वैल्यू तो एक है ये तो बाद में देखेंगे इसके अलावा बोला थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड वन को एक्सचेंज रेट सिक्सटी फाइव हो गया जो तो था वो सिक्सटी फाइव हो गया तो जो मेरी उधारी थी मेरी उधारी कितनी की है फेयर वैल्यू जो भी हो मेरी उधारी तो फाइव थाउजेंड डॉर की है इसकी वैल्यू ऑफ सिक्स करके थ्री लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की मेरी उधारी है तो जो मैंने पेबल ये मोनिट्री आइटम है इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा क्लोजिंग रेट पे इसको मैं रीमेजर करूंगा ये मेरा जो थ्री लाख का पेबल था अब ये मेरे लिए कितने का पेबल हो गया थ्री लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का तो मुझे क्या करना पड़ेगा अपने पेबल को ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से बढ़ाना पड़ेगा और ये एक्सचेंज लॉस पीएनएल में जाएगा मोनिट्री आइटम को जब आप रीमेजर करोगे तो जो भी एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस या चाहे एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस वो पीएनएल में जाएगा जब भी मोनेटरी आइटम को आप रीट्रांसलेट करोगे तो ये हमारा एक एंट्री हो गया ये किससे रिलेटेड एंट्री था पेबल से रिलेटेड तो पेबल को मैंने रीमेजर कर दिया अब मैं मशीनरी को रीमेजर नहीं करता बट फेयर वैल्यू मेथड एडोप्ट कर रहा हूं इसलिए मैं मशीनरी को रीमेजर करूंगा तो मशीनरी अब मेरा कितने का फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड का फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर मशीनरी का फेयर वैल्यू है और क्वेश्चन एक बात बता दो क्वेश्चन ने बोला था कि डेप्रिसिएशन इग्नोर करना है नहीं बोला तो डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ भी नहीं हम इग्नोर कर रहे हैं डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम इग्नोर कर रहे हैं फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर का मशीनरी है और जब हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया तब इसका एक्सेंज रेट सिक्सटी फाइव है तो थ्री लाख फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपका मशीनरी का वैल्यू है तो हमें थ्री लाख से कहाँ जाना पड़ेगा थ्री लाख फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हिन्ड पहुँचाना है इन मशीनरी टू रिवॉल्यूशन गेन आपका कितने 57, का आया फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव मिनट का हम दिखा देंगे मशीन रिवॉल्यूशन गेन हम दिखा देंगे आप ये हमने कर दिया एकदम अच्छे से अब यहाँ पर जब आप रिवॉल्यूशन करोगे तो रिवॉल्यूशन करने पर आपको डिटेल का भी देना है तो आप देखिए रिवॉल्यूशन गेन आपका ओ सी आई में गया है तो इससे रिलेटेड जो डी टी एल बनेगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट को आप फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव मिनट से बढ़ा रहे हो जबकि टैक्स बेस तो वही का वही रहेगा तो फिफ्टी सेवन था डी टी एल बनेगा

थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू को इन्होंने पेमेंट कर दिया ओवरसी सप्लायर को जब पेमेंट किया तब 67 चल रहा था हमने पेमेंट कर दिया तो हमारे पेबल कितना थ्री लाख और थ्री लाखी थाउजेंड थ्री लाख ट्वेंटी का हमारा पेबल खड़ा था पर हमने पेमेंट कितना किया? पेमेंट किया के के तो बैंक से पैसा गया थ्री लाख थर्टी फाइव थाउजेंड बैंक से पैसा गया थ्री लाख ,00, थर्टी फाइव थाउजेंड क्रेडिट हुआ बट हमारी लाइबिलिटी तो थ्री लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की खड़ी की हुई है तो बाकी का टेन थाउजेंड एक्सचेंज लॉस हम पी में दिखा में तो लाइबिलिटी का तो खात्मा कर दिया हमने बात खत्म लाइबिलिटी का खात्मा हमारा हो चुका अब अब ये क्वेश्चन क्या क्या ने भी बोलाज क्वेश्चन ने बोला कि इसकी फेयरविलो अनचेंज है ही मत। ये क्या पागल बद है ये एक्सचेंज रेट का जो चेंज है उसको फेयरवल रहा है ऐसे होगा तब तो फिर आप मशीनरी को फेयर एक्सचेंज रेट से थोड़े ना करेंगे आपको भी करना पड़ेगा 65 से 67 जो हो है, आप में भी उसका इफेक्ट दिखा दो नजर में गलत है तो यहाँ पर इसकी एंट्री आप क्या करो पता है आप मशीनरी आपका कितने का दिखाया हुआ था फाइव लाख थाउजेंड फाइव हंड्रेड्टी फाइव हंड्रेड इंटू करके इतना हो रहा है और आपने अभी तक दिखा के रखा हुआ थ्री लाख फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थाउजेंड से आप क्या करोगे पता है मशीनरी को बढ़ा रहे हो मशीनरी टू रिवॉल्यूशन गेन और फिर उसका डिटीएल भी बना रहे हो उसका रिवॉल्यूशन गेन टू ये दो एंट्री मेरे नज़र में नहीं होनी चाहिए क्योंकि रिवॉल्यूशन अब फेयर वैल्यू तो डिटरमाइन किया ही नहीं आपने बट आईसी ने किया तो हमें भी करना है आप और एक बात बता दू हमने ये एक एंट्री सिंगल पास की फिफ्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमने एक सिंगल एंट्री पास की जो कि मेरे नजर में सही है आईसी ने तोड़ के दो अलग अलग एंट्री दिखाई जिसकी कोई नीड नहीं थी एक बार मशीनरी टू 30,000 थर्टी थाउजेंड बार मशीनरी टू रिवॉल्यूशन ट्वेंटी बता देता हूँ हंड्रेड तो को सिक्सटी से करके बता दिया कि हाँ थर्टी थाउजेंड आपका, बढ़, न, ये टू आपका बढ़ रहा है और फिर ये बता रहे कि में टू जो आपका 5 है, उसकी वैल्यू भी फाइव रुपीज करके बढ़ रही है 60 से 65, तो उसका अलग से इन्होंने इंपैक्ट दिखाया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये दो एंट्री आप चाहो तो आप कर सकते हो अदरवाइज एक एंट्री में, में मेरे ख्याल से मार्क्स पूरे मिलने चाहिए चाहो तो तोड़ देना अभी तो ये क्वेश्चन बताओ हो जाएगा आराम से अगर ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा तो एक और क्वेश्चन है डेट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट ऊपर वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स ऊपर वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर मशीन का रिवॉल्यूशन के टाइम भी हम एक्सचेंज रेट का इफेक्ट दे रहे हैं तो मशीन का जब रिवॉल्यूशन होता है तभी भी एक्सचेंज रेट का इफेक्ट देते हैं अदरवाइज देते ही नहीं है अगर मशीन का रिवॉल्यूशन करोगे तभी एक्सचेंज रेट का इफेक्ट दोगे मशीन का रिवॉल्यूशन नहीं करोगे तो एक्सचेंज रेट का इफेक्ट होगा ही नहीं यस प्रशांत जी ने सही कहा लाइबिलिटी तो भी तो बढ़ रहा है डीटीए क्यों नहीं बनाया क्योंकि आईसी ने नहीं, नहीं बनाया हम भी इग्नोर कर रहे हो पाई नहीं है कुछ कुछ चीज़ें हम याद करके जाते आईसी के हिसाब से करते हैं हमारे पास ऑप्शन ही है हम आईसी का पेपर दे तो हमारे पास चॉइस नहीं रहता बहुत सारी जगह पर

और पैसा भी वो ले रहे है $20 का। लेकिन हुआ के बाद 31st 2018 को। तो कुछ बच्चे का ये डाउट आ सकता है इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट भी तो होगा क्योंकि फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड एटीन को हम अप्रेंड पैसा ले ले रहे हैं ट्वेंटी मिलियन डॉलर और हम, हम अपना पीओ सेटिस्फाई कर तो आप बोलोगे सर तीन महीने के बाद पीओ सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका यहाँ पर पैसा में एडवांस में मिल जा रहा है तो आप बोलोगे सर इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट होना चाहिए सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होना चाहिए एज पर इंडेस्ट वन फाइव तो मैं आपको बता दू वहां पर हमने ये पढ़ा था हमने देखा था कि अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा लेते हो तो इंटरेस्ट को हम नजरअंदाज करते हैं एक ये चीज और दूसरा हमने देखा था कि वन ईयर से भी कम समय है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हमारे पास है तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट को इग्नोर करेंगे इंटरेस्ट का डेटा भी नहीं दिया हुआ है और हम ये समझेंगे कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना अपने आप जानबूझ के पैसा ले रहे हो क्योंकि आपको डर की कहीं बाद में वो पैसा देगा नहीं तो इसलिए आप इसमें आप, हम नहीं मानेंगे सिग्निफिकेंट ओवर प्रोविजन जो हमने पढ़ा था तो आपको ट्वेंटी डॉलर आज पैसा मिल गया तो आज रेवेन्यू दिखा दे फर्स्ट जनवरी को नहीं आज हमें जो पैसा मिला है वो हम रेवेन्यू नहीं दिखाएंगे कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रेटी दिखाएंगे क्योंकि अभी तक हमने पीओ सेटिस्फाई नहीं किया तो अभी हमारी एंट्री क्या होगी बताया बैंक अकाउंट डेबिट

फंक्शनल करेंसी रुपया है गुड्स आर डिलीवर एंड रेवेन्यू इज रिकॉगनाइज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन को आपने गुड्स डिलीवर कर दिया रेवेन्यू दिखाना चाहते हो थर्टी मिलियन डॉलर जो बाकी का आपको पैसा मिलना है वो आपको इस फाइनेंशियल ईयर में मिल ही नहीं रहा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन तक मिली नहीं रहा और आपको बोला भी यही है कि थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन का बताओ क्या होगा और यहाँ पर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन को सेवेंटी फाइव करके तुम तो एक्रूवल बेसिस के हिसाब से तुम तो रेवेन्यू दिखाएंगे रेवेन्यू हम कितना दिखाएंगे मुझे बताओ अब बोलेंगे देखो पहले से ऑलरेडी फोर्टीन फोर्टीन मिलियन रुपीज मिल चुका है हमें पहले से वो रेवेन्यू में आएगा और आगे हमें मिलना है थर्टी मिलियन डॉलर हमें मिलना है जिसका एक का आज के डेट में भाव सेवेंटी फाइव रुपीज तो ये पैसा हमारा मिलना है जो रिसिवल में जाएगा हमारा है ना तो रिसिवल में जाएगा कितना थर्टी इन टू सेवेंटी फाइव डबल टू फाइव जीरो तो आप मेरी बात समझो कितना पैसा मिल गया ये रेवेन्यू में जाएगा ये सेवनटी टू के हिसाब से था इतना पैसा आपको मिलेगा तो रिसिवल करके आप दिखा दोगे इतना ये दोनों जो मिल रहा वही तो रेवेन्यू होगा तो आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट लाइब्रिटी मेरा जितना था मैंने रिवर्स कर दिया में दिखाऊंगा रिसीबल करके मुझे इतना मिलेगा और मैं रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दूंगा इतने का वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं रिसिवल हम खड़ा कर रहे हैं और रेवेन्यू हम पूरा दिखाते दे रहे जितना मिला हमें तो ट्वेंटी मिलियन डॉलर मिला सेवेंटी के हिसाब से जाएगा थर्टी मिलियन डॉलर जो मिलेगा वो सेवेंटी के हिसाब से हम रेवेन्यू दिखा देंगे तो हमारा रेवेन्यू आ जाएगा कितने का थ्री सिक्स नाइन जीरो मिलने का बताओ ये चीज़ क्लियर हुआ या नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपका दो अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग एक्सचेंज रेट लग रहा है और ये दो एंट्री आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन अब मेरे ख्याल से अब आप संभाल लोगे तो ये दोनों अच्छा क्वेश्चन हमने किया अब मुझे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना है वट थोड़ा सा चोरी में डिस्कस करना पड़ेगा उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है वो तो कराना ही है और भी देखता हूँ क्या कराना आ जाओ अभी मैं आपके साथ थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करता हूँ देखिए इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन हमें पता हम एलिमिनेट कर देते हैं जब हम कॉन्सोटेटेड फंड स्टेटमेंट बनाते हैं तो पेरेंट सब्सिड्री के बीच में जो भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है हम क्या करते हैं एलिमिनेट कर देते हैं मेरा रिसिबल आपका टेबल एलिमिनेट हो जाएगा लेकिन ध्यान रहे उससे रिलेटेड फॉरिन एक्सचेंज जो एक्सपोजर है वो हम एलिमिनेट नहीं करते क्यों क्योंकि रियल मायने में तो आप कभी पेमेंट करोगे रियल महीने में तो फ्यूचर में पेमेंट करोगे तो उसका फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर रहेगा तो ये ध्यान में रखना रिसिबल पेबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा बट उससे रिलेटेड फॉरन एक्सचेंज गेन या लॉस वो हम एलिमिनेट नहीं करते हाँ अगर मान लीजिए जो हमारा रिसिबल पेबल है वो पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरिन ऑपरेशन जैसे मैं पेरेंट हूँ आप सब्सिडी हो मैंने आपको कुछ पैसे उधार दिए तो मेरे लिए रिसीबल है आपके लिए पेबल टी बनाते समय मैं, मैं क्या करूंगा मैं उसे एलिमिनेट कर दूंगा बट उससे रिलेटेड जो जो भी भी एक्सचेंज 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 डिफरेंस 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 आ रहे हैं है ना वो 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 में में एलिमिनेट नहीं आएगा जाएगा लेकिन अगर मैंने आपको जो पैसा उधार दिया है वो मेरा पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट है वो मैं कभी आपसे पैसा लेने वाला नहीं हूं वो वो तो कभी सेटल होंगे नहीं क्योंकि मेरा तो पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरन ऑपरेशन है तो वो मैं क्या करता हूँ ओसीआई में दिखाता हूँ तो समझो यहां पर सीएफएस बनाते समय एक्सचेंज गेन या लॉस जो भी आएगा वो पीएनएल में जाएगा रिसीबल तो एलिमिनेट होगा एक्सचेंज गेन या लॉस पीएनएल में जाएगा बट अगर वो पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन है तब आप उसे कहां दिखाओगे ओसीआई में दिखाओगे इन सीएफएस एसएफएस आईएफएस में तो अलग अलग अपना पीएनएल में जाएगा ही मैं सिर्फ सीएफएस की बात कर रहा हूं तो ये याद रहेगा हाँ सर याद रहेगा कि अगर मान लीजिए कोई रिसीबल पेबल है और वो अगर पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरन ऑपरेशन है तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो तो भी एक्सचेंज डिफरेंस है वो आपका ओसीआई में जाएगा अगर आप बोलो सर कोई पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरन ऑपरेशन नहीं है नॉर्मल रिसिबल पेबल है सीएफएस में क्या करेंगे डिफरेंस पीएनएल में दिखाएंगे यानी दो चीजें होनी पड़ेगी एक तो सी और दूसरा पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन तब हम बोलेंगे कि हाँ ओ अदरवाइज वो पीएनएल में जाएगा अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना ट्रेड़ ट्रेड़ पेबल्स कभी भी पार्ट नेट इन नहीं हो सकता ये याद रखना हो ही नहीं सकता ट्रेडल्स ट्रेड पेबल्स को हम नहीं मानेंगे अब आगे हम बात करते हैं ये लिखा हुआ ये मैंने पढ़ाई तो दिया मोनिट्री आइटम रिसीबल या पेबल ये नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का पार्ट हो सकता है कब अगर मान लीजिए हम सेटलमेंट इसको कभी करेंगे नहीं सेटलमेंट नेदर प्लान नॉर लाइकली टू इन फ्यूचर ये ट्रेड रिसीव ट्रेड पेबल इंक्लूड नहीं करेगा लॉन्ग टर्म रिस इंक्लूड करते हैं एस एफ एस आई एफ एस मेंस पीएनए में जाएगा लेकिन सी एफ एस में भी एक्सचेंड डिफरेंस पीएनल में जाएगा लेकिन अगर वो पार्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन हुआ तब वो ओसीआई में जाएगा बस इतना से ही मुझे बताना था आपको तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो चुका है एकदम अच्छे से है ना एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है कुछ भी हो और आप फॉरन के तो जब हम कौनसो बनाएंगे तो आपके सभी के सभी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज करके बनाऊंगा ना कौन सो? तो मर्ज कैसे करू भाई टेंशन हो गई मुझे तो, तो पता है क्योंकि मेरा फाइनस स्टेटमेंट रुपी में आपका फाइनस स्टेटमेंट डॉलर में तो मैं जब आपका फंस स्टेटमेंट को उठा के मेरे बैलेंस शीट के साथ मर्ज करना चाहता हूँ सी एफ एस बनाने के लिए तो आपके सारे वैल्यूज डॉलर में मुझे तो रुपी में ट्रांसलेट करना होगा मैं कैसे करूँ तो बोला कि रुपी में ट्रांसलेट कैसे करोगे आप अगर आप सी एफ एस बनाने के लिए फॉरन ऑपरेशन को ट्रांसलेट करोगे तो एसेट लाइब्रिलिटी जो भी है उसे रिपोर्टिंग जिस डेट पर आप ट्रांसलेट कर रहे हो उस डेट का एक्सचेंज रेट में आप एसेट लाइब्रिटी को ट्रांसलेट करो इनकम एंड एक्सपेंस को ऐसा नहीं आपको एवरेज रेट लो या फिर एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन के डेट का एक्सचेंज रेट तो पॉसिबल नहीं तो एवरेज रेट लो आप कैश फ्लो में भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जो बनेगा आपका एक्सचेंज रेट आप क्या करोगे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाला लोगे और इस हिसाब से आप एक्सचेंज करोगे तो देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्सचेंज रेट यूज हो रहा है तो ट्रांसलेशन डिफरेंस आएगा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंस तो जो भी फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंस आएगा वो ओसीआई में दिखाओगे और जब आप फॉरेन ऑपरेशन को बेच दोगे डिस्पोज कर दोगे तब वो पी में रिसाइकिल हो जाएगा यानी यहां पर पीएनएल में रिसाइकल होता और यही चीज मैंने आपको इंडस 103 में में स्टेप एक्विजिशन पढ़ाया था 11 आपको याद होगा वहां पर एफ सी टी रिसाइकिल होता था पीएनएल में हमने देखा था एफ सी टी आर पी एन एम हो रहा था रिवॉल्यूशन रिजर्व सीधा रिटेन अर्निंग में जा रहा था वही इसकी बात है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व वो भले ओसीए में रहेगा लेकिन जब आप डिस्पोज कर दोगे तब आपका एफसीटीआर पीएनएल में रिसाइकल होगा और वही वहां पर एसोसिएट से आपका कंट्रोल आया था तो एसोसिएट का रिश्ता खत्म हुआ था मैंने डिस्पोज हुआ था और पी एन एल में डाला था तो याद रहेगा या सर याद रहेगा एसेट लाइबिलिटी आपका रिपोर्टिंग डेट का एक्सचेंज रेट और बाकी आपका, पी एन एल के जो आइटम हो गए इनकम फ्लो है ना ये सारे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का एक्सचेंज रेट लेंगे और एवरेज है तो, अगर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं तो एवरेज रेट लेंगे और जो भी ट्रांसलेशन डिफरेंस हो गई क्योंकि अलग अलग एक्सचेंज रेट इस्तेमाल करोगे जो भी ट्रांसलेशन डिफरेंस है वो ओसीआई में जाएगा अब कितने बार ऐसा भी होता है कि हम हमारी फंक्शनल करेंसी रुपी है पर से बी या किसी की रिक्वायरमेंट की वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करें किसी और करेंसी तो भी सेम मैथड लगे यानी अगर आप प्रेजेंटे प्रेजेंटेशन करना चाहते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है ना अदर देन फंक्शनल करेंसी में प्रेजेंट करना चाहते हो सेम मैथड लगेगा और ध्यान रहे जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो आपका ओ सॉरी एनसीआई से रिलेटेड एक्सचेंज मान लो मेरा एट्टी परसेंट सब्सिडरी ट्वेंटी एनसीआई है तो मेरा जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा उसमें एनसीआई को भी तो एट्रीब्यूट करूंगा जितना आएगा मतलब दिखाऊंगा एनसीआई को एलोकेट करूंगा सिंपल सी बात है अब एक बात मैंने पहले भी आपको समझाया था चेंज इन फंक्शनल करेंसी में कहा पढ़ाया था, हमने इंडस एट में पढ़ा था हमने, इन हमने ये पढ़ा था कि फंक्शनल करेंसी में चेंज होना इज नॉट ए चेंज इन अकाउंटिंग क्यों क्योंकि अगर मान लीजिए आपका बिजनेस का प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरमेंट बदल जाएगा या फिर मान लीजिए जो करेंसी आपके सेल को और परचेज को आपको मतलब जो करेंसी अफेक्ट करती है आपके सेल और प्राइस को मतलब है ना उसी करेंसी को हम फंक्शनल करेंसी मानते हैं है ना तो अगर मान लीजिए आपका जो सेल प्राइस परचेस प्राइस को जो करेंसी इंपैक्ट कर रही है वो करेंसी बदल जाएगी तो फंक्शनल करेंसी हमारी बदल जाएगी तो बिजनेस करने का तरीका बदलने से फंक्शनल करेंसी बदलता है और जब हमारा फंक्शनल करेंसी चेंज होगा तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं तो अब सोचो पहले मेरा फंक्शनल करेंसी डॉलर था अब मेरा फंक्शनल करेंसी रुपी हो जा रहा है क्योंकि मेरा बिजनेस करने का तरीका बदल गया

उस दिन का जो एक्सचेंज रेट है उसी में सभी आइटम्स को आप ट्रांसलेट करोगे इसी वजह से यहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा यहाँ पर कोई ट्रांसलेशन डिफरेंस आएगा ही नहीं आपका समझ में कोई ट्रांसलेशन डिफरेंस आएगा ही नहीं अब पुराना जो ओ सी आई है वो ओ सी आई का ओ सी आई में पड़ा रहेगा वो तो पी एन एल में नहीं जाएगा अब यहाँ पर डिस्पोज थोड़े ना हो रहा है तो यहाँ पर कोई ओ सीआई पी एन एल में नहीं जाएगा ओ सी आई ओसीआई में पड़ा रहेगा और सभी के सभी आइटम एक सिंगल एक्सचेंज रेट से ट्रांसलेट होंगे जो उस दिन के एक्सचेंज रेट है

पर फंक्शनल करेंसी में याद रखना सभी के सभी आइटम्स एक्सचेंजेड ऑन द डेट ऑफ चेंज वाला हम लेंगे वहां पर कोई डिफरेंस डन बोलो तो इंडस का मैंने आपको सभी चीज तो करवा दिया कंसेप्ट वाइज अब मुझे आपको क्वेश्चन कराना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो एक अच्छा क्वेश्चन मुझे आपको करवाना है दो क्वेश्चन करवाने कम से कम तो उसके बाद देख लेंगे एक बार गो थ्रू कर लेंगे दो अच्छा क्वेश्चन जो मुझे आपको करवाना है

डिफरेंस आपका जो एराइज हुआ ड्यूरिंग पीस ओनरशिप टू हंड्रेड लाख का हुआ था जिसमें से वन एट्टी लाख बोला कि एफ सी टी आर में पड़ा हुआ है और बाकी ट्वेंटी टू एनसीआई को एलोकेट किया दिख रहा है बिफोर डिस्पोजल हमारा बैलेंस शीट में आई एन ए है थाउजेंड लाख का देख सकते हो नेट एसेट थाउजेंड लाख का है और एनसीआई हमारा कितने का एन क्वेश्चन है बता दिया यहाँ पर लाख और हम ये मानेंगे कि जो आपका ऑब्वियसली बात है जो एक्सचेंज डिफरेंस एनसीआई का था वो तो इसके अंदर इंक्लूडेड ही होगा अलग से नहीं है तो मानेंगे कि एनसीआई हंड्रेड लाख का जो कि इंक्लूड करता है ट्वेंटी लाख का ये अलग से नहीं मतलब आपको क्वेश्चन अगर बोल रहे हैं एनसीए हंड्रेड लाख के मतलब ये इंक्लूड्स एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूड कर रहा है और जो ट्वेंटी लाख एनसीए को एंट्रीब्यूट हुआ हुआ था एफसीटीआर का वो तो एनसीए में गया होगा यानी जब पहले पहले टू हंड्रेड लाख का एफसीटीआर आया था तो हमने 180 का एफ दिखाया और 20 हमने एनसीआई को एट्रीब्यूट कर दिया तो एनसीआई का ये 100 के अंदर तो 20 already एट्रिवुटेवल है एट्रिवुटेवल है 100 का है का का और आपका कितने का बनाया होगा आपने अब मुद्दा क्या है? अब अगर हम मान लीजिए अपना 90% स्टेक को बेच देंगे तो हम क्या करेंगे आई एन रिकॉग्नाइज कर देंगे एनसीआई कर देंगे और पैसा हमारे पास आ जाएगा 1500 हंड्रेड तो नेट पे हमारा कितना गया नाइन हंड्रेड गया नेट पे हमारा नेट एसेट्स माइनस ंड्रेड का हमारा गया और हमारे पास पैसे कितने 1500 आए तो कितनेड का हमारा फायदा हुआ एक तो ये सिक्स हंड्रेड पी एन एल में जाएगा फायदा और दूसरा ये भी आपका एफ सी टी आर ओ सी आई से पी एन एल में जाएगा एट्टी तो आपका पी एन एल में जाएगा तो गेन ऑन डिस्पोजल हम मानेंगे सेवन एट्टी मतलब एक एफ सी टी आर टू पी एन एल हुआ और एक हमारा जो आइडेंटिबल थाउजेंड एन सी आई हंड्रेड का था फिफ्टी हंड्रेड पैसा मिला सिक्स हंड्रेड इधर आया तो दोनों मिला के सेवन एट्टी हमारा पीएनएल में जाएगा बस ये समझना मतलब आप ये समझ लो सिक्स हंड्रेड आपका फ़ायदा है और वन एट्टी आपका एफ सी टी आर से पीएनएल में गया वो फायदा है सेवन एट्टी का टोटल हमारा फ़ायदा है जो कि इन्होंने इतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया मैंने अच्छे से जर्नल के साथ प्रेजेंट करके समझाया है आप इस तरीके से लिखिए आपको पूरे नंबर मिले सर कैमरा फ्लक्चुएट हो रहा है कैसे तो कुछ दिक्कत आ रही है क्या कैमरा सीधी जी कह रही है कैमरा फ्लक्चुएट हो रहा है कैमरा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है लाइट आना जाना हो रहा है तो लाइट आना जाना होने से एक बार स्क्रीन ब्लैक ब्लैक हो जाता है मतलब मेरा कैमरा वाला है ना वो ब्लैक हो जाता है एक बार यस तुलिका जी ने सही कहा लाइट का आना जाना हो रहा है उस वजह से ऐसा हो रहा है हाँ स्क्रीन ब्लैंक इसी वजह से हो रहा है पता नहीं आज डिस्टर्ब बहुत हो रहा है लाइट आ रहा जा रहा है लाइट आ रहा जा रहा है फिर भी सर लाइट गया वापस आना जाना कर रहा है परेशान कर रहा है हम लोग को वो नहीं चाहता हम पढ़ाई करें आ तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है इंडस 21 का वो करते हैं रट्टा और प्रैक्टिस होगा तो दो एकदम अच्छे से एम लिमिटेड अपने होली ओन सब्सिडरी को एम लिमिटेड एक है पेरेंट इसकी एक होली ओन सब्सिडरी है जी लिमिटेड ठीक है जी लिमिटेड ने अपने पेरेंट से फार्माक्यूटिकल बॉटल्स खरीदता है एम लिमिटेड ने देखो जी लिमिटेड को बेचा है ट्वेल्व लाख यूरो में यहां पर फंक्शनल करेंसी दिया हुआ है यस जी लिमिटेड सब्सिडरी का फंक्शनल करेंसी यूरो है और यूरोट का फंक्शनल करेंसी रुपया है तो पेरेंट का कॉस्ट कितने का था एट थर्टी लाख का था तो सिंपल सी बात है अगर पेरेंट का कॉस्ट बोतल का एट थर्टी लाख था उसने ट्वेल्व लाख में बेचा का फर्स्ट फरवरी को और फर्स्ट फरवरी को रेट है एटी थ्री तो ये फंक्शनल करेंसी में कितने में दिखाएगा ट्वेल्व लाख बेचा एटी थ्री करके नाइन नाइन सिक्स लाख इसका सेल होगा तो इसकी एंट्री सिंपल सी बात है सीओ जी एस टू इनवेंट्री कितने की होगी सीओ जी एस टू इन्वेंट्री होगी एट थर्टी लाख का कॉस्ट है हालांकि ये एंट्री आईसीए ने नहीं दिखाया है सीओजीएस टू इन्वेंट्री और सेल की एंट्री दिखाई सेल हमने कितने में किया नाइन नाइन्टी सिक्स लाख में किया हम मानेंगे पैसा मिला नहीं रिसीवर या जी लिमिटेड लिख दो या रिसीवर लिख दो लिख दो या फिर जी लिमिटेड लिख दो टू रेवेन्यू कितने का दिखाएंगे नाइन नाइनटी सिक्स का दिखाएंगे ये हमने दिखा दिया नाइन नाइन सिक्स लाख का रेवेन्यू हमने दिखा दिया ठीक है अब हमारे इसमें प्रॉफिट कितना है देखो सी ओ जी एस एट थर्टी ला के अगर मैं पी एन एल की बात करूं तो रेवेन्यू मैंने दिखाया नाइन नाइनटी सिक्स और सी ओ जी एस में दिखा रहा हूँ एट थर्टी तो मेरा प्रॉफिट कितने का वन सिक्सटी सिक्स लाख का प्रॉफिट है वन सिक्सटी सिक्स लाख का मेरा यहाँ पर प्रॉफिट आएगी

इन्वेंट्री एट थर्टी लाख का गया पी में इन्होंने वन सिक्सटिक्स लाख दिखाया और नाइन नाइनटी सिक्स का इनका रिसीबल था अब ईयर एंड में तो मोनेट्री आइटम को हमें पता हम ट्रांसलेट करते हैं है ना क्लोजिंग रेट पे रिसीबल तो मोनेट्री आइटम है पेरेंट के लिए और एटी फाइव रुपीज आज इसका भाव हो चुका है एक्सचेंज रेट तो टू रुपीज से एक्सचेंज रेट बढ़ा है हमारा तो ट्वेल्व लाख डॉलर इंटू टू रुपीज से एक्सचेंज रेट बढ़ा है तो ट्वेंटी फोर का आपका एक्सचेंज गेन भी है और ये ट्वेंटी का एक्सचेंज गेन हमारा कहाँ चला जाएगा पी में चला जाएगा

कैसे एलिमिनेट करेंगे रेवेन्यू अकाउंट डेबिट करेंगे टू सीओजीएस करेंगे उल्टा रिवर्सल एंट्री करेंगे है ना हम क्या करेंगे रेवेन्यू जो हमने दिखाया था नाइन नाइनटी सिक्स को रिवर्स करेंगे टू सीओजीएस करेंगे एट थर्टी का और टू आपका इन्वेंट्री कम हो जाएगा कितने का वन सिक्सटी सिक्स का यह हमें करना पड़ेगा जो रेवेन्यू हमने दिखाया उसको डेबिट करेंगे जो सीओजीएस दिखाया उसको क्रेडिट करेंगे और 166 का आपका अपने आप ही प्रॉफिट रिवर्स हो जाएगा पर आईसीए ने जो एंट्री किया वो यहां पर ऐसे नहीं किया उन्होंने सीधा पीएनएल टू इन्वेंट्री किया जहां तक मुझे याद है यस पीएनएल टू इन्वेंट्री किया आईसीए ने एंट्री बट मेरे हिसाब से जबकि आपका ये गुड्स है तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू टू सीओजीएस मतलब यूनिफॉर्म नहीं ये प्रॉब्लम आईसीआई यूनिफॉर्म नहीं है है ना तो ये वाली एंट्री इन्होंने पास की यहाँ पर अब दूसरी चीज हमने क्या बोला था हमने कहा था कि एक्सचेंज गेन जो होता है हमारा इंट्रा ग्रुप रिसीबल पेबल तो एलिमिनेट हो जाता है पर रिलेटेड एक्सचेंज गेन रोज को हम एलिमिनेट नहीं करते क्योंकि उसका रियल एक्सपोजर रहता है तो ये ट्वेंटी फोर लाख एलिमिनेट नहीं हो रिसीबल और पेबल एलिमिनेट हो जाएंगे इन्वेंट्री को भी हम कम करके ले आएंगे

आईएफएस में सब्सिडरी क्या करेगा सब्सिडरी ने तो उसने परचेज किया है और उसकी फंक्शनल करेंसी डॉलर ही है हमारी तो रुपया है उसकी डॉलर नहीं यूरो है उसकी फंक्शनल करेंसी यूरो है तो वो तो वो यूरो में रखी उसने परचेस किया ट्वेल तो लाख यूरो में दिखाएगा वो अब सी बनाते समय हमें, हमें क्या करना अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करना उसकी ये एंट्री तो ये तीन अलग अलग एंट्री मैंने आपको बताया एस की आई की सी की वापस से रिपीट करूँ एस एफ एस में बताओ क्या एंट्री पास करोगे सर सीओजीएस टू इन्वेंट्री तो हम दिखा नहीं रहे आई सी ने नहीं दिखाया चाहो तो दिखा सकते हो एग्जाम में दूसरी सर सेल हुई है कितने की 996 की टू तो तो? हमने लिख दिया अब ईयर एंड में हम क्या करेंगे मोनिट्री आइटम को रिट्रांसलेट करेंगे तो वहां पर ट्वेंटी फोर लाख का प्रॉफिट हुआ है तो उसकी एंट्री होगी रिसीवल टू फॉरन एक्सचेंज डिफरेंस ट्वेंटी फोर लाख का ये एंट्री होगी आई एफ एस तो सिंपल है उसका परचेज टू पेबल होगा बात खत्म अब सी एफ एस बनाते समय हम ये वाला को रिवर्स नहीं करते है ना क्योंकि ये हमारा एक्सचेंड डिफरेंस एलिमिनेट नहीं होता बट ये वाला को हम रिवर्स करते हैं तो लाख जो हमारा इसमें जो प्रॉफिट था अनरियलाइज प्रॉफिट आपका से का वन सिक्सटी सिक्स का जो प्रॉफिट था वो मेरे नजर में एंट्री होना था रेवेन्यू टू सीओजीएस टू इन्वेंट्री इन्होंने कौनसो पेल टू इन्वेंट्री रखा है ये एंट्री हम कर देंगे और वही थ्योरी में लिख देना आप अनरियलाइज प्रॉफिटी सिक्स लाख का एलिमिनेट हो जाएगा फॉरन एक्सचेंज गेन जो ट्वेंटी फोर लगे एलिमिनेट नहीं होगा ये पड़ा रहेगा आपका रिसिबल पेबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा थ्योरी लिख लेना अब आप आईसी का सोल्यूशन अगर आप देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर चलो तो मेरे ख्याल से इंडस ट्वेंटी वन में इतना काफ़ी और कुछ नहीं अब कुछ क्वेश्चन अगर है देख लेता हूँ मैं करने लाइक आपको करने दे दूंगा मैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए बोलो सही है परफेक्ट है बोलो चार चैप्टर हमने फाइनली बड़े चार चैप्टर हमने कर लिया चार बड़ा चैप्टर हमने निपटा दिया आर पिछले तीन टर्म का जरूर देख लीजिएगा उसमें भी इंडेक्स ट्वेंटी वन का एक दो अच्छा क्वेश्चन करवाया हुआ है तीन टर्म का आरटीपी यूट्यूब में है आरटीपी वाइज मारोगे आरटीपी नवंबर ट्वेंटी टू आरटीपी मे ट्वेंटी थ्री प्रतीक जगह मारोगे मिल जाएगा सब ब्रेक दूंगा देखता हूं मैं देखता हूं क्या है और ये क्वेश्चन सिंपल है सेल्फ कर लेना कंसेप्ट इससे रिलेटेड बताई दिए आप कर पाओगे आप सेवन और कुछ नहीं इधर ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है इसमें पता है क्या कर रहे हैं एक इन्फोटेक ग्लोबल है उसकी फंक्शनल करेंसी डॉलर है और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये क्या करना चाहता है एल डॉलर में मैं करना चाहता प्रेजेंटेशन करेंसी अलग है तो मैंने तो बताया था प्रॉपर्टी जो भी आपके एसेट्स लाइबिलिटीज है ये क्लोजिंग रेट पे होगा क्लोजिंग रेट कितना दिया हुआ है आपका 1.13 एसेट 1.13 होगा रिसीबल 1.13 होगा है ना कैपिटल e के लिए तो सीधा वैल्यू दिया हुआ ही है

प्रॉफिट का हमने वन पॉइंट वन सेवन फाइव लिया इन्होंने वन पॉइंट वन सेवन मतलब राउंड ऑफ किया है ये करके बस खत्म ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है एकदम सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री बस इस क्वेश्चन में और थ्योरी क्वेश्चन सब तो शायद ही पूछे जाएंगे छोड़ सकते हो किया तो अच्छी बात है नहीं किया तो बुपाई नहीं अब टाइम भी नहीं आपके पास तो चलिए हमने अब फाइनली हमने चार इंडेक्स कर लिया बड़े बड़े थर्टी थ्री ट्वेंटी वन हमने कर लिया अब हम करेंगे इंडेक्स थर्टी सिक्स इंडेस वन जीरो फाइव करेंगे इंडेस ट्वेंटी थ्री करेंगे इंडेस सेवन करना है इंडक्स वन जीरो वन करना है अच्छा ये सब करेंगे तो एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद हम करते हैं ब्रेक के बाद थर्टी सिक्स वन जीरो फाइव ये सब करते हैं इंडस सेवन यस ब्रेक के बाद करते हैं तो लंच करना आप लोग को मैं भी लंच कर लेता हूँ ना चार घंटे से पढ़ रहे हैं थोड़ा लंच करके फिर मिलते हैं अभी जी चार इंडेस हमारे खत्म हो गए थर्टी नाइनटीन ट्वेल्व थर्टी थ्री ट्वेंटी वन अब थर्टी सिक्स वन जीरो फाइव करेंगे फिर सेवन करेंगे फिर ट्वेंटी थ्री करेंगे यस थर्टी सिक्स वन जीरो फाइव सेवन ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट टारगेट रहेगा बट आफ्टर ब्रेक यस वन जीरो वन कराएंगे लास्ट में फोर्टी वन कराना है क्या ब्रेक ले लो अभी आप एक काम करो आधा घंटा काफी है ना आधा घंटा के बाद मिलते हैं थर्टी फाइव मिनट्स ले लिया चलो थर्टी फाइव मिनट्स में मिलते हैं वन जीरो में लास्ट में करेंगे अभी बीच में नहीं उठाऊंगा अभी बीच में वन जीरो में उठाऊंगा ना भाग जाओगे आप लोग थोड़ा सा वन जीरो वन ईजी है पर पर डर है आप लोग भाग जाओगे उस चक्कर में पढ़ पढ़ने पर टी मोटिवेट डीमोटिवेट हो जाओगे चलो फोर्टी मिनट का दे दिया ब्रेक चालीस मिनट सीधा चार बजे मिलते हैं साढ़े तीन बजाय ना 41 लास्ट में कर लेंगे ठीक फोर्टी वन कर लेंगे चलो मिलते हैं इंटीग्रेटेड छोड़ दो यार क्या तो क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे उसकी मैं तो हट भी गया ठीक है फोर पी एम को मिलते हैं लंच वगैरह कर लो रिलैक्स कर लो और किसी को रिलैक्स नहीं करना लंच किया हुआ है तो पढ़ लीजिए अभी रिवाइज़ कर लीजिए चलो रमन जी बहुत अच्छी बात है वन जीरो चलो मिलते हैं चार बजे चलिए वी स्टार्ट करते हैं ठीक है ना तो अभी हम डिस्कस करेंगे इंडेस थर्टी सिक्स एक बार रुकिया ठीक है संदीप जी क्या करोगे जान के रोटी थी सब्जी थी और क्या था चावल मैंने जान के खाया नहीं बाजरे की रोटी खाया था आज बाजरे की रोटी और चने की सब्जी ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं अभी तो अभी हम डिस्कस करेंगे इंडेस 36 और उसके बाद इंडेस वन जीरो दोनों इंपायरमेंट की बात करते हैं दोनों स्टैंडर्ड इंपायरमेंट की बात करते हैं इंडेस 36 सिक्स कब करना है और इंडेस वन जीरो कब करना है देखो इंडेस 36 में हम इंपायरमेंट का जब भी इंडिकेशन मिलता है हम इंपायरमेंट करते हैं बट इंडेस वन जीरो में तभी इम्पेयरमेंट होता है जब मान लीजिए आप किसी एसेट को क्लासीफाई कर देते तो हो सैल फोर सेल और उसके बाद अब हर ईयर एंड में उसे कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट लोअर में मेजर करते हो चलो हम 105 के बारे में डिस्कशन कर लेंगे लेटर ऑन तो अभी हम फिलहाल इंडेस थर्टी सिक्स इंपेयरमेंट की बात करते हैं तो देखिए एक बात बस फटाफट से क्विक ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको जैसे एसेट्स एसे रहता है कॉस्ट ऑफ एसेट रहता है उसमें हम सिस्टमेटिकली एवरी ईयर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसके अलावा भी अगर आपको इंडिकेशन ऑफ इंपायरमेंट मिले तो आप इंपायरमेंट टेस्टिंग भी करोगे इंपायरमेंट टेस्टिंग हम कैसे करते हैं हम उसके लिए रिकवरेबल अमाउंट डिटरमाइन करते हैं और रिकवरेबल अमाउंट कैसे डिटरमाइन होता है तो, दो अलग अलग वैल्यू निकालना होता उसका है उसका हायर को हम रिकवरेबल अमाउंट लेते हैं जैसे वैल्यू इन यूज वो आता है फ्यूचर कैश लोज को प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट रेट से पुल करेंगे प्री टैक्स डिस्काउंट रेट से फ्यूचर कैश लोज को पुल करेंगे वो आपका वैल्यू इन यूज आएगा और एक हमारा फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल यानी सेलिंग प्राइस क्या एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है कितने दाम में बिक जाएगा वो माइनस कॉस्ट टू सेल में दोनों का जो हायर होता है वो हमारा रिकवरेबल अमाउंट होता है और अगर रिकवरेबल अमाउंट अमाउंट हमारा कैरिंग से कम है तो ऐसे सिचुएशन में हम इंपायरमेंट लॉस बुक करेंगे और मैं आपको बता दूं कुछ कुछ मामलों में आपको इंडिकेशन का इंतजार नहीं करना है जैसे गुडविल है गुडविल में इंडिकेशन ऑफ इंपायरमेंट नहीं देखते हम इम्पायरमेंट एवरी ईयर मैंडेटरीली करना ही होते हैं इम्पायरमेंट टेस्टिंग गुडविल के मामले में जो इंटेंजिबल एसेड है

जब इंडिकेशन होगा एम्पायरमेंट का यहां पर दो प्रकार के इंडिकेशन हो सकते हैं एक्सटर्नल इंडिकेशन इंटरनल इंडिकेशन एक्सटर्नल इंडिकेशन में बेसिकली क्या होता है जहां पर एसेट की मार्केट वैल्यू मान लीजिए सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होगी मार्केट में एसेट की वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होगी या फिर मान लीजिए टेक्नोलॉजी में सिग्निफिकेंट चेंज आ गया एडवर्स चेंज आ गया टेक्नोलॉजी में मार्केट इकोनॉमिक फैक्टर लीगल कुछ कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन लगा दिया सरकार ने गवर्नमेंट ने है ना तो जिसकी वजह से आपके एसेट में एडवर्स इफेक्ट पड़ा है या फिर मार्केट का बढ़ गया हमने देखा ना तो वैल्यू छोटी आती है तो जब, है न, तो तो जब भी मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो भी वन ऑफ द इंडिकेशन है इंपेयरमेंट हो सकता है ये एक्सटर्नल इंडिकेशन होगी या फिर नेट एसेट का जो हमारे कैरिंग अमाउंट है वो ज्यादा है मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर है है ना अगर उससे कैरिंग अमाउंट ज्यादा नेट एसेट्स का तो मतलब आपको उतना बेनिफिट मिलेगा नहीं तो ये कुछ कुछ हमारे इंडिकेशन हो गए इंटरनल इंडिकेशन भी कुछ कुछ रहते हैं जैसे एसे एसेट को चोट लग गई है ऑप्सिलिट हो गया फिजिकल डैमेज हो गया है या एसेट आइडल आइडल पड़ा हुआ है प्रॉपर्ली उसका यूज ही नहीं हो रहा आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हो अब आप बिजनेस को आप एसेट को डिसकंटिन्यू कर दोगे तो ऐसे सिचुएशन में उसका वैल्यू नहीं उसको काम का नहीं रहा आपका से उसे लिए काम कर रहा। तो वहां पर क्या पता एसेट इंपेयर हो सकता है इसके अलावा उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो हमने एक्सपेक्ट की थी उससे ज्यादा वर्ष हो गया इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो ये कुछ कुछ इंडिकेशन होते हैं जहां पर हम इंपायरमेंट करते हैं अब यहां पर मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि इम्पायरमेंट हम करेंगे कब जब आपका इंडिकेशन ऑफ इंपायरमेंट होगा और कुछ कुछ मामलों में मैंडेटरीली इम्पायरमेंट टेस्टिंग करते हैं वापस रिपीट करो रिकवरेबल एवं कुछ कुछ कंसेप्ट पांच मिनट बता रहा हूँ फटाफट सुन लीजिएगा फिर क्वेश्चन में आ जाएंगे वापस हम क्या करेंगे फिर रिकवरेबल अमाउंट हम डिटरमाइन करेंगे कैसे वैल्यू न्यूज या फिर फेयर वैल्यू माइनस दोनों का हायर अगर रिकवरेबल अमाउंट अमाउंट हमारा कैरिंग से कम है तो ऐसे सिचुएशन में इंपायरमेंट होगा हम इंपायरमेंट लॉस बुक करेंगे और इम्पायरमेंट लॉस कहां चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस में इंपायरमेंट लॉस चार्ज हो जाएगा अब आगे जाके क्या रिवर्सल भी हो सकता है यस रिवर्सल ऑफ इंपायरमेंट लॉस भी हो सकता है लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम अगर रिवर्सल करो वो नहीं चलेगा नॉर्मल अगर मान लीजिए आपको इंडिकेशन मिलता हो रिवर्सल ऑफ इंपायरमेंट जैसे आपका यहाँ पर इसका ठीक उल्टा हो गया आपका है ना मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गया सिग्निफिकेंटली मार्केट इंटरेस्ट रेट गिर गया फेवरेबल सिग्निफिकेंट चेंज हो गया टेक्नोलॉजी वगैरह में एसेट आपका अच्छा परफॉर्म करने लग गया अगर रिवर्सल का इंडिकेशन मिला तो आप रिवर्सल भी करोगे तो रिवर्सल हम कितना करेंगे कितना हमने इम्पायरमेंट लॉस प्रीवियसली बुक किया था उससे ज्यादा रिवर्सल नहीं हो सकता मैं तो कहूंगा उतना भी नहीं होता है उसमें डेप्रिशिएशन का एडजस्टमेंट करके हम रिवर्सल करते हैं करतेम्पायरमेंट लॉस का यानी पूरा रिवर्सल भी नहीं होता है जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने पहले नाइनटी थाउजेंड का इम्पायरमेंट लॉस बुक किया था तो अब दो साल के बाद अब रिवर्सल करना चाहते हो तो दो साल में उसका डेप्रिसिएशन इंपैक्ट भी तो देना पड़ेगा क्योंकि अगर मान लीजिए अब इम्पायरमेंट नहीं करते तो उस नाइनटी थाउजेंड में भी तो डेप्रिशिएशन होता तो आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रिशिएशन जितना आपका रिवर्स होना चाहिए उतना ही इम्पायरमेंट लॉस को रिवर्स करोगे उससे ज्यादा आप रिवर्सल नहीं कर सकते अब आपको एक बात बता रहा हूं कितने सारे अब कितने बार हम CGO का सहारा लेते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट का सहारा लेते, लेते? हैं कैपेबिलिटी नहीं रखता ग्रुप ऑफ एसेट्स मिलके कैश फ्लो जनरेट करते तो अगर एक सिंगल एसेट जो है हमें इंडिकेशन मिला है कि उस सिंगल एसेट को चोट लगी है उसका हमें इम्पेयरमेंट करना है तो हम उसका क्या निकालेंगे फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट कॉस्टोसल और वैल्यू न्यूज निकालेंगे

एंटायर कैरिंग अमाउंट ऑफ लेंगे उसको हम रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे पूरे सीजीओ का रिकवरेबल अमाउंट निकालेंगे और जो भी आपका इम्पायरमेंट लॉस होगा वो इम्पायरमेंट लॉस क्या सभी एसेट्स में एलोकेट होगा जी नहीं जो एलिजिबल एसेट है मतलब जितना इम्पायरमेंट लॉस निकलेगा वो हम क्या करेंगे जैसे इन्वेंट्री वगैरह ये सब में तो इंडस्टर्टी सिक्स लगता ही नहीं है तो इन्वेंट्री फाइनेंशियल एसेट इन सबको छोड़ के जो जो एलिजिबल एसेट है उन सबको हम इम्पायर करेंगे और ध्यान रहे गुडविल सबसे पहले इंपेयर होगा गुडविल में प्रो राटा नहीं होता अगर कोई गुडविल है तो सबसे पहले वो इम्पेयर होगा उसके बाद बाकी सारे एसेट्स प्रो राटापेयर होंगे कॉर्पोरेट एसेट्स भी देखा जाए तो खुद से कैश फ्लो जनरेट नहीं करता उसको सहारा चाहिए होता मेन एसेट्स का अदर एसेट्स का क्योंकि कॉर्पोरेट एसेट यानी ऑफिस एसेट्स होते हैं वो खुद से कैश फ्लो जनरेट नहीं करते तो जब कभी भी कॉर्पोरेट एसेट्स का भी इंडिकेशन मिलता है इंपेयरमेंट करने का तब भी हम क्या करते हैं सीजी का सहारा लेते हैं और सीजू की मदद से हम इम्पायरमेंट लॉस निकालते हैं और इंपायरमेंट लॉस को प्रोराटा सभी अदर एसेट्स और कॉर्पोरेट एसेट्स में हम एलोकेट करते हैं प्रोराटा गुडविल के मामले में मैंने कहा कि वो पूरा का पूरा पहले इम्पायर हो जाता है और गुडविल कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता बाकी जो अदर एसेट्स बाकी जो कॉर्पोरेट एसेट है ये सब प्रोराटा होता है ये गलती मत करना कॉर्पोरेट एसेट्स भी प्रोराटा ही इम्पेयर होगा बस गुडविल ही ऐसा चीज है जो एक बार में पूरा हम सबसे पहले प्रायोरिटी में इंपायर करते हैं ये चीज आपको समझ लेना एकदम अच्छे से चलिए तो अभी हम मैं एक दो चीज और आपको बताऊंगा फॉरेन करेंसी कैश फ्लो में एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा फॉरेन करेंसी कैश फ्लो में आपके फॉरेन करेंसी में कैश लॉस हो सकते हैं तो आप उसको क्या करोगे डिस्काउंट रेट उस फॉरेन करेंसी वाला फॉरेन एनवायरमेंट वाला उसी एनवायरमेंट वाला डिस्काउंट रेट को आप निकालोगे प्री टैक्स डिस्काउंटेड और उसी से प्रेजेंट वैल्यू में पुल करोगे और प्रेजेंट वैल्यू भी फिर आपका फॉरेन करेंसी में आएगा अब स्पॉट एक्सचेंज रेट तो आपके पास हो गई उससे ट्रांसलेट करके आपका वैल्यू न्यूज निकल जाएगा

अब चार साल सॉरी तीन साल के बाद हम इंपायरमेंट की बात करें तो थ्री का कितना होगा नाइनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अप्रिशिएट करेंगे आठ सालों में एक साल का इतना होता है तीन साल का इतना हो गया तो ये आपका माइनस होगा ट्वेंटी थाउजेंड से 1, 2, 6, 8, आपका कैरिंग अमाउंट है ये देखिए कैरिंग अमाउंट आपका इतना आ गया और आपका रिकवरेबल अमाउंट इतना है तो लॉस दोनों का फर्क दोनों का फर्क टू सिक्स पॉइंट फाइव आपका इंपायरमेंट लॉस आ गया तो ये हमने इंपायरमेंट लॉस निकाल लिया अब आगे जाके हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा यही रहेगा वन टू सॉरी हमारा आगे जाके रिवाइज कैरिंग अमाउंट ये आ जाएगा क्योंकि one, two, six, eight, seven, five था उसमें से इम्पायरमेंट लॉस इतना बुक कर दिया टेन थाउजेंड कैरिंग अमाउंट आ गया अब आगे जाके रिमेनिंग लाइफ कितना है पांच साल बचा हुआ है तो टेन थाउजेंड आपका डिवाइड बाई फाइव मत करना भाई पांच सौ तो हमेशा रहेगा सेल्वेज वैल्यू क्योंकि लास्ट में मिलेगा अब टेन थाउजेंड की जो हमारी कैरिंग अमाउंट है उसमें से फाइव हंड्रेड हटाओ डिवाइड बाय फाइव एड्स करोगे आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ गया लास्ट का

15.3 लाख का इम्पायरमेंट लॉस होगा आपका तो ये 15.3 लाख का इंपायरमेंट लॉस आप बोलोगे पीएनएम ने चार्ज कर दो तो पर नहीं हमारा ऑलरेडी रिवॉल्यूशन का ओसीआई में इतना पड़ा हुआ है रिवॉल्यूशन रिजर्व में ऑलरेडी 14 लाख पड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे रिवॉल्यूशन रिजर्व को हम डेबिट करेंगे फोर्टीन लाख से और बाकी बचा हुआ पी को डेबिट करेंगे वन पॉइंट लाख से है ना तो फिफ्टीन पॉइंट लाख आपका क्या होगा रिवॉल्यूशन सरप्लस डेबिट होगा और पीएनएल डेबिट होगा टू एसेट आपका हो जाएगा यहाँ पर बस और आगे जाके आपका ट्वेल लाख तीन सालों में डेपरिशिएट होगा फोर लाख फोर लाख करके बस खत्म इस क्वेश्चन में भी कुछ था नहीं सीजियो मैंने आपको बता दिया सीजीओ में मैं आप बस आपको एक एग्जाम्पल आपके साथ फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ अगर आप चाहोगे तो एक मास्टर हम डिस्कस करो या सीधा क्वेश्चन में आ जाऊँ देखो एक सिंगल सिंपल से क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ चलो ये देखो, यह देखो यहाँ पर बहुत सारे एसेट है सीजियू में मशीन ए मशीन बी सॉफ्टवेयर सी इन्वेंट्री और डी हमें पता है इन्वेंट्री और डीटीए में इंडेस्टर्टी सिक्स अप्लाई नहीं होता क्योंकि इन्वेंट्री में इंडस्टू लगता है और डीटीए आपका जो है उस उसपे आपका इनकम टैक्स लगता है ये दोनों में इंपायरमेंट ऐसे भी नहीं होता अप्लाई नहीं होता बट जबकि इंडिपेंडेंटली एसेट एम्पायर नहीं हो सकते तो हम सीजियो का सहारा ले रहे हैं तो सीजू एंटायर सीजू का रिकवरेबल अमाउंट बता दिया वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड तो मजबूर है हमें पूरे सीजू का ही कैरिंग अमाउंट लेना पड़ेगा कंपैरिजन करने के लिए तो सीजियो पूरा कैरिंग अमाउंट हम वन लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड लेंगे रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड एंटायर सीजू का इम्पायरमेंट लॉस हमारा थर्टी थाउजेंड आ गया अब ये थर्टी थाउजेंड इम्पायरमेंट लॉस हम इस पर एलोकेट नहीं करेंगे हम सिर्फ एलिजिबल एसेट पे एलोकेट करेंगे प्रोराटा तो जो प्रो राटा है वो प्रो राटा के हिसाब से हमने इंपेयरमेंट लॉस को एलोकेट कर दिया बस बात खत्म तो इसी प्रकार हम करते हैं अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन में लेके चलता हूं यहां पर अब ये सब चीजों में बात करने का समय वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है आपको यहां पर देख लीजिए ये, ये स्टैंडर्ड इन्वेंट्रीज पे नहीं लगता है डी पे नहीं लगता है प्लान एसेट्स पे नहीं लगता है बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए इंडेस फोर्टी है फाइनेंशियल एसेट का इंपायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट हमने पढ़ा हुआ है नॉन करेंट एसेट साइड फोर सेल में इंडस 105 लगता है जहां पर हम एफबी माइनस कॉस्ट टू सेल में इंपायरमेंट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स इसका भी हमारा 115 के हिसाब से हम करते कोई इंपायरमेंट नहीं होता अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चन में डेट इज विच क्वेश्चन हाँ ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है इलेस्टेशन टेन रिवर्सल ऑफ इंपायरमेंट लॉस का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है चलिए तो ये क्वेश्चन अभी हम ये क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करते हैं डेट इज इलेन टेन अभी हम डिस्कस करते हैं शुभम जी ऐसा नहीं है फोर्टीन लाख जो हमारा है वो हमारा क्या है लाख हमारा क्या था रिवॉल्यूशन में था ना रिवॉल्यूशन में तो हम ये मानेंगे कि वो हम एक बार में एंड में करेंगे वो लाख रिवॉल्यूशन में भी हुआ था लास्ट ईयर हुआ था तो मतलब पूरा पढ़ा हुआ रहेगा ना रिवॉल्यूशन रिजर्व है ना चलो तो यहाँ पर इलास्ट्रेशन टेन हम देखते हैं लिमिटेड ने क्या किया एक्वायर किया हंड्रेड परसेंट सेटर्न से लिमिटेड में मतलब एनसीआई कुछ भी नहीं होगा नेट एसेट थ्री ट्वेंटी लाख का मतलब का का नेट एसेट से मतलब गुडविल गुडविल होगा और ये कौन सा है? फुल तो स के बाद, बाद गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया एज ए रिजल्ट सेटन लिमिटेड का रेवेन्यू जो है थर्टी परसेंट से गिर गया ये आपका कहीं ना कहीं एडवर्स मार्केट चेंज है आपका लीगल एनवायरमेंट में चेंज हुआ और ये इंपेयरमेंट का इंडिकेशन है बोल भी दे इंपेयरमेंट का इंडिकेशन है और रिकवरेबल अमाउंट ये निकाल रहा है आगे बोला है इन्होंने वेनेस लिमिटेड स्ट्रीट लैंड एप्रिशिएशन करते हैं यूजफुल है, है आपका ट्वेंटी ईयर से बिना वैल्यू के तो मेरी बात ध्यान से सुनो पहले तो फर्स्ट अप्रैल टू से थर्टी मार्च टू में आप आइए दो साल बीत चुका है तो दो साल में नेट एसेट्स तो डेप्रिशिएट होगा गुडविल डेप्रिशिएट नहीं होता गुडविल एमोटाइज नहीं होता है पर नेट एसेट तो डेप्रिशिएट हो गई तो थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड बाय ट्वेंटी इयर्स है इनटू टू दो साल का

अगर क्वेश्चन बोले कि सेलिंग प्राइस डिटरमिनेबल नहीं है तो हम सेलिंग प्राइस को इक्विवेलेंट टू वैल्यू न्यूज मान लेते हैं और वैल्यू न्यूज को हम फिर मान मान लेंगे रिकवरेबल अमाउंट लेकिन सुन लो लो मेरी बात अगर क्वेश्चन ये बोले कि वैल्यू इन यूज डिटर्मिनेबल नहीं है तब नहीं चलेगा तब आपको सीजू का सहारा लेना पड़ेगा लेकिन सेलिंग प्राइस डिटरमिनेबल नहीं चलेगा हम वैल्यू न्यूज को रिकवरेबल अमाउंट मान लेंगे तो रिकवरेबल अमाउंट हमारा कितना टू लाख ट्वेल्व थाउजेंड अब मेरी बात सुनो यहाँ पर यहाँ पर हमारा टोटल एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है टू लाख एट्टी एट थाउजेंड प्लस एट्टी थाउजेंड थ्री लाख सिक्सटी एट थाउजेंड हमारा टोटल एसेट का कैरिंग अमाउंट है इंक्लूसिव ऑफ गुडविल इतना हमारा कैरिंग अमाउंट है और रिकवरेबल अमाउंट है टू लाख ट्वेल्थ थाउजें तो हमारा वन लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड का इम्पायरमेंट होगा वन तो लाखी का इम्पायरमेंट पहले पूरा पूरा, का पूरा पहले गुडविल में एलोकेट होगा गुडविल पूरा का पूरा हम खत्म कर देंगे बचा हुआ प्रो डाटा अदर एसेट्स में करते तो बचा हुआ नेट एसेट्स में हमने इंपायर कर दिया तो देख लीजिए वन लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड में गुडविल पहले उड़ाया और फिर बाद में हमने नेट एसेट्स को उड़ाया तो ये आप ध्यान में रखना तो अब हमारा रिकवरेबल अब हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया टू लाख ट्वेल्व थाउजेंड गुडविल का जीरो आगे सीधा ये पहुंच रहे थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फाइव को आपके टोटल एसेट की लाइफ ट्वेंटी थी दो साल बीत चुका था थाउजेंड थ्री को अब यहां से ये जो टू लाख ट्वेल्व थाउजेंड है ये हम 18 ये करेंगे। तो टू लाख ट्वेल्व थाउजेंड डिवाइड बाई एटीन ईयर्स

तो हम यहाँ पर अब मेरा मुद्दा ये है कि क्या थ्री लाख फोर थाउजेंड तक हम पहुंच जाए नहीं हम यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना जितना हम इम्पायरमेंट लॉस बुक कर रहे हैं उतना ही हम रिवर्स कर सकते हैं ध्यान रहे गुडविल तो आपका रिवर्स होगा ही ये सेवनटी सिक्स थाउजेंड का इम्पायरमेंट लॉस जो है ना ये हम रिवर्स कर सकते लेकिन पूरा नहीं आफ्टर एडजस्टिंग ड्रीशिएशन तो लाइव आपकी एटीन ईयर्स बची हुई थी तो हम मानेंगे सेवनटी सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाई एटीन ईयर्स Into two, एट ट्रिपल फोर हम से माइनस करने के बाद जो बचेगा तो इतना ही होगा ये मैंने कैसे निकाला मैंने कहा सेवन थाउजेंड हमारा टोटल इंपायरमेंट लॉस हुआ था गुडविल का तो रिवर्सल होता ही नहीं है इसमें माइनस हम बोल देंगे कि आप क्या करोगे दो साल का डॉप्रीशियन करके साल का करके रिवर्सल निकालोगे इतना ही हमारा रिवर्सल होगा और इसका एक और तरीका भी है आप ऐसे भी कर सकते हो कैरिंग अमाउंट ऑफ चार साल बीत चुका है डिवाइड बाई ट्वेंटी इंटू फोर माइनस थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड आपका अगर मान लीजिए कभी इंपेयरमेंट लॉस होता ही नहीं तो टू है गुडविल को मत लेना वो रिवर्स नहीं होगा तो तक ही हम पहुंच सकते हैं और हमारा कैरिंग इतना है तो हम इतना ही पहुंच सकते तो इतना का हमारा रिवर्सल होगा अब आगे जाके टू लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड जो आया ये आपका रिमेनिंग में यार कुछ नहीं एकदम सिंपलेस्ट वे में करवा दी एकदम सिंपल था अब मैं आपको एक कराऊंगा एक अच्छा सा क्वेश्चन इज एलिया लिमिटेड वाला और ये क्वेश्चन टफ नहीं है इजी है पर पता नहीं आप लोग को किसी किसी को टफ लगता है तो आज नहीं लगेगा क्वेश्चन टफ नहीं इजी है बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है मैं अच्छे से समझा दूंगा तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला बताओ क्या करने के लिए तैयार हो अब एक अच्छा क्वेश्चन हम एलिया लिमिटेड करेंगे उसके बाद एक आपका कैश फ्लो वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये भी क्वेश्चन नंबर थर्टीन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करूंगा इसके अलावा ये तो एक क्वेश्चन है इसके अलावा ये वाला एनसीए मेजरमेंट वाला ये तीन चार अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैं करूँगा जिसके आने के चांस एग्जाम में काफी ज्यादा रहेंगे आपके चलिए तो आई थिंक अभी आप तैयार हो और हम स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर एलिया लिमेटेड। एलिया लिमिटेड लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि डील करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस कोल्ड ड्रिंक और बेवरेजेस में डील करती है मशीनरी एक है हमारा बरोडा प्लांट में बॉटलिंग के लिए यूज हो रहा है और एक और मशीनरी मशीनरी भी मशीनरी ए कैन इंडिविजुअली हैव एन आउटपुट एंड आल्सो सोल्ड इंडिपेंडेंटली इन द मार्केट यानी मशीनरी ए का खुद का वजूद है वो इंडिविजुअली अपने आउटपुट को बेच सकता है यानी इसका कैश इनका वैल्यू न्यूज निकालना पॉसिबल है बट मशीनरी बी आपका नहीं बिक सकता उसको मशीनरी ए के साथ ही काम करना होगा यानी मशीनरी ए इंडिपेंडेंट है मशीनरी बी को सहारा चाहिए मशीनरी ए का इट कैनोट प्रोड्यूस आउटपुट एस वेल मैंने मतलब मशीनरी बी आउटपुट भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता

मशीनरी बी हमने फर्स्ट अप्रैल 2015 को परचेज किया था लाख में जिसकी कोई रेसिडल वैल्यू नहीं आपका दोनों का 10 है, कर रहा है 5 years, आपका यूजफुलस है अब थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन की बात हैं मतलब इससे हमें पता चला कि अभी थर्टी मार्च टू में हम खड़े हैं और उसी दिन का ये वैल्यू न्यूज है क्योंकि उसी दिन का ये सेलिंग प्राइस भी हमें बता रहे तो सबसे पहले तो थर्टी मार्च टू तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है

उजेंड हमें डेप्रीशिएट करना है पांच सालों का तो मशीनरी ए का कैरिंग अमाउंट उसमें से फोर लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड पांच साल का हमारा कैरिंग अमाउंट मशीनरी ए का आ गया फिर अगर हम बात करें मशीनरी बी की मशीनरी बी टू थाउजेंड फिफ्टीन में खरीदा आज है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन मतलब थ्री इयर्स का हमें डॉप्रीशिए थ्री तो ,00 का डॉप्रिशिएगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड हमने डाप्रिशिएशन किया हमें कैरिंग अमाउंट मिल गया कब का

लाख लाख प्लस लेना पड़ेगा वही अगर क्वेश्चन में लिख देता है इंक्लूडिंग तो होता तो यहां गड़बड़ी मत करना वन पूरा पूरा आप लोग यहां पर और इन सबको प्रेजेंट वैल्यू में खींचोगे कौन से डिस्काउंट रेट से टेन परसेंट से खींचोगे वैल्यू न्यूज आ जाएगा हमारा तो वैल्यू न्यूज आप देख लीजिए कितना आया देखिए यहां पर फिफ्टी थाउजेंड भी एक्स्ट्रा से आ रहा है इन सबको हमने खींचा ये फोर एट नाइन सिक्स जीरो आया अगर मैं फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल की बात करूं तो यहां पर भी आप गलती कर सकते हो ध्यान से सुनो यहां पर क्वेश्चन है क्या बोला है क्वेश्चन ने बोला है कि प्रोफेशनल वैल्यूअर ने करेंट वैल्यू बोला है सेवन लाख का वैल्यू ने वैल्युएशन फी का फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल से कोई लेना देना नहीं ये नहीं फेयर वैल्यू ये नहीं कॉस्ट टू सेल है ये सेलिंग कॉस्ट थोड़े ना आपने वैल्यूएशन कराने का कुछ भी पैसा दो वैल्यूअर को इसका फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल से कोई लेना देना नहीं है ये आपका पीएनएल में जाएगा तो ये वाला आप एग्जाम में मत ले लीजिएगा ठीक है आपका सेवन लैक है फेयर वैल्यू सेलिंग कॉस्ट हमारा क्या लग जाएगा डिसमेंटलिंग का खर्चा इतना लग जाएगा पैकेजिंग का खर्चा इतना लग जाएगा यानी वन लैख सेवेंटी फाइव अच्छा और एक है और लीगल फीस का इतना खर्चा लग जाएगा यानी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस वन लैख और यानी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड हमारा फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल थाउजेंड है तो आप देखो यहां पर वैल्यू न्यूज ये रहा

प्लस वन लाखी थाउजेंड का गुडविल्वेंटी और, और रिकवरेबल ने बता दिया टेन लाख लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस टेन लाख ट्वेंटी का टोटल इंपायरमेंट लॉस होगा अब मेरी बात से सुनो जो टोटल इंपायरमेंट लॉस होगा सबसे पहले तो ये जो इंडिपेंडेंटली आपने इंपायर किया सबसे पहले इसको डाल दो आप बोलोगे सर ऐसे तो गुडविल को पहले डालना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसको देते। हाँ देते हैं बट आप इंडिपेंडेंटली किसी एसेट का इंपायरमेंट लॉस बुक करोगे तो पहले वही इंपेर हो तो आप थ्री फाइव थ्री फाइव जीरो मशीनरी ए को आप इतना इंपायर कर दोगे हाँ उसके बाद जितना गुडविल है सारा का सारा इंपेयर होगा तो टू लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड में से एक तो ये इंपायर कर दिया जो इंडिपेंडेंटली निकाला फर्दर ये और इम्पायर नहीं होगा इंडिपेंडेंटली हमने जितना इम्पायरमेंट किया कर दिया हमने फिर गुडविल को हमने एम्पायर कर दिया वन लाख फिफ्टी थाउजेंड जितना का पूरा अब बचा हुआ अदर अदर एसेट एसेट में हो सेट में होगा सिर्फ मशीनरी बी बचता है क्योंकि इन्वेंटरी तो एलिजिबल में आते ही नहीं है मशीनरी बी को हमने एम्पायर कर दिया ऐसे करके हमने मशीनरी ए का भी इम्पायरमेंट अमाउंट निकाल लिया मशीनरी बी का भी निकाल दिया गुडविल अब जीरो हो चुका है और इन्वेंट्री तो वैसा का वैसा रहेगा और अब हमारा कैरिंग अमाउंट आ चुका रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ चुका हमारा इन दोनों का इतना तो अब देखो 2018 के एंड में हम बोल सकते हैं हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट यह है ये हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट है टू थाउजेंड एटीन अब क्या हुआ आगे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट ईयर में पहुंच गया क्वेश्चन टू थाउजेंड नाइनटीन में नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी ने असेसमेंट किया रिकवरेबिलिटी और फाउंड किया कि सीजीयू की वैल्यू अब इलेवन है और रिकवरेबल अमाउंट भी बढ़ के फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड मशीन ए का हो गया और मशीन बी ए बी का कंबाइन सेवन सिक्सटी हो गया तो इससे मशीन बी का जाएगा हमारा मशीन ए फोर फिफ्टी है तो मशीन बी कितना होगा सेवन सिक्सटी माइनस फोर फिफ्टी थ्री लाख टेन थाउजेंड आ जाएगा इन दोनों का रिकवरेबल अमाउंट निकाले तो भाई पहले तो कैरिंग अमाउंट पता करो टू थाउजेंड नाइनटीन का तो हमारा जैसे कि रिमेनिंग लाइफ कितना है इसका फाइव ईयर्स है इसका सेवन ईयर्स है तो हमारा जो कैरिंग अमाउंट है

इन्वेंट्री तो जो दिया हुआ वही रहेगा हमारा तो कैरिंग अमाउंट गुडविल का तो है नहीं जीरो हो चुका है ये हमारा कैरिंग अमाउंट है अब जबकि हमें पता है रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है तो हम रिवर्सल करेंगे तो रिवर्सल करने के लिए बताओ हमें क्या करना होता है हम ये देखते हैं पहले कि जितना आपने एम्पायरमेंट लॉस बुक किया है क्या पूरा का पूरा हम रिवर्स कर सकते हैं नहीं कर सकते जैसे अगर मैं सीधा डायरेक्टली आपको निकाल के दिखाऊं आप क्या पूरा का पूरा ये रिवर्स कर सकते हो नहीं इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा डेप्रिशिएशन इंपैक्ट देना पड़ेगा एक साल का डेप्रीशियशन इंपैक्ट देना पड़ेगा क्योंकि 2018 में 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 हुआ था था 2019 में रिवर्स करो तो 35, ए था और ए में तो तो और साल की थी ना तो 35, जो इंटू फोर बाई फाइव भी हम ले सकते हैं यानी 28, आपका ये रिवर्स होगा देख लो 28, होगा मशीनरी बी की अगर मैं बात करूं थ्री नाइन सिक्स फाइव जीरो

इसमें ये रिवर्सल जो मैंने निकाला इसको मैं ऐड कर दूंगा मेरे ये वैल्यू आ जाएगा खत्म कहानी कुछ करना ही नहीं हमें पर लेकिन हम अगर प्रेजेंट तो करते, करते तो क्या कैरिंग क्या होता तब हम बोलते देखो पांच साल का तो हमने पांच साल बाद तो अगर कोई इंपायरमेंट नहीं करते तो टू थाउजेंड एटीन में इसमेंड करके होता तो कैरिंग अमाउंट हेट देर बी नो एम्पायरमेंट अगर मैं बोलूँ तो इसका कैरिंग अमाउंट रहता फोर लैख थर्टी थाउजेंड और इसका होता थ्री लाख तो हम फोर लैख थर्टी थाउजेंड तक मैक्सिमम रिवर्स कर सकते हैं वैल्यू कितनी है फोर जीरो वन सेवन टू जीरो तो फोर जीरो वन सेवन टू जीरो से हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकते हैं फोर लाख थर्टी थाउजेंड तक जा सकते हैं इसका डिफरेंस आपका वही आएगा ये देखो टू एट टू एट ज़ीरो और ये वाला भी थ्री लाख तक हम ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं टू डबल सिक्स जीरो लाख तक जा सकते हैं यानी यानी आपका रिवर्सल होगा टोटल इतना रिवर्स फोर थर्टी और, और लाख जितना हम जा सकते थे तो मैंने फटाफट ये क्वेश्चन आपको करवा दिया तो इस क्वेश्चन में स्टेप कैसे याद रखोगे सर सबसे पहले पांच साल का डेप्रिसिएशन करेंगे मशीन ए e में मशीन बी में तीन साल का डेप्रिसिएशन करेंगे कैरिंग अमाउंट पता चल गया फिर मशीनरी ए का इंपायरमेंट लॉस निकाल लिया हमने थ्री फाइव थ्री फाइव जीरो फिर सी को एम्पायरमेंट करेंगे तीजू में हमने इंपेयरमेंट लॉस पता किया इतना मशीन ए को एलोकेट किया गुडविल को किया बचा हुआ मशीन बी को किया कैरिंग अमाउंट आ गया हमारा अब इस पर अब एक साल का डेप्रिसिएशन कर दो आप ताकि टू थाउजेंड नाइनटीन का कैरिंग अमाउंट पता चल जाए अब ये टू थाउजेंड नाइनटी का जो कैरिंग अमाउंट है इस पर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का कितना जितना आपने इंपेयरमेंट लॉस बुक किया था उसका एडजस्टमेंट कर दो डेप्रिसिएशन एक साल का और उतना ऐड कर दो बस बात खत्म और फिर भी अगर आप ऐसे नहीं प्रेजेंट करना चाहते हो आईसी के हिसाब से तो करना कैरिंग अमाउंट हेट देयर बी नो इंपेयरमेंट ये उसके हिसाब से आप निकाल लेना तो आपका निकल के आ जाएगा क्वेश्चन में कुछ है नहीं तीन चार स्टेप है दिमाग में डालोगे हो गया ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है आपका क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करना बिना प्रैक्टिस करे दिक्कत आएगी ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मैंने फटाफट ये क्वेश्चन आपको करा दिया ये वाला क्वेश्चन तो एकदम बाबू सा क्वेश्चन है फटाफट हो जाएगा कुछ ही नहीं बोलो कर लोगे ना अगर समझ में आए तो जरूर से लाइक कीजिएगा अगर समझ में आए तो लाइक तो बनता है है ना चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अभी हम स्टार्ट करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर टफ नहीं है एक बार प्रैक्टिस करोगे हंड्रेड परसेंट है तो देखो पांच साल के बाद जब आप जब भी उसकी उसकी रिमेनिंग वाली लेंगे पांच साल बचेगी उसकी जब भी हम इंपायरमेंट या कुछ कर देते हैं ना तो हम स्ट्रेट लाइन में भी रिमेनिंग लाइफ को कंसिडर करते हैं और रिमेनिंग लाइफ ही हमारी लाइफ बचेगी और सेलवेज तो रहेगी लास्ट में तो सेलवेज तो माइनस हो गई ठीक है ईशान जी चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अभी हम करते हैं बहुत तो, सिंपल क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आपने खरीदा फाइव लाख रुपीज में वेंडर से टेन परसेंट इंटरेस्ट में ड्यूरिंग ईयर ई लिमिटेड ने टेन थाउजेंड स्टेरिंग विल बेचा है 190 रुपीस करके। ने अप्रूव किया है कि कंपनी आगे जाके टू हंड्रेड रुपीज में बेचेगी टू थाउजेंड थ्री फोर में अभी हम थर्टी फर्स्ट मास टू थाउजेंड थ्री में बैठे हम बोल बोरे नेक्स्ट ईयर हम टू हंड्रेड रुपीज करके बेचेंगे सेलिंग प्राइस हमारा और सेलिंग प्राइस हर साल थ्री परसेंट से आगे इन्फ्लेट भी करेगा सेलिंग प्राइस आगे जाके थ्री परसेंट से इन्फ्लेट भी करेगा और बोला कि टू थाउजेंड फोर में हम टेन थाउजेंड स्टेरिंग व्हील बेचेंगे यानी फर्स्ट ईयर में और आगे जाके नंबर ऑफ स्टेरिंग व्हील्स फाइव परसेंट से बढ़ेगा भी तो अब देखो यहाँ पर यूनिट अगर मैं निकालू मैं बोलूंगा आपका नंबर ऑफ क्वांटिटी हम कितना बेचेंगे फर्स्ट ईयर में टेन थाउजेंड यूनिट्स बेचेंगे और इन्होंने यहां पर पांच साल का डेटा दिया हुआ है और नहीं भी दिया हुआ है एग्जाम में तो ये ध्यान में रखना दिया हुआ है टू थाउजेंड एट तक थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्सेंड एट तक नहीं दिया है तो लेते हैं तो यहां पर आपका पांच साल का हमारा क्वांटिटी पता चल जाएगा फर्स्ट ईयर टेन थाउजेंड और हर साल फाइव परसेंट से बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी ये हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन ने बता दिया फर्स्ट ईयर में टू हंड्रेड आगे जाके थ्री परसेंट से बढ़ेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी मैंने थ्री परसेंट से बढ़ाते गया मैंने ये आपका थ्री परसेंट इंक्रीज है और यूनिट आपका फाइव परसेंट इंक्रीज हो रहा है ये हमारा हो रहा है अब कॉस्ट प्राइस हम देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस इन्होंने में क्या बोला बोला कि वन सिक्सटी रुपीज कॉस्ट लगेगा जो कि इंक्लूड करता है वेरिएबल फिक्स्ड और सब मिला के वन और बोला कॉस्ट जो है ना टू थाउजेंड फोर फाइव से वन परसेंट से बढ़ेगा टू थाउजेंड फोर फाइव में वन परसेंट से बढ़ेगा और बाद में आगे जाके टू परसेंट से बढ़ेगा यानी पहले तो हमें लेना है क्या वन सिक्सटी रुपीज है थ्री फोर में तो वन सिक्सटी रहेगा फोर फाइव में वन सिक्सटी में वन परसेंट बढ़ाएंगे और आगे जाके टू परसेंट बढ़े तो देखो कॉस्ट हमने निकाल लिया अब सेलिंग प्राइस पता है मुझे कॉस्ट पता है

फिफ्टी थाउजेंड का खर्चा फाइव सिक्स में ले लिया मैंने सिर्फ सिक्स में होगा इन्होंने बोला ऐसा अब आगे टू थाउजेंड थ्री फोर में बोल रहा है कि इनके नया टेक्नोलॉजी आया जाएगा जो इनका खर्चा को कम करेगा लेकिन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट तो ये सब फ्यूचर में आपका हो भी सकता है फ्यूचर कंटिनजेंसी है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता इन सबको हम कंसिडर नहीं करेंगे है ना क्योंकि ये कंफर्म नहीं है टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी तो ही पॉसिबल है अदरवाइज पॉसिबल नहीं तो इसको हम इग्नोर करेंगे

हम फ्यूचर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू में खींचते हैं और टर्मिनल वैल्यू को भी प्रेजेंट वैल्यू में खींचते हैं तो ये एट्टी थाउजेंड जो नेट पैसा मिलेगा ये भी हम खींचेंगे ये देखो ये भी प्रेजेंट वैल्यू में खींचा जाएगा और कुछ क्वेश्चन है डेटा नहीं दिया बोले डिस्काउंट रेट एट परसेंट है तो ठीक है हमारा फोर लाख का फोर लाख की ये भी यही है इसमें मेंटेनेंस माइनस करके आ गया यहाँ पर एट्टी थाउजेंड ही प्लस हो जाएगा ये सारे जो फ्यूचर के कैश फ्लो है इन सबको डिस्काउंट रेट से खींचो के वैल्यू न्यूज आ गया तो वैल्यू न्यूज़ ही क्वेश्चन ने बोला निकालने को व्हाट इज द वैल्यू न्यूज़ हमने वैल्यू न्यूज़ निकाल लिया बताओ क्या नहीं कर सकते अब ये क्वेश्चन आराम से एकदम आराम से कर लोगे क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे बताओ देखो सीधा कॉस्ट ही इन्होंने बता दिया इसमें फिक्स्ड वेरिएबल की बात नहीं है सीधा इन्होंने कॉस्ट ही बता दिया 1% से बढ़ेगा तो पूरा एंटायर जो कॉस्ट है ना वन सिक्सटी इसमें थोड़े ना बोला कि सिर्फ वेरिएबल बढ़ेगा फिक्स बढ़ेगा कॉस्ट बोला कॉस्ट मतलब सब बढ़ेगा वन परसेंट से और टू परसेंट लेबर वर्क और कुछ नहीं क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं है चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते क्वेश्चन नंबर थर्टीन नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते क्वेश्चन नंबर थर्टीन चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं PQR Limited is the company which has performed well in the past, but one of its major assets suffered a significant deterioration in performance. Management expect करी कि ये आगे जाके चार साल तक use होगा. After 31st March 2006 ये चार साल तक use होगा. और इन्होंने cash flow projection भी चार साल का में दी दिया. और इसमें discount rate क्या इस्तेमाल करने को बोला है इन्होंने 9% बोला Machine could have been sold. ये नहीं selling price दिया हुआ है. और cost to sell भी दी दिया.

फ्यूचर कैश कैसलो को पूछा कुल किया वैल्यू न्यूज आया दोनों का हायर कौन सा है वैल्यू न्यूज ये रिकवरेबल अमाउंट होगा तो इंपायरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट से किया तो इतना आ गया तो ये लॉस आप बोलोगे सर में चार्ज होना चाहिए पर रुको शांति एक रुको बार ये देखो थर्टी सिक्स थाउजेंड रिवॉल्यूशन सरप्लस में पड़ा हुआ है तो टू द एक्सटेंट थर्टी सिक्स थाउजेंड आपका रिवॉल्यूशन सरप्लस डेबिट होगा बाकी का बचा हुआ पीएनएल में चार्ज होगा तो देखिए लॉस टू एसेट इतना और जो इंपेयरमेंट लॉस है पहले रिवोल्यूशन सरप्लस को डेबिट करो बचा हुआ पीएनएल को डेबिट करोगे और आगे जाके जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट हमारा है ये चार सालों में डेप्रिशिएट होगा क्योंकि रिमेनिंग लाइफ क्वेश्चन ने बता दिया चार साल का तो ये आपका चार सालों में नेक्स्ट ईयर डेप्रिशिएशन चार सालों में एक साल होगा फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ये भी बोला था कि आप इंडियन गवर्नमेंट कुछ कंपनसेशन देगा बोला है। तो वो कंटिजेंट एसेट है जब वर्चुअली सर्टिन हो जाएगा कि कंटिजेंट एसेट आपको मिलेगा सरकार से आपको कंपनसेशन मिलेगा जब वर्चुअली सर्टिन हो जाएगा नाइनटी फाइव परसेंट से ज्यादा चांस होगा तब आप उसका अलग से रिकॉग्नाइज करोगे तो कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट विल बी अकाउंटेड व्हेन इट बिकम्स इसका से कोई लेना देना नहीं है चलिए डन एकदम अच्छे से बोलो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बड़ा ही बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बस इसमें वही कंसेप्ट लग रहा है ये क्वेश्चन एक बार करना नहीं करोगे तो शायद एग्जाम में घूम जाओगे मैं फटाफट करवा देता हूँ देखिए जनवरी फर्स्ट जनवरी ईयर वन को मशीन खरीदा गया टू इयर्स की जीरो चल रहा है, तो पता है सीधा होगा हमारा। वन थ्री को दो साल के बाद रिवॉल्यूशन हो रहा है तो पहले टू लैख फोर्टी थाउजेंड में दो साल का डेप्रिशिएशन कर दिया कैरिंग अमाउंट हमारा दो साल के बाद टू लाख सिक्सटीन थाउजेंड है और इसका रिकवरेबल अमाउंट बोल दिया कितना रिकवरेबल नहीं। इसका फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन कर रहे हम यहाँ पर रिवॉल्यूशन कर रहे रिवॉल्यूशन मॉडल लगा रहे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे इंपायरमेंट तो गिरता है इंपायरमेंट नहीं हो रहा हम यहाँ पर रिवॉल्यूशन कर रहे हैं एज पर इंडिया सिक्सटी जो हमने पढ़ा रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम रिवॉल्यूशन करके टू लाख फिफ्टी थाउजेंड में अगर पहुंचाएंगे तो थर्टी फोर थाउजेंड का रिवॉल्यूशन गेन आएगा हमारा और टू लाख फिफ्टीन थाउजेंड हो जाएगा अब हमारा लाइफ एटीन इयर्स का बचता है तो टू लाख फिफ्टीन थाउजेंड जो टू लाख फिफ्टी थाउजेंड है ये एटीन इयर्स में डप्रिशिएट होगा वन थ्री डबल एट नाइन में अब वन जनवरी ईयर फोर की बात कर रहा है तो पहले वन जनवरी ईयर फोर में पहुंचेंगे एक साल का डेप्लीसन लगाएंगे तभी तो वन जनवरी ईयर फोर को आएगा है ना थर्टी फर्स्ट दिसंबर ईयर थ्री को ही वन जनवरी ईयर फोर बोल देंगे नेक्स्ट डे तो है उसका तो ये हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया एक साल का वो ड्रीशिएशन किया इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट डे आपका इम्पायरमेंट हुआ है और रिकवरेबल अमाउंट वन लाख की है तो कैरिंग अमाउंट हमारा इतना है

फिर ये पॉइंट नंबर वन टू थ्री पूछा ये अपने आप ही हो जाएगा वंस ये आपने कर लिया तो वो सोल्यूशन जो क्वेश्चन ने पूछा डिमांड वो अपने आप ही फुलफिल हो जाएगा बताने की आवश्यकता ही नहीं है अब एक क्वेश्चन है अच्छा वाला क्वेश्चन इलेवन वो कर ये भी अच्छा क्वेश्चन है चलो पहले ये करवा देते वाई के क्वेश्चन टू इसमें आपको क्या करना होता है पता है हमें पता है कि कॉर्पोरेट एसेट्स इंडिपेंडेंटली इम्पायर नहीं होते तो हमें इसको एलोकेट करना होता है सीजीयू में देखिए तीन अलग अलग सीजीयू दिया हुआ है इसमें एलोकेट करके हम इम्पेयरमेंट करेंगे यहाँ गुडविल का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर दो बात बोला गया आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप देखिए ए बी और सी इसका यूजफुल यूजफुलस इन दोनों का ट्वेंटी ट्वेंटी जबकि इन दोनों का यूजफुल है डबल तो वेट लेते समय हम इसको भी डबल कर देंगे सेवन फिफ्टी को फिफ्टीन हंड्रेड पकड़ेंगे इलेवन हंड्रेड को ट्वेंटी टू हंड्रेड पकड़ेंगे ये ध्यान रखो एग्जाम के लिए इतना याद रखो आप कि अगर लाइफ डबल है तो वेट भी डबल कर देना वैल्यू यही रहेगा बस वेट लेते समय इसको डबल कर देंगे तो ये हमारा वेट के लिए ये रहेगा फाइव हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड फाइव मिनट तो फाइव मिनट ही रहेगा ये डबल कर दिया क्योंकि डबल डबल है तो डबल कर दिया हमने ये आगे देखते हैं आगे दो कॉर्पोरेट एसेट है बोला सिक्स हंड्रेड कॉरपोरेट एसेट तो जो है वो प्रो डाटा एलोकेट कर सकते हैं हम सी में तो जो सिक्स हंड्रेड हम प्रो डाटा एलोकेट करेंगे वो इस वेट में नहीं करेंगे इस पे नहीं करेंगे ये जो वेट है ना इस इसपे करेंगे है ना ये लाइफ के हिसाब से तो फाइव हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड और ट्वेंटी टू हंड्रेड के वेट के हिसाब से सिक्स हंड्रेड को एलोकेट कर दिया जाएगा फिर बोला टू हंड्रेड तो एलोकेट हो ही नहीं सकता रीजनेबल ठीक है इसको मत करो इसको नहीं करेंगे अभी हम सिर्फ और सिर्फ सिक्सटी सिक्स हंड्रेड को एलोकेट करेंगे तो मैंने वही किया मैंने बोला फाइव हंड्रेड सेवन फिफ्टी और इलेवन हंड्रेड इसका कैरिंग अमाउंट था अब मुझे सिक्स हंड्रेड को एलोकेट करना है पर जो सिक्स हंड्रेड में एलोकेट कर रहा हूं ये मैं पता है कैसे एलोकेट कर रहा हूं तो वेट लिया था ना फाइव हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी टू हंड्रेड उसी वेट में कर रहा हूँ ये देखिए फाइव हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी टू हंड्रेड उसी वेट में मैंने एलोकेट कर दिया कॉर्पोरेट एसेट तो ये हमारा अदर एसेट्स हो गया मेन और ये कॉर्पोरेट एसेट्स को भी एलोकेट कर दिया हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजू आ गया इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट अब हम अब हम देखेंगे रिकवरेबल अमाउंट कितना अब बोलोगे सर ये वाला तो एलोकेट किया नहीं क्योंकि इसमें एलोकेशन पॉसिबल नहीं हो रही बाद में देखेंगे Recoverable amount बता 600, 900, 1400. ये बता दिया दिया। ये ये इसका 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 तो तो कुछ है नहीं। इसका आया, इसका भी आया। भी तो हमारा जो इम्पायरमेंट लॉस आया ये किसमें किस एलोकेट होगा जो अदर एसेट है उसमें एलोकेट होगा जो कॉर्पोरेट एसेट है उसमें एलोकेट होगा प्रोराटा तो सिक्सटी फोर को हम क्या करेंगे दोनों का मिला के और 64 को 214 डिवाइड बाय 964 तो वो हमने दोनों में एलोकेट कर दिया 50 और 14 तो आपको ये समझ में आ गया कि 50 जो है समझ लिया इंपायर हो तो ही नहीं रहा तो देखिए सीज्यू ए का कैरिंग अमाउंट तो आपका फाइव ही रहेगा सीज्यू बी का कैरिंग अमाउंट आपका सेवन नहीं होगा फिफ्टी हम इंपायर कर दिया ना हमने तो सेवन रेड होगा सीजियो बी का एसेट का सेवन होगा सेवन फिफ्टी माइनस फिफ्टी सेवन हंड होगा कॉर्पोरेट एसेट हम एक साथ टोटल बताएंगे फिर अब देखो सीजियो सी में भी सीजियो सी में फिफ्टीन का इंपेयरमेंट हो रहा है तो ये ग्यारह सो इलेवन और थ्री हंड्रेड फिफ्टीन में प्रोराटा हमने एलोकेट कर दिया ट्वेल्व और थ्री आया तो ट्वेल्व आपका अदर एसेट माइनस कर देगा यहाँ से ट्वेल्व माइनस हो जाएगा ये आ जाएगा थाउजेंड एटी एट और यहाँ से माइनस हो जाएगा कितना थ्री थाउजेंड एटी एट आपका गया इसका भी देखिए अब जो एक्स का कॉर्पोरेट एसेट है वो क्या लेंगे 71 ले लिया प्लस थ्री हंड्रेड ट्वेल्व होगा टू हंड्रेड सेवनटी वन प्लस, 312 271 प्लस 312, 583 आएगा. ये 583. आप चाहते तो डायरेक्टली भी निकाल सकते पता है कैसे आप बोलते कि देखो टोटल सिक्स हंड्रेड का कैरिंग अमाउंट है कॉर्पोरेट एसेट्स का और कॉर्पोरेट एसेट दो जगह में एम्पायर हो रहा है फोर्टीन और थ्री सेवनटीन का एम्पायर हो रहा है तो सिक्स हंड्रेड माइनस अब मैं सीधा चाहू तो लिख सकता हूँ सिक्स हंड्रेड माइनस फोर्टीन माइनस थ्री फाइव एटी थ्री आ जाएगा मैं। अब वाई तो पूरा का पूरा वही रहेगा क्योंकि वाई तो एलोकेट ही पॉसिबल नहीं है तो मैंने वाई पूरा का पूरा टू हंड्रेड अब लेके मैंने अब बोला कि अब मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ सी जी रिवाइज इतना है एक बात बताओ मुझे क्या सबको नहला दिया आपने देखो इसको भी आपने नहला दिया इसको भी नहला दिया आपने इनको भी नहला दिया आपने बस अब वाई जो बचा हुआ जो गंदा है यही अभी तक नहाया हुआ बंदा नहीं है बाकी सबको धो दिया हमने समझ में आया

अगर इसकी वैल्यू थर्टी टू हंड्रेड की जगह थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड अगर आता तो था, वन का हुआ है और वो इंपायरमेंट सब में सिर्फ सिर्फ मेंदर हो, इंपायरमेंट होता मतलब जब हम पहले तो स्मॉलेस्ट इंपायर नहीं होता तो लार्जेस्ट से तो वो कॉर्पोरेट एसेट एक्स को तो स्मॉलेट से इंपायर करने की कोशिश की क्योंकि एलोकेबल था जो एलिकेबल नहीं हो रहा है तो उसको लार्जेस्टू से इंपायर करने की कोशिश करेंगे पर इंपायर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं चलो तो बताओ समझ में आया ये नहीं आया बताओ समझ में आया ये नहीं आया बोलो समझ में आ गया ये वाला तो अब हम इलेवन में आपको करवाता हूं ये भी करवा दूंगा सिंपल सा क्वेश्चन पहले मैं ये वाला करवाता हूं ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन में पता है एक ही चीज है जो आपको सीखना है इस क्वेश्चन में पता है क्या हो रहा है हम है ना पार्शियल गुडविल मेथड में मेजर कर रहे हैं यानी एनसीआई को प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट मेथड 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 में 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 मेजर मेजर कर 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 रहे में method कर, method में कर रहे हैं हैं नेट एसेट और जब भी आप एनसीआई को प्रोपोर्शनेट नेट एसेट में मेजर करते हो तो गुडविल जो आता है उसमें सिर्फ पेरेंट का गुडविल होता है एनसीआई का गुडविल नहीं होता सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का गुडविल होता है अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि हमने 80 परसेंट शेयर खरीदा थर्टी टू हंड्रेड थाउजेंड में डेट ऑफ एक्विजिशन में बी लिमिटेड का आइडेंटिबल थ्री थाउजेंड का हम एनसीआई को मेजर कर रहे हैं में और अकॉर्डिंगली हमने गुडविल निकाला कैसे निकाला हम पीसी दे रहे, 3200 रहे हैं थर्टी टू हंड्रेड का एनसीआई आपका नेट एसेट्स का ट्वेंटी परसेंट सिक्स हंड्रेड में मेजर हो रहा है और आपका इससे अल्टीमेटली आपका गुडविल आ गया आप ऐसे भी बोल सकते हो थ्री थाउजेंड का नेट एसेट्स है

गुडविल हमारा पूरा का पूरा रहेगा हमारा तो आप बताइए यहां पर क्वेश्चन ने दो केस दिया बोला अगर मान लो रिकवेबल टू थाउजेंड है या रिकवरेबल है तो इम्पायरमेंट लॉस बताओ एक बात बताओ ये जो रिकवरेबल अमाउंट दिया पूरा का पूरा कंपनी का, का ऐसे होल बताया हमें है ना ये रिकवरेबल अमाउंट पूरा है एंटायर एसेट्स गुडविल सबका गुडविल सब कुछ मिला के रिकवरेबल अमाउंट है

तो हम बोलेंगे हमारा कैरिंग अमाउंट कितना आएगा हमारा कैरिंग अमाउंट थर्टी सेवन होगा आपको दिखेगा ट्वेंटी है एट हंड्रेड का गुडविल है ऐसा नहीं चलेगा आपको ये एनसीआई का गुडविल भी लेना पड़ेगा भले ही नोशनल है ये आपका रिकॉग्नाइज नहीं है पर इंपायरमेंट लॉस निकालने के लिए लेना पड़ेगा तभी वन टू वन प्रॉपर कंपेरिजन होगा क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट जो टू थाउजेंड है इसमें सब कुछ है तो इससे हमें पता चला कि इंपायरमेंट लॉस हमारा सेवन आ रहा है

2800 है हम यहाँ पर भी तो पूरा पूरा दोनों का मिला के तो थाउजेंड में से नाइन हंड्रेड इंपायरमेंट लॉस आएगा कैरिंग अमाउंट आपका गुडविल का हंड्रेड बचेगा अदर एसेट्स इम्पायर ही नहीं होगा अब ये लॉस हुआ है गुडविल का वो पैर में सेवन ट्वेंटी होगा और आपका एनसीआई में वन होगा पर जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपने रिकोग्नाइज ही नहीं किया एनसीआई का गुडविल रिकोगनाइज नहीं किया और अदर एसेट तो आपका देख सकते हो आपका अदर एसेट तो कुछ इंपायर होगी नहीं रहा तो आप भले नाइन का इम्पायरमेंट लॉस निकाला पर सेवन ट्वेंटी आपका पेरेंट में एलोकेट होगा बाकी वन एट्टी आपका एनसीआई में एलोकेट नहीं होगा तो ये आप एक बार जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन काफी सिंपल है बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका एनसीआई का जो गुडविल पहले एड करके

ट्वेंटी एट हंड्रेड का आप बोलते क्या है रिकवरेबल अमाउंट आप बोलते हैं सेवन हंड्रेड का इम्पायरमेंट लॉस हुआ है और आप क्या करते पेरेंट का एट हंड्रेड जो गुडविल है उसमें सेवन हंड्रेड आप इम्पायरमेंट लॉस बुक करके इसका हंड्रेड का गुडविल निकालते जो कि सही नहीं है क्योंकि इनका अगर आप देखोगे इनका गुडविल जो है इनका गुडविल पूरा का पूरा एलो इंपायर हो ही नहीं रहा है सेवन ट्वेंटी इम्पायर हो रहा है पर आप सेवन हंड्रेड फिर इम्पायर कर दे तो वो गलत हो जाता इसलिए हम पूरा फुल वैल्यू में ले रहे हैं बोलो तो सही है इलास्टेशन ट्वेंटी वन आ जाइए कर लेते हैं यस करवा रहा हूँ अब मोजी ट्वेंटी वन कर रहे हैं अंकित जी ने सही कहा बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी ये बताया था जो कौनसो वाला क्वेश्चन है उसमें भी बताया था यस एकदम सही कहा कि हमने वहाँ पर भी बताया था चलिए तो अब बताओ समझ में आया ना वो क्वेश्चन एक बार और बताना मुझे तो नहीं लगता बताना मुझे लगता है समझ में आ गया और अभी हम कर सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अब हम इलेन ठीक आने का या पर आ नहीं रहे आ जा आ जा। ट्वेंटी वन एक लास्ट हम करते हैं हो जाएगा ना दिक्कत तो नहीं है ना इलेस्टेशन ट्वेंटी वनलिमिटेड इज एन एंटिटी विद वेरियस सब्सिडरीज एंटिटी ने क्लोज किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट एट एवरी ईयर एंड फर्स्ट जुलाई को इसने एक्वायर किया एट्टी परसेंट इंटरेस्ट एक्वायर किया लिमिटेड एक्वायर किया एट लाख शेयर प्लूटो लिमिटेड का और बदले में क्या दिया पता है उनके पाँच शेयर के बदले उनको अपना दो शेयर दिया तो एट लाख शेयर्स के बदले कितना दिया होगा थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड शेयर दिया होगा हमने उनके एट लाख शेयर्स एक्वायर किए और उनको एट्टी परसेंट इंटरेस्ट लिया मतलब टोटल उनके टेन लाख शेयर्स थे बोले एनसीआई के पास कितना सेट्स होगा एनसीआई के पास टू लाख से क्योंकि एट्टी परसेंट में एट लाख एक्वायर किया हमने तो थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड सेट्स हम अपना दे रहे हैं क्योंकि उनके पांच सैर के बदले अपना हम दो सैर दे रहे हैं तो थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड सेट्स हम अपना दे रहे हो हमारा एक शेर का दम फोर है तो पीसी कितना आया थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड इंटू फोर एटी आएगा सर ट्वेल्ल लाख एटी थाउजेंड पी सी आएगा तो ट्वेल्व लाख एटी थाउजेंड हमारा पीसी है अब इशू कॉस्ट बता दिया फाइव परसेंट क्या करें इसका भूल गए बिजनेस कॉम्बिनेशन इशू कॉस्ट हो गया है ना ट्रांजेक्शन कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सब पीएनएल में जाते हैं ये इशू कॉस्ट पीएनएल में जाएगा ये भी प्रोफेशनल कॉस्ट पीएनएल में जाएगा बिजनेस कॉम्बिनेशन सब पीएनएल में जाएंगे ये फिर आगे बोला आइडेंटिफाइबल थर्टीन लाख है मिलियन यानी लाख है एनसीआई को ये क्या कर रहे हैं फेयर वैल्यू में मेजर कर रहे हैं और उसके लिए हमें क्या चाहिए एनसीआई के टू लाख शेयर है से। और एक्वायरी का एक शेयर का दाम बता दिया प्लूटो का वन पॉइंट फोर टू लाख इंटू वन पॉइंट फोर कितना होगा ट्वेंटी तो 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 का फेयर वैल्यू टू लाख से मल्टीप्लाई करके लाख का, का फेयर वैल्यू हमारे हक में इतना आया और हमने इसके लिए पैसा कितना दिया ट्वेल्व लाख एट्टी थाउजेंड दिया टू लाख सिक्सटी थाउजेंड हमारा ये देख लो टू लाख सिक्सटी थाउजेंड हमारा गुडविल

एंटायर इंपेयरमेंट ऑफ फोर थाउजेंड गुडविल में एलोकेट होगा मैंने बताया टीजू थ्री में 1, 2, में से गुडविल को करेंगे। बाकी 50, अदर एसेट्स को करेंगे करेंगे बाकी अदर एसेट्स और अगर आप बोलोगे ओवरऑल एनसीआई में भी तो कौन सो करने के लिए करना गुडविल तो चलो एसेट को ठीक कर देंगे अब एसेट का जो गुडविल है क्या पूरा पीएनएल में चार्ज करोगे क्या आपका लॉस मैंने माना एसेट को कम करेगा सारा पर लॉस पीएनएल में तो जाएगा पूरा पीएनएल में नहीं जाएगा एनसीआई में भी कुछ जाएगा आपका तो पहले तो हम क्या करेंगे और वो इम्पायरमेंट लॉस हमारा पूरा पीनल जाएगा, उसका ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट हमारा क्या जाएगा एनसीआई में भी जाएगा तो क्लोजिंग गुडविल हमारा क्या होगा वो तो यहीं से पता चल रहा है वन लाख इसका गुडविल है टू लाख फोर थाउजेंड हो गया और ये जीरो टू लाख फोर थाउजेंड आपका गुडविल रहेगा ये देखो और आई एन ए कितना रहेगा इलेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड और इधर फोर लाखेंड फिफ्टी लाखेंड आपका आ गया क्वेश्चन मैंने समझा दिया क्वेश्चन ने पूछा क्या है कैरिंग वैल्यू ऑफ गुडविल बताओ हमने बता दिया फिर कंप्यूट द टोटल इम्पायरमेंट लॉस रिजल्ट ऑफ द आइडेंटिफाइंग फॉर हाउ मच ऑफ दिस लॉस वुड बी टू एनसीए हम बता देंगे टोटल इम्पायरमेंट लॉस तो हमने बता ही देना है कितना वन लाख सिक्स थाउजेंड है टोटल इम्पायरमेंट लॉस और एनसीआई में जाएगा वन लाख सिक्स थाउजेंड का ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी जो पूछा है वो हम बता देंगे और गुडविल का कैरिंग वैल्यू पूछा फॉलोइंग द इम्पायरमेंट रिव्यू इम्पायरमेंट के बाद एम्पायरमेंट के बाद गुडविल का कैरिंग अमाउंट क्या होगा वन लाख फोर थाउजेंड वन लैख और जीरो टू लाख फोर थाउजेंड होगा टू लाख फोर थाउजेंड होगा सही है बोलो आराम से प्रेजेंट कर लोगे मैंने रफ में करवा दिया फटाफट बोलो जी हाँ या ना आई थिंक इंडेस थर्टी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन मैंने हमने खल्लास कर दिया कुछ भी छोड़ा नहीं हमने और ये मोर देन इनफ है बोलो नेक्स्ट इंडेस पे जाए इतना भी कर लो मैंने देखा है इतना ही तेज पढ़ा दो एक चैप्टर हमारा एक घंटा ले रहा है एक चैप्टर हमारा एक घंटा ले रहा है आई थिंक सही है बोलो थर्टी सिक्स हो गया शशि कुमार जी ऑलरेडी तो इंडिया नाइनटीन अच्छे से पढ़ा दिया तो जो ट्वेंटी फोर की आप बात करो वो तो बहुत सिंपल है उससे हैवी क्वेश्चन हमने कर लिया है ना तो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो यार जिसने भी लाइक नहीं किया जिसको भी समझ में आ रहा है लाइक करना जरूर से वीडियो को लाइक्स काफी कम है एज कम्पेयर टू तो व्यूअर्स तो अभी हम वन जीरो फाइव में आते हैं चलो वन जीरो फाइव में आते हैं। एक से मैं उनको थोड़ा सा कॉफी बनाने बोलता हूँ फिर हम स्टार्ट हैं चलो नेक्स्ट वन जीरो फाइव करेंगे ना लिंक है ना ट्वेंटी तो थ्री कैसे पहले करेंगे वन जीरो फाइव का लिंक है इंपायरमेंट इम्पायरमेंट पढ़ रहे हैं वही करेंगे ना पहले चलिए इंडेक्स वन जीरो फाइव मैं आपको बता देता हूँ मेरी बात ध्यान से सुन लो कौन से कौन से आइटम है जो इसमें कवर नहीं होते ध्यान से याद रखना आपको डेफर टैक्स एसेट डी कभी नहीं आएगा इन्वेंट्री भी नहीं आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट भी नहीं आएगा कोई भी फाइनेंशियल एसेट नहीं आएंगे करंट एसेट मैंने कहा ना कोई भी इन्वेंट्री वगैरह जो भी करंट एसेट से नहीं आएगा है ना बायोलॉजिकल एसेट भी नहीं आएगा फाइनेंशियल एसेट नहीं आएगा खासकर ध्यान रखना डी टी ए फाइनेंशियल एसेट प्लान एसेट्स इन्वेंट्री ये सब नहीं कवर होते इसमें क्योंकि नॉन करंट एसेट्स ही इसमें कवर होते करंट एसेट तो होंगे भी नहीं और डी टी ए फाइनेंशियल एसेट ये सब इंडस थर्टी सिक्स में भी कवर नहीं हो रहे थे यहाँ पर भी कवर नहीं होते तो यहाँ पर इंडक्स वन जीरो फाइव में कब आएगा कब इंडक्स वन जीरो फाइव की जरूरत होगी जब कोई नॉन करंट एसेट ऐसा है जो पहले हम यूज़ करते थे अब हमने हमने उसे यूज करना बंद कर दिया है अब वो अवेलेबल है फॉर इमीडिएट सेल के लिए अब हमने उसे क्लासीफाई कर दिया फॉर सेल अगर हम एसेट्स को क्लासीफाई कर देते हैं फॉर सेल तो ऐसा सिचुएशन में पता है क्या होता है जिस दिन आप एसेट को क्लासीफाई करोगे सेल्ड फॉर सेल उस दिन आप क्या करोगे उसका कैरिंग अमाउंट तो जो रहेगा रहेगा

तो ये याद रखना आपको कि डेप्रिशिएशन आपका स्टॉप हो जाएगा उसमें कोई दूसरे स्टैंडर्ड नहीं लगेगा उसमें आगे जाके इंडस वन जीरो फाइव के हिसाब से वो सिर्फ एम्पायर हो सकता है हाँ बाकी जैसे इन्वेंट्री वगैरह ये सब का वैल्यू आपका अपडेट होते रहेगा क्योंकि ये सब बस सहारा देगा एम्पायरमेंट करने के लिए ये सब इन्वेंट्रीज वगैरह इंडस्ट वन जीरो फाइव अप्लाई नहीं होता इन्वेंट्रीज वगैरह में बट ये जब सी जी ओ पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं एम्पायरमेंट तो ये सब हेल्प करते हैं इंपायरमेंट करने की तो इसका अपडेटेड कैरिंग अमाउंट हमें जो मिलेगा वो हमें लेना होता है यहाँ पर तो यहां पर मैं आपको करवाता हूं सबसे पहले एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं डिस्पोजल ग्रुप वगैरह सीधा मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको मैं ये देखो यहां पर एक तो यहां पर मिस्टेक थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू होना चाहिए ये वाला जो डेटा में मिस्टेक दिया हुआ दियान वन हम देखते हैं एनटीटी एबीसी ने ओन किया प्रॉपर्टी और बता दिया थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू को इसका कैरिंग अमाउंट कितने का है सिक्स लाख रुपीज का ट्वेल्व लाख का कॉस्ट था डॉप्रीशियन सिक्स लाख हुआ कैरिंग अमाउंट सिक्स लाख रुपीज का तो an so आपका ट से डेप्रिशन हो रहा है एन कर. टी एबीसी क्लोज करता है थर्टी फर्स्ट मार्च ईच ईयर को ड्यूरिंग जुलाई टू थाउजेंड टू एन टी एबीसी ने डिसाइड किया कि वो एसेट को बेचेगा और उसी दिन फर्स्ट अगस्त को इट मीड्स द कंडीशन टू बी क्लासीफाइड तो फर्स्ट अगस्ट को यह क्लासीफाई हो गया एस हेल्थ फोर सेल ये वाला क्वेश्चन नहीं था जो मैं कराना चाहता था क्योंकि तो, ये वाला क्वेश्चन नहीं था वो क्वेश्चन तो सिंपल है ये वाला क्वेश्चन था यस इसमें पहले आपका नॉन करेंट एसेट्सल क्लासीफाई होगा फिर रिवर्स भी होगा यस ये वाला क्वेश्चन मुझे कराना है तो ये आप खुद ही कर लोगे इसमें कुछ दम नहीं है ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें क्लासिफाई भी होगा फिर रिवर्सल भी होगा आपका देखो एस लिमिटेड ने प्रॉपर्टी परचेज किया सिक्स ,00 लाख में अप्रैल को यूजफुल लाइफ कितनी है 15 की है दो साल के बाद आपने क्लासिफाई कर दिया हेल्थ फोर सेल तो दो साल का तो डेप्रिशिएशन भी होगा सिक्स लाख डिवाइड बाई फिफ्टीन यानी एवरी ईयर फोर्टी थाउजेंड्रीशन होगा तो दो बार फोर्टी थाउजेंड करके डप्रिशिएशन हुआ हमने कैरिंग अमाउंट पता कर लिया अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपका रिकवरेबल अमाउंट दिया है फोर लाख सेवेंटी थाउजेंड तो ये इंडेस थर्टी सिक्स के हिसाब से का तो हमने रिकवरेबलेंट कर दिया फोर सेवेंटी थाउजेंड इसका रिकवरेबल फिफ्टी थाउजेंड का इंपायरमेंट ये ध्यान ये इंडेक्स थर्टी सिक्स के हिसाब से हुआ फोर लाख सेवेंटी थाउजेंड अब क्या हुआ उसी दिन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थ्री को आपका फेयर वैल्यू माइनस है और उसी दिन थर्टी फर्स्ट मार्च को आपने क्या क्या पता है क्वेश्चन यहाँ पर कुछ एक चीज दिया नहीं है क्या यस दिया हुआ ये थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थ्री को आपने प्रॉपर्टी को क्लासीफाई किया हेल्ड है, फोर सेल और उस दिन फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल है फोर लाख सिक्सटी थाउजेंड तो फोर लाख सेवेंटी थाउजेंड तो हमारा आ रहा था वैल्यू न्यूज को भी साथ में लेने पर इंडेक्स थर्टी सिक्स के हिसाब से आ रहा था हम इसे फोर लाख सिक्सटी थाउजेंड में पहुंचाएंगे क्योंकि हमने एसेट को क्लासीफाई कर दिया हेल्ड है, फोर सेल तो हम बोलेंगे टेन थाउजेंड आपका फर्दर इंपायरमेंट हुआ है 105 के हिसाब से तो आप समझिए फिफ्टी थाउजेंड इंपायरमेंट हुआ इंडस थर्टी सिक्स के हिसाब से और हुआ 105 के हिसाब से और आपका थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थ्री को एसेट हेल्ड फॉर सेल में दिखेगा फोर लाख सिक्सटी थाउजेंड नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल फोर लाख सिक्सटी थाउजेंड का दिखेगा फिर क्या हुआ नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं फाइव लाख इसका रिकवरेबल अमाउंट नेक्स्ट ईयर आपका रिकवरेबल अमाउंट कितना है फाइव लाख और क्वेश्चन ने ये भी बोला कि अब ये हेल्ड फोर सेल क्राइटेरिया को मीट नहीं करते तो जब आगे जाके फर्दर हेल्ड फोर सेल क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तब पता है हम क्या करते हैं हम कैरिंग अमाउंट वो वाला निकालते हेड देयर बिन नो क्लासिफिकेशन हेड एस हेल्ड फोर सेल अगर शुरुआत से क्लासिफाइड हेल्ड फोर सेल नहीं होता तो क्या होता तब हम इसको थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड थ्री को इसका कैरिंग अमाउंट ये मानते हैं क्योंकि ये तो फिफ्टी थाउजेंड ऐसे भी इंपायरमेंट होता है के हिसाब से हम इसका कैरिंग अमाउंट मानते हैं और रिमेनिंग लाइफ थर्टीन ईयर बचता तो फोर लाख सेवेंटी थाउजेंड आपका रहता और थर्टीन ईयर्स में ये एक साल का वोट अप्रिशिएशन होता और इसकी कैरिंग अमाउंट आज के डेट में इतनी होती तो कहने का मतलब ये कि आपका अगर मान लो कभी भी हेल्ड फोर सेल नहीं होता तो आज के डेट में इसका कैरिंग अमाउंट हमारा इतना होता ये हमने पता कर लिया अब हम क्या करेंगे जो हमारा एसेट का है ना, इसको हम इतना में लेके आएंगे मतलब हम लॉस कितना बुक समझ आए ये आपका इम्पायरमेंट लॉस एज पर इंडस वन जीरो नहीं है आप इसको एज पर आप बोल सकते हो इंडस थर्टी सिक्स हम इतना चार्ज तो अगर मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप वापस से रिवर्सल करो क्राइटेरिया फॉर हेल्थ फॉर सेल नहीं मीट कर रहा है तो अब इस फोर लाख सिक्सटी थाउजेंड का काम नहीं है हम फोर लाख सेवेंटी में डप्रीसिएशन करके वैल्यू निकालेंगे हाँ ये आपके बुक्स में ये दिख रहा है अब ये बुक से इतने में आ जाएगा बस इतना ही है तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप आराम से अब कर लोगे अब एक क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन है ये वाला कराऊंगा ये मास्टर्स हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में तो टेन टू ट्वेल्व मार्क्स का मिनिमम आएगा लास्ट पार्ट इतना ही रिपीट करना आपको ये ध्यान में रखना है आप निकालोगे अगर कभी भी ये क्लासिफाई होता ही नहीं है सेल्ड फोर्स तो उसकी आज की डेट में कैरिंग अमाउंट कितनी होती तो इतनी होती ना उसकी कैरिंग अमाउंट तो यही आपके बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए पर बुक्स में तो आपने इतना रिकॉर्ड कर रखा हुआ है तो आप यहां से यहां पहुंचोगे यानी कितना इंपायरमेंट करोगे इतना करोगे बस डन अभी रिकवरेबल अमाउंट का क्या काम है ही नहीं वहां पे रिकवरेबल अमाउंट तो कुछ दिया हुआ नहीं सीधा फाइव लाख वही तो रिकवरेबल अमाउंट इसलिए तो बोला ये रिकवरेबल अमाउंट इंडस थर्टी सिक्स के हिसाब से तो है अब जितना रिकवरेबल अमाउंट है थोड़े ना उतना तक पहुंचेंगे हम तो रिवर्सल ही कर सकते इससे ज़्यादा थोड़े ना हम करेंगे तो रिवर्सल के लिए तो हमने ले लिया ऐसे भी अगर कोई इंपायरमेंट लॉस होता ही नहीं तो आज के डेट में कितना वैल्यू होता और अगर आप हाँ एक बात और है जो आई सी ने बुक में नहीं किया हुआ है एक बात किसी ने अच्छी बात कही है कि अगर आपका फाइव लाख का रिकवरेबल अमाउंट है और इंडिकेशन ऑफ रिवर्सल का बारे में बोला जाता तब हम एक चीज़ और करते हैं कि ये जो फिफ्टी थाउजेंड हमने इंडिया सिक्स के हिसाब से इंपायरमेंट लॉस पहले बुक किया था ना इसको भी हम रिवर्सल कर सकते थे वो भी रिवर्सल होना पॉसिबल हो सकता था ये हमने एक बार तो निकाल लिया यहाँ तक पहुँच गए यहाँ से हम रिवर्सल कर सकते जो हमने पहले फिफ्टी थाउजेंड किया था वो रिवर्सल भी पॉसिबल है बट ये क्वेश्चन इग्नोर किया तो हम भी इग्नोर ही कर रहे हैं बट जिसने बोला अच्छा बोला कौन था स्परिचुअल जी यस yes, आपने सही बोला ये चीज़ बट ये आई से नहीं इग्नोर किया ये अगर वो चीज़ भी रिकवरेबल अमाउंट को कंसिडर करके अगर हम करते भी ना तो पता हम क्या चीज़ करते हैं ये फिफ्टी थाउजेंड जो है ना इसमें लाइफ हम देखते हैं लाइफ कितना बचा हुआ है इसका तेरह साल बचा हुआ है तो फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय थर्टीन इनटू एक साल बीता ना इनटू ट्वेल्व यानी फोर सिक्स वन फाइव थ्री तक हम रिवर्स कर सकते हैं तो फोर डबल थ्री एट फोर सिक्स यस पूरा आपका रिवर्स हो जाता था पूरा आपका है ना इसमें कितना रिवर्सल होता बता है बताए फोर सिक्स वन फाइव थ्री आपका रिवर्सल हो सकता था बट सी ने नहीं किया मैं नया वाला मटेरियल में भी देखता हूँ नया मटेरियल, नया मटेरियल में एक बार देखता हूँ फोर सिक्स वन फाइव थ्री रिवर्स हो जाना था नहीं रिकवरेबल अमाउंट को ध्यान में रख पहले तो नहीं किया हुआ था अभी देखता हूँ नहीं नहीं किया देखो आईसी ने किया नहीं आईसी ने उस चीज को इग्नोर किया है इसलिए हम भी इग्नोर कर रहे और रिवर्सल के बारे में कुछ बोला भी तो नहीं है ना नहीं तो होता वो ठीक है समझ आया विकास जी सही कहा हुआ है सर कहां किया हुआ है नहीं किया हुआ ना कहाँ रिवर्सल किया हुआ है समझ में आया मतलब रिवर्सल नहीं हुआ जो पहले इंपायरमेंट फिफ्टी था है ना वो रिवर्सल हो सकता था वो नहीं हुआ है और आईसी ने नहीं किया ये चीज को कंसीडर नहीं किया गलती है आईसीए की बोलो जल्दी नहीं समझे क्या बोलना ही नहीं था ऐसे इसलिए तो मैं बोलता नहीं हूँ कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते फिर यस रिवर्सल का इंडिकेशन इसलिए नहीं किया होगा जो भी हो एक्स वाई जेड नहीं किया होगा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है सीधी सी बात है और बाकी लोग इग्नोर करो जिसको समझ नहीं है वो इग्नोर करो उनका थोड़ा सा भी कंसेप्ट ठीक है काम चलाओ चल रहे चलने दो तो उतना और ज़्यादा डीप मत जाओ अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर फोर देखते ये अच्छा क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है देखो और ये सिंपल भी है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड वन को कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है देखो। गुडविल का दिया हुआ आपका एलिजिबल नहीं है एसेट एलिजिबल नहीं है करेंट एलिजिबल नहीं है करंट लाइबिलिटी प्रोविजन ये सब में इंडे वन जीरो में इंडीरोन से को एंटिटी ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस को बेचेगा और क्लासीफाई करना चाहता है वन जीरो फाइव उस दिन डिस्पोजल ग्रुप का सभी का कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है सभी का देखो कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है हमारा और क्वेश्चन ने बता भी दिया कि आप बेचोगे नाइनटीन लाख में आपका बिक जाएगा ये सेलिंग आपका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और कॉस्ट टू सेल है सेवेंटी थाउजेंड यानी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल कितना हो गया आप देख लो एटीन लाख थर्टी थाउजेंड है तो पहले तो हम क्या करेंगे सभी का कैरिंग अमाउंट लेंगे सभी का कैरिंग अमाउंट लिख लेंगे टू हंड्रेड नाइन थर्टी थ्री सिक्सटी थाउजेंड ट्वेंटी सारा लिख लिया मैंने

अच्छा वन थर्टी जो एलिजिबल एसेट है जैसे इंटेंजिबल और पीपी उसमें हम प्रो डाटा एलोकेट कर देंगे उनके रेस्पेक्टिव कैरिंग अमाउंट में प्रो डाटा हमने एलोकेट कर दिया बस बात खत्म बाकी में तो देखो बाकी में तो लगी नहीं इसमें लगता ही नहीं है बाकी तो एलिजिबल एसेट नहीं है ना बाकी में तो एलोकेट होगा ही नहीं तो जो एलिजिबल वाले है सिर्फ और सिर्फ उसी में ही एलोकेट होगा हो तो ऐसे करके मैंने रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल लिया अब मेरी बात आगे ध्यान से सुनो अब नेक्स्ट ईयर भी ध्यान से सुना मेरी बात नेक्स्ट ईयर जो आपका एलिजिबल आइटम है उसको अपडेट करना नहीं क्योंकि eligible item में इसमें आगे आगे जाके जाके भी index 105 भी लगेगा भी लगेगा लेकिन बाकी फाइनेंशियल करेंट लाइबिलिटी प्रोविजन ये तो बस सहारे के लिए और ये आगे जाके अपडेट हो सकते हैं ना अगले साल तो अब देखो अगले साल का इन्होंने डेटा दिया में March का, का अमाउंट दिया है लेकिन इन्होंने पता है इंटेंजिबल एसेट और पीपी -पी का कैरिंग अमाउंट नहीं दिया पर एग्जाम में आपको गुमराह करने के लिए यहां पर इंटेंजिबल एसेट और पीपी -पी का भी अगर कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है उसे इग्नोर करना इंटेंजिबल एसेट पीपी -पी का कैरिंग अमाउंट पिछले टर्म का जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट है वही रहेगा क्योंकि उस पर इंट्रेस वन जीरो स्टैंडर्ड नहीं लगता है अब बाकी सबको अपडेटेड लेना है बाकी सब आपका सहारा दे रहा है इंपायर करने के लिए तो अब थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू को जब हम कैरिंग अमाउंट लेंगे गुडविल तो जीरो होगा रिवर्स होता नहीं है ये दोनों एज इट इज लेंगे बाकी की जगह पे ये वैल्यू लेंगे है ना तो अब देखो यहाँ पर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू को मैंने इंटेंजिबल एसेट और पीपी वही का वही वैल्यू लिया बाकी फोर हंड्रेड टेन टू थर्टी ये सब जो दिख रहा है ना आपको ये अपडेटेड वैल्यू है जो एलिजिबल नहीं होता वो हम अपडेटेड लेते हैं

हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया तो ये क्वेश्चन सिंपल है ये क्वेश्चन आपको एकदम सिंपल है इसमें बस एक दो बातों को ध्यान में रखना है एलिजिबल आइटम को ही इम्पेयर करोगे बाकी चीजों को नहीं करोगे और आपका जो एलिजिबल नहीं है जैसे इन्वेंट्री वगैरह उसका अपडेट होगा कैरिंग अमाउंट बट पीपी इंटेंजिबल एसेट ये सब का कैरिंग अमाउंट अपडेट नहीं होगा वो वन जीरो फाइव के हिसाब से चलेगा और ये भी याद रखना पीपी इंटेंजिबल एसेट वगैरह में आगे डेप्रिशिएशन भी नहीं होगा है ना अब देखो यहाँ पर हमने सारा वो चीज़ क्लियर कर लिया जो जो मुझे लगता है आपको दिक्कत है वो मैंने सारा क्लियर करा दिया अब एक और अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाना चाहता हूँ देखो मैं सभी चीज़ें तो कवर नहीं करा रहा ठीक है अभी अभी मैं वही वही चीज़ें कवर करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में मुझे लगता है पूछा जा सकता है वही चीज़ों में अभी हम स्टिक रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे को और अच्छा क्वेश्चन बताने को तो बहुत कुछ रहता है बट फाइन अभी वन जीरो समझ में आया ना अगर समझ में आया तो लाइक करिएगा नहीं समझ में आया डिसलाइक करिएगा बट कोई भी लाइक किए बगैर नहीं जाएगा या डिसलाइक किए बगैर नहीं जाएगा ठीक है समझ में आया तो तो इंडेक्स थर्टी सिक्स में अब अच्छा इंडेस थर्टी सिक्स में इंडेक्स वन जीरो फाइव था ना बाकी स्मॉल इंडेस मैराथन जो ट्वेल्व वाला था वो तो देख ही होगा बारह स्मॉल इंडेक्स मैराथन जो हमने कराया था उसमें बाकी स्टैंडर्ड्स तो वो भी है अच्छे खासे है ना कितने लाइक हुआ सर देख लो आपको पता है चल जाएगा ओपन ही तो है After one zero, three minutes का buffer. आ, क्या बोलते हो चलिए करते हैं डिस्पोजल ग्रुप एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड वन देखो ट्वेंटी अच्छा ये क्वेश्चन ही था ये वाला था अभी दिमाग कहाँ कहाँ चला जाता है देखो क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं अभी हम सी के लिमिटेड ने प्रिपेयर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंडस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ठीक है कर लेते हैं फॉर द क्वार्टर ईयर एंडेड 30 जून 2001 ड्यूरिंग द टू ड्यूरिंग द थ्री मंथ्स एंडेड 30 जून 2001 फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर्ड 1 अप्रैल 2001 को कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने एक डिवीजन को बेचेगा ऐसे गोइंग कंसर्न वो बेच देगा फॉलोइंग अ रीसेंट चेंज इन ज्योग्राफिकल फोकस हम मानेंगे ये आपका सेपरेट ट है सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है आपका और इसे हम क्या मानेंगे डिसकंटिन्यूड एक ऑपरेशन मानेंगे और इसे हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कह सकते हैं तो जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन होता है उसका हमें डिस्क्लोजर भी करना होता है ठीक है द प्रोपोजल वुड इन्वॉल्व द बायर एक्वायरिंग द नॉन नॉ एसेट इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ द डिवीजन विद द कंपनी कलेक्टिंग एनी आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिस रिलेटिंग टू द डिवीजन ऑन फर्स्ट अप्रैल कैरिंग अमाउंट कितना दिया हुआ है परचेज गुडविल का काउजेंड है इन्वेंट्री का इतना है तो पूरे सीजू का कैरिंग अमाउंट कितना हो गया थर्टी लाख सिक्सटी थाउजेंड होगी कैरिंग अमाउंट पूरे सीज्यू का फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन को थर्टी लाख सिक्सेंड होगी फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन स्टार्टेड टू एक्टिवली मार्केट द डिवीजन एंड हैज इसीव नंबर ऑफ सीरियस इंक्वायरीज मतलब आप जैसे कुछ कुछ कंडीशन था टू बी क्लासिफाइड एज हेल्थ फॉर सेल है ना जहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए इमीडिएट सेल के लिए आप कस्टमर को एक्टिवली ढूंढ रहे हो आपको लगता है एक साल के अंदर सेल ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कंडीशन सारी चीज़ें फुलफिल होती है तो हम हेल्थ फोर सेल क्लासीफाई करते हैं और इन्होंने बोल भी दिया कि फर्स्ट अप्रैल को हम एक्टिवली मार्केट कर रहे हैं सेल करने के लिए और हमें बहुत सारी इंक्वायरीज भी मिली है और फर्स्ट अप्रैल को ही डायरेक्टर ने एस्टिमेट किया इसका रिकवरेबल अमाउंट रिकवरेबल नहीं फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल बोल सकते सेल प्राइस लाख लाख इन्हें मिल जाएगा बेचने पर तो आप देखो कैरिंग अमाउंट ,00 है फेयर तो कोई को भी इंपायरमेंट नहीं होगा वही चीज मैंने यहां पर लिखा हुआ है देखो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन को हमने क्लासीफाई कर दिया डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कोई कर दिया कैरिंग थर्टी लाख सिक्सेंड है वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल लाख मतलब कोई इम्पाट लॉस नहीं होगा और कैरिंग अमाउंट हमारा थर्टी लाखी थाउजेंड ही रहेगा अब मेरी बात ध्यान से सुनो आगे लेटर ऑन क्या गुडविल हम अपडेट कर सकते नहीं ये एलिजिबल आइटम है इसमें आगे भी इंडस वन जीरो फाइव चलेगा क्या हम पीपी अपडेट कर सकते नहीं कर सकते ये भी सेम चलेगा बट क्या मैं इन्वेंट्री को आगे जाकर अपडेट करूंगा यस ये इंडस टू के हिसाब से अपडेट हो सकता है ये दोनों अपडेट नहीं होंगे

कैन बी एज्यूम टू बी रीजनेबल एस्टिमेट एज ऑन थर्टी जून टू थाउजेंड वन आपको थर्टी जून टू थाउजेंड वन का ही रिपोर्ट करने को बोल रहे हैं और इन्होंने बोला थर्टी जून टू थाउजेंड वन को आपका रीजनेबल एस्टिमेट है कि थर्टी थ्री लाख इसका फर्स्ट अप्रैल से थर्टी जून के बीच में इन्वेंट्रीज एट लाख रुपीज का ट्वेल्व लाख में बेचा गया है और थर्टी जून को इन्वेंट्री कितने का है नाइन लाख का है तो बताओ ये तो लेंगे मैंने कहा ना इन्वेंट्री अपडेट हो जाएगा और थर्टी जून का इन्वेंट्री कितना दिया नाइन लाख दिया तो आप मुझे बताइए थर्टी जून को हमें रिपोर्ट करना है गुडविल तो एज इट इज ही रहेगा हमारा पीपी भी हमारा एज इट इज रहेगा बदल नहीं सकता इन्वेंट्री हम अपडेटेड लेंगे जो कि क्वेश्चन ने दिया हुआ नाइन लाख हम ये ले लेंगे तो हमारा कैरिंग अमाउंट आ रहा है ट्वेंटी नाइन लाख सिक्सटी थाउजेंड वेर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल हमें बोला थर्टी थ्री लाख लीजिए अब अगस्त जून को भी वो अगस्त वाले एस्टिमेट है तो यहाँ पर भी कोई इंपेयरमेंट नहीं हो रहा है आपका कैरिंग अमाउंट ट्वेंटी नाइन लाख सिक्सटी थाउजेंड का ही पड़ा हुआ रहेगा तो एक तो आपको ये प्रेजेंटेशन बताना दोनों मामले में बोला फर्स्ट अप्रैल को भी जब आपने क्लासीफाई किया हेल्ड फोर्स सेल तब भी इंपेयरमेंट नहीं हो रहा है और थर्टी जून को रिपोर्ट करना है तब भी इम्पेयरमेंट नहीं हो रहा है और इसके अलावा आप एक दो चीज ये लिखने के बाद आप क्या करोगे पता है मैं एक दो लाइन अंडरलाइन करवा दे रहा हूँ जो आप एग्जाम में लिख के आना देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक तो आप वो प्रेजेंटेशन कर ही लोगे और अब यहाँ पर ही लिखोगे कि ये सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है और इस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन रिगार्ड करोगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन मानोगे और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में हम क्या करते हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है पोस्ट टैक्स प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसे हम सिंगल अमाउंट दिखाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी में सिंगल अमाउंट में हम डिस्क्लोज करते हैं तो ये थ्योरी में पढ़ाया हुआ बट अभी इतना टाइम नहीं है तो अभी इतना बस समझ लो कि जो भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से आप प्रॉफिट या लॉस अर्न करते हो या इनकर करते हो उसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करते हो ऐसे सेपरेट लाइन आइटम है ना सिंगल अमाउंट में सिंगल अमाउंट में डिस्क्लोज करोगे आप और इंडे थर्टी थ्री के हिसाब से भी हमने जिससे पढ़ा था इंडेस थर्टी थ्री में इंडस थर्टी थ्री के हिसाब से हम तीन प्रकार का ईपीएस दिखाते हैं एक ईपीएस दिखाते कंटिन्यूड ऑपरेशन का एक ईपीएस दिखाते डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का एक ईपीएस दिखाते बोथ तो यहाँ पर उस हिसाब से डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का भी हमें ईपीएस डिस्क्लोज करना है सेपरेटली तो ये लाइन भी आपके एग्जाम में आना चाहिए तो ये वाला पार्ट आपके एग्जाम में आएगा अपार्ट फ्रॉम जो मैंने में आपको बताया उसके शीट के फेस में सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं मेजर क्लासेस को नोट्स में दिखा दो आप सीधा एक सिंगल लाइन में आप दिखा सकते हो एसेट हेल्ड फॉर सेल करके इतने का आप दिखा सकते हो बैलेंस शीट में अदर करंट एसेट के अंदर नीचे आप चाहो तो इसको अलग अलग हेड में भी दिखा सकते हो या फिर आप सिंगल एक वैल्यू दिखा सकते हो की में। बाकी इसका अब में कर देखो गुडविल आपका नॉन करेंट एसेट है। ये तो कभी होता ही नहीं है ये आपका अगर इन, अगर ये सेल हो गया तो इंडेक्स वन जीरो इम्पायर कर सकता बाकी कोई हाथ भी नहीं लगा सकता मतलब ये समझ लो प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंटेंजिबल एसेट्स और गुडविल ये सब वो आइटम हो गए जो एक बार हेल्थ फॉर सेल क्लासिफाई हो गया तो उनको 105 के अलावा कोई दूसरा इंसान हाथ नहीं लगा सकता 105 भी प्यार करेगा मारेगा प्यार करेगा जो भी करेगा 105 भी करेगा और बाकी आप समझ लो जो इन्वेंट्री वगैरह है वो बस 105 को सहारा दे रहे इंपायर करने के लिए वो अपने अपने मतलब होते ना वो दूसरे की बीवी है वो बस इसको सहारा दे रही है उसका दुख दर बांट रही है मतलब बेस्ट फ्रेंड है समझ लो है ना बाकी वो किसी और की है वो अपने अपने इंडेक्स की है ना तो उसको बस हम सहारा लेते हैं इम्पायर करने के लिए वो इम्पायर नहीं होता है बस हमने उसका सहारा लिया उसको हमने कभी इम्पायर नहीं किया था इसलिए उसकी अमाउंट तो अपडेट होती जाएगी हमने थोड़ा ना इन्वेंट्री को एम्पायर किया हमने तो इन्वेंट्री का बस सहारा लिया है टीटी का हम सहारा ले रहे हैं इंपायर थोड़े ना कर रहे तो दूसरे इंडेक्स के हिसाब से तो वो अपडेट हो आएगा इसलिए वो अपडेट होते रहते हैं है ना समझ में आ गया चलो डन दूसरे का प्यार है वो यहां पर इसका कोई काम नहीं चलो जी तो वन जीरो फाइव में मुझे अब और मैं आपको थ्योरी तो नहीं बताऊंगा यहाँ पर एसेट आपका अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल होना चाहिए तभी देखो इंडे वन जीरो फाइव तभी अप्लाई होगा आप हेल्थ फॉर सेल तभी क्लासीफाई कर सकते हो जब वो जो अभी फिलहाल की प्रेजेंट कंडीशन है उसी प्रेजेंट कंडीशन में अगर वो अवेलेबल है इमीडिएट सेल के लिए और सेल भी हाईली प्रोबेबल होना चाहिए दैट इज एंटिटी कमिटेड है और वो एक्टिवली मार्केटिंग कर रही है है ना और रीजनेबल प्राइस में बेचना चाह रही है ऐसा नहीं उल्टा पुलटा महंगा प्राइस बता रही है वन ईयर में कंप्लीट हो जाएगा और ये विड्रॉल नहीं करेगी तो ये सब थ्योरी इतना काम का नहीं है चलो तो वन जीरो फाइव हमारा कंप्लीट होता है ठीक है इसमें एक क्वेश्चन वो सिंपल सा था जो मैंने नहीं कराया क्योंकि इसका बाप मैंने करवा दिया तो क्वेश्चन नंबर थ्री आप चाहो तो सेल्फ कर लेना इसके बाप को करवा दिया तो इसको करवाने की आवश्यकता नहीं लगी मुझे इसके बड़े पापा को करवा दिया हमने ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आप खुद से कर लीजिएगा सही कहा आपने अभी जीत तुझे चाहता कोई और है ना तो चलो अभी हम नेक्स्ट करेंगे व्हाट इंडस ट्वेंटी थ्री हम नेक्स्ट करेंगे एक मिनट रुक जाना

वो एंटिटी जस्टिफाई करेगी एंटिटी को लगता है एट मंथ भी सब्सटेंशियल पीरियड है तो वो भी सब्सटेंशियल पीरियड मान लिया जाएगा यानी आप एसेट्स को कंस्ट्रक्ट करोगे करोगे एक्वायर प्रोड्यूस करोगे एसेट को और वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहे अगर तो ऐसे सिचुएशन में उससे रिलेटेड जो भी आपका बोरिंग का कॉस्ट लगा वो पीएनएल में चार्ज नहीं होते हुए हम क्या करेंगे उसे कैपिटलाइज करेंगे अब यहाँ पर अब एक दो मुद्दा और आते हैं यहाँ पर एक दो मुद्दा और यहाँ पर ये आता है कि आपका जो बोरिंग कॉस्ट है वो कब से कैपिटलाइज होगा आपका

टेन लाख रुपीज़ मैंने बोरो किया स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए मैंने टेन लाख रुपीज़ बोरो किया अब लेकिन मेरा भी फिलहाल फोर लाख रुपीज़ ही खर्चा हुआ है सिक्स लाख रुपीज़ मेरा पड़ा हुआ अभी तक खर्चा नहीं वो बाद में खर्चा होगा तो स्पेसिफिक बोरिंग में फिर भी हम पूरा का पूरा टेन लाख का इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज कर सकते हैं हाँ जनरल बोरिंग में जितना हम खर्चा करते हैं उतना ही कैपिटलाइज कर पाते हैं बट स्पेसिफिक बोरिंग में हम क्या करेंगे भले ही हमने फोर लाख रुपीज़ खर्चा किया है बट हमने अगर टेन लाख बोरो किया स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए तो हम पूरा का पूरा टेन लाख कैपिटलाइज करेंगे बट यहाँ पर एक बात सुन लो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्रैल के मंथ में बोरो किया और अक्टूबर में मेरा फोर यूज हो गया तो उससे ज्यादा टाइम पीरियड में कैपिटलाइज कर सकता हूँ भले वो स्पेसिफिक क्यों ना हो अप्रैल से लेके अगर मेरा अक्टूबर में कंप्लीट हो गया अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का टाइम पीरियड ही मेरा कैपिटलाइज होगा उससे ज्यादा मेरा कैपिटलाइज नहीं होगा हाँ स्पेसिफिक बोरिंग के मामले में ये ध्यान रखना आप भले सारा पैसा खर्च मत करो जितना आपने बोरिंग किया उतना आप कैपिटलाइज कर सकते हो लेकिन अगर मान लीजिए उसमें से सारा पैसा खर्च नहीं हुआ और आपने आपके पास जो बचा हुआ पैसा था वो आपने टेम्परली कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया है तो जितना आपका इन्वेस्टमेंट इनकम हुआ है वो आपका उससे माइनस भी हो जाएगा यानी इन्वेस्टमेंट इनकम को आप पी में क्रेडिट नहीं करोगे क्योंकि इंटरेस्ट का खर्चा जब आपको पूरा कैपिटलाइज करने को दिया जा रहा है पीएनएल में चार्ज नहीं करो तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इनकम भी जो है वो भी आपका क्या होगा एसेट से ही एडजस्ट होगा माइनस होगा पी में क्रेडिट नहीं होगा ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बोरिंग के मामले में जनरल बोरिंग में ऐसा कुछ नहीं है जनरल बोरिंग में आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह है वो सीधा पी में क्रेडिट होगा और जनरल बोरिंग में जितना हम पैसा खर्चा करते हैं उतना ही हम रिलेटेड हम इंटरेस्ट का खर्चा हम कैपिटलाइज कर सकते हैं अब इसके बाद एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब हमारा कैपिटलाइजेशन शुरू होगा ऐसा नहीं कि कैपिटलाइजेशन जब आपने लोन लिया तब आप शुरू करोगे इसके लिए तीन कंडीशन होनी पड़ेगी जब आपका बोरोइंग लगना इनकर हो गया हमने मान लीजिए बैंक से पैसे बोरो किए और हमारा बोरिंग कॉस्ट अभी लग ही नहीं रहा बैंक ने बोला कि छः महीने के बाद आपका इंटरेस्ट का चार्ज करेंगे छः महीने तक इंटरेस्ट फ्री पीरियड है तो जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है उसका बोरिंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते यानी बैंक हमसे बोरिंग कॉस्ट लेने लग गया इंटरेस्ट का खर्चा हमारा होने लग गया और हमने क्या किया हमने सारे पैसे नहीं भी तो कुछ पैसे हमने खर्च कर दिए हमने एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि फंड्स बोरो के तो भाई यूज़ भी कर तो एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर दिया और तीसरी चीज़ एक्टिविटीज भी हमने स्टार्ट कर दी मतलब तीन चीज़ होना पड़ेगा कोस्ट हमारा इनकर हो रहा है और तीसरा एक्टिविटी काम के अंदर ऐसा नहीं कि जरूरी आपका फिजिकल कंस्ट्रक्शन हो अगर टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी आपका चालू हो गया तो भी मान लेंगे चलो ठीक है काम तो स्टार्ट है टेक्निकल वर्क स्टार्ट है तो भी चलेगा आपका काम चालू होना चाहिए ये मानेंगे कि आप कैपिटलाइज कर सकते हो अदरवाइज आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते अब सस्पेंशन कब हो जाएगा कैपिटलाइजेशन का सिंपल सी बात है अगर मान लीजिए आपने आपने काम रोक दिया, आपने रोक दिया दिया एक्टिव डेवलपमेंट तो कैपिटलाइजेशन सस्पेंड हो जाएगा कितना पीरियड तक आपने काम को रोक दिया उतना पीरियड तक आपका कैपिटलाइजेशन सस्पेंड हो जाएगा और या फिर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जेन्यन सरकम में काम रुका है है ना और आपका इंटरनली काम चालू है जैसे मान लीजिए किसी स्टाफ लेबर लोग ने स्ट्राइक कर दिया जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा पर इंटरनली आप अपना टेक्निकल वर्क वगैरह सब कुछ कर रहे हो तो वैसा सिचुएशन में आपका कैपिटलाइजेशन सीज नहीं होगा और कभी कभी हम कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हो और वहां पर रेनी सीजन है उस रेनी सीजन में नॉर्मल की उस वक्त काम रुकता है है ना और हम इंटरनल अपना टेक्निकल वर्क कर रहे हैं तो उस वक्त भी आपका यानी जेन्य मामले में आपका कैपिटलाइजेशन सस्पेंड नहीं होता है और सीज कब होगा कैपिटल सीज मतलब 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 सीज का क्या है हम अब कैपिटलाइजेशन सीज कर देंगे पूरा कब कर देंगे जब एसेट रेडी हो जाएगा जब एसेट सब्सटैंशियली उसके सारे एसेट के जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन है वो सारा काम हमारा खत्म हो जाएगा तो हम कैपिटलाइजेशन को क्या करेंगे हम सीज कर देंगे यहाँ पर सिंपल सी बात है डिस्क्लोजर में दो टाइप के डिस्क्लोजर होते हैं बोरिंग कॉस्ट कितना आपने कैपिटलाइज किया ड्यूरिंग द पीरियड बताओ अब यूजर को कि आपने कितना इंटरेस्ट का खर्चा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया है और कैपिटलाइजेशन रेट कितना यूज किया है स्पेसिफिक बोरिंग में तो स्पेसिफिक रेट होता है जनरल बोरिंग में हम एक वेटेड एवरेज टैक्स वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट बोरिंग कॉस्ट हम निकालते हैं तो वो कैपिटलाइजेशन रेट क्या आपने यूज किया ये आपको बताना पड़ता है तो अब यहां पर मैं आपको क्या करूंगा सीधा मैं आपको क्वेश्चन में ले चलता हूँ क्वेश्चन करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसमें एक हरीज कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है वो अभी नहीं करूंगा वो आपको आरटीपी नवंबर ट्वेंटी टू या मई ट्वेंटी टू वाले आरटीपी में मिल जाएगा आपको ऐसे भी लास्ट तीन टर्म का आरटीपी देखना है तो उसमें हरीज कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन जरूर से कर लीजिएगा छोड़िएगा मत याद करके कर, कर लीजिएगा कहीं पर कॉपी में लिख लो कि हरीज कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन वाला क्वेश्चन हमें करना है और वही एक इकलौता क्वेश्चन है जो हमारे क्वेश्चन में पता नहीं कैसे गलती से छूट गया था तो आपको शायद वो अपने क्वेश्चन मिंग में नहीं देख सकते बट यूट्यूब से वो कर लीजिएगा हरीश कंस्ट्रक्शन वाला छोड़िएगा मत आप ठीक है अगर भाई अदरवाइज आप अगर बोलोगे तो मैं अभी टेलीग्राम में शेयर कर दूं क्या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोलो मैं काम करता हूँ अभी शेयर कर ही देता हूँ वो हरीश कंस्ट्रक्शन प्रतीक जगह मैंने अभी ये वाला सी आठ मिनट का एक वीडियो है ठीक है ये आप देख लीजिएगा मैं अभी टेलीग्राम में शेयर कर दे रहा हूं आरटीपी नंबर ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है, ट्वेंटी थ्री का जरूर से कर लेना बस आठ मिनट लगेगा फटाफट से हो जाएगा मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को शेयर कर दिया कर लेना आप छोड़ना मत प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ विनती आप लोगों से कर लेना छोड़ना मत हूँ नहीं तो अफसोस रह जाएगा फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आओ एक कंसेप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी बोरिंग से रिलेटेड उसका कंसेप्ट तो हम डिस्कस नहीं कर सकते अभी टाइम नहीं हम सीधा एक क्वेश्चन कर लेते हैं ये इंपॉर्टेंट भी है ठीक है देखो यहाँ पर ए लिमिटेड ने डॉलर ट्वेंटी का लोन लिया है फर्स्ट अप्रैल टू को फाइव के इंटरेस्ट पर लोन लिया है

अब अगर हमारा हो गया करके हमने इनिशियल लोन कितना का दिखाया था into 45 करके हमने दिखाया था। कितना आएगा ये 9 लाख रुपीज आएगा I think. 9 ,000 ,000 रुपीस आएगा है ना नाइनटी चार जीरो आएगा लेकिन बाद में आपको पता ही है हम ईयर एंड में अपने पेबल को रीमेजर करते, री करते हैं मोनिट्री आइटम में रीमेजर करते हैं और ईयर एंड में ₹48 रुपीस भाव हो गया एक्सचेंज रेट तो 20000 डॉलर को मैं 48 करके ट्रांसलेट करना होगा तो 20000 48 करके कितना हो जाएगा लाख 960000 हो जाएगा तो हमारा एक्सचेंज लॉस कितना आ रहा है यहां पर 60000 का हमारा एक्सचेंज लॉस आ रहा है तो दो खर्चा हमारे एक तो 48000 का इंटरेस्ट का खर्चा है है ना ये इंटरेस्ट का खर्चा हमारा पीएनएल में जाएगा और दूसरा हमारे का खर्चा पीएनएल जाएगा अब आगे हम देखते हैं देखो अब मुद्दा क्या यहां पर ये ये आपने जो लोन लोन लिया लिया है ये प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया है। तो मैं बता अगर हम प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन ले रहे हैं अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है और अगर इसे इंडेक्स ट्वेंटी थ्री के हिसाब से हम कैपिटलाइज कर सकते हैं तो हमें ये तो हमने सीखा है कि फोर्टी एट थाउजेंड तो हमारा कैपिटलाइज होगा उसमें कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि ये बोरिंग कॉस्ट है जो रुपीज हमारा इंटरेस्ट का खर्चा लगा ये हमारा बोरिंग कॉस्ट है ये हमें कैपिटलाइज करने से कोई नहीं रोक सकता बट एक्सचेंज लॉस के बारे में कोई जिक्र नहीं है एक्सचेंज लॉस को बोरिंग कॉस्ट नहीं बोल सकते और आप इसे कैपिटलाइज नहीं कर सकते लेकिन आगे आप सुनो कहानी क्या हो रहा है आगे आप देखो एबीसी लिमिटेड अगर इसी लोन को इंडिया से लेता तो इलेवन इंटरेस्ट लगता उसका और इक्विवेलेंट रुपी अमाउंट नाइन लाख हो रहा है अगर ये नाइन लाख ,00 रुपीस इंडिया से लेता तो इसका एलेवन परसेंट इंटरेस्ट खर्चा होता यानी इसका नाइनटी नाइन थाउजेंड इंटरेस्ट का खर्चा होता तो आप बताइए अगर ये इंडिया से लोन लेता तो नाइन्टी नाइन थाउजेंड ये कैपिटलाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता कर सकता है। तो स्टैंडर्ड भी इस चीज़ को समझता है स्टैंडर्ड बोलता चलो ठीक है अगर आप इंडिया से लोन लेते तो नाइन्टी आप कैपिटलाइज कर पाते जबकि आपने यूएस से लोन लिया जिसके वजह से आपने फोर्टी ही इंटरेस्ट को कैपिटलाइज किया तो आप, आपने कितना नहीं किया अभी तक 58, 68, 78, 90, नहीं 51, 000 आपने नहीं किया तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जितना आपका एक्सचेंज लॉस हुआ है में से भी कुछ अमाउंट आप कैपिटलाइज कर सकते हो जितना आपके पास कैपिंग है अगर इंटरेस्ट इंडिया में इंटरेस्ट पे खर्चा होता तो आपका नाइनटी नाइन थाउजेंड का खर्चा होता तो जितना आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है उतना हद तक आप क्या कर सकते हो कैपिटलाइज कर सकते हो तो बोलेंगे आउट ऑफ ऑफ एक्सचेंज लॉस हम तो कैपिटलाइज कर देंगे बाकी नाइन थाउजेंड आपका होगा तो समझ में आया तो वही चीज आपको यहां पर है देखो फोर्टी एट थाउजेंड तो हमारा कैपिटलाइज हो गई ये एक्सचेंज लॉस जो है सिक्सटी थाउजेंड इसमें सवाल आता है तो उसके लिए हमने निकाला नाइनटी नाइन थाउजेंड हम कैपिटलाइज कर सकते हैं फिफ्टी वन थाउजेंड और बैलेंस है तो सिक्सटी थाउजेंड में फिफ्टी वन थाउजेंड हम कैपिटलाइज कर सकते हैं और बाकी का नाइन थाउजेंड आपका पीएनएल में जाए ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना ठीक है चलो बहुत बढ़िया इर्साद जी अगर आपने कर लिया तो अब इलेन सिक्स भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखिए है इलेस्टेशन सिक्स में आपने क्या किया दो तो क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने पैसा लिया मतलब ये स्पेसिफिक है आपने नाइन परसेंट इंटरेस्ट पे बोरो किया थर्टी लाख रुपीस थर्टी लाख रुपीस आपने बोरो किया बोरोट इंटरेस्ट पे कंस्ट्रक्शन आपका फर्स्ट अप्रैल को ही स्टार्ट हो गया था और आपका जो रिमेनिंग फंड है आपने टेम्परली सेवन परसेंट में इन्वेस्ट भी किया अब मेरी बात सुनो पूछा है बोरिंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज होगा ध्यान से सुनिए पहली बात तो आप पूरा का पूरा जो थर्टी लाख आपका खर्चा दिख रहा है थर्टी लाख पूरा पूरा में आप नाइन परसेंट कैपिटलाइज कर सकते हो स्पेसिफिक बोलूं की ये खासियत है पूरा का पूरा टू लक सेवेंटी थाउजेंड आप कैपिटलाइज़ कर सकते हो, पूरा का पूरा। लेकिन इसमें से जो आपने इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न किए, कितना क्या होगा? आपने फर्स्ट अप्रैल को तो इतना ही पैसा आपने खर्च किए बाकी पैसा तो आपके पास फर्स्ट अक्टूबर तक पड़ा हुआ था तो ये पैसा तो फर्स्ट अक्टूबर को यूज हुआ है फर्स्ट अप्रैल से थर्टी सितंबर तो ये पैसा फ्री में पड़ा हुआ था फिफ्टीन लाख रुपीस और ये फिफ्टीन लाख रुपीस जो आपका सरप्लस पड़ा हुआ था छह महीने का आपने सेवन परसेंट इसमें कमाई की है तो फिफ्टीन लाख का सेवन परसेंट सिक्स बाई ट्वेल्वीन लाख का थ्री पॉइंट फाइव परसेंट यानी फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमारा इसमें से माइनस हो जाएगा टू लाख सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ही इंडिविजुअली किया मैंने ग्रॉस कर दिया अब इंडिविजुअली कर लेना बिल्डिंग को अलग से दिखा देना ऑफिस बिल्डिंग अलग से इंडिविजुअली कर लेना दोनों मिला के अब देख लो सेवनटी हंड्रेड टेन टू सेवनटीन फाइव यूनिट आपका आ रहा है दोनों का मिला के टोटल और कॉस्ट ऑफ द एसेट आप कॉस्ट जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट टेन लाख लगा है इधर ट्वेंटी लाख लगा उसमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करके टोटल बता दिया कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन था इलेस्ट्रेशन सिक्स कुछ खास दम ही नहीं था क्वेश्चन में एकदम सिंपल क्वेश्चन था अब हम बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन हमें करना चाहिए इलेस्ट्रेशन नाइन सिंपल एक बार बता देता हूं हमें कमेंसमेंट डेट कब होगा पूछे तो कमेंसमेंट डेट होने के लिए हमने तीन चीज़ देखा था खर्चा हो जाना चाहिए है, है ना बोरिंग कॉस्ट इनकर होना चाहिए और एक्टिविटी चालू हो जाना चाहिए तो लोन का इंटरेस्ट आपका 15 मई को स्टार्ट हुआ बोरिंग कॉस्ट आपका 15 मई को स्टार्ट हुआ टेक्निकल एक्टिविटीज सेकेंड जून को स्टार्ट हुआ है और ख़र्चा आपने 19 जून को किया है तो तीनों कंडीशन नाइनटीन जून को मीट कर रही है तो नाइनटीन जून आपका कमेंसमेंट डेट होगा 19 जून हमारा क्या होगा कमेंसमेंट डेट होगा क्योंकि उसी दिन सारी कंडीशन हमारी मीट हो रही है यहां पर अब एक अच्छा क्वेश्चन करवाना है मुझे चलो क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं ये अच्छा क्वेश्चन है के लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रुपीज सेवन ऑन फर्स्ट अप्रैल टू टू फाइनेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग इट ऑप्टिंग स्पेसिफिक लोन आपने लिया टू लाख रुपीज़ का जिस पर नाइन परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है स्पेसिफिक लोन आपने लिया कंपनी का अदर आउटस्टैंडिंग लोन कितने का है सेवन लाख और नाइन लाख ये जनरल बोरेंगे इलेवन परसेंट तो इस पर हमें क्या करना होता है पता है वेटेड एवरेज रेट निकालना होता है तो वेटेड एवरेज रेट आराम से निकल जाएगा आपका कितना होगा ट्वेल्व परसेंट लग रहा है सेवन लाख पे सेवन लाख डिवाइड बाई सिक्सटीन लाख प्लस इलेवन परसेंट लग रहा है नाइन लाख डिवाइड बाय 16 लाख इससे भी आप देख लेना आपका वेटेड एवरेज रेट आएगा कितना पता है इलेवन पॉइंट फोर थ्री सेवन फाइव परसेंट आ जाएगा और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सेवन लाख का ट्वेल्व थाउजेंड कितना होता है 84,000 फोर थाउजेंड होते हैं सेवन लाख का ट्वेल्व परसेंट एटी फोर थाउजेंड होता है नाइन लाख का 11 परसेंट नाइनटी नाइन थाउजेंड होता है और डिवाइड बाय दोनों मिला के कितना सिक्सटीन लाख टू हंड्रेड इससे भी वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा यानी वन लाख एटी थ्री थाउजेंड Divide by 16 lakh. आपका ऐसे भी आ जाएगा। तो में हम रेट निकालते हैं। का वही, का वही रहेगा। रहे अब देखो क्या हुआ हमारा एक्सपेंडिचर कब से खर्चा हुआ अप्रैल से हम मानेंगे अप्रैल का बिगिनिंग हम मानते हैं अप्रैल का बिगिनिंग से हुआ कंस्ट्रक्शन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन हमारा थर्टी फर्स्ट जनवरी को खत्म हो गया तो वंस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद कैपिटलाइज नहीं होगा आपका तो अप्रैल को आपने स्टार्ट किया अप्रैल से लेके जनवरी तक ही आपका कैपिटलाइज होगा तो स्पेसिफिक बोरोइंग में हम खर्चा कब करते महीने नहीं रखता वंस आपका सारा एक्टिविटीज चालू हो गया कमेंसमेंट डेट से ही हम आपका कैपिटलाइज करते हैं तो ठीक है आपका अप्रैल से लेके जनवरी तक ही तो होगा तो ये वन लैख फिफ्टी थाउजेंड हम मान लेते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग है क्योंकि टू लाख तक आपने स्पेसिफिक लोन लिया तो वन में हम आप बोलोगे सर बारह महीना लगाइए अरे बारह महीना लगाऊ कैसे क्योंकि इस पे आपका ये जनवरी में आपका ये कम्पलीट ही हो जाएगा थर्टी फर्स्ट जनवरी को तो टेंथ मंथ ही लगेगा इसमें टेन बाई ट्वेल्व ही लगेगा इसमें से भी टू लाख में से आपका फिफ्टी थाउजेंड तो स्पेसिफिक में आएगा क्योंकि टोटल टू लाख स्पेसिफिक है तो पहले स्पेसिफिक का हिसाब खत्म करो तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड पूरा स्पेसिफिक में ले गए इसमें टू लाख में से फिफ्टी थाउजेंड स्पेसिफिक में चला जाएगा और फिफ्टी थाउजेंड में नाइन परसेंट भी टेन बाई ट्वेल्व लेंगे क्योंकि तो पूरा फुल टाइम पीरियड देंगे हाँ बचा हुआ जो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड है वो जनरल रेट लगेगा उसमें जनरल रेट कौन सा इंटू इलेवन पॉइंट फोर थ्री सेवन फाइव परसेंट और इसमें टाइम वेट लगेगा अगस्त से लेके जनवरी अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी छह महीने का लगेगा आपका ये थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड में भी इलेवन पॉइंट फोर थ्री सेवन फाइव परसेंट इतना अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी चार महीने का लगेगा और ये वन लाख में भी एलेवन पॉइंट फोर थ्री सेवन फाइव परसेंट जनवरी बिगिनिंग है मतलब एक महीने का वन बाय ट्वेल्व लाख तो ऐसे करके आप देखो हम लोग निकाल लेंगे टोटल हमारा हम निकाल लेंगे अमाउंट थ्री सेवन एट सेवन फाइव हमारा आ जाएगा तो टोटल अमाउंट कितना होगा ये तो आपका खर्चा जो लगा वो तो कैपिटलाइज होगा ही हमारा सारे खर्चे प्लस बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज हो जाएगा इतना कैपिटलाइज हो जाएगा एंट्री क्या होगा बिल्डिंग आप इतने का दिखाओगे बैंक में इतने पैसे दिए बाकी इंटरेस्ट पेबल या फिर ये भी बैंक में चला जाएगा बिल्डिंग टू बैंक भी लिख सकते हो आप यहाँ कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है पहले आपका क्या करना है पहले हमें क्या करना है स्पेसिफिक बोरिंग वाला अमाउंट जो है वो पहले हमें खत्म करना और यहाँ पर बस एक ही ट्विस्ट है आप दोनों में देखिए टेन बाई ट्वेल्व ले रहे हो क्योंकि हम स्पेसिफिक बोरिंग में टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करते अप्रैल से ही आपका कैपिटलाइजेशन uh, आपको करने को मिल जाएगा लेकिन जनवरी में ख़त्म ही हो जा रहा है इसलिए अप्रैल टू जनवरी हो रहा है चलिए तो ये आपका एकदम अच्छे से हो गया ये क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है करवा दूँ क्वेश्चन नंबर फाइव भी क्वेश्चन में फाइव देखते हैं बिल्डिंग फोर रुपीज ट्वेंटी बिल्डिंग इज रिकॉर्डेड एज ए सैपरेट एंड एंड इज नॉट पार्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एसेट बिल्डिंग कंप्लीट हो गया एट द एंड ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में कंप्लीट हुआ इन ईयर एंड में कंप्लीट हुआ है और आपने खर्चा क्या क्या किया बता दिया अप्रैल जून दिसंबर मार्च आपने क्या खर्चा किया बता दिया एंटिटी ए का बोरिंग हुआ है एट ईयर टेन परसेंट फोर ईयर नोट विथ सिंपल इंटरेस्ट पेबल विच रिलेट स्पेसिफिकली टू प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बोरोइंग बोरो किया है इंटरेस्ट इसका इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है और ट्वेंटी जाएगा लेकिन स्पेसिफिक बोरिंग में खर्चा हुआ है तो टू हंड्रेड में से पूरा टू लाख में से तो पूरा टू लाख हम स्पेसिफिक बोरिंग का इस्तेमाल कर लेंगे इस सिक्स लाख में से हम क्या करेंगे और फाइव लाख हम स्पेसिफिक बोरिंग का इस्तेमाल कर लेंगे ये बचेगा हंड्रेड हमारा और ये हंड्रेड ही रहेगा ये टू हंड्रेड ही रहेगा तो इन फिगर पे हम जनरल बोरिंग का रेट लगाएंगे। अब जनरल का रेट नीचे पता चलेगा। देखो, हमारा लग रहा है। अप्रैल को हमने लिया ,00 uh, है 15 ,00 रुपीस। ये भी हमने को तो इन दोनों का एवरेज कर देंगे कितना टेन बाई ट्वेंटी फाइव होगा टेन परसेंट इंटू फिफ्टीन बाई ट्वेंटी फाइव होगा आपका इससे वेटेड एवरेज रेट निकल जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू टू बाई फाइव ये फाइव होगा और ये आपका सिक्स होगा आई थिंक इलेवन परसेंट आएगा जनरल रेट आपका यस इलेवन परसेंट जनरल रेट आ गया आपका जनरल बोरिंग तो अब देखो यहाँ पर ये जो हंड्रेड है ना ये हंड्रेड पे हम क्या करेंगे इलेवन परसेंट लगाएंगे कितने महीने का थर्टी जून है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तीन नौ महीने का ये लगाएंगे फिर हम ट्वेल्व हंड्रेड पे लगाएंगे इलेवन परसेंट दिसंबर तीन महीने का फिर हम टू हंड्रेड पे लगाएंगे इलेवन परसेंट थर्टी फर्स्ट मार्च है कुछ होगा नहीं जीरो होगा जीरो मंथ्स का होगा ये आपका आपका इधर देखो क्या क्या आ रहा है आपका एट पॉइंट टू फाइव आया ट्वेल्व हंड्रेड इंटू इलेवन परसेंट डिवाइड बाई फोर कर देंगे सीधा थर्टी थ्री आया और ये तो जीरो आएगा थर्टी थ्री फोर्टी वन पॉइंट टू फाइव फोर वन टू फाइव जीरो जीरो और फोर्टी फाइव थाउजेंड इतना एट सिक्स टू फाइव जीरो आ गया ये देखो इतना सिंपल है एट सिक्स टू फाइव जीरो निकाल दिया हमने बात खत्म क्वेश्चन एकदम सिंपल एक क्वेश्चन नंबर थ्री कराऊंगा एक अच्छे से करना है ठीक है पर चलो पहले क्वेश्चन नंबर थ्री करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो दो पैटर्न में सोल्यूशन किया जा सकता है एक फोर मंथ्स के पैटर्न में भी एक ट्वेल्व मंथ्स के पैटर्न में भी है ना आप दोनों पैटर्न करेक्ट है क्योंकि दोनों पैटर्न आई सी एन ने मैं फोर मंथ्स वाला पैटर्न करा देता हूँ और मैंने एक यूट्यूब में पहले डिस्कशन किया था दोनों का बीच का डिफरेंस दो एक और आर टी में भी क्वेश्चन है तो मैं अभी फोर मंथ्स वाले के हिसाब से भी एग्जाम ओरिएंटेड ये वाला करवा दे रहा हूं। आप भी फोर मंथ्स के हिसाब से एग्जाम में कर सकते हो देखो NTT ने कंस्ट्रक्ट किया नया हेड ऑफिस बिल्डिंग फर्स्ट सप्टेबर को कमेंस हो रहा है और थर्टी दिसंबर को खत्म हो जाएगा यानी चार मंथ्स का ही पीरियड है आप बोलोगे सर चार महीना तो सब्सटेंशियल पीरियड नहीं होता है बट हम एज्यूम करेंगे कि हो रहा है क्वेश्चन बोलेगा तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं फोर मंथ से हम सबस्टेंशियल पीरियड मान लेंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा क्या लग रहा है आपका एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ ऑन दिस मंथ आपका बिगनिंग वाले मंथ में यानी वन लाख सितंबर में लगा है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में टू लाख फिफ्टी थाउजेंड लगा यानी पहला सितंबर में वन लाख लगा है यहाँ लिखता हूँ वन लाख लगा है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड खर्चा लगा है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड खर्चा लगा है और फिर टू ,00 खर्चा लगा ये हमारा डायरेक्टली एक एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर है

क्या हमारा सितंबर से लेकर दिसंबर तक पूरा एंटायर चारों महीने में क्या ट्वेंटी लाख पूरा एग्जिस्ट करता था यस एग्जिस्ट करता था ठीक है और इस पर हम कितना परसेंट देते देते थे 10 देते थे पूरा चार महीना फाइव लाख था नहीं आप बोलोगे सर पहला तीन महीना फाइव लाख था और दिसंबर में ये इंक्रीज हो, हो गया सेवन गया यानी पहला तीन महीना तो फाइव लाख था दिसंबर में ये इंक्रीज हो गया सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड हो गया तो मैं बोलूंगा दिसंबर में तो क्या था दिसंबर में फाइव लाख तो था ही उसके ऊपर और टू लाख फिफ्टी थाउजेंड था यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर फाइव लाख था दिसंबर में सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड था तो मैं बोलूंगा दिसंबर में फाइव लाख प्लस टू लाख फिफ्टी थाउजेंड था तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फाइव लाख भी पूरा चारों महीने में था और एक्स्ट्रा से टू लाख फिफ्टी थाउजेंड जो था वो किस में था सिर्फ दिसंबर में था ट्वेंटी लाख सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चारों में था उसका एवरेज भी ट्वेंटी हो 5 लाख भी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर चारों में था उसका एवरेज भी 5 लाख होगा और एक्स्ट्रा से टू लाख फिफ्टी दिसंबर में था वो तो एक महीने था लेकिन हम चार महीने का देख रहे हैं एवरेज तो एक महीने का टू लाख फिफ्टी तो चार महीने का कितना हुआ 62,500 यानी ये आ रहा है ट्वेंटी लाख सिक्सटी मेरा कहने का मतलब है ये हमारा एवरेज बोरोइंग था चार महीने का क्या आप इस बात से संतुष्ट हो या नहीं हो मुझे इतना बता दो हमारा महीने का एवरेज बोरिंग लाख पूरा चार महीने था लाख भी देखा जाए तो पूरा चार महीने था हाँ, दिसंबर में सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड था मतलब थाउजेंड था तो सिर्फ एक ही महीना था तो डिवाइड बाय फोर करके मैंने एवरेज कर दिया ट्वेंटी फाइव लाख टू फाइव हंड्रेड मेरा एवरेज है फोर मंथ्स का आईसीए ने जो निकाला है वो थोड़ा सा इस प्रकार निकाला है है कि आपको कंफ्यूज हो सकता है, बट जैसे मैंने निकाला आपको कंफ्यूजन नहीं होगा पर तो ये 25, 60, 000, में प्रॉब्लम नहीं है अब हम देखेंगे कि चार महीना में हमारे इंटरेस्ट का खर्चा कितना हुआ चार महीने में हमारा एवरेज तो इतना लोन अमाउंट इतना बोरिंग अमाउंट था चार महीने का इंटरेस्ट का खर्चा कितना हुआ क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट जो दिया हमने ट्वेंटी लाख में तो टेन इंटरेस्ट दिया तो ट्वेंटी लाख में टेन परसेंट इंटरेस्ट दिया चार महीने का चीन तो फोर बाई मैं रफ में कर रहा इसके बाद हमारा जो था, उसमें 15 फिर आगे जाके तीन महीना अक्टूबर का एक अक्टूबर तक यानी सितंबर का महीना में हमारा फिफ्टीन परसेंट लगा फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमारा 16 लगा। तो ठीक है मैं क्या करूंगा मैं बोलूंगा मैं ये बोलूंगा कि अक्टूबर के सितंबर के महीने में तो फाइव लाख का आपका जो था उसमें हमारा इंटरेस्ट लगा कितना डिवाइड एक महीने का ले रहा हूं जीरो जीरो मैंने अब यहाँ पर आप देखो अक्टूबर नवंबर में सिक्सटीन परसेंट था लेकिन दिसंबर में तो सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड का लोन था अक्टूबर नवंबर में फाइव लाख का लोन था उस पर सिक्सटीन परसेंट आएगा या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फाइव लाख तो था ही तो फाइव लाख का 16 ले लिया मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीन महीने का इन टू थ्री डिडेड ये ट्वेंटी थाउजेंड आएगा हमारा और एक्स्ट्रा से जो दिसंबर में एक्स्ट्रा से टू लाख फिफ्टी थाउजेंड था उस पर टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का एक महीने का सिक्सटीन परसेंट हम ले लेंगे ये हमारा देखा जाए तो इंटरेस्ट का खर्चा मैंने रफ़ में किया और आप इतने तो होशियार हो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इतना तो होशियार हो अभी अब सी फाइनल के एग्ज़ाम देने वाले और इससे ज़्यादा समय भी नहीं हमारे पास डबल थ्री प्लस तो थ्री थाउजेंड भी होगा नाइन सिक्स टू फाइव जीरो हमारा इंटरेस्ट का खर्चा आया और ये मिलेगा ही है देखो नाइन सिक्स टू फाइव जीरो हमारा इंटरेस्ट का खर्चा है मतलब इंटरेस्ट का खर्चा नाइन सिक्स टू फाइव जीरो हुआ हमारा आप अपने स्टाइल में भी निकाल सकते हो मैंने अपने स्टाइल में निकाला और एवरेज बोरिंग हमारा इतने का आया टू सिक्स टू फाइव सिक्स टू फाइव हंड्रेड इन टू हंड्रेड किया हमारा ये रेट आ गया यही रेट आपको निकाल के देना है बोरिंग कॉस्ट का रेट ही पूछा हमसे कैपिटलाइजेशन रेट हमसे पूछा हमने निकाल लिया। तो हमने चार महीने का निकाला आप चाहते तो बारह महीने का निकालते तो बारह महीने का निकालते तो आप क्या करते हैं? फिर पता है फिर इसका चार महीने का इसका थ्री टाइम्स कर दो इंटू थ्री कर दो आपका पर एन आ जाएगा हमने चार महीने का हिसाब करके निकाला आप अगर पर एनएम की बात करते हैं तो पर एन का फिर ये अमाउंट नहीं होता पर एन का वेट अलग होता हमने चार महीने का ही वेट लिया पर सितंबर से दिसंबर और मैं एग्जाम में भी बोलूंगा आप चार महीने का लेना क्योंकि सितंबर से दिसंबर तक आपका बोरिंग है तो सितंबर से दिसंबर के हमने एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकाला और ये फोर मंथ्स का ध्यान रहे ये पर एन नहीं ये फोर मंथ्स का एक और क्वेश्चन आई का मिलेगा जहाँ पर आई सी ने ट्वेल्व मंथ्स का किया हुआ तो वो वहाँ पर ट्वेल्व मंथ्स का वो भी करेक्ट है अपनी जगह ये भी करेक्ट है तो ये फोर मंथ्स के हिसाब से हमने निकाला है तो ये ध्यान रखना थ्री पॉइंट सेवन फाइव सिक्स परसेंट फोर मंथस का वहाँ पर एक क्वेश्चन है जहाँ पर ट्वेल्व मंथ्स का किया हुआ तो वहाँ पर रेट भी ज़्यादा आया था मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन आ रहा है या नहीं वाला तो क्वेश्चन है ये देखो ये नवंबर नाइनटीन पुराना क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में इन्होंने पर एनम करके निकाला है देखो ट्वेल्व मंथ्स के हिसाब से लिया है ना यहाँ पर इलेवन बाय ट्वेल्व मंथ्स लिए इन्होंने वहां पर हमने फोर मंथ्स के हिसाब से निकाला इसमें भी आंसर वही आएगा फर्क दोनों में बस इतना ही वहां पर हमने फोर मंथ्स का हिसाब किया और यहां पर इन्होंने तो ये परेनम परेनम पर एनम आया आपका नाइन पॉइंट फाइव जीरो परसेंट पर एनम आया बट हमारे इस क्वेश्चन में जो आया रेट वो पर एनम नहीं है अगर आप चाहो तो एग्जाम में डिस्प्ले कर सकते हो कैसे आप पर एन एम इसको इंटू थ्री कर दो या आप डिवाइड बाई फोर ट्वेल्व बाई फोर कर दो आप पर एन एम आ जाएगा क्लोज आएगा आपका लगभग क्लोज आएगा बोलो क्वेश्चन नंबर थ्री होगा या नहीं होगा समझ में आया कि नहीं आया बोलो फटाफट से बोलो समझ में आया या नहीं आया ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेना टफ नहीं है बस एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब एग्जाम में कर पाओगे अब मैं तो चलो मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए बाए हाथ का खेल है बट आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आप लोग के लिए भी बाए हाथ का खेल हो जाएगा और आप एक बार समझ लीजिए टफ कोई भी चीज नहीं होती जो चीज हम प्रैक्टिस नहीं करते वो हमारे लिए टफ होता है जैसे मैं पहले क्रिकेट खेलता था और बहुत अच्छी बॉलिंग करता था मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था बहुत अच्छी बॉलिंग करता था और मेरे लिए बॉलिंग करना आम बात थी टफ नहीं था मैं अच्छी अच्छे अच्छे अच्छों के सामने अच्छी बॉलिंग कर लेता था मैं अब मैं खेलता नहीं हूँ कितने सालों से तो कुछ टाइम पहले खेलने के हाथ ही नहीं घूम रहे मतलब एक होता है ना बोल मतलब इतनी घटिया बॉलिंग बॉलिंग ही नहीं कर पा रहा हूँ तो वो ये प्रैक्टिस लैक ऑफ प्रैक्टिस वो अगर मैं प्रैक्टिस करते रहता तो आज भी मैं अच्छी बॉलिंग करता बट उस टाइम में मैं बॉल अच्छा नहीं पाता था कि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी आज मैं बोल बोल में है, तो मैं प्रैक्टिस ही हो रहा है। रोज पढ़ा पढ़ा के प्रैक्टिस हो रहा है, मेरे पे आ गया आप प्रैक्टिस करोगे आपके भी ग्रिप में आ जाएगा तो किसी भी चीजों को टफ मैं समझो टफ कुछ भी नहीं सब प्रैक्टिस का खेल है प्रैक्टिस कर लोगे तो सब इजी लगेगा स्पिरिचुअल जी मैं लेफ्ट आर्म फास्ट बोलर पर अच्छी बॉलिंग करता था सच बता रहा हूं क्वेश्चन हाँ विकास जी मिडिल ऑर्डर टेस्ट हो गया और बकवास है ये पता चल गया <coughs> सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गया कि अब तो मैच एक इनिंग्स खत्म ही हो गया होगा चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं इन ए ग्रुप विद पेरेंट कंपनी पी देर आर थ्री बिजनेस, रियल स्टेट कंपनी देखो पेरेंट कंपनी की तीन सब्सिडरी है पेरेंट कंपनी की तीन सब्सिडरी है, एक है रियल स्टेट कंपनी एक है कंस्ट्रक्शन कंपनी एक है फाइनेंस कंपनी पेरेंट कंपनी का कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है खुद का

कंस्ट्रक्शन कंपनी फाइनेंस कंपनी सबका इन्फॉर्मेशन दिया मैं उल्टा पढ़ता हूँ देखो फाइनेंस कंपनी ने ट्वेंटी लाख ,00 रुपीज लोन रेज किया है और इसने पेरेंट कंपनी को दे दिया जनरल कॉर्पोरेट परपज के लिए एट द रेट एट परसेंट में तो क्या हम एट परसेंट कंसिडर करेंगे पहली बात एक बात बताओ फाइनेंस कंपनी ने लोन तो लिया है क्या फाइनेंस कंपनी ने हम कैपिटलाइजेशन कब कर सकते बोरिंग कॉस्ट जब आप लोन लो बोरिंग कॉस्ट आपका इनकर हो रहा है आपका इसके अलावा एक्सपेंडिचर आपने क्या और एक्टिविटीज होनी चाहिए तो यहाँ पर तो कोई एक्सपेंडिचर इसने इनकर किया ही नहीं फाइनेंस कंपनी ने फाइनेंस कंपनी का बोरिंग कॉस्ट तो इनकर हो रहा है लेकिन इसने कोई एक्सपेंडिचर इनकर नहीं किया और ना ही कोई एक्टिविटीज किया है तो फाइनेंस कंपनी अपने सेपरेट इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है ना इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकता इंडिविजुअल फाइनस स्टेटमेंट में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन कंपनी की अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कोई बोरिंग किया ही नहीं है इसने अपने खुद के कैश रिसोर्स से खुद के पैसे इसने टेन लाख रुपीज लगाए खर्चे एक्सपेंडिचर कर का का करने कर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम कंस्ट्रक्शन करने का और इसने टेन लाख रुपीज खर्च किया तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जब कोई बोरिंग किया ही नहीं है तो इसका बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कुछ होगा ही नहीं बोरिंग ही नहीं किया इसने बोरिंग कॉस्ट मैं इंडिविजुअल फाइनेंस स्टेटमेंट की बात करूँ अब रियल स्टेट की बात करूं रियल स्टेट ने देखो बोरिंग किया है टेन लाख रुपए सेवन परसेंट में तो रियल स्टेट कंपनी का बोरिंग कॉस्ट तो इनकर हो रहा है इसने खर्चा भी किए एक्सपेंडिचर भी इसका इनकर हुआ है इसने खर्चा भी किया एक्सपेंडिचर भी इसका इनकर हुआ, हुआ, हुआ है इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो परफॉर्म कंस्ट्रक्शन कंपनी से करवाया है और उसने इन्वॉय जो रियल स्टेट कंपनी को इन्वॉइस किया वो टेन परसेंट प्रोफिट मार्जिन में किया। तो मेरी बात सुन लो आप आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खुद नहीं करके किसी से करवा रहे हो तो भी चलता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होनी चाहिए हाँ बोरोइंग कॉस्ट आपका इनकर होना चाहिए एक्सपेंडिचर आपका होना चाहिए आपने एक्सपेंडिचर खुद नहीं किया आपने कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया बोला आप करो जैसे हम सप्लायर से कितनी बार कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वो भी आपका माना जाता है जरूरी नहीं मैं खुद कंस्ट्रक्ट करूँ मान लीजिए मैंने सप्लायर को बोल दिया मैंने फंड बोरो किए और मैंने सप्लायर को बोल दिया भाई तू कंस्ट्रक्ट करके दे दे मैं तुझे पैसे दे दू वो तो भी कैपिटलाइज होगा तो यहाँ पर भले ही रियल स्टेट कंपनी खुद कंस्ट्रक्ट नहीं करी पर कंस्ट्रक्शन करवा तो रही है एक्टिविटीज तो चालू है तो रियल स्टेट कंपनी का इंडिविजुअल फाइनस स्टेटमेंट में तीनों कंडीशन मीट हो रहा है और ये कैपिटलाइज कर सकती है पर ये कैपिटलाइज कितना करेगी फिफ्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड कैपिटलाइस करेगी कि फोर्टीन लाख करेगी मेरे हिसाब से फोर्टीन लाख करेगी मैं एक बार देख लेता हूँ यस yes, यहां पर एक्सपेंडिचर नहीं, नहीं करेगी ग्रुप में फोर्टीन लाख होगा सही बोला यहां पर नहीं होगा देखो इंडिविजुअल फाइनेंस स्टेटमेंट में इसका पैसा कितना खर्चा हुआ फिफ्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड खर्चा हुआ है तो इतना हद तक ये कैपिटलाइज कर सकते पर इसने लोन ही टेन लाख का लिया है तो टेन लाख का अगर लोन लिया है तो उससे ज्यादा ये कैसा कैपिटलाइज करेगा तो मैक्सिमम ये टेन लाख का कैपिटलाइज करेगा लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ और बात होगी मैं आपको समझाऊंगा कंफ्यूजन नहीं होना जब हम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे जब हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में तो इसका खर्चा हुआ है ऐसा उसमें प्रॉफिट मार्जिन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जोड़ा है वो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू में सोचेंगे ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू में इंटरनल प्रॉफिट को एलिमिनेट किया जाता है जब इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो पूरा फिफ्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड आपका खर्चा हुआ है इतना हद तक आप कैपिटलाइज कर सकते हो बट जबकि आपने टेन लाख का ही लोन लिया हुआ है तो टेन लाख का यानी नहीं कर सकते लेकिन अगर आपका सेवन लाख रुपीज आप, तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो तो अब हम डिस्कस करेंगे पूरा ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कौनसो बनाते समय हम देखेंगे कि हम कितना बोरिंग कैपिटलाइज कर सकते हैं कौनसो बनाते हम सबसे पहले देखेंगे हमने कितना देखो सभी ने मिलकर मिल कितना ट्वेंटी लाख बोरो मतलब ग्रुप ने देखा जाए तो थर्टी लाख ,00 रुपीज बोरोट में ग्रुप ने और एक्सपेंडिचर कितना किया इन्होंने ये देखो पूरा ग्रुप का पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से फिफ्टी लाख फोर्टी थाउजेंड ही ले सकते इंटरनल प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा तो फिफ्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड बाई वन पॉइंट वन जीरो हम लेंगे ग्रुप का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फोर्टीन लाख ही लेंगे तो फोर्टीन लाख एक आपने खर्चा किया है और एक आपने खर्चा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है टेन लाख रुपीज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने पॉकेट से खर्चा किया तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्वेंटी फोर लाख खर्चा हुआ है पूरे ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ट्वेंटी फोर लाख खर्चा हुआ है और एक्टिविटीज तो किया गया कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक्टिविटी की है तो आप मुझे बताइए ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से थर्टी लाख आप कैपिटलाइज कर सकते हो कि ट्वेंटी फोर लाख का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो ट्वेंटी फोर लाख का इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हो सेवन परसेंट बाकी पी में जाएगा यानी वन लाख सिक्सटी एट थाउजेंड ही हम कैपिटलाइज कर सकते हैं ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी आपका पी में जाएगा बस इतना ही आपको समझना है

एडिशनल एसेट के लिए टर्म लोन सिक्स ट्वेंटी लाख का लिया गया ये से बता देता हूँ देखो सिक्स ट्वेंटी लाख का टर्म लोन लिया गया जिसमें से आपने फिफ्टी फोर लाख सप्लायर को दिया है यह कैपिटलाइज हो जाएगा वर्किंग कैपिटल का खर्चा आपका कैपिटलाइज नहीं होगा सिक्स ट्वेंटी लाख का लोन लिया फाइव हंड्रेड टेन लाख आपने खर्चा किया किस चीज में इंस्टॉलेशन में तो फाइव हंड्रेड टेन लाख तो कैपिटलाइज हो गई फिर आप सप्लायर को भी अगर आप पैसे फॉर एडिशनल एसेट के लिए और मतलब मैंने कहा ना सप्लायर सप्लायर अगर आपका कंस्ट्रक्शन कर रहा है है ठीक हमने को पैसा दिया वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो तो भी कैपिटलाइज हो जाता है लेकिन फिफ्टी सिक्स लाख आपका वर्किंग कैपिटल के लिए में कंस्ट्रक्शन तो कुछ हो नहीं रहा है तो फिफ्टी सिक्स लाख का जो भी इंटरेस्ट है वो पी एन एल में जाएगा ये कैपिटलाइज नहीं होगा सब मिला के कितना 50, 100, 10, 6, हो रहा है फिफ्टी हंड्रेड टेन सिक्स ट्वेंटी हो रहा है सब मिला के सिंपल सी बात है आउट ऑफ सिक्स ट्वेंटी लाख का जो आपने लोन लिया है उसमें से फाइव हंड्रेड फोर लाख का इंटरेस्ट ही आपका कैपिटलाइज होगा बाकी कैपिटलाइज नहीं होगा तो इंटरेस्ट आपने खर्चा किया मैं क्या करूंगा इसमें से फाइव सिक्स ट्वेंटी एट पॉइंट टू इंटू फाइव सिक्सटी फोर डिवाइड बाय सिक्स ट्वेंटी सिक्स कैपिटलाइज होगा आप देख लीजिए देखिए 62.04 आप इंडिपेंडेंटली बता देना और बाकी का आपका पीएनएल में जाएगा क्योंकि वर्किंग कैपिटल वाला पीएनएल जाएगा और आप रिनोवेशन करो प्लांट का सप्लायर को दे रहे हो जाएगा तो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हमसे अगर मान लो आपका ट्वेंटी एट फरवरी टू थाउजेंड टू को आपका कैपिटलाइज आपका टू थाउजेंड टू को आपका अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा

तो यहां पर आईसीए के हिसाब से अब निक्का लिमिटेड वाला क्वेश्चन आएगा तो चलो ठीक है अब रट लो आप ये दिखाना कि फर्स्ट अप्रैल को आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है अगर ट्वेंटी एट फरवरी को आप कंप्लीट कर लोगे तो मतलब देखा जाए तो आपका ट्वेल्व मंथ से कम है और आप बोलोगे कि कैपिटलाइजेशन नहीं होगा ये बकवास वाली बात है यहां पर चलो एक बात इन्होंने सही लिखा हुआ है कि अनलेस एंटिटी जस्टिफाई कर दे कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है तब बात अलग है और बोला कि पूरा इंटरेस्ट आप पीएनएल में दिखाओ तो ठीक है आप एग्जाम में भी आप ऐसे लिखना बोला कि ट्वेल्व मंथ्स को यूजअली सब्सटेंशियल पीरियड नहीं माना जाएगा अनलेस एंटिटी जस्टिफाई कर सकती है कि इलेवन सब्सटेंशियल पीरियड है तो अलग बात है आप कैपिटलाइज करो अदरवाइज आप पीएनएल में दिखाओगे तो ये आईसी के हिसाब से आप ये लिख दीजिएगा बस बात खत्म हमने जस्ट गो थ्रू करना था हमने गो थ्रू कर लिया और इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से मेरे नजर में कुछ खास क्वेश्चन मैंने सारा क्वेश्चन करवा दिया आप और कोई क्वेश्चन था रुको एक बार नहीं कुछ काम का नहीं चलिए तो इंडेस ट्वेंटी थ्री हमारा कंप्लीट होता है इंडेस ट्वेंटी थ्री हमारा कंप्लीट होता है अब एक काम करो थोड़ा ब्रेक लेते हैं अभी हम थोड़ा ब्रेक लेके करते हैं इंडेस वन जीरो सेवन करेंगे हम, नेक्स्ट थोड़ा ब्रेक लेके करेंगे बोलने की एनर्जी थोड़ी गैदर करनी होगी मुझे चलेगा एक घंटा आप ब्रेक दे सकते हो मुझे एक घंटा आप कुछ भी पढ़ लो और एक घंटे के बाद फिर हम करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमने साथ इंडेस कर लिया अभी और एक होता है ना बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए एनर्जी गेन करना है मुझे एक घंटे के बाद हम इंडस वन ज़ीरो वन करेंगे तो चलेगा अगर आपको अभी करना है तो अभी काम कर सकते हो मैंने लास्ट टाइम रिकॉर्डेड लिया था इंडस वन जीरो वन वहाँ से कर लीजिए अगर मेरे से करवाना चाहते हो तो एक घंटे के बाद कराऊँ थोड़ा मुझे एनर्जी गेन करना आज आज ऐसे भी थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कम लग रहा है उस दिन जैसे मैराथन में एनर्जी थी ना उस दिन तो ऐसा था कि बैक पेन ही होता तो और दो घंटा पड़ा देता बट आज थोड़ा सा लो फील हो रहा है यस वन जीरो वन और सेवन कर लेंगे ब्रेक के बाद पहले इंडेस वन जीरो वन अब कर लेंगे लेकिन एक घंटे का ब्रेक चाहता हूं मैं लाइव करना है तो एक घंटे के बाद कराऊंगी थोड़ा सा मुझे रिगेन करना है एनर्जी और तब तक मैं क्या करूंगा थोड़ा सा वन जीरो वन को एक बार देख भी लूंगा गो थ्रू कर लूंगा कि किस तरीके से शॉर्ट में आपको करा सकूँ चलेगा ना सुबह से पढ़ ही रहे ऐसे भी आप तब तक आप लोग क्या करो ये जो जो मैंने पढ़ाया ना सात इंडस ये सेवन इंडस को एक बार अपने एंड से गो थ्रू करो फटाफट मैं एक घंटे रेस्ट लेता हूँ आप एक घंटे गो थ्रू कर लो सारे के सारे जो पढ़ा है अभी खत्म कर लो गो थ्रू कर लो हम एक काम करेंगे सिक्स थर्टी वन या सेवन थर्टी को मिलते हैं सेवन थर्टी को मिलते हैं ठीक है फोर्टी वन वगैरह बोले वो भी देख लेते हैं पहले वन जीरो वन सेवन दो करें उसके बाद देखते हैं चलिए सेवन थर्टी को मिलते हैं ठीक है थीके? जी आप पहले वन जीरो वन और सेवन को हम टास्क खत्म करते हैं फिर हम फोर्टी वन के बारे में भी सोचेंगे बाकी डिपेंड करते हैं एनर्जी वगैरह कितनी रहती है क्या हालत रहती है आज थोड़ा सा हल्का लो फील कर रहा हूँ चलो पहले वन जीरो वन और सेवन तो ख़त्म करते हैं ठीक है सेवन थर्टी को मिलते ठीक है थीके? चलो स्टार्ट करते हैं अभी अब इंडेक्स वन जीरो वन डिस्कस करेंगे हम टेलीग्राम में बस एक बार मैं बता देता हूँ कि वन जीरो वन स्टार्ट करे किसी को देखना है तो इस... चलिए तो अभी हम इंडेस वन जीरो वन स्टार्ट करते हैं ठीक है थीके? इंडेस वन जीरो वन एक बार भी कोई है यहाँ पर जिसने एक बार भी नहीं पढ़ा है कोई है यहाँ पर जिसने इंडेस वन जीरो वन एक बार भी नहीं पढ़ा है ऐसा तो कोई नहीं है ना एक बार बता दो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आपने एक बार भी नहीं किया वन जीरो वन चलिए तो अभी हम इंडेस वन जीरो वन स्टार्ट करें परफेक्ट अभी तक जितने स्टैंडर्ड करे आज हमने शायद सेवन सात इंडेक्स अभी तक कर लिया हम तो सात इंडेस हमने किए बहुत इफेक्टिवली हमने किया है ना के साथ घंटे के अंदर तो आई थिंक वो बेनिफिशियल रहा होगा आप सभी लोगों के लिए चलो धर्म जी कह रहे दो बार हाँ किया कि अच्छा है कोई कोई जिसने एक बार भी नहीं किया यस मी मी बस एक बार ही किया चलो बहुत बढ़िया पढ़ रखा है सर चलो बहुत बढ़िया देखिए इंडेक्स वन जीरो टाइम एडोपन ऑफ इंडेक्स ये इंडेस वन जीरो वन कब एप्लीकेबल होता है जब हम पहली पहली बार मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंडेस में आ रहे तो जब हम इंडेस में आते तो हमें इंडेस वन वन की बात सुननी होती जैसे प्रीवियस ईयर आपका टू थाउजेंड वन टू होगा दिखाओगे प्रीवियस ईयर टू थाउजेंड वन टू का क्योंकि हम करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करते हैं उसके अलावा हम प्रीवियस ईयर का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करते हैं टू थाउजेंड वन टू का भी हम कंपेरिटिव प्रेजेंट करेंगे तो प्रीवियस ईयर का जो फर्स्ट डे वो कौन सा होगा प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग फर्स्ट डे कौन सा होगा फर्स्ट अप्रैलेंड वन फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन को हम क्या करते हैं ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट बनाते हैं और वो ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट ऐसा होता है जिसमें वो बैलेंस शीट जो बनता है ना वो बैलेंस शीट एज पर इंडेस बनता है क्योंकि पहले का आपका पुराना बैलेंस शीट जो होगा वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा

तो उस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कर रखी हुई तो है और जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम रिटेन अर्निंग से एडजस्टमेंट करेंगे और ध्यान ये जो आपका ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस जिस दिन बनता है उस दिन हम उस हम डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंडेस भी हम कहते हैं यहां पर अब यहां पर मेरी बात सुन लो यहां पर ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट में वो सभी एसेट्स एंड लाइविटीज क्योंकि बैलेंस शीट में होता है कि एसेट्स ही होता है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं वो सभी एसेट्स एंड लाइविटीज को रिकॉग्नाइज करते हैं जो एज पर इंडेस रिकॉग्नाइज होना है क्योंकि कितने सारे ऐसे आइटम होते हैं जो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज नहीं होते बट एज पर इंडेस रिकॉग्नाइज होने चाहिए तो हम सभी रिकोगनाइज करते हैं जैसे रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स में पहले ए एस के मामले में एसेट जब रिवॉल्यूशन होता था तो उसमें डीटीए डिटेल नहीं बनता था

बट इंडेक्स में नहीं मानते तो वो जो एसेट्स एंड एबिटीज आपका ए के हिसाब से दिखाया हुआ है बट इंडेक्स के हिसाब से नहीं दिखना चाहिए तो वो सभी हम नहीं दिखाएंगे उसको हम हटा देंगे उस हम नहीं दिखाएंगे फिर इसके अलावा री क्लासिफिकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम आती है जैसे मान लो पहले हमने कोई लैंड कैपिटल अप्रिशिएशन परपज के लिए रखा हुआ है तो पहले हम उसे पीपीई में दिखाते थे

है ना वहाँ पर एफ बी टी पे एफ बी टी ओ सी वगैरह के हिसाब से हम मेजरमेंट करते हैं तो वो सभी मेजरमेंट भी जो आपका होगा इंडेक्स के हिसाब से मेजरमेंट होगा तो ये सभी चीजों का एडजस्टमेंट करके हम ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट बनाते हैं और जो भी डिफरेंसेस होता है वो हम कहा दिखाते हैं इंडेक्स में दिखाते हैं अब जो नेसेसरी पॉइंट से कुछ कुछ वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जैसे सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी की मैं बात करूंगा तो जो भी फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी है पहले तो उसमें हम ए एस थर्टीन लगा के कॉस्ट या एवर इज लोअर में मेजर करते थे पहले के जमाने में बट अब ऐसा नहीं अब फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल लाइबिलिटी में हम क्या करते हैं एज पर इंडेस वन जीरो उसे मेजर करते हैं उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी एडजस्ट करना होता है वो करते हैं और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालते हैं वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से हर साल फाइनेंशियल एसेट में इंटरेस्ट चढ़ाते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी में इंटरेस्ट चढ़ाते पेमेंट माइनस करते हैं इवन फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर लाइबिलिटी कॉम्पोनेंट और इक्विटी कॉम्पोनेट को भी सेग्रीगेट करते हैं पर पुराने ए में ये सब नहीं होता था अब तो ए में भी कुछ कुछ चेंजेस कर दिया गया पर एकदम पुराने ए की बात कर तो वहां पर यह सब होता भी नहीं था हम कोई सेग्रीगेट नहीं करते थे अगर हमने आपसे उधार लिया है हम पूरा का पूरा फाइनेंशियल एबिलिटी मान लेते थे कोई सेग्रीगेशन नहीं होता था फाइनेंशियल एबिलिटी और इक्विटी का तो ये सब सारी चीजें पहले प्रॉब्लम होती थी तो अब स्टैंडर्ड आपको क्या कहता है जब आप इंडस के हिसाब से ओपनिंग इंडेस बैलेंस शीट बनाओगे तब आप दो चीज में से एक चीज कर सकते हो आपके पास उपाय है एक आपके पास उपाय है कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटमेंट रे करो रेट्रोस्पेक्टिवली जिस डेट में आपने फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल एबिलिटी को एक्वायर किया था उस डेट में आप उसकी वैल्यू डिटरमाइन करो कि उस डेट में उसकी क्या फेयर वैल्यू है और अकॉर्डिंगली आप उस डेट की वैल्यू डिटरमाइन करते हुए एडजस्टमेंट करते हुए ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस जिस दिन बना रहे उस दिन की वैल्यू डिटरमाइन करके वो बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाओ और जो भी आपका एडजस्टमेंट है वो रिटेन अर्निंग के साथ एडजस्टमेंट एक आपके पास ये उपाय है दूसरा आपको चॉइस ये देता है कि अगर मान लो फॉर एक्साम्पल आपके लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वगैरह कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए प्रोसेस हो जा रहा है रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करना तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में आप फेयर वैल्यू ले लीजिए दिन डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंडेस्ट जिस दिन आप इंडेस्ट का ट्रांजिशन करो जिस दिन आप ओपनिंग इंड्रेस्ट बैलेंस शीट बना रहे हो उस दिन का फेयर वैल्यू भी ले सकते हो तो दो चॉइस है आपके पास एक तो आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड से रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करो अगर पॉसिबल है तो और वहां पर आपके पास डिस्काउंट रेट वगैरह भी होना पड़ेगा उस टाइम का जब आपने फाइनेंशियल फाइनेंशियल एसेट या एबिलिटी एक्वायर किया था अगर आपके पास डिस्काउंट रेट वगैरह अवेलेबल नहीं है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आप नहीं निकाल सकते तब आप फेयर वैल्यू ले लीजिए पर बट ध्यान रहे यहां पर प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट नहीं ले सकते जैसे हम पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी नॉन फाइनेंशियल एसेट में हम पढ़ेंगे कि वहां पर प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट अलाउड रहता है बट ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल एबिलिटी में प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट आप नहीं ले सकते

चार साल के बाद में चुकाना पड़ेगा हमें थ्री लाख रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा आपको पता पहले ए एस में हम क्या करते थे हम पहले ए एस में ये करते थे कि कोई भी एक्स्ट्रा अगर हमें पैसा प्रीमियम देना होता है उसे हम क्या करते थे जितना पीरियड हमारा लोन का पीरियड है

और फ्यूचर में आपको थर्टी थ्री लाख रुपए चुकाना है तो आप एक काम करो चार साल आपके पास है चार साल में एवरी ईयर आप प्रोपोर्सनेटली थ्री लाख यानी रुपीजी एवरी ईयर ऑफ फाइनेंशियल एबिलिटी को बढ़ाओ हर साल फाइनेंशियल एबिलिटी को सेवेंटी फाइव थाउजेंड से बढ़ाओ और आप क्या करो उसे पीएनएल में चार्ज करो यानी फर्स्ट ईयर में पीएनएल में चार्ज होगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड लाइबिलिटी सेवेंटी फाइव थाउजेंड से बढ़ जाएगा सेकेंड ईयर में भी आपका क्या होगा पीएनएल में चार्ज होगा बोरिंग कॉस्ट नाम से और लाइबिलिटी आप बढ़ा दो से अब मैं आपको एक बात बता दू यहां पर फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन को हमने क्या किया है लोन लिया है और डेट ऑफ ट्रांजिशन कब का फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड थ्री है यानी ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस आपका कब बनेगा फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड थ्री को बनेगा दो साल के बाद तो दो साल के बाद का मैंने कैरिंग अमाउंट पता कर लिया मतलब एज पर ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन कितना दिख रहा होगा थर्टी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड दिख रहा होगा कैसे थर्टी लाख यहाँ पर सेवेंटी फाइव थाउजेंड हम यहां पर बढ़ाएंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड हम यहां पर करके बढ़ाएंगे यहां पर थर्टी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड हमारा ओल्ड एयर के हिसाब से कैरिंग अमाउंट है हमारा ओल्ड एयर के हिसाब से कैरिंग अमाउंट है ओपनिंग इंडेस बैलेंस वाले दिन डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंडेस वाले दिन हम हाँ अब क्या करेंगे यहां पर जैसे इस क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहां पर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है देख लो आप, आपने सिक्स परसेंट में इशू किया था है ना और आपका इंटरेस्ट रेट विदाउट कन्वर्सन ऑप्शन टेन परसेंट है और हम मानेंगे ये टेन परसेंट उसी टाइम का था जब फर्स्ट अप्रैल को आपने इशू किया था तो हमारे पास इंफॉर्मेशन अगर है तो हम रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटमेंट करेंगे अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम कैसे करेंगे हम पहले फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन में यह पता करेंगे कि उस दिन क्या लाइबिलिटी है क्या इक्विटी है तो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन में मैंने देखा कि मैंने पैसे कितने लिए मैंने थर्टी लाख रुपीज लिए हर साल सिक्स परसेंट इंटरेस्ट दूंगा यानी वन लाख एट्टी थाउजेंड हर साल में इंटरेस्ट दूंगा चार साल तक और लास्ट में मैं थर्टी थ्री लाख रुपीज चुका दूंगा इन सबको मैं मार्केट रेट से टेन परसेंट से खींचूंगा तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ गया इतना टू एट वन फोर डबल सिक्स डबल जीरो

उस दिन हमारे बुक्स में तो 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 ये जो जो हमारे हमारे बुक्स में में है, इसको हम करेंगे, बैलेंस ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा ए एस के हिसाब से इसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे और ये वाले को रिकॉग्नाइज करेंगे इक्विटी और डेट में ये वाले को रिकॉग्नाइज करेंगे डिफरेंस कहां दिखाएंगे रिटेन अर्निंग में तो आप देख लीजिए यहाँ पर डिवेंचर्स हमने डी रिकॉग्नाइज किया पुराना वाला

लाख ,00 का लाखी वन लाख फिफ्टी करना डी रिकॉग्नाइज करना हमें और इसके अलावा हम रिकॉग्नाइज क्या करेंगे फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड थ्री ओपनिंग इंडस्ट बैलेंड वाले दिन का डेट कॉम्पोनेंट कितना है इक्विटी कॉम्पोनेंट कितना डेट ये वाला नहीं आएगा ये फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन का इसमें दो साल का एडजस्टमेंट करके ये वाला आएगा इक्विटी यही रहेगा आगे जाके भी तो ये रिकॉग्नाइज करेंगे डिफरेंस हम दिखाएंगे कहाँ पर रिटेन अर्निंग में एक बार मुझे फटाफट से बता दो तो समझ में आया कि नहीं आया और इसके अलावा दूसरा ऑल्टरनेटिव भी हमारा यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर होता अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ये चीज तो हम क्या करते फेयर बिलू सीधा ले, ले लेते फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड थ्री जो फेयर वेलो फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता हमारा और इक्विटी होता वो हम ले लेते हैं और डिफरेंस हम क्या करते हैं पी में सॉरी रिटेन अर्निंग में हम डिफरेंस दिखा देते अगर 15 आपका क्लियर हुआ तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ हाँ या ना मुझे बता दो फटाफट से तो दो चॉइस है रेट्रोस्पेक्टिव री और दूसरा फेयर वेलू में प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट फाइनेंशियल एसेट में नहीं होते अब आगे मैं गवर्नमेंट लोन के बारे में बात करना चाहता हूँ ध्यान से सुना गवर्नमेंट लोन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर भी दो उपाय हमारे गवर्नमेंट लोन के बारे में जैसे मैं अगर आपको पहले की बात बताऊं पहले ओल्ड एय में पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पता है क्या होता था पुराने अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड में जो भी गवर्नमेंट लोन होता था ना हम उसको सीधा का सीधा पूरा गवर्नमेंट लोन दिखा देते थे हम वहां पर यह नहीं दिखाते थे कि गवर्नमेंट ग्रांट कितना है और लोन कितना है मतलब अगर सरकार ने मुझे फिफ्टी लाख रुपीज लोन दिए इंटरेस्ट फ्री में तो देखा जाए तो वहां पर लोन कुछ अलग होगा गवर्नमेंट ग्रांट भी कुछ होगा इंडेक्स के हिसाब से पर पहले ऐसा नहीं होता था पहले हम पूरा लोन दिखा देते थे गवर्नमेंट ग्रांट कुछ दिखाते ही नहीं थे तो अब हमारा जो बैलेंस शीट होगा उसमें पुराना ओल्ड एज के हिसाब से आपका पुराना वैल्यू दिख रहा होगा गवर्नमेंट लोन हमारा तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड हमें बोलता है आपके पास दो चॉइस है एक तो आप क्या करो जिस दिन सरकार ने आपको गवर्नमेंट ग्रांट दिया था उस दिन का मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको स्प्लिट करके ये पता कर लो रेट्रोस्पेक्टिवली कि उस दिन आपका गवर्नमेंट ग्रांट कितने का था और लोन कितने का था और गवर्नमेंट ग्रांट को फिर क्या करो एमोटाइज जैसे करना है उस हिसाब से एमोटाइज करते हुए पता कर लो कि ट्रांजिशन टू इंडेस वाले दिन आपका गवर्नमेंट ग्रांट का वैल्यू कितना है और लोन का वैल्यू कितना है अब रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटमेंट करके आज ओपनिंग इंडेस बैलेंस शीट वाले दिन पता कर लो कितना गवर्नमेंट ग्रांट दिखाना कितना गवर्नमेंट लोन दिखाना

कैरिंग अमाउंट दिख रहा है ओल्ड एज के हिसाब से जो कैरिंग अमाउंट दिख रहा है आप उसी को गवर्नमेंट लोन मान लो आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट लोन को स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पूरा का पूरा गवर्नमेंट लोन जो आपका दिख रहा है वही मान मान लो आप और फ्यूचर में जो आपको पेमेंट करना है उसके बीच में जो भी आपके वैल्यूज में गैप है आप उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लो कैसे निकालना मैं आपको ये समझा रहा हूं जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल टू में कंपनी ने वन करोड़ का लोन लिया था बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में गवर्नमेंट से लोन लिया था का. आपको देना है, 2009 में 1.25 करोड़ का डेट ऑफ ट्रांजिशन टू एंड है फर्स्ट अप्रैल टू को आपका वन करोड़ अमाउंट ऑफ लोन दिख रहा है और हमें पता चला फ्यूचर में हमें क्या करना इंटरेस्ट कुछ देना नहीं मान लो फ्यूचर में हमें पता चला थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइन को इतना पैसा देना है तो हम क्या करेंगे ये जो लोन आपका पुराने ए के हिसाब से दिखाया हुआ है हम इसी को लोन मान लेंगे कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं दिखेगा आप इसी को लोन मान लो और आप एक काम करो जो फ्यूचर का पेमेंट है उसको ऐसे रेट से पुल करो कि कैरिंग अमाउंट आ जाए और जो रेट आएगा वही आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा उसी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से आप प्रेजेंट वैल्यू अब आप बोलोगे सर अगर ऐसा हुआ कि यहां पर भी वन करोड़ ही पेमेंट है और हमारा भी कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन वन करोड़ ही है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमारा जीरो आएगा बात खत्म इंटरेस्ट आपको चढ़ाना ही नहीं आपका जीरो आएगा ये आपका कैरिंग लेकिन ये लोन आपका वैसा का वैसे ही रहेगा मतलब आपको इस बार इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है और इसी रेट से आप क्या करोगे जैसे वन करोड़ का लोन है आप हर साल इंटरेस्ट चढ़ाओगे लास्ट में वन करोड़ ट्वेंटी फाइव लाख हो जाएगा ये पेमेंट कर दोगे बात खत्म तो यहाँ पर आपको समझ में एक तरीका क्या है हमारा जो आपके बुक्स में दिख रहा है लोन का कैरिंग अमाउंट वही पड़ा रहे दो फ्यूचर में जो पेमेंट करना उसका प्रेजेंट वैल्यू में क्या इंटरेस्ट ऐसा होगा कि कैरिंग अमाउंट आ जाए वही इफेक्टिव इंटरेस्टेड आपको हर साल चढ़ाना है एक तो ये तरीका और दूसरा सबसे बेस्ट तरीका यह रहता है कि हम री स्टेटमेंट कर ले अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम री स्टेटमेंट कर ले उसका भी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं एक क्वेश्चन का एक्स्ट्राक्ट मैंने निकाला है। आपका एक बड़ा क्वेश्चन है, है वो मैं आपको कराऊंगा उसका एक्स्ट्राक्ट मैंने निकाला है यहां पर भी लोन है गवर्नमेंट ने कुछ लोन दिया है उस लोन में यहां पर रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट पॉसिबल है तो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं अब देखिए वेट डेफरल लोन सिक्सटी लाख रुपीज का सरकार से आपको मिला है लोन मिला सिक्सटी लाख का थर्टी मार्च टू को बिजनेस को बैकवर्ड रीजन में सेटअप करने के लिए लोन कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा आपसे और आपको पांच साल के बाद पेमेंट करना है

फेयर वैल्यू ऑफ लोन इतने का है तो बचा हुआ क्या हो गया ये हमने रीस्टेटमेंट करके निकाला है रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेटमेंट करके हमने इतना निकाला है, है ना ये फेयर वैल्यू हमने प्रेजेंट वैल्यू से खींच के तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा बाकी का बचा हुआ गवर्नमेंट ग्रांट होगा तो वही चीज आप देख लीजिए पर पर देखो मैंने निकाल के भी देखा लाख रुपए आपको फिफ्थ ईयर के एंड में चुकाना है लोन है टेन परसेंट रेट है टेन परसेंट रेट से अगर आप पुल करोगे तो थ्री सेवन टू फाइव फाइव टू एट आएगा जो कि इन्होंने लिख रखा हुआ है ये नहीं भी दिया हुआ रहता अगर अगर ये नहीं भी दिया हुआ है घबराना मत

और नहा से गवर्नमेंट का लोन इतना दिखाएंगे और गवर्नमेंट ग्रांट बाकी का बचा हुआ दिखा देंगे डबल टू सेवन डबल फोर सेवन टू ये हम गवर्नमेंट ग्रांट दिखा देंगे यहां पर कोई रिटेन अर्निंग में डिफरेंस आएगा नहीं क्योंकि जितना से लोन डी रिकॉगनाइज कर रहे आपने गवर्नमेंट ग्रांट दिखा दिया और इसमें क्यों नहीं आया पता डिफरेंस क्योंकि आपने जो लोन लिया है ना वो ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट जिस डेट में बना रहा है उसे जस्ट एक दिन पहले लोन लिया मतलब जिस दिन आपका ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट बन रहा देखा जाए तो उसी दिन लोन लिया जा रहा है इसलिए कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा आपका तो बताइए ये वाला पार्ट क्या समझ में आया एकदम अच्छे से बोलो तो गवर्नमेंट लोन में दो ट्रीटमेंट बता एक तो गवर्नमेंट लोन को वैसा का वैसा पढ़ा रहे हैं तो कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं दिखेगा एफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लो और दूसरा मैंने क्या बोला आप एफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगर आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है डिस्काउंट रेट वगैरह है तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली पता करो कितना गवर्नमेंट लोन है कितना गवर्नमेंट ग्रांट है वो रिकॉग्नाइज करो पुराना लोन को डी रिकॉगनाइज करो डिफरेंस रिटेन नहीं

नहीं लेते अभी नया इंडेक्स के जमाने में इंटरनसिक वैल्यू की जगह नहीं है सेटलमेंट की बात अलग है हम खर्चा जब बुक करते थे फेयर वैल्यू ऑप्शन का हम खर्चा बुक करते ये डिफरेंस है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बोलता है कि डिफरेंस तो है कि पहले इंटरेंसिक वैल्यू का इस्तेमाल होता था अभी फेयर वैल्यू का इस्तेमाल हो रहा है तो स्टैंडर्ड ने साफ कह दिया

ये देखो इस ऑफ रिजर्व है ट्वेंटी थाउजेंड का इस ऑफ रिजर्व है कंपनी ने ग्रांट किए थाउजेंड ऑप्शंस एम्प्लॉयज को आउट ऑफ विच हंड्रेड एट हंड्रेड ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है थाउजेंड ऑप्शंस दिया हुआ एट हंड्रेड वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी कंपनी ने इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड फॉलो किया था पुराने ए एस के हिसाब से ट्वेल्व वेस्टेड ऑप्शन का खर्चा दिखाया हुआ है ट्वेल्ल थाउजेंड वेस्टेड ऑप्शन का खर्चा दिखाया हुआ नॉन वेस्टेड का दिखाया हुआ है तो जो वेस्टेड का ट्वेल्व थाउजेंड दिखाया हुआ वो तो ट्वेल्थ थाउजेंड ही रहेगा प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट उसको बदलने की जरूरत नहीं है लेकिन आपका जो नॉन वेस्टेड है उसमें आप इंडेक्स वन जीरो टू लगा के फेयर वैल्यू मॉडल लगाओगे और फेयर वैल्यू मैथड इंडेक्स वन जीरो टू के हिसाब से आपका नाइन थाउजेंड बोला फिफ्टी थाउजेंड और नाइन थाउजेंड है मतलब ट्वेल्ल थाउजेंड वाले का फिफ्टीन थाउजेंड है पर हम फिफ्टीन थाउजेंड ही लेंगे हम ट्वेल्ल थाउजेंड ही लेंगे

एस बी पी आर हम कितना दिखाएंगे पहले जो इस रिजर्व ट्वेंटी थाउजेंड दिखता था अभी हम एस बीपीआर कितना दिखाएंगे ट्वेंटी का दिखाएंगे यानी से हमें SBPR बढ़ाना है मतलब से रिटेन अर्निंग कम कर देंगे क्योंकि ट्वेंटी थाउजेंड से हम ट्वेंटी वन थाउजेंड दिखा रहे हैं। समझ में आया बोलो तो देखो पुराना इस ऑफ रिजर्व ट्वेंटी थाउजेंड का डी रिकॉग्नाइज कर दो और एस बीपी रिजर्व ट्वेंटी वन थाउजेंड का दिखा दो नया से डिफरेंस रिटेन अर्निंग में दिखा देना बोलो ये भी क्वेश्चन का एक्सट्राक्ट है समझ में आया या ना बताओ मुझे फटाफट से हरी झंडी तो समझ में आया कि नहीं आया अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स एसेट या फिर आप अगर बोल दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इसकी बात करता हूं मैं यहां पर आपको बहुत सारे चॉइस दिए स्टैंडर्ड यहां पर स्टैंडर्ड ने आपको ये चॉइस दिया है कि आप इन सबकी प्रीवियस आप कैरिंग अमाउंट भी ले सकते हो रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट भी कर सकते हो और फेयर वैल्यू भी ले सकते हो तीनों चॉइस है आपके पास आप चाहो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कर लो या फिर आप डेट ऑफ ट्रांजिशन का फेयर वैल्यू ले लो या फिर आप प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट ले लो बट आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू की कोई जगह नहीं होती इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ कॉस्ट मॉडल ही लगता है इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए दो ही चॉइस है या तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करो या प्रीवियस गैप लो यानी फेयर वैल्यू आप नहीं ले सकते मतलब पीपी इंटेंजिबल अट आर में तो आप फेयर वैल्यू ले सकते हो बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जबकि ओनली कॉस्ट मॉडल परमिट करता है तो यहां पर आप अप्लाई नहीं कर सकते फेयर वैल्यू तो बताओ याद रहेगा हाँ सर याद रहेगा पीपी इंटेंजिबल एसेट वगैरह में तो हम क्या करेंगे फेयर वैल्यू भी ले सकते हैं प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट भी ले सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव भी कर सकते हैं बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दो ही पॉसिबल रेट्रोस्पेक्टिव करो प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट लो फेयर वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है एज पर इंडेस फोर्टी डन एकदम अच्छे से हमने समझ लिया ये वाला अब आगे अगर हम बात करें अगर सब्सिड्री में

तो यहाँ पर भी प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट आपको अलाउ किया गया यहां पर आपको फेयर वैल्यू भी अलाउ किया गया अब आप, आप बोलोगे सर यहां पर रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्यों अलाउ नहीं किया मेरी बात सुनो अगर आप कॉस्ट लोगे ना तो वो रेट्रोस्पेक्टिव ही हो गया क्योंकि इंडेस ट्वेंटी सेवन हमें बोलता है कि आप कॉस्ट ले लो और वो कॉस्ट ही हमेशा पड़ा रहता है वो थोड़े ना रीस्टेट स्टेट होता है तो कॉस्ट लेने का मतलब ही रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कर रहे हो तो आप याद रखोगे यस इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट में हम क्या ले सकते हैं कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू या प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट

ऑपरेशन के मामले में बुक्स में दिखाते दिखा सकते वैल्यू in दिखाना पड़ेगा जिसका एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में हम इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन में स्टैंडर्ड आपको एक तो सबसे सिंपल चॉइस ही देता है सिंपल स्टैंडर्ड है, कहते हैं आप एक काम करो ना आप सारा प्रीवियस कैरिंग लो सारे जो आपके बैलेंस शीट में प्रीवियस कैरिंग अमाउंट है वही सारे ले लो आप गुडविल भी कोई पुराना वाला ले लो एनसीआई भी पुराना वाला ले लो सब कुछ पुराना वाला ले लो बात खत्म लेकिन आप बोलोगे नहीं हमें तो रिस्टेटमेंट करो ना एज पर इंटरेस्ट वन जीरो थ्री हमें सब कुछ लगाना है तो ठीक है आप रिजिस्ट्रेट करो अगर आप रिजिस्ट्रेट करोगे तो जिस डेट में आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन किया था उस डेट में रिजिस्ट्रेट करना है एक बात ध्यान रख लो मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने वन अप्रैल टू था वन अप्रैल का आपका कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन एक हुआ था आपने कोई बिजनेस एक्वायर किया था अगर आप फर्स्ट अप्रैल 1992 का रीस्टेट करना चाहते हो तो उसके बाद के सभी बिजनेस कॉम्बिनेशन आपको रीस्टेट करने होंगे ऐसे में आप सिलेक्टेड कर सकते हो जिस डेट का आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन रीस्टेट करना चाहा उसके बाद के सभी के सभी में रीस्टेटमेंट होगा एक बात और है पुराने एएस में एनसीए कभी नेगेटिव नहीं होता था बट इंडियास के हिसाब से एनसीए नेगेटिव हो सकता है तो आप ये समझ लीजिए अगर पुराने ए एस के हिसाब से प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट ही सारा लोगे तब तो एनसीए का भी नेगेटिव होगा नहीं बट अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव री स्टेटमेंट करोगे तो एनसीए नेगेटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव वाला आप लोगे फिर है ना सिंपल सी बात ही है तो आपके पास यहाँ पर वही दो चॉइस ही या तो प्रीवियस गैप ले लो तब एनसीआई गुडविल सब कुछ सेम रहेगा लेकिन आप रीस्टेट करोगे तो आप करो और तब आपका एनसीए वगैरह सब अलग आएगा और वो नेगेटिव भी हो सकता है बात खत्म बोलो ये समझ में आया कि नहीं है तो इससे ज्यादा तो स्लो क्या ही पड़ा मैं आप लोगों को एनसीए वाली बात मैंने आपको बताई दी एकदम अच्छे से अब क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस तो जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंस होता है एफ सी टी आर है ना यहाँ पर स्टैंडर्ड आपको बोलता है आप एक काम करो आपके पास दो चॉइस है या तो एफ सी टी आर का जो भी बैलेंस है आप उसे ओ सी आई में देखो और या फिर सबसे ज्यादा प्रचलित यही है स्टैंडर्ड और सबसे ज्यादा क्वेश्चन में भी ये यूज होता है कि आप एफ सी टी आर को जीरो कर दो मतलब जो भी आपका ट्रांसलेशन डिफरेंस है मान लो फिफ्टी थाउजेंड का है आप फिफ्टी थाउजेंड को जीरो कर दो और ये फिफ्टी थाउजेंड रिटेन अर्निंग से एडजस्ट कर दो राइट ऑफ कर दो मतलब कहने का मतलब राइट ऑफ कर दो रिटेन अर्निंग से प्लस माइनस करके आप राइट ऑफ कर दो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है तो आप ट्रांसलेशन डिफरेंस में ये ध्यान में रखना एग्जाम के लिए कि जो भी ट्रांसलेशन डिफरेंस होगा हम उसको क्या करेंगे राइट ऑफ कर दें बात खत्म अब आपको याद होगा पुराने ए एस इलेवन में हम पढ़ते थे लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है ना जहाँ पर हम क्या करते थे पता है जहां पर हम फॉरेन करेंसी मॉनिट्री आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में बनाते थे जैसे मैं आपको याद दिला दूँ पुराने ज़माने में जब आप कैपिटल एसेट्स वगैरह खरीदते थे तो जो एक्सचेंज लॉस होता था वो पी में जाता था जो भी हम कैपिटल एसेट्स ख़रीदते थे और लाइबिलिटी जो हमारा रहता था पेबल है ना तो ये सब में हमारा जो भी एक्सचेंज लॉस होता था वो कहाँ जाता था पी में जाता था बट पैरा फोर्टी 46, सिक्स पैरा फोर्टी सिक्स ए हमें एक ऑप्शन देता था लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए 2007-8 के आसपास आया था है ना उस टाइम में 2008 से 10 के आसपास में उस वक्त जिसने ऑप्शन अवेल किया था उनको ये चॉइस दिया गया था कि आप एक काम करो जो भी आपका एक्सचेंज लॉस आएगा पेबल वगैरह में आपने कोई एसेट वगैरह खरीदा तो जो आपका पेबल है फॉरेन करेंसी पेबल उसमें जो भी एक्सचेंज गेन या लॉस आएगा आप उससे क्या कर सकते हो कैपिटलाइज कर सकते हो इनस्टेड ऑफ सोइंग इट एस एक्सपेंसेस इन पीएनएल अकाउंट है ना आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हो तो हम कैपिटलाइज हम करेंगे और आगे जाके हम उसे कर सकते, सकते। तो हैं है। तो, तो हम एसेट में कैपिटलाइज कर देते थे अगर आपने एसेट में कैपिटलाइज किया तब तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है वो एसेट आपका डेप्रिसिएट फ्यूचर में होगा उसके थ्रू जो होना होगा और एसेट को तो हमने चॉइस भी दिया हुआ है आप फेयर वैल्यू में दिखा दो प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट ले लो

फॉरन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट आपने एक अकाउंट लेजर बनाया था अगर आपने एक हेड बनाया था और उसमें आपने डाला हुआ है तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आपको कहता है एक काम करो आप ये हेड को कंटिन्यू कर सकते हो जैसे आप एमोटाइज कर रहे थे वैसे करते जाइए और या फिर सबसे अच्छी बात रहेगी हम खुश होंगे अगर आप इसे रिसेट करके जीरो कर दो और जो भी एडजस्टमेंट है वो रिटेन अर्निंग के साथ दिखा दो यानी एसेट में जो कैपिटलाइज हुआ है एक्सचेंज लॉस उसमें तो टेंशन ही नहीं अगर आपने एक्स्ट्रा से एफ सी एम आई टी डी अकाउंट क्रिएट किया तो दो चॉइस है या तो उसे जीरो कर दो और या फिर उसे पड़ा रहने दो जैसे एमोटाइज कर रहे थे वैसे एमोटाइज करते रहो डन ये भी मैंने आपको समझा दिया एकदम अच्छे से फिर एस्टीमेट्स में अब एस्टीमेट्स में आपने मान लीजिए पुराने ए के हिसाब से एस्टिमेट किया अब आप इंडेक्स लगा रहे तो इंडेक्स लगाते समय आप देखो कि आपका जो एस्टिमेट है उसमें कोई एरर तो नहीं है आप बोलोगे नहीं है वो एरर नहीं है और जो एस्टिमेट आपने पहले ए के हिसाब से किया था क्या वो इंडेक्स के हिसाब से भी वही होना है अगर कोई एरर नहीं है इंडेक्स के हिसाब से भी वही एस्टिमेट होना है तब तो भाई वही प्रीवियस वाला एस्टिमेट ले ले बात खत्म मतलब मैंने पुराना कोई प्रोविजन का एस्टिमेट किया था कोई कस्टमर ने मेरे पे केस कर दिया था मैंने प्रोविजन बनाया था है ना कुछ सूट डैमेजेस का हो या फिर कुछ गंदगी फैलाया था जिसका मैंने प्रोविजन बनाया था और वो प्रोविजन का एस्टिमेट मैंने ए एस के हिसाब से किया था अब मैं इंडेक्स लगा रहा हूँ तो इंडेक्स लगाते समय मैंने देखा वो एस्टिमेट में कोई एरर नहीं है वो एरर फ्री है ठीक है और वो इंडेक्स के सबसे कंसिस्टेंट भी है तो ठीक है उसी को ले लो बात खत्म लेकिन अगर उसमें कोई एरर है या फिर वो कंसिस्टेंट इंडेक्स नहीं है तो आपको नया से एस्टिमेट को एस्टिमेट करना होगा नया से और जो भी डिफरेंस है उसको एडजस्टमेंट करो विध रिटर्न बात खत्म यही था एस्टिमेट का काम और तो कुछ है ही नहीं तो इसी के साथ मैंने तो जितने रिलेवेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो सारे मैंने करवा दिए अब एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा मेरे ख्याल से इलेन सिक्सटीन में आपको करवाऊंगा सबसे पहले बताओ तो थ्योरी समझ में आया मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि इंडस 101 में कौन सा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया था सर पिछले मैराथन में बताया था अब और क्या बताना है अभी भी बता दूंगा पॉसिबल हुआ तो देख लेता हूँ सेवन में ये देखिए अभी हम इलेन सिक्सटीन करेंगे ये इंपॉर्टेंट है इलेस्टेशन सिक्सटीन इलास्टेशन सेवनटीन में नहीं कराऊंगा अभी आप खुद से सेल्व कर लीजिएगा या फिर आप जो डिटेल्ड वीडियो उसे देख के कर लीजिएगा ये बड़ा क्वेश्चन अभी मैं नहीं कराऊंगा टफ नहीं है बस बड़ा है और ये आने का चांस कंपैरेटिवली कम है टफ नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा क्वेश्चन है बस टफ नहीं है सेवनटीन आप खुद से कर लीजिएगा आप यूट्यूब से देख सकते हो जो मेरा वन जीरो वनडेस वन जीरो वन का डिटेल वीडियो उससे देख सकते हो चाहो तो अभी मैं वो नहीं कराऊंगा अभी मुझे लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस इसका है इलास्टेशन सिक्सटीन आपको एग्जाम में पूछा जाने का चांसेस है तो इलेटेशन सिक्सटीन कराऊंगा फिफ्टीन का भी चांस है मैंने करवा दिया तो अभी मैं आपको इलास्ट्रेशन सिक्सटीन कराऊंगा सेवनटीन आप खुद से सल्व कीजिएगा और टेस्ट योर नॉलेज के अंदर क्वेश्चन नंबर फाइव आपको मैं करवाऊंगा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये इसलिए मैं करवा दूंगा और क्वेश्चन नंबर सिक्स भी पूछा जा सकता है इसलिए ये भी करवाऊंगा तो तीन क्वेश्चन मैं आपको भी करवाऊंगा जाओ इलाशन सिक्सटीन में आ जाते हैं 16 हम फटाफट से देखते हैं। लिमिटेड हैज फॉलोइंग यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ देखो प्रॉपर्टी प्लांट इन इक्विपमेंट कितने का दिया हुआ है वन थ्री फोर फाइव जीरो ट्रिपल जीरो का प्रॉपर्टी प्लान डेटा पूरा दिया हुआ हम पहले अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ते वो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए

1, 3, 4, 5, 0, 000, 000 में से फोर लाखेंड माइनस करके हम वन करोड़ थर्टी लाख का ही पीपी -पी दिखाएंगे और अलग से इन्वेस्टमेंट फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड का अलग से हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाएंगे आप देख लो मैंने स्प्लिट कर दिया वन करोड थर्टी लाख का पीपी -पी दिखाएंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग से फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड का दिखाएंगे अलग अलग क्लासिफिकेशन हम करेंगे ये मैंने आपको नोट थ्योरी में भी बताया था ये वाला पॉइंट हो गया फिर आगे देखो यहां पर क्या लिखा हुआ एक्सचेंज डिफरेंस जो है वो पीपी -पी में कैपिटलाइज किया गया तो उसका तो अलग से कोई काम ही नहीं है अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आपने डेप्रिशल पीपी में कैपिटलाइज किया है तो वो पीपी -पी के साथ जो एडजस्टमेंट होना उसके साथ हो जाएगा है ना और अगर हम मान लीजिए यहां पर मैं आपको बता दू क्या हो रहा है यहां पर इन्होंने मैनेजमेंट ने क्या कहा पता है कि वो प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट ही लेंगे एज डीम कॉस्ट दोनों पीपी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो अब हमने तो स्प्लिट तो किया ही अब स्प्लिट करके हम यही दिखाएंगे क्योंकि हम प्रीवियस गैप ले रहे हैं क्वेश्चन बोल रहा है प्रीवियस गैप लो पर अगर क्वेश्चन बोलता है फेयर वैल्यू लो तो इसका फेयर वैल्यू लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो फेयर वैल्यू ले भी नहीं सकते इसमें तो प्रीवियस गैप ही रहेगा या फिर रेट्रोस्पेक्टिव है ना तो ये हमने प्रीवियस गैप ले लिया दोनों का अब आगे हम देखते हैं आगे यहां है पर अब देखो इसका कोई काम ही नहीं क्योंकि एसेट का हम प्रीवियस गैप ले ले रहे हैं उसमें कंज्यूम होने से कोई एक्स्ट्रा से काम ही नहीं है तो ये लाइन आपके लिए काम का नहीं इसको मैं काट देता हूँ ये लाइन कोई काम का नहीं इग्नोर करने वाला लाइन है आपका ये

और ऑबियसली बात है हम इन्वेस्टमेंट को नॉन करेंट के अंदर मानेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल एसेट के अंदर दिखाएंगे लेकिन आईसीए ने क्या किया आईसीए ने अपने सॉल्यूशन में करंट एसेट्स के अंदर दिखाया है, तो मजबूरी आप भी वही दिखाना करंट एसेट्स के अंदर ये फाइनेंशियल एसेट के हेड के अंदर आएगा इन्वेस्टमेंट देख लीजिए 68 लाख का और ये 20 लाख जो हमने बढ़ाया है ये 20 लाख कहां जाएगा रिटेन अर्निंग में प्लस हो जाएगा ये देखो पुराना प्रीवियस पुराना फिगर तो वन सेवेंटी थाउजेंड बुक्स में ही है ये देखो हमने उसमें क्या किया ट्वेंटी लाख बढ़ा दिया डबल इफेक्ट दिया ट्वेंटी लाख इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया ट्वेंटी लाख रिटेन अर्निंग को बढ़ा दिया तो इसका भी डबल इफेक्ट मैंने कर दिया बात खत्म है ना और यहां पर भी ठीक करते जा रहा हूं फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट नेक्स्ट वेट डल लोन मुझसे पूछना मत आप मत पूछना नहीं तो बुरा हो जाएगा मैंने समझा दिया था थ्री सेवन टू फाइव फाइव टू एट मैंने कहा था लोन होगा और ये लोन हम क्या करेंगे नॉन करंट लाइब्रेट के अंदर हम दिखा देंगे वो भी फाइनेंशियल लाइब्रेटी में आएगा लोन फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आता है बचा हुआ हमारा क्या होगा गवर्नमेंट ग्रांट होगा बचा हुआ गवर्नमेंट ग्रांट ये अदर नॉन करंट लाइब्रेटी में चला जाएगा तो आप देखिए यहां पर फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर वेट डेफरल लोन आ गया इतने का और एक्स्ट्रा से अदर नॉन करंट लाइब्रेटी के अंदर आता है अदर नॉन करंट लाइब्रेट में ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी का हिस्सा नहीं अलग से हम दिखाएंगे गवर्नमेंट ग्रांट अदर नॉन करंट लाइब्रेटी में कोई डिफरेंस नहीं, कोई रिटेन एंडिंग में कुछ भी नहीं जाने वाला तो ये पॉइंट भी हमारा हो चुका है। ये भी आपको याद हो मैंने था हो उसकी जगह में का दिखाएंगे। और वन थाउजेंड अर्निंग में जाएगा मैंने बताया था ऑलरेडी आपको थ्योरी कराते समय है ना तो आप देखो इस रिजर्व इसको एस बीपीआर भी लिख सकते हो एसबीपी रिजर्व ये आप वन थाउजेंड बढ़ाओगे ट्वेंटी वन थाउजेंड दिखाओगे और वो वन थाउजेंड आपका कहां जाएगा रिटेन अर्निंग से कम होगा क्यों कम होगा क्योंकि रिजर्व बढ़ा रहे हो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो रिटेन अर्निंग तो घटेगा ना इसलिए वन गिर रहे है और वन थाउजेंड हमारा रिजर्व बढ़ रहा है इसका भी डबल इफेक्ट हो चुका फिर ट्रांसलेशन डिफरेंस में क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि आप इसे रिसेट करके जीरो कर दोन तो जीरो जीरो करना चाहते हो आप तो ठीक है वन लाख का आपका जो ट्रांसलेशन डिफरेंस है उसे हम जीरो कर देंगे ये देखिए और वन लाख का फायदा हो गया जीरो करने पर ये वन लाख हमारा रिटेन अर्निंग में चला जाएगा तो ट्रांसलेशन रिजर्व जीरो हो गया और हमारा वन लाख में चला गया बस बात खत्म बाकी तो कॉपी पेस्ट करना है क्वेश्चन में और कुछ ही नहीं बाकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन है नहीं, नहीं तो बाकी बाकी कॉपी पेस्ट करके डालेंगे देखो तो यहाँ पर आप देखो अब बचा क्या ट्रेड ट्रेडिबल्स ये फाइनेंशियल एसेट के अंदर ये करंट करेंट एसेट के अंदर फाइनेंशियल एसेट में आ जाएगा एडवांसेस फॉर परचेस ऑफ इन्वेंट्री तो आपने इन्वेंट्री खरीदने के लिए पैसा दिया है ये अदर करेंट एसेट के अंदर जाएगा इन्वेंट्री तो हमें पता ही है कहा जाते हैं करेंट एसेट्स में सबसे पहले हेडी दिखाते हैं कैश आपका फाइनेंशियल एसेट में जाएगा तो फाइनेंशियल एसेट में देखो एक तो कैश जा रहा है एक ट्रेड ट्रेडिसबल जा रहा है और एक इन्वेस्टमेंट तो हमने करंट एसेट में फाइनेंशियल एसेट में दिखाया था तो तीन आइटम जा रहे हैं ये देखिए इन्वेस्टमेंट दिखाया था मजबूरी थी करंट माना ने करेंट माना इसे और कैस हमने फाइनेंशियल जो इन्वेंट्रीज के लिए अदर करेंट एसेट में चला गया और आपका सबसे पहले तो करेंट एसेट्स का हेड इन्वेंट्री होता है तो ये सारे तो फिगर आपके एज इट इज दी बस क्लासिफिकेशन मैंने किया और कुछ भी नहीं है इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेर कैपिटल जो है वही दिखा देंगे अदर इक्विटी में मैंने क्यूमिलटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस जीरो दिखाई है इस ऑफ रिजर्व मेरा ट्वेंटी वन थाउजेंड दिखाया हुआ है और रिटेन अर्निंग भी जो मेरा ये फिगर था ये तीन एडजस्टमेंट करने के बाद ये वाला आ गया

तो अब देखिए प्रोविजन आपका अलग से गया अदर करंट लाइब्रेट लिखा नहीं पर अदर करंट लाइब्रेट में अलग से प्रोविजन दिखा दिया जाता है या अदर करंट लाइब्रेटी में नहीं सीधा प्रोविजन आप दिखा दोगे और फाइनेंशियल लाइब्रेट में दो आइटम आ गया आपका तो यहाँ पर ये यह क्वेश्चन बताओ क्या नहीं कर पाओगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है बहुत सिंपल है एक बार प्रैक्टिस करना आराम से हो जाएगा क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था जान था ही नहीं इस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ गया फोर्टीन मार्क्स का मेरे ख्याल से ही आपके लिए सबसे बड़ा बोनस होगा आईसीए ने भी देखो इसी तरीके से कुछ किया है थोड़ा सा वर्किंग लिख देना जो ज्ञान है किसोप का ज्ञान लिख दिया क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस का जो ज्ञान समझाया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो ज्ञान समझाया वो एक एक लाइन में ज्ञान लिख दिया आपने एडजस्टमेंट का और आपने बैलेंस शीट बना दिया देखो यहाँ पर इन्होंने साइड में एडजस्टमेंट कर दिया जो मैंने किया था और आपका बैलेंस शीट बन जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है मैंने हालांकि स्पीड में कराया है बट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस इंडेस एंड अंडरस्टैंडिंग इस नेक्स्ट लेवल चलो बहुत बढ़िया अगर इतनी स्पीड में भी आप समझ पाए हो तो मेरे लिए खुशी की बात है बट मैं तो अभी स्पीड में समझा रहा हूं मेरे पास कोई चारा नहीं है तो अब हम क्या करेंगे इलस्ट्रेशन 16 बोलो डन बोलो फटाफट से डन हुआ कि नहीं हुआ तो तुम टीवाईके के क्वेश्चन में प्रोसीड करते फिर हम अगर डन हुआ तो टीवाईके का क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं अंकित जी एडजस्टमेंट क्यों याद नहीं होगा इतने अच्छे से तो बता दिया एक बार गो थ्रू करना क्यों याद नहीं होगा वो नहीं एडजस्टमेंट याद रिपीट भी कर दे रहा हूँ याद नहीं होने का सवाल ही नहीं पैदा होते अच्छा फोर चार विकेट तो उस टाइम क्या था अभी एक और पांच चला गया क्या चलो जी क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी सर थैंक्स थैंक यू सो मच सुमाखा जी सुमुखा जी नाम है ना अच्छा क्वेश्चन में जान नहीं है लेकिन ज्ञान देना ज्ञान देना ज्ञान देना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगे फटाफट दे देना ना ज्ञान को दिक्कत नहीं है. चलो जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं सिक्स और समझ में आ रहा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको मजा आ रहा है तो पढ़ के चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स माथुर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैज टू प्रेजेंट इन इनिट्स फर्स्ट फाइनेंशियल अंडर इंडेस इंडेक्स के हिसाब से उसको फर्स्ट फाइनेंशियल प्रेजेंट करना है फॉलोइंग एडजस्टमेंट आपको करना है बोला कंपनी ने ऑप्ट किया कि वो लैंड को फेयर वैल्यू में मेजर करेगा अब आप लैंड सुनते ही ये मत बोल देना सर ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है सर हमें तो इसमें फेयर वैल्यू लगाना ही नहीं चाहिए आप क्या बात कर रहे हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में तो फेयर वैल्यू लगता ही नहीं मेरे भाई सारे लैंड थोड़े ना आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गए हम सोचेंगे बिजनेस के लिए यूज हो रहा है और हम इसे पीपी -पी मानेंगे और क्वेश्चन ने बोला फेयर वैल्यू टेन करोड़ है

कंपनी ने फिर क्या किया प्रोविजन फॉर डिविडेंड 60 लाख का डिविडेंड डिविडेंड का डिवरेंग डिवरेंग का प्रोविजन बनाया बनाया डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 18 लाख इट वाज रिटर्न बैक ओपनिंग बैलेंस इट बात है बैक करना पड़ेगा क्योंकि रिवर्स तो तो करना है हम क्या करेंगे रिटेन अर्निंग को अब तो यहाँ पर 5.5 करोड़ से क्रेडिट किया यहाँ पर 78 लाख से हम क्रेडिट कर रहे हैं फिर इन्वेस्टमेंट को आप फेयर वैल्यू में मेजर करना चाहते हो जिसके चलते 75 फाइव लाख से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो रिटेन अर्निंग हमारा यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और सेवेंटी लाख से रिटेन अर्निंग को भी बढ़ाएंगे ये भी करेंगे कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल 80 करोड़ का है रिडीमेबल प्रेफरेंस है 25 करोड़ का है।

प्रेफरेंस नहीं आएगा क्योंकि इंडिया के हिसाब से लाइबिलिटी क्लासीफाई होने क्वेश्चन ने बोल दिया तो ये आपका इक्विटी का हिस्सा नहीं होगा इसके अलावा 40 करोड़ का आपका रिजर्व गई, गई और रिटेन अर्निंग कितने का होगा रिटेन अर्निंग आप बोलोगे 50 करोड़ का रिटेन अर्निंग सिर्फ अकेला नहीं है इसके अलावा 5.5 करोड़ से रिटेन अर्निंग बढ़ाया हमने 78 लाइन पॉइंट सेवन एट करोड़ से रिटेन अर्निंग बढ़ाया हमने और करोड़ से भी तो रिटेन अर्निंग बढ़ाया तो आपका अर्निंग कितना हो रहा है एट्टी आप। तो प्लस आपका अदर इक्विटी सब दे तो कितना आएगा फोर्टी फाइव फिफ्टी सेवन 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 टू पॉइंट जीरो थ्री तो का आपका है यानी कुछ गड़बड़ तो नहीं किया नाइनटी फाइव नहीं हंड्रेड टू पॉइंटी तो ले लिया 45 और हंड्रेड टू पॉइंट जीरो अदर इक्विटी होगा और वही देखिए यहां पर इन्होंने निकाला हुआ है तो आप देख लीजिए एट्टी का अदर इक्विटी में इन्होंने बोला जनरल जर्नलिज्म फोर्टी का है कैपिटलिज्म का है, मैंने ये तो लिखा था है ना शॉर्ट में और बाकी रिटेन में फिफ्टी तो रिटेन अर्निंग है ही उसमें जो मैंने ये जोड़ा था देख लो है ना एक लाइन में जान मुझ के लिखा था कि क्लैरिटी मिल जाए एक बार आपको फिफ्टी सेवन पॉइंट जीरो थ्री आया और टोटल आपका फाइनली आ गया तो बोलो क्या टोटल इक्विटी नहीं बता सकते बताओ मुझे टोटल इक्विटी क्या नहीं बता सकते बोलो फटाफट इतना आसान है ये आराम से बता दोगे इसके अलावा भी एक और बात पूछा इन्होंने इन्होंने बोला रिकनसिलेशन करके बताओ टोटल इक्विटी एस पर एस एंड एस पर इंडेस इंडेस और का इंडलेशन करके बताओ तो आप मुझे बताइए के हिसाब से आपका टोटल इक्विटी कितना था ए एस के हिसाब से आप देखिए हमारा टोटल इक्विटी क्या था ए एस के हिसाब से एट्टी करोड़ हमारा था शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी हमारा नाइनटी फाइव करोड़ का था और ये प्रेफरेंस भी हमारा ए एस के हिसाब से इक्विटी का हिस्सा था तो एट्टी प्लस ट्वेंटी हमारा ए एस के हिसाब से था

हमने पॉइंट सेवन एट बढ़ाया डिविडेंड वाला हमने पॉइंट सेवन फाइव बढ़ाया ये सारा करने के बाद हमारा वन एटी टू पॉइंट जीरो थ्री आ गया रिकन्सिलेशन मतलब हम बोलेंगे देखो ए एस के हिसाब से टू हंड्रेड था हमने उसमें से ट्वेंटी फाइव अदर इक्विटी निकाल दिया क्योंकि वो लाइबिलिटी है और बाकी ये रिटेन अर्निंग को बढ़ाया जिससे हमारा वन एटी टू पॉइंट जीरो थ्री आने रिकनसिलेशन करके भी बता देना क्वेश्चन में जान नहीं है बिल्कुल भी अब आप में जान है या नहीं आप ये बताओ क्वेश्चन में तो जान नहीं है यस yes, पेपर में आ जाए तो मजा आ जाए समझ में आया प्रेफरेंस माइनस को हो जा रहा है और ये तीनों ऐड हो जा रहे हैं जो हमने पहले भी ऐड किया था ये तीनों ये तीनों ऐड हो जा रहा है प्रेफरेंस माइनस हो जा रहा है उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है ए एस और इंडेस में ए एस और इंडेस में बोलो इसमें देखो इसी तरीके से आप बनाना टेबल वाइज एक्सप्लेनेशन की इसमें जरूरत नहीं है थोड़ा एक एक लाइन में लिख देना और बना देना एग्जैक्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है अब मुझे आपको एक और क्वेश्चन करवाना है डेट इज क्वेश्चन नंबर फाइव वेंचर वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता क्वेश्चन भी पूछा जा सकता हालत खराब हो जाती है बोल बोल के एक सेकंड रुक जाओ आ जाओ चलो स्टार्ट करें देखो क्वेश्चन सिंपल ही दिखने को बड़े बड़े लगते हैं क्वेश्चन में जान नहीं है सिंपल क्वेश्चन इवन मैं बता रहा हूं इलेस्ट्रेशन सेवेंटीन भी सिंपल है सोल्यूशन कुछ खास बड़ा नहीं है छोटा सा इलेशन सेवनटीन खत्म ही हो जाते हैं यहाँ सिंपल है कुछ खास नहीं है सी वाला तो कुछ हाँ जी चलिए मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में हुआ क्या सुनो मेरी बात देखो एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया था अब ये वॉल्ट्रीली एडोप्ट करना चाहता है इंडस फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड वन से और कंपनी के पास एक होली ओन सब्सिडरी है एक ज्वाइंट वेंचर भी है देखो यह रहा ज्वाइंट वेंचर भी है कॉन्सोलिटेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का दिया हुआ है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड टू थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड वन का ये हमारा कोई काम का नहीं क्योंकि तो हमारा ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट टू थाउजेंड वन को बनेगा तो यही वाला हमारा बैलेंस शीट काम का ये वाला कोई काम का नहीं हम काट देते हैं ये वाला बैलेंस शीट हमारे लिए काम का इसी में जो एडजस्टमेंट करना वो हम एडजस्टमेंट करेंगे क्वेश्चन ने क्या बोला कंपनी ने ज्वाइंट अरेंजमेंट में एंटर किया था बाय एक्वायरिंग फिफ्टी परसेंट ऑफ द इक्विटी मेथड

तो हमें क्या करना है पता है हमें यहाँ से बैलेंस से माइनस करना है जैसे ट्वेल्व हंड्रेड का पीपीएम यहाँ से माइनस कर देंगे यहाँ से ट्वेल्व हंड्रेड माइनस कर देंगे और इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट इन वेंचर में एक सिंगल वैल्यू दिखाएंगे एक साथ दिखाएंगे फोर जीरो का लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये यह भी यहाँ से माइनस कर देंगे ये भी आपने दिया है आपका फाइनेंशियल एसेट है ये भी आप अलग से दिखा दोगे यहाँ पर एक साथ टू एट्टी का ट्रेडल्स भी माइनस हो जाएगा यहाँ से और अब टू एट्टी आप इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर एक सिंगल वैल्यू दिखाओगे अदर करेंट एसेट्स भी आपका 50 यहां से माइनस हो जाएगा और अब 50 आप ऐसे दिखाओगे ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन ट्रेड पेएबल 75 कम हो जाएगा कहां है ट्रेड पेएबल 75 कम हो जाएगा हमारा और शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हमारा 35 कम हो जाएगा मतलब हम अलग-अलग से नहीं दिखा सकते प्रोपोर्शन हमें यहां से भी ये माइनस होगा इन्वेस्टमेंट में एसेट से माइनस होगा ये तो इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर हम सिंगल वैल्यू दिखाएंगे कितना ट्वेल्व हंड्रेड प्लस फोर जीरो फाइव प्लस टू एट्टी प्लस फिफ्टी माइनस सेवेंटी फाइव माइनस हंड्रेड टन सीधा कर सकता हूँ यानी वन एट टू फाइव हम दिखाएंगे और ये सब फिगर को माइनस करके दिखा देंगे तो आपको यहां पर करना है कि एक तो आपको इन इंडेक्स के हिसाब से बैलेंस शीट बनाना है ये शेड्यूल थ्री के हिसाब से बैलेंस शीट नहीं तो वो मैं उम्मीद करता हूं बना लोगे क्योंकि पहले नॉन करेंट एसेट दिखाओगे उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गुडविल दिखाओगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज भी दिखाओगे फिर करेंट एसेट्स के हेड के अंदर करेंट एसेट्स के हेड के अंदर आप दिखाओगे सबसे पहले तो क्या फाइनेंशियल एसेट के हेड फाइनेंशियल एसेट का हेड बनाओगे उसमें इन्वेस्टमेंट ट्रेडिसिबल्स दिखाओगे फिर आप अदर करंट एसेट्स का हेड बना के दिखाओगे है ना और इधर भी आप शेयर कैपिटल अदर इक्विटी दिखाओगे नॉन करंट लाइब्रेटी के हेड के अंदर फाइनेंशियल लाइब्रिटी का हेड में लॉन्ग टर्म बोरिंग आएगा और ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन अलग से आएगा है ना अदर लॉन्ग टर्म लाइब्रेटी आपका अदर नॉन करंट लाइब्रिटी में आ जाएगा आपका फिर करेंट लाइबिलिटी के अंदर आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी का हेड बना के ट्रेड पेबल दिखाओगे और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आप अलग से दिखाओगे तो एक तो आपका हो गया शेड्यूल थ्री के हिसाब से आपको ऐसे बनाना पड़ेगा देखो नॉन करेंट एसेट्स में पीपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गुडविल फिर फाइनेंशियल एसेट के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर भी हमारा फाइनेंशियल एसेट के अंदर ही जा सकता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया इन्वेस्टमेंट करूँ वो फाइनेंशियल एसेट माना जाता है तो हम इस प्रकार से दिखा देंगे यहाँ पर ये हमने दिखा दिया या फिर आप अलग से भी दिखाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर करेंट एसेट्स में भी हमने एसेट का बना के हम ट्रेड दिखाएंगे और अदर आप अलग से, दिखा तो एसेट के के अंदर अलग से बाहर दिखा आएगा अगर ये अदर फाइनेंशियल तो अलग बात है अगर अदर करंट एसेट आपका फाइनेंशियल थोड़ा ना लिखा हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको आप फाइनेंशियल नहीं मानोगे तो आप अलग से बाहर करके दिखाना और इधर इक्विटी एंड लाइब्रेटी में शेयर कैपिटल अदर इक्विटी दिखाया नॉन करेंट लाइब्रेटी में मैंने कहा फाइनेंशियल लाइब्रिटी में बोरिंग आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन अदर नॉन करेंट लाइब्रेटी अलग से होगा और करंट लाइब्रिटी में ट्रेड पेपल फाइनेंशियल लाइब्रिटी के अंदर आएगा प्रोविजन ये शेड्यूल त्री के हिसाब से आपको आता है अब देखो मैंने क्या किया मैंने हु बहू ये सारा फिगर डाल दिया जो हु आपका फिगर है उसमें से मैंने आपको कहा था ना पीपी -पी आपका कम किया था हमने है ना एक बार ये मिटा दे रहा हूँ ये एक बार मिटा दे रहा हूँ आपको याद होगा ट्वेल्व हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव टू एट्टी फिफ्टी हमने कम किया था आप देख लो टू हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव टू एट्टी फिफ्टी कम किया था और सेवनटी फाइव थर्टी फाइव भी हमने कम किया था ये देख लो सेवेंटी फाइव थर्टी फाइव हमने कम किया था और इसकी जगह एक सिंगल लाइन वैल्यू सिंगल लाइन आइटम में इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर हमने दिखाया था कितने का ये वाला अलग अलग से ये दिखाया था तो ये हो गया अब आप बोलोगे सर बैलेंस शीट मैच है जी है, मैच है लेकिन एक चीज रुक गया एक चीज रह गया बस एक ही चीज़ मुझे करना है बस मेरा बैलेंस शीट बैच बताओ क्या करना है

बस उसी एक काम में हमें मेहनत करना और कहीं मेहनत नहीं करना बहुत सारे बच्चे का जवाब भी आने गुडविलियस गुडविल yes. भी तो प्रो राटा एलोकेट होगा देखो गुडविल जो हमारा है इस क्वेश्चन में ये गुडविल जो हमारा है ना इस क्वेश्चन में कहा गया कहा गया कहा गया गुडविल कहा गया ये देखो गुडविल में लिखा हुआ गुडविल सब्सिडरी का भी ज्वाइंट वेंचर का भी है,

राटा करने के लिए एग्जाम के लिए भी मैं ज्यादा लॉजिक नहीं दूंगा मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं अब वही वही एसेट को चुनो जिसमें आपका वेंचर का भी इन्वेस्टमेंट है तो देखो ये वाला है और आपका एक बार गुडविल को छोड़ देना ये वाला हो गया चलो मैं इसमें लिख देता हूं ये वाला है ये वाला है ये सारे एसेट में ज्वाइंट वेंचर का भी इन्वेस्टमेंट है ये सारा एसेट चुनना है और ये वाला एसेट चुनना जिसमें जिसमें ज्वाइंट वेंचर है वो चुना मैंने बाकियों को नहीं लिया देखो मैंने बाकियों को नहीं लिया जिसमें जिसमें ज्वाइंट वेंचर का माइनस किया गया वही वही मैंने लिया गुडविल को एक बार छोड़ दिया मैंने तो मैंने वो सारा फिगर लिखा मैंने मैंने बोला पीपी -पी का टोटल वैल्यू जो जो चुना था वो छह फिगर मैंने ले लिया पर एसेट प्लस में रहेगा लाइब्रिटी माइनस पे रहेगा मेरा ये आया

तो हम क्या बोलेंगे पता है जो प्रोपोर्शन इनका है ना उसी प्रोपोर्शन में गुडविल को एलोकेट कर देंगे लेकिन ये ध्यान रहे इसके अंदर ज्वाइंट वेंचर भी ये जो वैल्यूज दिख रहे हैं ये वैल्यूज में ज्वाइंट वेंचर का वैल्यू इंक्लूसिव है ऑलरेडी तो आप ये सोचो अगर 21630 के लिए गुडविल इतना है तो 1825 के लिए गुडविल कितना होगा सिंपल सी बात है हम बोलेंगे आपका 1507 के लिए अगर आपका वन फाइव जीरो मैं आपको बता दू एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या ने इसको नहीं लिया ने इसको लिया है। क्योंकि मेरी नजर में गलत है क्यों गलत है क्योंकि आप देखिए इधर हम ज्वाइंट वेंचर जो ले रहे हैं वन एट टू फाइव ले रहे हैं इसका पैरेलल में तो ये है। तो अगर आप वन फाइव जीरो सेवन को स्प्लिट करोगे तो ये दोनों के रेशियो में स्प्लिट कीजिए बट आईसी ने इससे स्प्लिट किया आई से ये बोलना चाहता है कि गुडविल पहले इंक्लूड करो और बोलो टू थ्री थ्री सेवन के लिए अगर गुडविल है तो बताओ के लिए कितना होगा उसके लिए आप निकाल लो यहाँ पर तो वो प्रोपोर्सनेट यहाँ पर ही करने को बोल रहा है जो कि मेरे नजर में सही नहीं है तो यहां पर इन्होंने क्या किया वन फाइव जीरो सेवन डिवाइडेड बाई टू थ्री वन थ्री सेवन इंटू वन एट टू फाइव या फिर ऐसे वन फाइव जीरो सेवन है ना इनटू वन एट टू फाइव डिवाइडेड बाई टू थ्री वन थ्री सेवन ऐसे करके हंड्रेड नाइनटी उन्होंने बोला जो प्रोपोर्शन है आपका प्रोपोर्शन कितना परसेंट है मतलब टू थ्री वन थ्री सेवन के मुकाबले वन एट टू फाइव कितना परसेंटेज है सेवन पॉइंट इतना परसेंट है ना तो इतना परसेंट आप लगा दो

2, 3, 1, 3, और इस हिसाब से 119 है। तो ये 119 हमने प्रोपोर्शनेट निकाला हंड्रेड नाइनटीन हम क्या करेंगे यहाँ प्लस करेंगे और हंड्रेड नाइनटीन यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस करने पर और ये भी हमारा वैल्यू आ जाएगा तो आपको मेहनत कुछ नहीं करना कहीं मेहनत नहीं करना बस मेहनत आपका यही है तो ये वाला चीज आप प्रैक्टिस कर लोगे एक बार हो जाएगा प्रैक्टिस में भी बस एक गड़बड़ है आपको गुडविल इंक्लूड करके इसका लेना यानी और इसका प्रोपोर्शनेट लेना मतलब हम को यहां नीचे रख रहे जो कि मेरे नजर में गलत है तो यही है और 1 -9, 1 -1 -9 आया। तो तो और आया आपका कितना आ जा रहा है मतलब प्रोपोर्शनेट प्रॉपर बैठ नहीं रहा है इस वजह से वन नाइन फोर फोर आपका आ रहा है क्या यस वन नाइन फोर फोर आ रहा है समझ में आया प्रॉब्लम प्रॉब्लम समझ में आया यहाँ पर तो रुचि जी क्रक्स बोल रही है देखो क्रक्स कुछ नहीं है टोटल एसेट प्लस गुडविल सी का टोटल आपका सिलेक्टेड एसेट है ना जिसमें जॉइंट वेंचर का भी रोल है टोटल सिलेक्टेड एसेट प्लस गुडविल से जो टोटल आया उससे आप रेशो निकाल लो उससे आप रेशो निकाल लो मतलब अगर आपको याद करना है तो गुडविल कैसे निकालोगे मैम टोटल गुडविल टोटल गुडविल ले लिया आपने इनटू ज्वाइंट वेंचर का नेट एसेट डिवाइडेड बाई पेरेंट सिलेक्टेड एसेट प्लस गुडविल ये गुडविल भी प्लस करके ले इसमें गुडविल को प्लस कर दिया पेरेंट सिलेक्टेड एसेट तो टू वन सिक्स थ्री जीरो का टू थ्री वन थ्री सेवन हम ले अंकित जी बोले बट आईसी ने नहीं लिया मतलब आईसी ने गड़बड़ किया ये वाला रिसेंट वाला में नहीं लिया क्या देख लेता हूँ रुको रिसेंट वाले में चेंज किया है तो अच्छी बात है देख लेता हूँ मैं नहीं किया तो मैं बहुत खुश होने वाला हूँ अगर रिसेंट में ठीक किया है तो ना गड़बड़ गड़बड़ किया हुआ अभी भी कोई लिया हुआ ठीक नहीं किया उन्होंने क्या पता फ्यूचर में ठीक कर दे अलग बात है अभी तक तो ठीक नहीं किए अभी तक तो ठीक नहीं किया उन्हें फ्यूचर में कर दे तो पता नहीं यस अपने गलत करेंगे उपाय नहीं है गलत ही करके आना है जो आईसीए वाला वही करके आना है बस डेड इट हम गलत ही करके आएंगे अब हमारे कौन सा स्टैंडर्ड बचता है सेवन बचते हैं फोर्टी वन बचते हैं बट अभी करने की तो मेरे पास एनर्जी नहीं कराने की बाद में करवा दूं कल करवा दूं एक डेढ़ घंटे में इंडिया सेवन फोर्टी वन के अलावा तो सब करवा दिया ना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ध्यान रखना ऐसे तो रिकॉर्डिंग है इंडिया सेवन का चार बड़े क्वेश्चन का मैंने वीडियो करवाया था यूट्यूब में एक घंटे में कल करवा दूसरा इतना कुछ बड़ा बड़ा बैठा हूँ इंडिया सेवन अभी कराने की हिम्मत नहीं बची तो अंदर है ना थोड़ा टॉन्सिल जैसा हो गया कल फोर्टी वन सेवन करा दूँ मॉर्निंग अच्छा टू भी बचा हुआ है क्या कल करा दूं। कराने की कम एनर्जी नहीं है अभी जिसको करना वो रिकॉर्डिंग से कर लेना अभी करना वो रिकॉर्डिंग से कर लेना एक घंटे के रिकॉर्डिंग में करवाया कल करवा दूंगा तो अच्छे से भी। कल अच्छे से करवा दूंगा कंसेप्ट भी थोड़े से बता दूंगा अभी नहीं हिम्मत है कर या फिर रात को करोगे तो बताओ दस बजे कोशिश करूंगा मैं अभी श्योरिटी नहीं दूंगा टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा थोड़ा सा रिलैक्स करना है मुझे सारे करवाया देखो अब ये सोच लो आप हमने क्या क्या कर लिया हमने है ना मेजर वाले में सब कुछ मेजर इंडेस किया स्मॉल इंडेस पहले कर लिया आज हमने अच्छा खासा कर लिया दो तीन इंडेक्स छोड़ के इस बार तो मैंने सारे ही मैराथन में कवर कराया अभी नहीं करवाता हूँ ठीक है माफ़ करना कल देखते हैं ठीक है हाँ अंकित जी सेवन की तो बात कर रहा हूँ सेवन फोर्टी वन टू और किसी को करना है तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग से कर लूँ ना एक घंटे में हो जाएगा इंडिया सेवन प्रतीक जगाती मारो ना आपको मिल जाएगा लाइव नहीं है भूल गए क्या बोल रहे जोर से चिल्ला रही हूँ लाइव ही तो है हम अभी रुचि जी पर भूल गए कि लाइव नहीं है आप टेक रेस सर आसर पक्का का चलेगा थैंक यू सो मच आरोही जी परविंदर जी आप सभी को थैंक यू सो मच इस बार तुमने बहुत सारा मैराथन पहले एफ का लिया आठ घंटे फिर हमने इंडक्स वन वन सिक्स का लिया फिर स्मॉल इंडक्स का लिया फिर हमने एस एफ एम का लिया उसके बाद फिर हमने मैराथन लिया बिग वाला फिर हमने आज लिया इस बार अच्छा खासा हमने लाइव में हमेशा से सबसे ज़्यादा लिया प्रज्ञा जी कह रहे पुणे में आप बहुत फेमस हो थैंक यू सो मच प्रज्ञा जी लाइक कर देना ठीक है वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा क्वेश्चन भी कल कर डिस्कस करते हैं अच्छे अच्छे जो है वो कल हम देखते हैं ठीक है थैंक यू सर मैं आपकी वजह से पास होंगी मेहनत करो आप अपनी मेहनत से पास हो गए मेहनत करो यस सूर्या तेजा जी ऐसा मैराथन इस बार सोचा लूंगा इस बार सोचा एस एफ एमराथन दिल्ली में भी आप फेमस हो सर थैंक यू सो मच पंकज जी आप सभी को शुक्रिया दिल से धन्यवाद बहुत अच्छा अंकित जी अगर सारे आपके कवर हो गए तो बहुत अच्छी आग लगा दी सर सो मच अजीम चलो तो फिर आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं हिमाचल में भी सर अच्छा क्या बात बहुत बढ़िया तब तो मेरा मन है अभी देखता हूँ हिमाचल में कुछ दिन मनाने जाऊंगा सोच अभी आने लायक है क्या टाइम हिमाचल एग्जाम के बाद मतलब अभी लास्ट टू डे स्ट्रेटेजी कुछ नहीं जितेंद्र जी फटाफट करिए खत्म कीजिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ सारा पढ़िए रिवाइज कीजिए वही अभी आपको कर गोविंद जी कह रहे सर मैं तो सबको बोलता रहता हूँ आपकी क्लास शुक्रिया गोविंद जी थैंक यू सो मच पाकिस्तान में भी अच्छा साहिद जी क्या बोल रहे हो यार बट बुरा मत मानना एक बात कहूँगा साहिद जी पाकिस्तान में लोगों को कहो यार इंडिया से इतनी नफरत ना करे इतना ना जलेसी रखे इस वजह से हमारे अंदर भी हीट आ जाती है नहीं तो एक होता है ना मतलब दिल से बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ मतलब पाकिस्तान मतलब एक होता है ना हमें खुशी नहीं होती क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में एक होता है ना सुनने को मिलता है मतलब सही नहीं लगता है वो चीज़ सही नहीं है मतलब तो हम ऐसे हम इंडियंस को तो सबसे प्यार करने वाले हम है, है ना बट एक्चुअली मेन बात ये है कि कहीं के भी इंसान बुरे नहीं होते वहाँ के पॉलिटिशियंस वगैरह ये सब के चक्कर में दो कंट्रीज के बीच में आपस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सा आ जाती दिसंबर में आना सर कुछ वाइट अच्छा वन टू थ्री फोर प्रतीक सर कीजिए पूरे इंडिया में फेमस थैंक यू सो मच दिनेश जी आशीर्वाद है भगवान का भोले बाबा का आशीर्वाद है मेरी क्या जरूरत टेंशन ना लो भोले बाबा की बस प्रार्थना करो बहुत सही होगा सर एग्ज़ाम के बाद चिल्ला विल्ला लाइव लेना अच्छा दिल वाला लाइव लेना बहुत सारे लाइव पढ़ाई वाले होंगे हाँ ये बात भी सही है कि जी आएंगे कभी मुंबई भी बहुत जल्द आएंगे दिल्ली के दिल में भी आप ही थैंक यू सो मच चलो तो आज का सेशन हम खत्म करते हैं ठीक है फिर मिलते हैं कल अपडेट करूंगा मैं आप लोगों को कल के टाइमिंग के बारे में अपडेट करूंगा आई सी ए पाकिस्तान एडोप्टेड आई एफ आर एस एज इट इज सर आई एम रेफरिंग योर क्लास हाँ साइज जी अब कर सकते हो क्योंकि आपका इंडिया में और आईफॉरस में बहुत ना के बराबर फ़र्क है कहीं कहीं पे कारविन कार्यवाउट है बस वो देख लेने से हो गया आई फॉरस चलो थैंक यू सो मच आप सभी को इतना प्यारा प्यारा मैसेज लिखने के लिए मुजफ्फरनगर आओ सर देखते हैं कभी आना हुआ आएंगे तब सर बिकानेर कब आओगे बिकानेर अच्छी जगह सुना मेरा एक फ्रेंड है वो बीकानेर में उनकी सिस्टर रहती तो उसके बारे में बताता है मुझे हिमाचल आओगे तो हर भी आना हर भी हरियाणा कह रहे हो क्या? बेंगलोर अच्छा इस मन तो ये हर जगह जाऊँ एक बार आप लोगों से बहुत जनों से मिलना हो जाएगा बिहार आएंगे कभी बिहार भी अगर आना होगा आऊँगा तो अपडेट करूँगा ये पक्का टेलीग्राम में टेलीग्राम में अपडेट करूंगा आप लोगों को आया तो चलिए तो फिर अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते अभी सही भी नहीं होगा टाइम वेस्ट करना आप लोग का एग्ज़ाम से और आप लोग को मेहनत करनी चाहिए अभी तो आप लोग अभी अच्छे से मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए अभी हम यहाँ पर एक एक वक्त कीमती है आप लोग के लिए तो हम अननेसेसरीली टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं करेंगे ठीक है और आप लोग भी अभी सारी चीज़ों को छोड़ के अभी आप पढ़ाई पर लग जाइए और बाद में एग्ज़ाम के बाद पॉसिबल हुआ लाइव आएंगे बात करेंगे चलो बाय बाय एवरी